नमस्कार गुड मॉर्निंग टू यू ऑल कैसे आप सभी लोग चलिए जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाइए ताकि सेशन को प्रारंभ किया जाए और आप सबको पता ही है कि सड़सठवीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो है ये सितंबर के आखिरी सप्ताह में प्रस्तावित है वहीं 20 और 22 है ना सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि दो दिनों में बी का एग्जाम लिया जाएगा तो बहुत ही नज़दीक आ चुका है और अभी देखे तो लगभग हमारे पास 28 से 29 दिन है और इस 28 से 29 दिन में मेरे द्वारा आप सभी का जितना भी सब्जेक्ट है जहां से बिहार से संबंधित जो एग्ज़ाम है चाहे बिहार दरोगा हो या फिर आपका बीपीएससी हो इन सभी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं इन सभी का रिवीजन मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा स्पेशली ये जो क्लासेस है ये मुख्य रूप से सड़सठवीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर करवाया जा रहा है और ये मुख्य रूप से है क्या क्रैश कोर्स है ये आपके अंतिम समय काल में सभी विषयों का संपूर्ण तरीके से आपका रिविजन करवाने के लिए प्रारंभ किया गया है और इस कक्षा के अंतर्गत सबसे पहली कक्षा हमारी सुबह नौ बजे से बिहार का भूगोल होने वाला है है ना तो एक कक्षा आपकी यहाँ पर बिहार राज्य विशेष चलेगी तो दूसरी कक्षा आपकी आधुनिक भारत के इतिहास की चलेगी अगर इसकी बात कर ले आज और कल दो कक्षाओं में पूरा बिहार का भूगोल में कंप्लीट करवा दूंगा क्योंकि यहाँ पर 10-20 मिनट या आधे घंटे की कक्षा अब नहीं होने वाली ये जो कक्षा चलेगी लगभग दो घंटे या इससे ज्यादा भी चल सकती है और बिहार राज्य विशेष के अंतर्गत जितने भी टॉपिक है लगभग 11 टॉपिक है भूगोल में तो भूगोल में से 11 में से पांच से टॉपिक आज हम कर जाएंगे और पांच से छह टॉपिक कल प्रार... है ना कल हमारा पूरा हो जाएगा ठीक है ना तो बेहतर तरीके से सारी चीजें यहाँ पर करने वाले हैं बस आप लोग ये थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा एक बार सभी लोग जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं सब लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा जो जहां कहीं भी जुड़े हो अपने स्टेटस पर लगा दीजिए फेसबुक जुड़े हुए हैं वहां से है ना ट्विटर इंस्टाग्राम जहां पर भी जो कोई भी जुड़ा हुआ है एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए एक दो मिनट का समय है और फिर सेशन को स्टार्ट करते धमाकेदार तरीके से यूट्यूब पर आप कहीं भी ढूंढ लीजिए ना ऐसा सेशन कोई आज तक करवाया है और ना ही भविष्य में करवा सकता है क्योंकि अगर इतना करवाने लग जाए तो फिर उसका पेड़ बैच जो है वो चलेगा कैसे और जो चीज पेड बैच में करवाई जाती है मैंने भी पढ़ा है पेड बैच में वही सारी चीजें आपको यहां पर उससे कहीं ज्यादा देने वाला हूं बस प्रारंभिक परीक्षा के प्रारंभिकोण से चल रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर मैं फास्ट चलूंगा लेकिन पीडीएफ जितनी भी है सारी की सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं करवाऊंगा क्योंकि यह पब्लिकली नहीं थोड़ा सा इसका मिसबिहेव भी कर दिया जाता है गलत फायदे भी उठाए जाते हैं इसलिए ये जो पीडीएफ मिलेगी आपको कुमार क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगी एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और जितनी क्लासेस होगी सबका पीडीएफ आप सभी को प्राप्त हो जाएगा ठीक है तो सेशन को स्टार्ट करें सबने शेयर कर दिया अगर आज का व्यूज ज्यादा नहीं गया तो फिर मजा नहीं आएगा ना इतनी बेहतर चीजें दे रहा हूं यही चीजें मैंने पेड बैस में करवाया और जहां पर मैंने करवाया था वहां की टॉप सेलिंग है ना टॉप सेलिंग क्लासेस में से आपकी एक थी बिहार राज्य विशेष वही सारी चीजें आपको आज फ्री में यहां पर देने वाला हूं ठीक है स्टार्ट करें चलिए यहां पर मोहित जी है रोहित रु, रु, जी भी है गुड्डू शर्मा जी प्रवीण जी ब्रजेश जी बाजीराव जी भी उपस्थित है जोया जी अच्छा सात ब्रेन भी है सात ब्रेन जी अपना नाम बता दीजिएगा आदित्य ठाकुर जी भी हैं प्राची शशि जी सब लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर उपस्थित हो जाइएगा सबके कमेंट के लिए आ, सामने स्क्रीन लगा हुआ है तो कमेंट पर भी मैं ध्यान दूंगा लेकिन कब जब एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं जोरदार तरीके से सभी लोग लाइक शेयर अवश्य ही करेंगे और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे देखिएगा ये मेरे हैंड रिटिंग नोट्स हैं अब इसको टाइप करवा तो शायद इतना जल्दी मैं नहीं करवा पाता क्योंकि टाइप करने में बहुत समय लगता है और कंटेंट बहुत ज्यादा है तो जितने भी क्लासेस करवाने वाला हूँ सारे मेरे चलिए अब ठीक चल रहा है एक बार सभी लोग बताएंगे एक बार सभी लोग बताएं और जल्दी से जल्दी उपस्थित हो है ना अब इंटरनेट को क्या कर सकते हैं फाइव जी वाला जो बैंड है फाइव जी वाला बैंड काम करना बंद कर दिया अभी मैं फोर जी बैंड से कनेक्ट हूँ तो क्या सब कुछ अब प्रॉपर चल रहा है एक बार सभी लोग बताएं फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं पसीने निकल गए सारे स्टार्ट करें अभी फोर जी से चल रहा है अब फोर जी में देखिए कितना बढ़िया चलता है फाइव जी की तो स्पीड बहुत ज़बरदस्त है दो सौ से ऊपर स्पीड है लेकिन अभी फोर जी से मैंने कनेक्ट कर रखा है ठीक है जब भी बफरिंग होगा आप लोग एक बार बताइएगा क्योंकि अब ध्यान स्क्रीन पर भी रहेगा ठीक है ना स्टार्ट करें तो देखिएगा बिहार के भूगोल की बात कर लें तो बिहार के भूगोल के जो टॉपिक हैं मुख्य रूप से ग्यारह टॉपिक अगर हम मुख्य परीक्षा की बात कर ले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करें तो इसमें से कौन कौन से टॉपिक है सब सबसे पहला टॉपिक है बिहार की भौगोलिक स्थिति संरचना एवं उच्चावच ये पहला टॉपिक है यहां से एक से दो प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते रहे हैं उसके बाद दूसरा टॉपिक हो जाता है हमारा भौगोलिक प्रदेश तीसरा टॉपिक है अपवाह प्रणाली जिसके अंतर्गत बिहार की नदियां जलप्रपात झील एवं आर्द्र भूमि क्षेत्र की चर्चा करेंगे चौथा टॉपिक है जलवायु और पांचवा टॉपिक है मिट्टिया है ना तो आज ये पांच टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं ठीक है ना उसके बाद कल की कक्षा में वन एवं वन्य जीव कृषि एवं पशुपालन सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं खनिज एवं उससे संबंधित उद्योग आधारभूत संरचनाएं जिसमें परिवहन संचार के साधन एवं ऊर्जा और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आपदा एवं आपदा प्रबंधन ये कल की कक्षा में हम कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है, है ना एक बार सभी लोग बताइएगा आप तो ठीक चल रहा है ना बस मेरा कमेंट वाला जो है ना ये नहीं चल पा रहा एक बार मैं इसको भी रिफ्रेश कर लू ठीक है तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिएगा आज की कक्षा में पांच टॉपिक कंप्लीट होगा कल की कक्षा में पांच टॉपिक और दो कक्षाओं में पूरा बिहार का भूगोल मैं कंप्लीट करवा दूंगा उसके बाद से एक कक्षा में बिहार का प्राचीन इतिहास एक में मध्यकालीन और दो कक्षा में बिहार का आधुनिक इतिहास यानी कि चार कक्षाओं में पूरा बिहार का इतिहास हो जाएगा दो कक्षाओं में बिहार का भूगोल हो जाएगा और इतने तेजी से हम लोग रिविजन करेंगे कि मजा आ जाएगा ठीक है ना तो एक बार सब लोग फिर से शेयर कर दीजिएगा बहुत सारे लोग उपस्थित थे लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर बफरिंग की समस्या को लेकर रिटर्न चले गए एक बार फिर से उनको बुलाइए अब आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से देखिएगा पिक्चर वाइज सारी चीजें हैं इसमें ये नोट्स जो है दो साल पहले का है लेकिन आज मैंने कुछ अपडेट भी किया हुआ है तो जो भी अपडेट यहां पर किया हुआ है सारी चीजें मैं यहां पर बताते हुए चलूंगा सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति को लेकर तो आप सबको पता ही है कि बिहार जो है ये भारत के अट्ठाईस राज्यों में से एक राज्य है।, है ना तो 28 राज्यों में से एक राज्य है सबसे पहले हम पृथ्वी पर स्थिति की बात करते हैं तो किसी भी स्थिति को जानने के लिए समझने के लिए हमने दो काल्पनिक रेखाएं यहां पर खींच रखी हैं। एक रेखा को हम क्या बोलते हैं अक्षांश रेखा और दूसरी रेखा को हम बोलते हैं देशांतरीय रेखा इन दो रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी लोकेशन को समझ पाते हैं तो सबसे पहले बिहार को समझने से पहले अगर भारत को हम समझें तो आप सबको पता ही होगा भारत कहां तो अगर हम पृथ्वी की बात करें ये अपनी पृथ्वी हो गई तो यहां से क्या है जीरो डिग्री अर्थात विश्वत रेखा जो सबसे बड़ा जो यहां पर अक्षांशीय रेखा है उसे विश्वत रेखा के नाम से जानते हैं और इसके ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है इन दोनों को मिलाने वाले जो हमने रेखा खींच रखा इसको रेखा कहते हैं और इस हिसाब से देखें तो भारत की अवस्थिति अवस्थिति है है यहां पर यानी कि विश्वत रेखा के उत्तर में भारत की है और ऐसे देखें भारत का विस्तार तो आठ डिग्री चार मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर सैतीस डिग्री छह मिनट उत्तरी अक्षांश तक जबकि देशांतरीय विस्तार की बात कर ले तो अड़सठ डिग्री सात मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर संतानवे

तो 24 डिग्री है ना यहां पर क्या है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक जबकि देशांतरीय विस्तार की बात कर लें तो तेरासी डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर अट्ठासी डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड उत्तरी पूर्वी देशांतर तक बिहार का विस्तार देखने को मिल जाता है अगर इसकी हम आकृति देखें तो इसकी आकृति लगभग आयताकार आपको देखने को मिल जाती है और इसमें अगर हम विस्तार देखें है ना लंबाई चौड़ाई के हिसाब से तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ विस्तार देखें तो ये लगभग चार सौ किलोमीटर लंबा जबकि हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो लगभग 345 किलोमीटर विस्तारित है तो ये इसकी क्या हो गई भौगोलिक स्थिति हो गई अब कई बार प्रश्न पूछ ले जाता है कि भारत के किस क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है तो ध्यान रखिएगा बिहार की जो स्थिति है चूंकि ये क्या है यहां पर आपका क्या है हिमालय है।, है ना यहां पर क्या है हिमालय पर्वत इसके बाद यहां पर गंगा का मैदानी क्षेत्र है और बिहार की अवस्थिति हम देखें तो गंगा के मध्य मैदानी भाग में मध्य क्यों तो इधर हमारा पश्चिमी भाग हो जाता है इधर पूर्वी भाग और बिहार वाले क्षेत्र में है ना बिहार और यहां से आधा जो उत्तर प्रदेश है इन दोनों को मिला दे तो ये मध्य भाग कहलाता है इसलिए बिहार की स्थिति की हम बात करें तो ये गंगा के मध्य मैदानी भाग में स्थित है और भारत में बात करें भारत के किस क्षेत्र में है तो भारत के पूर्वी क्षेत्र है ना उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी मध्य और ये पूर्वोत्तर तो अगर बिहार की बात कर ले कि भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है तो ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है ये बातें ध्यान में रखिएगा तो आशा करता हूं भौगोलिक स्थिति इसकी क्या है ये सारी चीजें आप सभी को समझ में आ गई होगी इसके बाद देखिएगा यहां पर ये जो बिहार का वर्तमान स्वरूप तो है है ना ये जो बिहार का वर्तमान स्वरूप तो है एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिएगा पहले बिहार ऐसा नहीं था पहले बिहार जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा हुआ करता था फिर आपने देखा कि उन्नीस में स्वदेशी आंदोलन चले क्यों चले क्योंकि बंगाल को विभाजन कर दिया गया कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया और वो भी किस उद्देश्य से चूंकि पर राष्ट्रीयता बड़े स्तर पर जागृत हो रही थी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही थी और इसी को खंडित करने के लिए इसने हिंदू मुस्लिम क्षेत्र को अलग अलग करके दो प्रांतों में विभाजित कर दिया इसी के समय काल में देखा जाए थोड़ा पहले से ही अलग से बिहार राज्य की स्थापना के लिए भी यहां पर क्या चल रहा था तो यहां पर आंदोलन चल रहा था पृथक बिहार आंदोलन और इसी का रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलता है कि वर्ष 1911 में जो दिल्ली दरबार लगाया जाता है इस दिल्ली दरबार में सबसे पहला कार्य तो होता है कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाता है लेकिन साथ ही साथ दूसरा अनाउंसमेंट यहां पर यह भी होता है कि बंगाल से अलग करके उड़ीसा और बिहार इन क्षेत्रों को मिलाकर हम एक नए राज्य के रूप में स्थापित करेंगे तो सबसे पहले यह तो बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था फिर यहां पर देखें 1912 से 22 मार्च 1912 से यह बिहार उड़ीसा वाले क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य के रूप में स्थापित कर दिया जाता है और इसी 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं लेकिन फिर आगे चलकर उड़ीसा यहां पर 1936 में है ना उड़ीसा 1936 में अलग हो गया और फिर वर्ष 2000 हजार ईस्वी में है ना नवंबर में फिर से बिहार के दक्षिणी जिलों को मिलाकर हमने एक नए राज्य के रूप में स्थापित कर दिया जिसे झारखंड कहा और उसके बाद से जो स्वरूप आपको दिखाई देती है इसी को वर्तमान बिहार का स्वरूप कहा जाता है तो आशा करता हूं वर्तमान स्वरूप के बारे में भी आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे इसके पश्चात देखिएगा अगर क्षेत्रफल की बात कर ले तो जो वर्तमान बिहार है चौरानबे हजार एक सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है या अगर मील में बात करें तो छत्तीस हजार तीन सौ सत्तावन वर्ग मील जो भारत के कुल क्षेत्र का दो दशमलव आठ छह क्षेत्रों पर विस्तारित है के से तो ये बिहार का बारहवा सबसे बड़ा राज्य है जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखे तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाता है जिसमें दस करोड़ चालीस लाख निन्यानवे व्यक्ति निवास करते हैं और ये जो डेटा है दो 11 की जनगणना के अनुसार है क्योंकि तो 2011 के पश्चात 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना महामारी के द्वारा है ना इतना तबाही हुआ कि अभी तक जनगणना यहां पर हो नहीं पाई है तो अभी तक जो भी यहां पर डेटा होगा ये 2011 की जनगणना के अनुरूप ही हो जाएगा ठीक है इतनी बातें क्लियर है अब देखिएगा अगर इसकी सीमा की बात कर ले अब यहां पर देखिएगा सीमा से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते रहे तो आप देखेंगे कि भारत के इधर है ना ये क्या है नेपाल है नेपाल क्या है एक अलग देश है और इस नेपाल से देखे तो बिहार की सीमा साझा होती है यानी कि सीमा की बात कर ले तो इधर राज्यों में देखे तो इधर पश्चिमी क्षेत्रों में आपका उत्तर प्रदेश है दक्षिण में झारखंड अवस्थित है और इधर देखिए पूर्वी क्षेत्र में तो वेस्ट बंगाल अवस्थित है और उत्तर में देखिए तो एक देश जिसे नेपाल के नाम से जाना जाता है अर्थात हम कह सकते हैं कि बिहार के जो अड़तीस जिले हैं इन अड़तीस जिलों में से कुछ जिले जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा भी करते हैं कौन कौन से करते इसकी भी चर्चा करेंगे क्योंकि यहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाते रहे तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर ले तो बिहार अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है और साथ ही साथ राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है बिहार के सात ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं तो 38 जिले 38 में से 22 ऐसे जिले ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है और एक बार पूछा भी गया है तो ध्यान रखिएगा कि बिहार के 38 जिलों में से 22 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी के साथ चाहे भारत के राज्यों के साथ या फिर किसी देश के साथ यानी ने कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं ये बातें ध्यान में रखिएगा और बाकी जो बच गए है ना उसको क्या बोलते हैं भू आविष्ठित जिले तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे आशा करता हूं पहला स्लाइड सभी लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे अगर मजा आ रहा है तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा चलिए प्रियंका जी का एक प्रियंका श्रीवास्तव जी का यहां पर कमेंट है कि थैंक यू सो मच सर बट आई रिक्वेस्ट यू सर क्लास बंद मत कीजिएगा क्लास करवाइएगा क्लास बंद ही नहीं करनी ना अगर बंद करना होता तो हम यहां पर स्टार्ट क्यों करते तो ये क्लास बंद नहीं होनी है बस जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक रेगुलर तरीके से प्रतिदिन दो क्लासेस होगी ये क्रैश कोर्स है और चूंकि आप देखेंगे यूट्यूब पर यही होता रहा है कि बार बार प्रश्नोत्तरी फॉर्मेट में लेकर आते हैं इसमें समय ज्यादा लगता है टेस्ट देना है तो टेस्ट सीरीज आपके लिए मैंने उपलब्ध करवाया है ना हर सैटरडे और संडे को सैटरडे या संडे एक दिन जो भी हम पांच दिन कक्षा करने वाले हैं है ना तो स्टार्टिंग में तो पहला बिहार स्पेशल में भूगोल और बिहार का भूगोल और दूसरा आधुनिक भारत का इतिहास होने वाला है तो इन सब से संबंधित टेस्ट सीरीज भी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं जो आपका अपना एप्लीकेशन है कुमार क्लासेस एप्लीकेशन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा सैटरडे या संडे को है ना संडे ही ज्यादा बेहतर रहेगा तो संडे को आपकी टेस्ट सीरीज भी मैं लॉन्च कर दूंगा जो भी हमने पांच दिन में पढ़ा उससे संबंधित सौ क्वेश्चन होंगे आप सभी लोग टेस्ट दीजिए हम क्यों यहाँ पर प्रश्नोत्तरी फॉर्मेट में अपना समय व्यतीत करें उससे ज्यादा समय लग जाता है रिविजन कम होता है और

है ना ये क्या है अपना बिहार है अगर इसकी सीमाओं की बात कर ले सीमाओं से कई बार प्रश्न पूछा जाता रहा है तो आप सबको पता ही कि इसके उत्तर में देखे तो एक देश है जिसे नेपाल के नाम से जाना जाता है ना नेपाल है फिर इधर देखे तो हमारा राज्य है एक उत्तर प्रदेश दक्षिण में देखे तो झारखंड हो जाता है और इधर पूर्वी क्षेत्रों में देखे तो वेस्ट बंगाल हो जाता है ये हमारे चार चारों साइड के क्या है जिले हैं जिलों की बात कर ले तो टोटल हमारे पास अड़तीस जिले हैं इन अड़तीस में से सात जिले जो हैं ये नेपाल के साथ अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और कई बार प्रश्न यहां से आपके पूछे जाते रहे सबसे पहला जिला जो है ये वेस्ट चंपारण फिर अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते जाए तो सबसे पहले वेस्ट चंपारण फिर ईस्ट चंपारण फिर सीतामढ़ी फिर मधुबनी सुपौल अररिया और किशनगंज ये सात ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं

फिर गोपालगंज सारण ध्यान में रखिएगा सारण ऐसा प्रमंडल है जिसके सभी जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं ना प्रमंडलों में हमने इसको विभाजित कर रखा है तो सारण प्रमंडल में तीन जिले गोपालगंज सीवान सारण ये तीनों के तीनों जिले जो हैं, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं तो ये क्या होगा ये जो आपके उत्तर गंगा के मैदानी क्षेत्र हो गए इसमें के चार जिले हो गए और फिर इधर देखें तो भोजपुर बक्सर कैमूर और रोहतास ये चार जिले यानी कि टोटल आठ जिले जो हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं अब इधर देख ले हम वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल को मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूं और इसमें सबसे पहले किशनगंज पूर्णिया और कटिहार ये तीन जिले जो है ये वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं उसके पश्चात यहां से क्या है आपका झारखंड है क्या है झारखंड है और झारखंड की बात करें तो इसको भी मैं ब्लू से डिनोट करता हूं नहीं आ, इसको मैं रेड से डिनोट कर रहा हूं तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा है ना यहां से देखते हैं सबसे पहले रोहतास फिर औरंगाबाद गया नवादा उसके बाद आगे बढ़ेंगे जमुई बांका भागलपुर और अगर यहां पर ये क्या है गंगा नदी है है ना यहां से गंगा नदी निकली हुई है तो अगर देखे तो यहां पर भी कटिहार का भी अगर गंगा नदी को ले ले तो कटिहार भी यहां पर सीमा साझा करता है तो झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हो गए रोहतास औरंगाबाद गया नवादा जमुई बांका भागलपुर और थोड़े स्तर पर कटिहार तो ये सीमा साझा करने वाले क्षेत्र हो गए इसको आप लोग अवश्य यहां पर ध्यान में रखिएगा क्योंकि सीमाओं से बार बार आपके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं है ना अब आइए इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं प्रमंडलों की चर्चा जब बिहार की राज्य व्यवस्था करवाऊंगा तो वहां पर प्रमंडल जिले है ना कब कौन से जिले बनाए गए इन सब की भी चर्चा परिचर्चा करूंगा बिहार राज्य विशेष आपके मन मस्तिष्क में बैठा दूंगा समग्रता से सारी चीजें हम लोग यहां पर करने वाले हैं ठीक है थीके? बस रिक्वेस्ट क्या है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें है ना जितने ज्यादा आप लोग शेयर कर देंगे उतना ही ज्यादा मजा आ जाएगा बाजीराव जी बोल रहे हैं कि सर आप क्लास में टैग क्यों नहीं डालते डालता हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कैसे डाले आपने तो चैनल एक का है ना तो आज मैं क्लास के बाद है ना आपको एक बार मैं कॉल कर लूंगा थोड़ा सा समझा दीजिएगा इस चीज में मैं थोड़ा सा नया सारी चीजें तो मैंने सीखा है लेकिन इस चीज में YouTube को लेकर थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा सा अगर आप दे दे तो और भी ज्यादा मजा आ जाए ठीक है ना अब आइए अगली टॉपिक हमारा क्या था भौगोलिक संरचना अब आइए बिहार के भौगोलिक संरचना की हम बात करते हैं अगर बिहार के भूगोल को हम देखें है ना यहां की आकृति को देखें जो चट्टाने हैं चट्टानों की संरचना की अगर हम बात करें तो सबको लगता है कि बिहार क्या है ऐसे क्षेत्र में है जहां पर गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए सादी चट्टानों से निर्मित है अर्थात नई चट्टाने सबसे नई चट्टाने यही हैं, जो नदियां होती हैं, जब भी चलेगी अपने साथ विभिन्न जो अगल बगल की चट्टाने इन सब को काटते हुए लेकर चलती है और जहां धीरे धीरे ढलान कम होता है अपनी अवसादों को अगल बगल क्या करती है फैला देती है और इसी से मैदानी भागों का निर्माण होता है और बिहार में भी देखें तो लगभग पंचानवे प्रतिशत क्षेत्र जो है ये मैदानी भाग है तो सबके मन मस्तिष्क में ये रहता है कि बिहार पूर्णतः मैदानी क्षेत्र है ध्यान रखिएगा मैदानी क्षेत्र तो है सबसे ज्यादा लेकिन यहां पर सारे प्रकार की संरचनाएं आपको दिखाई देती है हिमालय का विस्तार भी बिहार में है पठार का विस्तार है ना जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसका भी विस्तार आपको बिहार में है और मैदानी क्षेत्रों का भी विस्तार बिहार में है तो आइए इन सब की चर्चा परिचर्चा हम यहां पर करने वाले हैं चट्टानों की बात कर ले, तो सबसे पुरानी भी बिहार में अवस्थित है और सबसे नई प्रकार की चट्टाने भी बिहार में अवस्थित है तो ऐसे कहा जा सकता है कि बिहार में केवल नई चट्टाने नहीं बल्कि नई के साथ साथ पुरानी चट्टाने सारी प्रकार की चट्टाने आपको यहां पर दिखाई पड़ती है तो चट्टान देखिए बिहार में प्री कैबरियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प यानी कि जो हाल ही में निर्मित हो रहा है अभी भी निर्मित हो रहा है इन सभी प्रकार की चट्टाने आपको यहां पर दिखाई देती है जैसे प्री कैब्रियन कल्प से संबंधित चट्टानों की बात कर ले तो धारवाड़ और विंध्यन क्रम की चट्टाने जो है ना इन क्षेत्रों में ये जो क्षेत्र है धारवाड़ और विंध्यन क्रम की चट्टाने जो हैं ये सबसे पुरानी चट्टाने हैं जो बिहार में अवस्थित हैं है ना ये बातें ध्यान रखिएगा और ये किसके भाग है तो दक्षिणी पठारी भाग की है ना अगर पठारी भाग की बात करें तो ये सारे क्षेत्र जैसे झारखंड में सबसे ज्यादा पठारी क्षेत्र चला गया हमारे जो खनिज संसाधन थे बिहार पहले खनिजों से संपन्न था लेकिन होता क्या था जो झारखंड राज्य की मांग की गई इस आधार पर मांग की गई कि भैया जो भी खनिज संसाधन है निकाल तो हमारे क्षेत्र से रहे लेकिन डेवलपमेंट किसका हो रहा है पटना का हो रहा है रांची का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इसलिए यहां पर अलग से राज्य की मांग की गई और अंततः वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना भी हो जाती है इसी स्थापना के साथ ही बिहार के पंचानवे प्रतिशत खनिज संसाधन जो थे वो सब के सब झारखंड में चले गए मात्र पांच प्रतिशत बचे हुए हैं और ये भी उन सभी क्षेत्रों में जो झारखंड से लगे हुए जिले हैं इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है तो प्री कैरियन कल्प की चट्टाने जो हैं ये और विंध्यन क्रम की चट्टानों के रूप में जो दक्षिणी भाग हैं इस भाग में आपको बिहार में दिखाई पड़ते जबकि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है जैसे कि यहां पर क्या है ये पूर्णतः हिमालय और हिमालय का सबसे जो दक्षिणतम विस्तार है उसे शिवालिक के नाम से जानते हैं और इस शिवालिक की बात कर ले तो इस शिवालिक का विस्तार आपको कौन से तो पश्चिमी चंपारण जिले में आपको दिखाई पड़ता है तो यहां पर शिवालिक का विस्तार भी देखने को मिलता है जब हिमालय का दूसरा उत्थान हुआ था 45 मिलियन वर्ष पहले उस समय लघु हिमालय का निर्माण हुआ और इसी के निक्षेपों से शिवालिक का भी निर्माण हुआ लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व और इसी शिवालिक का विस्तार आपको बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में दिखाई पड़ता है साथ ही साथ अब इसको छोड़ दे चूंकि ये पठारी क्षेत्र हो गए और ये आपके पर्वतीय क्षेत्र हो गए तो इधर आपके दक्षिणी क्षेत्रों में पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे और इधर आपको पर्वतीय क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे और इसको छोड़कर जो सबसे ज्यादा भाग आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है मैदानी क्षेत्र है जो मध्यवर्ती गंगा का मैदानी क्षेत्र है जिसका निर्माण चतुर्थ महाकल्प में हुआ प्रारंभ हुआ क्योंकि हिमालय का निर्माण हुआ वहां से नदियां चलने लग गई और इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से चूंकि ये जो क्षेत्र है ना आप देखेंगे यहां पर पहले क्या था टेथी था टेथिस सागर है है ना हिमालय निर्मित कैसे हुआ तो एक तरफ इधर कौन यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो पहले दक्षिणी गोलार्ध में थी वहां से विश्व रेखा को पार करते हुए उत्तरी गोलार्ध में आकर कहा तो जहां टेथी सागर था वहां पर आकर क्या हुआ टकरा गया किससे तो यूरेशियन प्लेट से और उसी के से क्या हुआ तो हिमालय का निर्माण हुआ तो यहां पर तो बिहार के कुछ जिलों में पेट्रोलियम भी पाया जाता है जब खनिज संसाधन की चर्चा करेंगे तो वहां पर बेहतर तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये बातें समझ में आ गई भौगोलिक संरचना सबको समझ में आ गया कि यहां पर पुरानी चट्टाने आपको दक्षिणी क्षेत्रों में उसके बाद दूसरे नंबर पर शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका मैदानी क्षेत्र देखने को मिल जाता है अब यहां पर भूगर्भीय संरचना के आधार पर अगर बिहार की चट्टानों की बात करें तो बिहार की चट्टानों को हम चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं और ये चार वर्ग कौन कौन सी हैं? सबसे पहला वर्ग है धारवाड़ क्रम की चट्टाने दूसरा है विंध्यन क्रम की चट्टाने तीसरा है टर्सरी चट्टाने और चौथा देख लीजिएगा यहां पर क्या है क्वाट चट्टाने तो इन चार प्रकार की चट्टानों में बिहार

कुमार क्लासेस एप्लीकेशन पर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और ये पहला वीडियो बना दीजिए कि लाइव समाप्त होते ही कम से कम एक हजार लोगों से से लोगों लोगों ज्यादा ने इसको देखा हो तभी तो मजा आएगा और यही जब इतना मेहनत मैं कर रहा हूं तो थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को करना चाहिए ना चलिए तो नितेश जी ऑफलाइन क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुआ है थोड़ा सा बजट जो है बजट यहां पर कम हो गया आप सबको पता ही है कि इनकम का जो सोर्स था अभी कोई रहा नहीं है और बजट कम से कम पांच लाख रुपए लग जाते ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने में है ना और स्टार्ट करने के बाद भी अकाउंट में पांच लाख रुपए ना हो तो फिर एक वर्ष तक हम उसको चला नहीं पाएंगे थोड़ा सा बजट शॉर्ट हो गया है इसलिए थोड़ा सा मैं डिले करने वाला हूं ऑफलाइन में बाकी ऑनलाइन क्लासेज आपकी यहां पर चलती रहेगी ठीक है अब देखिएगा अगर चट्टानों की बात कर ले तो सबसे पहले हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करते हैं ये चट्टाने जो है प्री कैम्बरियन युग में इसका निर्माण हुआ यानी कि सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है धारवाड़ क्रम की चट्टाने ठीक है और इसका विस्तार देखें तो जो मुंगेर जिला का है ना मुंगेर जिला का ये जो खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र है यहां पर साथ ही साथ यहां पर आपको जमुई जिला दिखाई दे रहा है है ना बिहार शरीफ आपको दिखाई देगा है ना उसके बाद ये नवादा वाला क्षेत्र फिर यहाँ पर राजगीर वाला जो क्षेत्र हो गया है ना बोध वाला क्षेत्र हो गया तो इन सभी क्षेत्रों में जो विस्तार है जिस चट्टानों की वो कौन सी धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं और ये बिहार की पुरानी चट्टानों में से एक है ठीक है साथ ही ये इन सब की बात कर लें तो ये सभी पहाड़ियां जो हैं ये छोटा नागपुर पठार जो है अभी वर्तमान झारखंड में है है ना छोटा नागपुर पठार इस पठार का ही विस्तार आपको बिहार में देखने को मिल जाता है ठीक है अगर इस चट्टानों की बात कर ले तो ये आग्नेय प्रकार की चट्टाने होती

क्रम की चट्टाने और ये इसका भी निर्माण तो प्री प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन युग युग में ही हुआ है ना प्री युग में ही इसका हुआ है ना तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास जिले आते हैं तो ये कौन सा हो गया धारवा क्रम की चट्टाने और ये विंध्यन क्रम की चट्टाने हो गई आशा करता हूं कि इन दो चट्टानों के बारे में आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे तो विंध्यन क्रम की चट्टाने बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में इसका विस्तार है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से रोहतास और कैमूर जिले आते हैं और यहाँ की चट्टानों में देखे कौन कौन सी चट्टाने पाई जाती है तो यहाँ पर चूना पत्थर डोलोमाइट बलुआ पत्थर क्वाडजाइट आदि प्रकार की चट्टाने यहाँ पर पाई जाती है साथ ही साथ इन चट्टानों में पायराइट खनिज भी पाया जाता है और इसी पायराइट से गंधक को निकाला जाता है ये बातें ध्यान में रखिएगा साथ ही साथ चूंकि ये जो क्षेत्र है है ना यहां पर ये कौन सा क्षेत्र है यहां पर जीवाश्म पाया जाता है जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है क्यों क्योंकि पहले जब ये भारतीय प्लेट जो है ये टकराया नहीं था अभी तो जहां पर टकराया चूंकि यहां पर पहले क्या था तो पहले यहां पर समुद्री निक्षेप हुए करते थे और समुद्री जीव जो है इसमें क्या हो गए दब गए तो जहां पर समुद्री जीव दब जाते हैं वहां पर पेट्रोलियम का निर्माण हो जाता है जहां पर पेड़ पौधे दब जाते हैं वहां पर कोयला का निर्माण हो जाता है तो चूंकि यहां पर समुद्री निक्षेप पाए जाते थे पहले इसलिए यहां पर जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है ये बातें ध्यान रखिएगा साथ ही साथ ज्वालामुखी संरचनाओं की भी बात कर ले तो ये जो क्षेत्र है आपका विंध्यन क्रम की चट्टी ने यहां पर ज्वालामुखीय सनस संरचनाओं के प्रमाण भी मिलते हैं और औरंगाबाद का जो नवीनगर क्षेत्र है यहां पर ज्वालामुखी संरचनाएं भी पाई जाती है यह बातें विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा ठीक है तो आशा करता हूं दो चट्टाने आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बच गए हमारे दो आइए अब इसकी चर्चा करते हैं तीसरी प्रकार की जो चट्टाने प्रकार की चट्टाने और इसका निर्माण हम बात करें तो इसका निर्माण पेलियोसिन और मायोसिन कल्प के अंतर्गत हुआ है ना पेलोसिन और मायोसिन कल्प के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ और इसके विस्तार की बात कर ले तो हिमालय का जो दक्षिणी श्रेणी है दक्षिणी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं शिवालिक है ना सबसे पहले वृद्ध हिमालय फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक ठीक है ना तो ये जो दक्षिणी श्रेणी है जिसे शिवालिक श्रेणी कहते हैं इसी का विस्तार आपको बिहार का ये जो पूर्वी चंपारण जिला है इस पूर्वी चंपारण जिले में देखने को मिल जाता है अगर इसकी चट्टानों में बात करें कैसी कैसी चट्टाने पाई जाती है तो यहां पर बालू पत्थर बोल्डर क्ले कांग्लोमरेट प्रकार की चट्टाने पाई जाती है साथ ही साथ चूंकि ये क्षेत्र कौन सा था वही टेथी सागर वाला इसलिए यहां पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए जाते हैं कारण क्या है चूंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर टेथी सागर हुआ करता था और इसी टेथिस सागर के अवसादों से हिमालय का निर्माण हुआ है और उसी का विस्तार आपको बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में देखने को मिलता है इसलिए यहां पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के संभावनाएं भी हैं यहां पर भंडार भी पाए जाते रहे ठीक है थीके? उसके बाद चौथे प्रकार की जो चट्टाने हैं इसको क्वार्टनरी प्रकार की चट्टाने बोलते हैं और इसका निर्माण देखे तो प्लेस्टोसिन युग कल है ना इस समय इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और इसका निर्माण आज भी जारी है कैसे तो जब हिमालयी संरचना यहां पर निर्मित हुई फिर यहां से नदियां निकलनी स्टार्ट करी तो नदियां जब भी जहां भी चलती है अपने अगल बगल की चट्टानों को काटते हुए चलती हैं और उन चट्टानों को जहां पर ढलान कम होता है उन अवसादों को क्या करती है बिछा देती है और इन्हीं अवसादों के बिछाने से मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है और बिहार का ये जो अधिकतर क्षेत्र है लगभग पंचानवे प्रतिशत क्षेत्र यहां पर आपको मैदानी संरचना दिखाई पड़ती है और इसका निर्माण जो हुआ है कब से लेकर आज तक जारी है आज भी आप देखते हैं नदियों में बाढ़ आता है और बाढ़ के साथ साथ तो वो अपने अवसाद को एक परत के रूप में बिछा देती है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अभी भी इसका इसका निर्माण जारी है है ना विस्तार गंगा के मैदानी क्षेत्र में परतदार चट्टानों के रूप में देखने को मिल जाता है गंगा का मैदान देखे तो टेथी सागर के अवशेष पर नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्माण हुआ यानी कि पहले यहाँ पर क्या था टेथी सागर था फिर नदियां यहाँ पर आई और गंगा और इसकी सहायक नदियां चाहे हिमालय क्षेत्र से आए या पठारी क्षेत्र से इन द्वारा लाए गए और का बिछाया जाता रहा और इसी से इस मैदान का निर्माण यहां पर हो गया यहां की चट्टानों की बात करें तो जलोड़ बालू बजरी कांग्लोमरेट ऐसे विभिन्न प्रकार की चट्टाने आपको यहां पर दिखाई पड़ती है तो क्या सभी को बिहार की चट्टानों के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त हो गई एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्योंकि अब मैं कमेंट पर ध्यान दे रहा हूं जब भी मैं टॉपिक करवाऊंगा एक टॉपिक बेस में कोई भी कमेंट पर ध्यान नहीं टॉपिक कंप्लीट होते ही कमेंट पर ध्यान आएगा तो अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं मजा आ रहा है या मजा नहीं आ रहा अभी इसको विस्तारित करके पढ़ाता हूं जितना मैं दस मिनट में निकाल रहा हूं ना इतनी चीजें पढ़ाने में डेढ़ से दो घंटे लग जाते हैं लेकिन हमें मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना हमें प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है अगर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है तो आपके पेड़ बैठे वहां से आप लोग जुड़ जाइए मजा आ रहा है ना चलिए नीतेश जी का कह कहना है कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स उसको नहीं बोलेंगे पॉलिटी बोलेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था है ना इसकी क्लास सोलह तक ही है यूट्यूब पर आगे नहीं मिल रहा है देखिएगा आगे अभी क्लास हुई नहीं थी मैं दिल्ली निकल गया था और वो पेड बैच थी चूंकि उसमें डिटेलिंग ज़्यादा है और वो यूपीएससी के परस्पेक्टिव से मैंने क्लास करवाई थी है ना तो जो छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो उसको पसंद नहीं करते हैं लेकिन जो भी यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते होंगे बेहतरीन तरीके से मैंने वहां पर समझाया हुआ है और बहुत सारे लोग पसंद भी किए हैं तो आज शाम से वो क्लास भी आपकी कंटिन्यू हो जाएगी पेड़ बैच में ठीक है ना अभी दो क्लासेज यहाँ पर यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगी ठीक है सबको मजा आ रहा है ठीक है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए यहां पर तब तो मजा आएगा सेशन समाप्त होते होते अगर एक हजार वॉचिंग ना जाए तो फिर मजा नहीं आएगा और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए अगर लाइक नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा क्योंकि ये जो चीजें ना पेड़ बैच की है मैं फ्री में करवा रहा हूं ना देखिए कई लोग पर दहशत में चले आएंगे कि भैया हमारा पेड़ बैच मार रहा है है ना जब मैंने ये बैच स्टार्ट किया था जहां पर पहले चलाया था तो उस एकेडमी की सबसे ज्यादा सेलिंग जो बैच होता है उस बैच में से एक था आज भी इस बैच को बेची जाती है पैसों में जो मैं आपको यहां पर फ्री में दे रहा हूं ठीक है तो इतनी चीजें कर रहा हूं तो आपको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वो देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को होगा कि आज से हमारे बैच बिकने बंद हो जाएंगे ठीक है ना चलिए बहुत बढ़िया बाजीराव जी है ना ऐसे ही करवाना है अब आइए आगे बढ़ते अगला टॉपिक हमारा क्या था देखिएगा ये क्या है मैप है जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा अभी हमने देखा सबसे पहले यहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टाने ये रही है ना ये क्या हो गया हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टाने हो गई ये विंध्यन क्रम की चट्टाने हो गई ठीक है ये क्या हो गया हमारा तो टर्शियरी प्रकार की चट्टाने हो गई और बाकी जो यहां पर बच गया वो क्या हो गया मैदानी क्षेत्र हो गए तो मैप पर भी इसको देख लीजिए आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा है ना पहला क्षेत्र ठीक है दूसरा क्षेत्र तीसरा क्षेत्र और ये चौथा क्षेत्र ठीक है क्लियर आइए आगे, आगे बढ़ते हैं ठीक है दो टॉपिक हमारा कंप्लीट अभी तीन टॉपिक और करने और बारह बजे फिर उपस्थित होना है बारह बजे आधुनिक भारत का इतिहास है बैक टू बैक आज मेरी सात घंटे कक्षा है चार घंटे YouTube पर तीन घंटे पेड बैच में तो सब लोग अवश्य ही जुड़िएगा अब आइए यहां की ऊंचावच की बात करते ऊंचावच का मतलब क्या हो गया जैसे हम अपनी नजरों से देखते हैं तो नजरों से देखने के दौरान आप क्या महसूस करते हैं कि कहीं पर ऊंचाई समान है मैदानी क्षेत्र है जहां पर बहुत कम ढलान है तो कहीं पर एकाएक ऊंचाई एक बढ़ जा रही है जैसे कि आपका पर्वतीय क्षेत्र हो गया कहीं पर ऊंचाई बढ़ के एक सपाट टेबल जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है जैसे कि पठारी भाग तो कहीं पर आपको बालू बालू ही दिखाई दे रहा है मरुस्थल के क्षेत्र तो ये सब क्या होते हैं ऊंचा वच्च है ना यानी कि जो आकृति हमें दिखाई दे रही है कहीं पर ऊंचाई है कहीं पर गहराई है कहीं पर समतल है तो कहीं पर ऊंचा उठ के टेबल टॉप संरचनाएं हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं ऊंचावच बोलते हैं और बिहार की बात कर ले तो फिर से वही बात सबको लगता है कि बिहार में बस मैदानी क्षेत्र ही है ऐसा नहीं है अभी अभी हमने देखा कि बिहार में आपको क्या है पर्वतीय क्षेत्र भी है मैदानी क्षेत्र भी है और साथ ही साथ पठारी क्षेत्र भी है तो आइए इन सब की चर्चा करते हैं और यहां से भी बार बार आपके प्रश्न पूछे जाते रहे तो आइए सबसे पहले हम बात करें बिहार में क्या क्या दिखाई देगा तो अभी मैंने बोला कि बिहार में आपको पर्वत भी दिखाई देगा पठार भी दिखाई देगा और मैदान भी यानी कि पर्वतीय संरचनाएं भी है पठारी संरचनाएं भी और मैदानी संरचनाएं भी है पर्वतीय क्षेत्र हमारा जो उत्तर पश्चिमी जिला हो गया है ना जैसे कि पश्चिम चंपारण वहां पर दिखाई देगा उसके बाद पठारी क्षेत्रों की बात करें तो जो दक्षिणी जिले हैं वहां पर पठारी क्षेत्रों का संरचना दिखाई पड़ता है और बाकी जो बीच में बच गया गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र हो जाता है इन सभी क्षेत्रों में आपको मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा तो बिहार में तीनों प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है तीनों प्रकार की आकृतियां दिखाई देती है लेकिन अधिकांश भाग जो है मैदानी है लगभग पंचानवे प्रतिशत क्षेत्र जो है वो आपको मैदानी क्षेत्र के रूप में दिखाई देगा अगर हम बात करें भौतिक बनावट के आधार पर तो बिहार को हम तीन भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं ना अगर हम बनावट के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार को तीन भौतिक प्रदेशों में हम डिवाइड कर सकते हैं कौन सा दिखेगा सबसे पहला जो है पेन को थोड़ा सा मैं मोटा कर लू शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा

से मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा क्योंकि हम प्रीलिम्स के लिए क्लास कर रहे हैं इसी नोट्स को मैं मेंस के लिए भी डिस्क्राइब कर दूंगा तो आप लोग प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए सक्षम हो पाएंगे ध्यान रखिएगा ठीक है अब यहां पर बात करते हैं तो तीन भाग कौन कौन से तीन भौतिक प्रदेश कौन कौन से है सबसे पहला प्रदेश है उसके अंतर्गत उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है जो हमने अभी अभी देखा कौन सा शिवालिक वाला क्षेत्र और दूसरा तराई क्षेत्र इन दोनों को मिलाकर हम एक क्षेत्र बना लेते हैं एक भौतिक प्रदेश बना लेते हैं दूसरा उसके दक्षिणी भागों में आएंगे तो यहां पर विस्तृत गंगा का मैदान है तो दूसरा हमारा ये

जैसे हम बात कर ले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश इसको भी हम तीन भागों में विभाजित करके पढ़ते कौन कौन से भाग तो सबसे पहला भाग जो है इसको रामनगर दून की पहाड़ी बोलते हैं सभी अभी मैप पर दिखाऊंगा एटलस पर दिखाऊंगा ताकि आप सभी के मन मस्तिष्क में बैठते हुए चला जाए आपके दिमाग में छप जाए क्योंकि जब तक छपेगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा ना इसलिए छाप दूंगा मैं है ना ध्यान रखना है मेरे ऊपर बस ध्यान बनाए रखिए आपके मन मस्तिष्क में पूरा का पूरा मैं छाप दूंगा बिहार का भूगोल ठीक है तो सबसे पहले ये शिवालिक जो विस्तार पाया जाता है बिहार में इसको हमने तीन खंडों में विभाजित कर रखा है सबसे पहला रामनगर दून की पहाड़ी दूसरा हारहा घाटी या दून घाटी और तीसरा सोमेश्वर श्रेणी ये क्या है अभी मैप पर दिखाऊंगा ज्यादा समझ में आएगा पूरा विस्तार हर एक प्रश्न आपके अपने नोट से उसके बाद गंगा का मैदानी क्षेत्र है बहुत बड़ा है इसलिए हमने क्या कर दिया इसको दो खंडों में विभाजित कर दिया कैसे हमने विभाजित किया तो बीचों बीच से गंगा नदी है गंगा नदी के उत्तरी क्षेत्रों में जो विस्तार पाया जाता है उसको हम क्या बोल लेते हैं उत्तरी गंगा का मैदान और गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्रों में जो विस्तार है कहां तक पठारी तक पठारी क्षेत्रों तो उसको हम क्या बोल लेते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान बोल लेते हैं तो गंगा के मैदान को भी हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ने वाले हैं फिर तीसरा क्षेत्र है हमारा दक्षिणी पठारी क्षेत्र इसमें भी चट्टानों में है ना संरचनाओं में विविधताएं हैं और इसके आधार पर हमने इसको भी चार खंडो में विभाजित कर रखा है पहले को क्या बोलेंगे कैमूर या रोहतास का पठार दूसरा गया का पहाड़ी क्षेत्र तीसरा राजगीर गिरिया पहाड़ी क्षेत्र और चौथा नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र सब में कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएट है और ना इन सबकी चर्चा परिचर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं ठीक है थीके? तो आइए अब एक एक को हम देखते हुए चलते हैं सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखेंगे फिर तराई क्षेत्र फिर गंगा का मैदान और फिर दक्षिणी पठारी क्षेत्र तो आइए इसको शुरुआत करते हैं आशा करता हूं आप सभी को मजा आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से सारी चीजें आप सभी को देखने को मिलेगी ठीक है देखिए कमेंट पर अभी मैं ध्यान नहीं दूंगा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से फिर से मैं कमेंट पर ध्यान दूंगा तब आप लोग कमेंट कीजिएगा ठीक है नहीं तो बार बार कमेंट पर अगर ध्यान दूं तो हमारा समय ज्यादा जाता है और कंटेंट हम कम कर पाते हैं लेकिन हमारा क्रैश कोर्स फोर्स उद्देश्य क्या है कि कंटेंट ज्यादा करें और समय कम से कम लगे ठीक है तो देखिएगा ये बिहार का मैप है प्राकृतिक मैप है और इस प्राकृतिक मैप में हमने तीन खंडों में विभाजित किया सबसे पहला कौन तो पर्वतीय प्रदेश ये हो गया पर्वतीय प्रदेश फिर हमने क्या देखा पठारी क्षेत्र दक्षिण के पठारी क्षेत्र यहां से ये पूरा का पूरा क्या हो गया ये पठारी क्षेत्र हो गया है ना और बीच में जो बच गया इसको हम क्या बोलते हैं गंगा का मैदानी क्षेत्र तो पहले मैप पर देख लीजिए फिर इसको जूम कर, कर आप सभी को दिखाते हुए समझाते हुए चलता हूं तो सबसे पहला क्षेत्र क्या हो गया ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया फिर ये दूसरा गंगा का मैदानी क्षेत्र हो गया और फिर ये तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र हो गया आशा करता हूं सब ने बेहतर तरीके से देख लिया मन मस्तिष्क में छाप लिया अब आइए इसको आगे हम ले चलते हैं ठीक है देखिएगा सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र ठीक है ना उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई प्रदेश क्या है कैसे है जिले आप लोग रटते हैं कि कहां कहां पर विस्तार है रटने रटना अगर आपने प्रारंभ कर दिया तो फिर आप अधिकारी के कैटेगरी में नहीं जाएंगे उससे नीचे वाली जो पोस्ट होती है है ना जैसे एस वाले लोग हैं बहुत बड़े स्तर पर रटते हैं बिहार पुलिस के लिए बिहार दरोगा के लिए रटते हैं लेकिन इनके ऊपर अगर जाना है ना तो रटना नहीं समझना पड़ेगा और आइए इसको समझते हैं कैसे इसको पढ़ना चाहिए तो उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश जो है इसको हमने क्या किया तीन खंडों में विभाजित कर दिया सबसे पहला क्षेत्र क्या हो गया सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र है ना सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र और सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र की बात कर ले तो इसका विस्तार लगभग सात वर्ग किलो किलोमीटर क्षेत्रों में दिखाई देता है लगभग सात वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र ये बातें ध्यान में रखिएगा है ना तो देखिएगा सबसे पहले यहां पर ये यह जो लाल रंग से मैं यहां पर रंग दे रहा हूं ये क्या है सोमेश्वर का पहाड़ी क्षेत्र है है ना आप सभी लोग क्या कीजिएगा इसको माइंड में सेटअप करते जाइएगा है ना या आप चाहें तो पूरा कंप्लीट इस पर कलर कर दूंगा ना उसके बाद से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं होगी तो सबसे पहला ये जो क्षेत्र है ये है सोमेश्वर का पहाड़ी क्षेत्र जो लगभग सात वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है उसके बाद आगे यहां पर देखेंगे है ना तो यहां पर एक और पहाड़ी है जिसे रामनगर दून की पहाड़ी बोलते हैं ना ये थोड़ा कटा फिटा है लेकिन मैं ऐसे ही डायरेक्टली यहां पर कलर कर देता हूं ये आप देखेंगे ये क्या हो गया रामनगर दून की पहाड़ी क्षेत्र हो गया ठीक है और आप सबको पता ही है कि दो पहाड़ी के बीच में जो मैदानी क्षेत्र हो जाता है इसको हम घाटी बोलते हैं तो बीच में आपका आ जाएगा हराहा घाटी या इसी को हम दून की घाटी बोलते हैं तो सबसे पहला ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र ये कौन सा हो गया रामनगर दून की पहाड़ी हो गई और इसके बीच में यह वाला क्षेत्र जो बच गया इसको हम क्या बोलते हैं घाटी क्षेत्र बोलेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे हराहा घाटी या दून की घाटी बोलेंगे अब सबके थोड़ा सा विशेषताएं देख ले सबसे पहले मैंने यहां पर लोकेशन दिखा दिया कि लोकेशन कहां, -कहां पर है अब इसका विस्तार देखिएगा सोमेश्वर पहाड़ी जो है है ना कहां पर तो लगभग सात वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है उसके बीच में हरा घाटी है दून की घाटी जिसका विस्तार लगभग 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है और ये लगभग ये 21 किलोमीटर लंबा है और उसके दक्षिण में सबसे दक्षिण में आपका रामनगर दून की पहाड़ी जिसकी लंबाई लगभग बत्तीस किलोमीटर चौड़ाई लगभग आठ किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाता है और इसका सबसे ऊंचा भाग जो है इसे संत नगर है ना संतपुर संत पूर के नाम से जानते सबसे ऊंचा भाग है जो 242 मीटर ऊंचा है ये भी बातें ध्यान में रखिएगा ठीक है अब इस पूरे क्षेत्र की बात कर लें है ना जो शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र है इसका विस्तार लगभग नौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 80 से 250 मीटर के आसपास देखने को मिल जाता है तो आशा करता हूं ये पूरे के पूरे क्षेत्र शिवालिक पर्वतीय

अब देखिएगा इसके बाद चूंकि ये क्या हो गया पहाड़ी क्षेत्र बिहार में तो यहीं पर है लेकिन नेपाल में तो पूरा ये फैला हुआ है तो इसका फैलाव कैसे यहां पर है ठीक है ये क्या है शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र है तो इसका विस्तार इस तरीके से है भले ही बिहार में नहीं है लेकिन नेपाल में है अब चूंकि जो आपका शिवालिक प्रदेश है इसका विस्तार यहां पर है शिवालिक प्रदेश के दक्षिण में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे है ना शिवालिक प्रदेश के दक्षिण में आगे बढ़ेंगे तो वहां पर जो क्षेत्र दिखाई देता है उसको तराई क्षेत्र कहा जाता है तराई प्रदेश कहा जाता है और तराई प्रदेश की बात करें इसका विस्तार बिहार में कहा तो गंगा का मैदान जो है ये सभी के सभी क्या है गंगा का मैदान और साथ ही साथ इधर क्या है शिवालिक श्रेणी इन दोनों के बीच में शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में और गंगा के मैदान के उत्तरी भागों में अगर विस्तार पाया जाता है किसी का तो उस उसी को हम क्या बोलते हैं तराई प्रदेश बोलते हैं तो ये कैसा इसके समानांतर रूप में आपको विस्तार दिखाई देगा कहां से यहां से लेकर यहां ठीक है लेकिन बिहार में इसकी पूरी संरचनाएं नहीं है कहां पर है तो चूंकि बिहार में अगर देखे इसको मैं ब्लैक कलर से दिखा दू बिहार में ये जो आपका कौन सा पहाड़ी क्षेत्र हो गया पर्वतीय प्रदेश हो गया इस पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में इसका विस्तार दिखाई देगा है ना क्योंकि ये ऐसे चलते रहेगा लेकिन ये बिहार में है नहीं फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो इधर आपको ये वाला क्षेत्र जो है यहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है अर्थात हम क्या कह सकते हैं ये जो तराई प्रदेश है बिहार के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है इसकी विशेषताएं क्या है तो इस तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा आप सभी को देखने को मिलती है इसका कारण क्या है यहां पर बंगाल की खाड़ी है बंगाल की खाड़ी से हवाएं जब हिमालय की ओर चलती है तो भर भर के वो क्या करती है आद्रता लेती है ना जल पूरा उठा लेती है और चूंकि आगे बढ़ती है तो हिमालय पर्वत बोलता है कि बेटा कहां आगे जा रहे हो हम किस लिए हमको तुम पार कर लोगे है ना हमको तुम पार कर लोगे हम तुम्हें पार करने नहीं देंगे तो ये हवाएं जाकर उससे टकराकर वहीं पर बारिश कर देती है और ये क्षेत्र कौन सी है तराई क्षेत्र तो बिहार में ये जो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया इन दोनों क्षेत्रों में बड़े स्तर पर वर्षा होती है जहां पर 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वर्षा ज्यादा होने के कारण यहां पर घने वन पाए जाते हैं साथ ही साथ दलदली क्षेत्रों का भी निर्माण यहां पर देखने को मिल जाता है लेकिन इन दोनों में देखे सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है तो ये जो जो इसके करीब है कौन बंगाल की खाड़ी का कौन सा करीब है तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र करीब है और इसमें किशनगंज है ना अररिया और साथ ही साथ किशनगंज अररिया और आपका पूर्णिया जो है इन तीन जिलों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो आशा करता हूं ये सारे के सारे क्षेत्र जो है आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा सोमेश्वर श्रेणी के बारे में यहां पर थोड़ा सा विस्तार है देख लीजिएगा कि सोमेश्वर श्रेणी जो है इसकी लंबाई सत्तर किलोमीटर कहां से तो त्रिवेणी नहर से लेकर बिखना ठोरी दर्रा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है क्योंकि ये ढलान वाला क्षेत्र है यहां पर इसलिए नदियों का तीव्र बहाव वाला क्षेत्र है और तीव्र जहां पर होगा वहां पर नदियों के द्वारा बड़े स्तर पर कटाव किया जाएगा अर्थात विभिन्न प्रकार के दर्रों का निर्माण यहाँ पर होगा जिसमें से महत्वपूर्ण दर्रों में दर्रा 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 भिखरना ठोरी दर्रा, दर्रा, ये सभी के सभी के के प्रमुख दर्रे हो जाते हैं जो बिहार और नेपाल आने जाने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं बिहार की सर्वोच्च चोटी जो है आठ मीटर ऊंची है जो सोमेश्वर किला के नाम से जाना जाता है सोमेश्वर किला में तो सोमेश्वर किला जो है ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है जो 880 मीटर ऊंची है जो कहां पर है तो सोमेश्वर श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा क्लियर यहां तक क्लियर है एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं। मजा आ रहा है ना अच्छा यहां पर नीतीश जी का कहना है कि पेड क्लास कितने तक आएगी कि देखिएगा पेड क्लास बहुत सस्ती है इतनी सस्ती है आपको भारत के किसी भी एकेडमी में नहीं मिलेगा यूपीएससी का बैच जो है ग्यारह हजार रुपए और बीपीएससी का बैच जो है पूरा फुल प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब को लेकर मात्र इक्यावन सौ रुपए का है है ना और ये फीस जो है कुछ दिनों तक ही है और बीपीएससी वाला भी बढ़ के ग्यारह हजार होने वाला है क्योंकि ग्यारह हजार रुपए में प्रयावन सौ रुपए में प्रीलिम्स इंटरव्यू पूरा फुल तैयारी मेन राइटिंग प्रैक्टिस ये सब के सब के उसमें सम्मिलित है और इसके हिसाब से देखा जाए तो फी बहुत ही कम है आप किसी भी एकेडमी में जाकर देख लीजिएगा बहुत कम फी पर रखी गई है तो बहुत जल्दी ये बढ़ भी जाएगा इसको भी बढ़ाकर ग्यारह हजार कर दिया जाएगा तो जो भी चाहते हैं जुड़ने के लिए पेड़ से तो अभी मौका है फटाफट जाकर जुड़ सकते हैं पीडीएफ बिल्कुल हाँ कुंदन ये कहना है पीडीएफ पीडीएफ मिलेगा इसका लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा

प्रदेश के दक्षिण में आएंगे तो यहां पर मैदानी क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है और गंगा के मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये जितने भी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये जितने भी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब क्या है गंगा का मैदानी क्षेत्र है चूंकि बिहार में सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है वो मैदानी क्षेत्र है इसको इसलिए हमने इसको क्या कर दिया दो भागों में विभाजित कर दिया कैसे विभाजित कर दिया तो बीच से यहां पर गंगा नदी निकलती है है ना बीच से ये आपकी गंगा नदी निकलती है और इस गंगा नदी के उत्तर में जो क्षेत्र है इसको हमने क्या नाम दिया? उत्तर बहुत मोटा हो रहा है इसको थोड़ा सा मैं मिटा दू है ना इसको हमने नाम नाम क्या दे दिया उत्तर बिहार का मैदान या उत्तरी गंगा का मैदान है ना उत्तरी गंगा का मैदान या उत्तर बिहार का मैदान कुछ भी कह लेते हैं इसको है ना और जो गंगा नदी के दक्षिण वाले क्षेत्र में इसको हमने नाम क्या दे दिया दक्षिण गंगा का मैदान तो आशा करता हूं इसका लोकेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको विभाजित कर दिया अब देखिएगा दो खंड है अगर गंगा के मैदान की बात कर ले तो आप देखेंगे बिहार है ना जितना भी इसका क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में से चौरानवे हजार है ना चौरानबे हजार के आसपास इस से इसमें से नब्बे हजार छह सौ पचास वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पर इस गंगा के मैदान का विस्तार पाया जाता है जो लगभग इसका पंचानवे प्रतिशत से ज्यादा देखने को मिल जाता है बातें ध्यान में रखिएगा साथ ही साथ इसकी औसत ऊंचाई औसत ऊंचाई हम कहां से नापते हैं तो जो समुद्र तल है उस समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उसकी ऊंचाई हम लेते हुए चलेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई जो है पचहत्तर से 120 मीटर कितना पचहत्तर से 120 मीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिल जाती है लेकिन सबसे विशेष बात पता है क्या है कि इसमें ढलान बहुत ही कम है जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे पठारी क्षेत्रों में जाएंगे एकाएक ढलान कम हो जाता है एकाएक उसकी ढलान जो है बढ़ जाती है लेकिन इसका ढलान आप देखेंगे बहुत ही कम है इतना कम कि आप यहां से एक किलोमीटर अगर कहा तो पश्चिम से एक किलोमीटर पूर्व की तरफ चलेंगे तो एक किलोमीटर जाने पर जो ढलान में डिफरेंस आता है वो पांच से छ सेंटीमीटर का आता है आप समझ सकते हैं पांच से छ सेंटीमीटर कितना कम ढलान है तो ध्यान रखिएगा कि उत्तरी गंगा मैदान का विशेषता यह है उत्तरी या दक्षिणी गंगा मैदान का विशेषता यह है कि आप एक किलोमीटर अगर कहीं पर ट्रेवल करते तो वहां पर मात्र पांच से छह सेंटीमीटर का ही ढलान आपको देखने को मिल जाता है चूंकि बड़ा क्षेत्र इसलिए हमने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया तो सबसे पहले यहां पर बात करते उत्तरी गंगा का मैदान है ना इसकी विशेषताएं क्या है और यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे ज्यादा क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा हूँ कि सबसे ज्यादा क्षेत्र में आपका उत्तरी गंगा का मैदान विस्तारित है और उससे कम है यहाँ पर दक्षिणी गंगा का मैदान तो उत्तरी गंगा का मैदान जो है इसका क्षेत्रफल लगभग छप्पन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में विस्तारित है जिसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियां कौन सी सहायक नदी तो जो हिमालय से आती है अब नदियों की भी हम चर्चा करेंगे तो नदियां दो प्रकार की हो जाती है एक वैसी नदियां जो हिमालय से आती है और यहां पर वर्ष भर इसमें पानी रहता है इसलिए ये मौसमी नदियां नहीं सौदा बहार नदियां कहलाती है और दूसरी पठारी क्षेत्रों से आती है जिसमें वर्ष भर जल नहीं होता बरसात के मौसम में ज्यादा जल हो जाता है इसलिए इसको मौसमी नदियां कहते हैं तो दोनों प्रकार की नदियां बिहार में

अब इसकी ढाल की बात कर ले तो ढाल आप देखेंगे जैसे नदियां बह रही है वहीं तो ढाल होगा जिधर ढलान होगा उधर ही नदियां बहेगी तो इसकी ढलान जो है ऐसे कहां से तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसकी ढलान देखने को मिल जाती है चूंकि यह बहुत बड़ा क्षेत्र है इसलिए हम इसको भी कई क्षेत्रों में विभाजित कर देते हैं एक शब्द आपने सुना होगा दुआब क्षेत्र दो आब क्या होता है दो नदियों के मध्य में स्थित जो क्षेत्र हो जाता है मैदानी भाग हो जाता है उसी को हम दुआब क्षेत्र कहते हैं तो सबसे पहला विभाजन हमने क्या कर दिया यहां पर उत्तर प्रदेश में जिसे सरयू नदू नदी और बिहार में घाघरा नदी के नाम से जानते हैं ये हो गया है ना थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लो ताकि आप सभी लोग बेहतर तरीके से देख पाए देखिएगा यहां हो गई आपकी घाघरा नदी और यहां पर कौन सी हो गई गंडक नदी है ना घाघरा गंडक इन दो नदियों के बीच में यह मैदानी क्षेत्र है ध्यान रखिएगा एक प्रश्न यहां से भी बनता है कि निम्न में से कौन सा है ना निम्न में से कौन सा प्रमंडल है जो घाघरा गंडक दुआब में स्थित है तो इसके अंतर्गत आपका सारण प्रमंडल जिसके अंतर्गत गोपाल सिवान और छपरा है ना गोपालगंज सिवान और सारण ये तीन जिले आते हैं और ये तीनों के तीनों जिस क्षेत्र में अवस्थित है इसको घाघरा गंडक दुआब बोलते हैं तो पहली दुआब आपकी कौन सी हो गई घाघरा गंडक दुआब हम क्या कर रहे हैं उत्तरी गंगा के मैदान को विभाजित कर रहे हैं तो पहला विभाजन क्या हो गया घाघरा गंडक दुआब ठीक है अब गंडक से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो बिहार की सबसे खतरनाक नदी है जिसे हम क्या बोलते हैं कोसी नदी बोलते हैं क्या बोलते हैं कोसी है ना बिहार की शोक नदी के नाम से भी जानते हैं इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं घाघरा है ना गंडक कोशी दुआब गंडक कोशी दुआब और फिर यहां पर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगी यहां पर महानंदा नदी दिखाई देगी यहां पर कौन सी नदी महानंदा नदी दिखाई देगी और इन दोनों के मध्य का जो भाग है इसको कोसी महानंदा दुआब के नाम से जानते हैं तो उत्तरी गंगा के मैदान को भी हम तीन भागों में विभाजित कर लेते हैं ठीक है घाघरा गंडक दुआब फिर गंडक कोशी दुआब फिर कोशी महानंदा दुआब ठीक है ये चीजें आप सभी को समझ में आ गई उसके बाद देखिएगा उत्तरी गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है इसमें बहुत सारे गोखुर झील पाए जाते हैं गोखूर झील क्या होता है आप देखिएगा चूंकि नदियों के बहाव क्षेत्र की बात करें मैं आपको एक पेज लेकर समझाने का प्रयास करता हूं देखिएगा अगर नदियों की बात करें तो नदियां सबसे पहले कहां से चलती है पहाड़ी क्षेत्रों से और पहाड़ी क्षेत्रों से धीरे धीरे क्या होता है ढलान इसका कम होता जाता है और अंततः यहां पर क्या हो जाएगा मैदानी क्षेत्र हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में बहुत कम ढलान अभी बिहार वाले क्षेत्र में देखा एक किलोमीटर यात्रा करने पर पांच से छह सेंटीमीटर की कमी दिखाई देगी अब देखिएगा नदी यहां से चलेगी तो जितना ज्यादा ढलान से नदी चलेगी उनमें तीव्रता क्या होगी तीव्रता उसमें क्या होगी ज्यादा होगी और तीव्रता ज्यादा होगी तो आगे कौन आ रहा है इसका कोई भी प्रवाह उसको नहीं जो भी चट्टाने आगे आएगी चाहे कितनी भी मजबूत हो उसको काट पीट के अपने साथ लेकर चलेगी क्यों क्योंकि अभी इसमें ऊर्जा है है ना इतनी शक्ति है कि सब कुछ को काटने के लिए सक्षम है लेकिन जैसे जैसे इसकी ढलान कम होती जाएगी मैदानी क्षेत्रों में आएगा तो मैदानी क्षेत्रों में ढलान कम तो इसकी शक्ति भी यहां पर कम हो जाएगी और शक्ति कम होगी तो अब इसके पास उतनी ताकत नहीं कि अपने साथ लाए गए अवसादों को ये साथ में लेकर चल सके है ना तो ये क्या करेगी तो अपने अगल बगल और औसादों को निक्षेपित करती जाएगी और इसी निक्षेपण के कारण से चूंकि इनके पास ज्यादा शक्ति नहीं है तो सीधी रेखा में ये नदियां बह नहीं पाती है तो ये विसर्प के आकार में है ना ऐसी ऐसी नदी आपको बहते हुए दिखाई देगी अब सीधी ये चलने वाली है नहीं आप थोड़ा सा मैप को जूम करके देख लें है ना आपके पास गूगल मैप भी है तो गूगल मैप का थोड़ा सा आप लोग प्रयोग करें जूम करके देखें जब खाली समय हो पढ़ने का नाम मन हो है ना पढ़ने का जब भी नाम मन हो तब आप लोग क्या कीजिए थोड़ा सा गूगल मैप को देखिए जूम करके देखिए सारी चीजें कि कहां पर क्या चीजें हैं तो मैदानी क्षेत्रों में नदियों का बहाव ऐसा ही होता है चूंकि नदियों में जल है काटने की प्रवृत्ति इसकी है भले यहां पर ज्यादा काट रही थी यहां पर कम काटेगी लेकिन काटेगी जरूर अब मान लीजिए नदी यहां से बह रही है तो अपने इस क्षेत्र में काटेगी इधर से बह रही है तो इस क्षेत्र में काटेगी और काटते काटते एक समय ऐसा आएगा जब ये काटते काटते दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी और यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर ऐसी संरचना बन जाएगी अब जो ऐसे घूम के जा रहा था ये ऐसी हो गई और ये ऐसे हो गया ये अब चुकी ये नदियों द्वारा काटा गया क्षेत्र है इसलिए इसमें क्या होगा जल होगा इसमें क्या होगा जल होगा और नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर ली तो नदी अब निकल तो यहां से गई अब यहां पर जल जा नहीं रहा तो ये क्या हो गया एक झील के रूप में परिवर्तित हो गया है ना चूकी इसकी संरचना कैसी दिखाई दे रही है तो गाय का खुर आपने देखा होगा गाय का खुर ऐसे ही होता है है ना इसी को हमने क्या कर दिया गो यानी कि गाय और खुर यानी कि उसका नीचे वाला जो पार्ट है पैर का तो गोखुर झील अंग्रेजी में ऑक्सबो कहा जाता है तो उत्तरी गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है यहां पर ऐसे विभिन्न प्रकार के गोखुल झील आपको दिखाई देंगे इसका निर्माण कैसे हुआ है तो नदियों के द्वारा अपने मार्गों को परिवर्तित कर दिया गया इस परिवर्तन के कारण ये जो जल निमग्न क्षेत्र है अब इसमें नदियों का बहाव क्षेत्र बंद हो गया ये जल से भर गया और ये क्या हो गया गोखूल झील हो गया ये मीठे जल के सबसे बेहतरीन स्रोत होते हैं यहां पर मखाने उत्पादित कर लिया जाता है मछली उत्पादन कर लिया जाता है तो उत्तर गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है वहां पर जो गोखुर झील पाए जाते हैं ये मछली उत्पादन के सबसे बेहतरीन केंद्र के रूप में जाने जाते रहे तो आशा करता हूं आप सभी को गोखुर झील अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ध्यान में रखिएगा उत्तरी गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर गोखुर झील की अवस्थिति बड़े स्तर पर देखने को मिल जाता है है ना साथ ही साथ क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर इसे भी हम चार उपभागों में विभाजित कर लेते हैं यानी कि उत्तरी गंगा का मैदान जो है इसमें भी क्या है क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं और इन क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर इसको हम चार उपभागों में विभाजित कर लेते हैं ये चार उपभाग कौन कौन से हैं? आइए इसको भी हम समझते हुए चलते हैं देखिएगा मैं सारा चीज डिटेल में करवा रहा हूं आप चाहे तो इससे मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं मेंस में भी यही चीजें होती है बस विस्तार में ज्यादा कर देता हूं हर एक लाइन को समझाते हुए चलता हूं डिटेल में विद इसका फंक्शन जो होता है ना भौतिक भूगोल होता है लेकिन यहां पर भौतिक भूगोल को सम्मिलित करेंगे तो एक टॉपिक भी हमारा कंप्लीट नहीं होने वाला अब देखिएगा चार भाग कौन कौन से तो पहले भाग जिसे हम भाभर क्षेत्र के नाम से जानते हैं है ना इसको उप तराई क्षेत्र भी कहा जाता है क्यों क्योंकि तराई क्षेत्रों के तुरंत बाद दक्षिण में आपको दिखाई देता है इसको भावर क्षेत्र या उप तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है इसका विस्तार देखें तो तराई प्रदेश जो हमने देखा था तराई प्रदेश के दक्षिण में है ना दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर की चौड़ी संकीर्ण पट्टी के रूप में इसका विस्तार देखने को मिलेगा और कहा, कहा तो वो सभी जिले जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं उन सभी जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है ना तराई क्षेत्र देखिएगा ये वाला हमारा क्या था तराई क्षेत्र ठीक है ऐसे समझिएगा ये क्या था हमारा तराई क्षेत्र और इस तराई क्षेत्र के दक्षिण में इसका विस्तार है अर्थात इसका विस्तार कहां पर पाया जाएगा तो 10 किलोमीटर की संकीर्ण पट्टी के रूप में सभी क्षेत्रों में पाया जाएगा जो तराई क्षेत्र है उसके दक्षिण में अर्थात ये कौन से क्षेत्र हो गए वो सभी जिले हो गए जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं इन सभी क्षेत्रों में 10 किलोमीटर संकीर्ण पट्टी के रूप में इन भाबर क्षेत्रों का विस्तार आपको देखने को मिल जाता है इसमें देखा जाए तो ये कौन से क्षेत्र है वे वैसे क्षेत्र देखिएगा जब नदियां ढलान तीव्र ढलान पर चल रही थी बड़े बड़े पत्थर काटते चली गई उसमें पत्थर रगड़ रगड़ के छोटे भी होते चले गए जैसे जैसे ढलान कम होगा उसकी शक्ति कम होगी वो क्या करेगी तो अपने पास जितना बोझ है उसको कम करते चली जाएगी तो बड़े बड़े बोझ पहले कम कर चुकी है छोटे छोटे पत्थर को ये लेकर अभी भी कंकड़ पत्थर जो है उसको लेकर चल रही है लेकिन इस क्षेत्र में देखिए भाबर क्षेत्र में आते आते और ढलान कम हो जाता है तो इन कंकड़ पत्थरों को यहीं पर यह निक्षेपित कर देती है इसलिए जो भाबर क्षेत्र यहां पर कंकड़ है ना छोटे छोटे बालू के निक्षेप आदि यहां पर पाए जाते हैं इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो यहां पर आपके बांगर क्षेत्र पाए जाएंगे है ना बांगर क्षेत्र किसे बोलेंगे तो जलोड़ मिट्टी ही है ये लेकिन ये पुरानी जलोड़ मिट्टी है जिसे बांगर क्षेत्र के नाम से जानते हैं ठीक है ये वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां अब नदियों का बाढ़ नहीं लाया जाता लेकिन कभी ऐसा समय था जहां पर नदियां अपनी बाढ़ लाती थी और बाढ़ के साथ साथ अवसादों को एक परत के रूप में बिछा के चली जाती थी तो इसी को हम बोलते हैं बांगर क्षेत्र और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हो जाता है जिसका विस्तार भाबर क्षेत्र के दक्षिण में मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी मैदानों में पाया जाता है ठीक है उत्तरी पश्चिमी मैदानों में यानी कि ये सभी क्षेत्र यहां तो बड़े स्तर पर बाढ़ आते हैं ना कोशी तो इसमें विशेष रोल अदा करती है तो ये जो क्षेत्र आपका यहां पर हो जाता है यहां पर आपके बांगर क्षेत्र पाए जाते हैं मुख्य रूप से गोपालगंज सीवान सारण वाला जो क्षेत्र है यहां पर बांगर क्षेत्र आपके पाए जाते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर क्या है खादर क्षेत्र खादर है ना भोजपुरी में बोलते हैं ना खादर खादर क्या हो जाता है तो खेत में हम खाद को क्या बोलते हैं खादर बोलते भोजपुरी में खादर छेट देंगे तो क्या होगा फसल जो होगी वो लहलहा जाएगी तो खादर का मतलब क्या हुआ जहां पर फसल बड़े असर पर उत्पादित हो यानी कि ये नवीन जलोड़ मिट्टी का क्षेत्र हो जाता है ये क्या है नवीन जलोड़ मिट्टी का क्षेत्र हो जाता है और ये वैसे क्षेत्र है जहां पर प्रति वर्ष बाढ़ लाया जाता है जब भी बाढ़ आएगी नदियां अपने साथ लाई गई औषादों को एक परत के रूप में बिछा देगी यानी कि हमेशा नई नई परत यहां पर बनती जाएगी जिसमें उर्वरता भरपूर आपकी पाई जाती तो तीसरा क्षेत्र क्या है हमारा खादर क्षेत्र हो जाता है जिसका विस्तार देखें तो उत्तर एवं उत्तर पूर्वी मैदान में जो गंडक नदी है गंडक नदी से लेकर पूर्व में कोशी नदी घाटी तक देखने को मिलता है यानी कि इसकी हम बात करें तो ये जो सभी क्षेत्र है है ना ये सभी क्षेत्र जो है ये सब के सब कौन सा क्षेत्र हो जाता है खादर क्षेत्र हो जाता है ठीक है तो सबसे पहले तराई क्षेत्र उसके बाद यहां पर क्या हो गया है ना तराई क्षेत्र उसके बाद उप तराई क्षेत्र यानी कि भाबर क्षेत्र फिर यहाँ पर आपका बांगर क्षेत्र हो गया और ये आपका खादर क्षेत्र हो जाता है उसके बाद देखिएगा एक शब्द यहाँ पर चौर मन चौर मन क्या होता है तो ये वैसे क्षेत्र हैं वही जो हमने गोखूर झील कहा इसको क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में चौर मन ये सारी चीजें कहते हैं तो इसको भी अलग से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं चौर है ना तो ये मूलतः क्या होते हैं गोखुर झील होते हैं जिसका निर्माण नदियों के द्वारा मार्ग बदलने से हो गया है ना नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया तो इसका क्या हो गया निर्माण हो गया ये है क्या तो मुख्य रूप से मीठे जल के स्रोत होते हैं यो जो प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न निम्न भूभाग होते हैं यानी कि मुख्य रूप से ये जल इसमें भरे रहते हैं और जल भरा होगा तो क्या हो जाएगा वही सिंघाड़े यहां पर उत्पादित कर लिया जाएगा ना मखाना उत्पादित कर लिया जाएगा ठीक है मछली उत्पादन कर लिया जाएगा तो ये जितने भी क्षेत्र है यहाँ पर बड़े स्तर पर मछली पालन मखाना उत्पादन आदि यहाँ पर किया जाता है जैसे कि विभिन्न प्रकार के चौर है जिनको क्षेत्रीय स्तर पर जैसे पश्चिम चंपारण में लखनी चौर हो गया बहादुर एवं सुंदरपुर चौर हो गया टेटरिया मन माधोपुर मन ये सब पूर्वी चंपारण में पिपरा मन सिमरी मन सौरैया मन ये सब पश्चिम चंपारण में हो गए तो ये क्षेत्रीय स्तर पर इनको चौर या मन कहा जाता है चोर मन है क्या तो ये मुख्य रूप से वही गोखुर जिल है जो मीठे जल के स्रोत आपके हो जाते हैं क्लियर चलिए कुंदन जी बोल रहे हैं हैं सर आप आप बहुत अच्छे पढ़ाते धन्यवाद आपको है ना कि लोगों को अच्छा लग रहा है और ये सारी चीजें मैं तभी कर पाने में सक्षम हूं जब आप लोगों का यहां पर सपोर्ट मिल रहा है और आप लोग सपोर्ट यहाँ पर करेंगे बेहतर तरीके से तो हम मजेदार तरीके से सारी चीजें कंप्लीट करवा देंगे मैं गारंटी भी देता हूं कि अगर आप लोग का सहयोग बना रहा अभी देखिएगा 20-25 पहले लाइव चलता था क्योंकि नया नया चैनल है अभी 35 लोग देख रहे हैं थोड़ा सा आप लोग सहयोग कर दें तो 50 लोग भी हो जाएंगे और एक हफ्ता आप लोग जोरदार तरीके से शेयर कर दें तो फिर इसमें 100 150 200 भी लाइव चलेगी और इतनी चले तो फिर दिल बाग बाग हो जाएगा और बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा तो आप लोगों की सहयोग की अपेक्षाएं हैं अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं तो आप लोग भी बेहतर तरीके से इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करें ठीक है ना तो यहां तक हमने देख लिया उत्तर बिहार के मैदान को भी हमने चार भागों में विभाजित करके देख लिया अब आइए आगे हम यहां पर देखते हैं दूसरा भाग क्या था हमारा दक्षिणी गंगा का मैदान जो लगभग तैंतीस 670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में विस्तारित है अब आइए इसकी विशेषताओं की बात करें सबसे पहले इसका विस्तार कहां से पाया जाएगा तो विस्तार देखिएगा विस्तार को अगर हमें भाषा में कहना हो तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे गंगा नदी है ना गंगा नदी ले लेंगे और ये जो गंगा नदी है गंगा नदी से दक्षिण में विस्तार है लेकिन कहां तक तो इधर दक्षिणी भागों में क्या है आपका पठारी क्षेत्र है ये जो पठारी क्षेत्र है इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी भागों में आपका विस्तार है तो बीच में जितना भी बचा हुआ है ना इसी को हम क्या बोलते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान बोलते हैं तो आशा करता हूं इसका विस्तार आप सभी को समझ में आ गया होगा अगर इसकी ढाल की बात करें ढाल पूछ ले जाए तो देखिएगा नदियों का बहाव कैसे है ये हमारी नदियों का बहाव ऐसे है ना तो कैसे दिखाई दे रहा होगा तो इसका बहाव जो है देखिएगा ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है अब एक विशेषता है और जहां से इनडायरेक्टली तरीके से प्रश्न पूछे जाते रहे जैसे ये कहां से आता है पठारी क्षेत्रों से और पठारी क्षेत्रों से जो भी नदी आएगी तो वहां की चट्टानों को काटेगी वहां की चट्टाने जो हैं बहुत पुरानी चट्टाने हैं हार्ड चट्टाने हैं इसलिए चट्टाने जो होती है वो छोटी-छोटी जैसे कि बालू हो गया ना बालू बजरी के रूप में आपको दिखाई देता है इसलिए यहां की जितनी भी है ना इसका निर्माण सबसे पहले बात कर ले तो निर्माण पठारी क्षेत्र से आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से पाया जाता है चूंकि यहाँ की नदियों के द्वारा चट्टानों की जब कटाई की जाती है तो छोटे स्तर पर कटाई होती है कारण क्या है ढलान इसकी बहुत ही कम है हिमालय जैसी ढलान नहीं है जिसकी ढलान बहुत ही कम है इसलिए छोटे छोटे बालू है ना बालू की अधिकता इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है अगर इसकी चौड़ाई की बात करें चौड़ाई भी आप देखेंगे तो इधर देखेंगे दक्षिणी भागों में इसकी चौड़ाई क्या है ज्यादा है दक्षिण में चौड़ाई ज्यादा है जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ चलेंगे इसकी चौड़ाई और भी कम होती चली जाएगी तो अगर चौड़ाई का विस्तार भी पूछ ले जाए तो दक्षिणी भागों में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और पूर्वी भागों में जाने की ओर इसकी धीरे धीरे चौड़ाई भी यहां पर कम होती हुई चली जाती है, है ना अब देखिएगा पूर्वी भाग में चौड़ाई कम है तो इसका एक रिजल्ट भी आप सभी को यहां पर देखने को मिल जाता है चूंकि कारण क्या है देखिएगा यहां ये सभी के सभी के क्षेत्र क्या है पठारी क्षेत्र है ना ये सभी क्षेत्र सभी क्या है पठारी क्षेत्र है नदियां अगर कटाव करें तो मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा कटाव कर पाएगी या पठारी क्षेत्रों में पठारी क्षेत्र तो हार्ड है तो इधर कम कटाव होगा ज्यादा कटाव कहां होगा मैदानी क्षेत्र होगा और इस कारण से इन सभी क्षेत्रों में जो भी है ना जो भी नदियां गंगा नदी की पहले बात कर ले तो इन सभी क्षेत्रों में गंगा नदी जो भी अवसाद लेकर आती है चूंकि इधर तो पूरे बड़े स्तर पर फैला लेगी लेकिन जब इधर फैलाने का प्रयास करेगी पठारी भाग बोलेगा भैया कहा तुमसे तो हम हमारे ना तुम अपना अवसाद चढ़ा के लाद दोगी तो यहां पर क्या है हार्ड सरफेस होने के कारण जो गंगा नदी जो है अवसाद जो है ये दक्षिणी क्षेत्रों में क्या करती है फैलाती तो है लेकिन पठारी भाग फैलने देता नहीं है परिणामतः तो होता ये एक के ऊपर एक जमा होते हुए चली जाती है और जमा होते होते धीरे धीरे एक ऊंची संरचना बन गई जिसे बांध के नाम से जाना जाता है और ये बांध कैसे तो इसको हम प्राकृतिक बांध बोलते हैं क्योंकि मानवों के द्वारा तो इसको नहीं बनाया गया प्रकृति ने बनाया गंगा ने बनाया इसलिए इसको प्राकृतिक बांध के नाम से जाना जाता है, है ना तो पूर्वी भाग में चौड़ाई कम होने के कारण गंगा नदी के द्वारा प्राकृतिक कगार का निर्माण भी किया गया है और देखिए अगर पटना जो हमारी राजधानी है ये पटना भी आपके प्राकृतिक कगार पर इसी प्राकृतिक बांध पर बसा हुआ है ये बातें ध्यान में रखिएगा ठीक है साथ ही साथ दक्षिणी गंगा के मैदान की एक विशेषता और भी है क्या चीज पीनेट प्रवाह प्रणाली पीनेट प्रवाह प्रणाली क्यों है इसी के कारण है देखिएगा कैसे पीनेट प्रवाह प्रणाली क्या होता है पीनेट प्रवाह प्रणाली वो प्रणाली होती है जहां पर जैसे इधर से आप देखेंगे कि जितनी भी गंगा जितनी भी गंगा की सहायक नदियां हैं ये आकर डायरेक्टली गंगा नदी से मिल जाती है लेकिन इधर हमने अभी, अभी क्या देखा कि इधर क्या किया गया है प्राकृतिक कगार बना दिया गया गंगा नदी के दक्षिण में प्राकृतिक कगार का निर्माण कर दिया गया और इस प्राकृतिक कगार के कारण क्या होगा अब मान लीजिए यह नदी यहां पर जाएगी तो डायरेक्टली गंगा नदी से मिलेगी नहीं मिलेगी बांध बोलेगा बेटा हम तो खड़े हैं हमको काट के जाओ हिम्मत है तो काट के जाओ नहीं तो हमारे बगल बगल में चलो तो यह भी क्या होगा डायरेक्टली तो काटेगी नहीं तब तक ये इसके समानांतर चलती रहेगी जब तक जहां पर कमजोर चट्टाने ना मिल जाए और जहां कमजोर चट्टाने मिलेगी काट के गंगा नदी से मिल जाएगी है ना अधिकतर नदी आपको ऐसी ही बहती हुई दिखाई देती है कि गंगा नदी से मिलने से पहले गंगा के समानांतर कुछ दूर तक चलती है और फिर गंगा नदी में मिलती है ऐसे प्रवाह प्रणाली को हम पीनेट प्रवाह प्रणाली के नाम से जानते हैं और यह भी आपको दक्षिणी गंगा के मैदानी क्षेत्रों की विशेषता है प्रश्न पूछ ले कि पीनेट प्रवाह प्रणाली किन क्षेत्रों की विशेषता है बिहार में तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी गंगा मैदान की विशेषताएं हो जाती है क्लियर तो आशा करता हूं पीनेट प्रवाह प्रणाली भी आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे जैसे पुनपुन हो गई फलगु केवल इन सभी नदियों का जो प्रवाह है वो कैसा है तो ये पीनेट प्रवाह प्रणाली के अनुसार साथ ही साथ यहां पर देखिएगा और क्या चीज है तो यहां पर कुछ टाल क्षेत्र भी पाए जाते हैं है ना टाल क्षेत्र ये टाल क्षेत्र क्या तो प्राकृतिक कगार के दक्षिणी भाग में दक्षिणी भाग में क्यों अब देखिएगा सब कुछ समझने वाली वाली है है रटने वाली कोई चीज तो यहां पर है ही नहीं क्योंकि यहां पर क्या हो गया प्राकृतिक है ना यहां पर प्राकृतिक बांध बने हुए हैं तो नदियां जो भी जाएगी इसका जल चूंकि ये तो है ना ये जो है हमारी सो नदी तो डायरेक्टली मिलती है लेकिन इसके बाद वाली जो भी नदियां हैं सब पीनेट प्रवाह प्रणाली में जाती है तो इसका जल जो है गंगा नदी में मिलने से पहले बांध इसको रोक रहा है और बांध जब रोकेगा तो इसके जल क्या होंगे इन सभी क्षेत्रों में क्या हो गया हो जाएगा फैल जाएगा है ना तो इसी के कारण यहां पर क्या हो गया टाल क्षेत्रों का निर्माण हो गया प्राकृतिक करगार के दक्षिणी भाग में जो जलमग्न निम्न भूभाग है इसी को हम क्या बोलते हैं क्षेत्र बोलते हैं और इसका विस्तार देखे तो पटना से लेकर मोकामा तक आपका इसका विस्तार देखने को मिलेगा जो लगभग पच्चीस किलोमीटर चौड़ी विस्तार के रूप में दिखाई पड़ती है कहां से पटना से लेकर आपका मुकामा तक क्यों तो इसका रीजन है यहाँ पर बांध का निर्माण हो चुका है प्राकृतिक बांध का और प्राकृतिक बांध जो है नदियों के जल को डायरेक्टली नदी में गिरने नहीं देगी इसलिए इन सभी क्षेत्रों में जल भर जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं टाल क्षेत्र या वहां के जो सामान्य भाषा है वहां पर जल्ला क्षेत्र भी कहा जाता है इसका आ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम भी है जैसे बढ़हरिया में बढ़हरिया टाल सिंघोल टाल मोकामा टाल मोर टाल तो ये सभी क्या हो गए टाल क्षेत्र हो गए तो ये भी समझ में आगे होगी कि इन टाल क्षेत्रों का निर्माण किस तरीके से यहाँ पर हुआ है ठीक है इतनी बातें क्लियर है ये पूरा स्लाइड सबको समझ में आ गया एक बार सभी लोग बताए फिर आगे हम बढ़ते हैं मजा आ रहा है कि मजा नहीं आ रहा एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे अच्छा नितेश कुमार देव जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है ना तो अच्छा ही लगना चाहिए ठीक है अब थोड़ा सा मैं कमेंट पर ध्यान दिया पड़ा हूं आप लोग कमेंट करें चूंकि डेढ़ घंटे की कक्षा लगभग हो चुकी है डेढ़ घंटे में तो दस मिनट बस वही इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से बाधित रहा लेकिन एक घंटे बीस मिनट यहाँ पर हो चुकी है अभी तक मैंने भोजन भी किया नहीं है तो कक्षा को समाप्त करके फिर भोजन वजन करके और फिर से बारह बजे से लग जाना है और बारह से एक कक्षा में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कंप्लीट आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में है ना और यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे यूरोपीय कंपनियों के पश्चात अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा ब्रिटिश नीतियां है ना नहीं इससे पहले हमारा क्या होगा ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार तो उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के युद्धों की चर्चा करेंगे फिर ब्रिटिश नीतियां और फिर विद्रोह एवं आंदोलन तो मजेदार तरीके से सारी चीजें मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ सभी लोग एक बार कमेंट करके बताए चलिए रिशांग जी बोल रहे हैं जी सर मजा आ रहा है नमन जी को भी मजा आ रहा है है ना आ, मरसुदा तरनुम जी का भी मजा आ रहा है मैम भी देख रही हैं मैम भी बोल रही हैं मजा आ रहा है ना उसके बाद आयुष जी हैं अच्छा आयुष जी गुड मॉर्निंग इतना लेट आ रहे हैं आप समय पर उपस्थित होना था क्लास जो है पहले ही शेड्यूल हो चुकी है और कोई बेईमान है जो अभी तक अपनी बेईमानी छिपा कर रखा हुआ है यहाँ पर है ना अपना लाइक छिपा कर रखा हुआ है जैसे छिपा कर धीरे धिर धीरे बैंक वो स्टोर कर लेंगे तो बैंक बहुत ज्यादा लाइक इनको कर देगी ऐसा भी कुछ है नहीं तो जो भी अभी तक अपना लाइक छिपा कर रखे हुए हैं है ना क्या कर ले सब लोग यहाँ पर बाहर निकालें उसको और दिल से लाइक करें क्योंकि दिल से पढ़ा रहा हूं मैं है ना अभी ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा लेकिन फिर भी वो सारी चीजें दे रहा हूं जहां से आपके प्रश्न बार बार बनते हैं कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा आपका तो इतना बेहतर तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर आप लोग लाइक करने में है ना ये ब्लैक मनी जैसी क्यों छिपा रहे हैं इसको लाइक करें तब मजा आएगा ठीक है प्राची जी नीतू जी अदिति जी निधि जी सबको मजा आ रहा है ठीक है आयुष जी लेट हो गए लेट नहीं होना है है ना लेट है, नहीं होना है अब आइए आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए देखते हैं कि कहां तक हो पाता है जो भी होगा बेहतरीन तरीके से होगा एक क्लास ज्यादा भी लगे तो टेंशन मत लीजिएगा जब ज्यादा होने लग जाएगी तो मैं दो की जगह पर तीन कक्षाएं एक दिन में लेने लग जाऊंगा टेंशन नहीं लेना है एक महीने में पूरा कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट ठीक आइए आगे, आगे बढ़ते हैं आगे देखिएगा यह है दक्षिणी पठारी प्रदेश दक्षिणी पठारी प्रदेश की हम यहां पर बात करें ठीक है हमने यहां पर गंगा का मैदान देख लिया उत्तरी गंगा का मैदान दक्षिणी गंगा का मैदान अब दक्षिणी पठारी प्रदेश की हम बात करते हैं ठीक है तो इसको हमने क्या किया था चार उपखंडों में विभाजित किया था आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं अगर दक्षिणी पठारी प्रदेश के विस्तार की बात कर लें तो ये जो छोटा नागपुर पठार का सीमांत प्रदेश जो हो जाता है सीमांत क्यों हमने बोला क्योंकि इसका अधिकतर भाग जो है कहां पर है झारखंड में चला गया है और उसका सीमा जहां पर अंत हो रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे सीमांत बोलेंगे तो छोटा नागपुर पठार का जो सीमांती क्षेत्र हो जाता है उसी का विस्तार आपको बिहार के दक्षिणी जिलों में दिखाई पड़ता है कहां से तो पश्चिम में कैमूर से लेकर है ना पश्चिम में ये जो कैमूर है इस कैमूर से लेकर पूर्व में ये जो बांका जिला है इस जिले तक इसका विस्तार पाया जाता है और इसकी विशेषता क्या है बिहार की ये सबसे प्राचीनतम भूखंड है है ना सबसे प्राचीनतम ये उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र और फिर तीसरे नंबर पर मैदानी क्षेत्र तो इन पठारी क्षेत्रों की बात कर ले तो ये बिहार के सबसे प्राचीनतम क्षेत्र हो जाते हैं ये बातें ध्यान में रखिएगा ठीक है अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं इसको हमने चार खंडों में विभाजित किया था सबसे पहला है कैमूर या रोहतास का पठार सबसे पहला क्या है कैमूर या रोहतास का पठार ये रहा आपका है ना तो इसकी विस्तार देखे जो आपकी सोन नदी है सोन नदी से पश्चिम में है ना और सोन नदी से उत्तर में आपको देखने को मिल जाता है ये इसकी विशेषता की बात करिए है क्या तो जो विंध्य श्रेणी है जो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है तो विंध्य श्रेणी का ही ये विस्तार है जो बिहार के दक्षिण पश्चिमी जिलों तक आपको इसका विस्तारित देखने को मिल जाता है है ना तो कहां से इसका विस्तार है मध्य प्रदेश में जबलपुर से लेकर बिहार का जो रोहतास है यहां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है जिसमें तेरासी किलोमीटर की लंबाई और लगभग अस्सी किलोमीटर की चौड़ाई में यह विस्तारित है इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो तीन से लेकर साढ़े मीटर के आसपास है ना इसके बीच में इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिल जाती है और इसका सबसे जो ऊंचा भाग है वो कौन सा है रोहतासगढ़ जो चार सौ पंचानवे मीटर ऊंचा है ना रोहतास में है रोहतासगढ़ सबसे ऊंचा स्थान जो है रोहतासगढ़ जो चार सौ पंचानवे मीटर यहां पर ऊंचा हो जाता है अगर इसको अलग करने वाली संरचना की बात कर ले तो सोन नदी जो है इसको अलग करती है किससे तो इधर क्या है छोटा नागपुर का पठार इधर क्या है छोटा नागपुर का पठार है और छोटा नागपुर के पठार करने में योगदान किसका है तो सोन नदी की है हमारी सोन नदी और सोन नदी जो है ये रोहतास के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है ये भी आपका एक प्रश्न यहाँ पर बनता है ध्यान में रखिएगा इस क्षेत्र में देखे रोहतास के पठार में तो यहाँ पर बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है उसके बाद दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा विभाजन यहां पर गया का पहाड़ी क्षेत्र हो गया है ना गया का पहाड़ी क्षेत्र और इसका विस्तार कहां तो ये जो औरंगाबाद हो गया गया हो गया और नवादा हो गया इन सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है और ये विस्तार है ना पहाड़ियां होती है एक तो क्रमबद्ध तरीके से होती है और साथ ही साथ टुकड़ों टुकड़ों में होती है तो ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं है कई सारे टुकड़ों में इसका विस्तार यहां पर देखने को मिल जाता है जिसके अंतर्गत आप क्या क्या देख सकते हैं है ना देखिएगा ये पहाड़ी जो ये मैदानी भागों में विस्तृत है जैसे कि मान लीजिए पहाड़ी भाग है यहां पर पहाड़ हो गया यहां पर फिर पहाड़ हो गया लेकिन बीच वाला क्षेत्र हो गया इसमें मान लीजिए फिर से मैदानी भाग यहां पर निर्मित कर दिया गया नदियां जो है इसमें भी अवसात अपना भर दी तो यहां पर भी क्या हो गया मैदानी क्षेत्र तो यहां पर पहाड़ तो दिखाई नहीं देगा यहां पर मैदान दिखाई देगा लेकिन यहां पहाड़ यहां पहाड़ दिखाई देगा तो ऐसी संरचनाएं गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर देखने को मिल जाता है है ना ये बातें ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत जेठियन हिंडन है ना हिंडाज हल्दिया ये पहाड़ियां जो है प्रमुख रूप से है ये बातें ध्यान रखिएगा गया शहर के समीप भी यहां पर देखिए कुछ ऐसे ऐसे नाम है जो कभी आप भूलेंगे नहीं है ना देखिएगा भूतशिला ये क्या है जगह का नाम है भूतशिला प्रेतशिला है ना उसके बाद यहाँ पर और भी देखेगा मैं ये हटा देता हूं देख लीजिएगा ब्रह्मयोगी ये सभी के सभी क्या है पहाड़िया है जो यहाँ पर विस्तृत है और इन सब का लोकेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है साथ ही साथ जहानाबाद और गया जिला जो है इसी के सीमा पर बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाती है जहां पर अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा विभिन्न प्रकार की गुफाओं का निर्माण किया गया है तो जब आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ेंगे मौर्य काल से संबंधित तो

आइए तीसरे और चौथे भाग की बात करते हैं तीसरा विभाजन जो है हमारे यहां पर यह राजगीर गिरिया की पहाड़ी क्षेत्र के रूप में है और इसकी बात करिए मूलतः गया के पहाड़ी का जो है ना ये जो गया का पहाड़ी है इसी का विस्तार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है यही आगे विस्तारित हुआ है लेकिन बीच में संरचनाएं जो है कटी फटी है मैदानी क्षेत्र जैसी है इसलिए हमने इसको एक अलग से ही टॉपिक बना दिया है ना और ये मुख्य रूप से जो नालंदा जिला है इस नालंदा जिले में इसका विस्तार देखने को मिल जाता है इसी के अंतर्गत वैभव गिरी रत्नागिरी सोनागिरी विपुलगिरी उदयगिरी है ना ये सभी के सभी पीर की पहाड़ी आदि प्रमुख है है ना तो ये सारी चीजें आप सभी को पता ही होगा और ये सब के सब क्या है वही जो है, है ना? राजगीर जो पहले बिहार की प्राचीनतम राजधानी हुआ करती थी इसके चारों तरफ पांच पहाड़ियां हैं और वो पांचों पहाड़ी यही हैं इसके बीच में आपका राजगीर था और यहाँ पर राजधानी रखने से क्या हुआ था प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी क्योंकि यहां से पांचों तरफ से क्या है पहाड़ी है ना पांचों तरफ से क्या है पहाड़ी है और यहां पर आपका क्या है राजगृह है इससे होता क्या था अब कोई भी व्यक्ति राजगृह पर हमला करने का प्रयास करेगा तो कहां से करेगा बाहर से है ना और जो सेना ऊंचाई पर रहती है उसका प्रदर्शन विशेष हो जाता है ये भैया अभी ऐसे उठ के देखेंगे तब तक उधर से तीर मार देगा काम खत्म इसलिए राजगृह को राजधानी यहां पर बनाया गया और सुरक्षित राजधानियों में से एक था आपका राजगृह है ना तो वो आपके इसी क्षेत्र में देखने को मिल जाता है ठीक है सबसे ऊंची पहाड़ी जो है यहाँ पर वैभव गिरी है जिसकी ऊंचाई 380 मीटर के आसपास देखने को मिल जाती है और ये यहाँ पर रूपांतरित प्रकार की चट्टाने पाई जाती है जिसमें क्वाडजाइट स्लेट इन सब की प्रधानता देखने को मिलती है तो पहला क्षेत्र ये हमारा हो गया दूसरा क्षेत्र ये हो गया तीसरा क्षेत्र हमारा ये हो गया अब जो बच गया ये हमारा क्या हो जाएगा चौथा क्षेत्र जिससे नवादा मुंगेर की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है इसका विस्तार देखे तो दक्षिण में नवादा से उत्तर में गंगा नदी तक यहां से प्रारंभ करके ये गंगा नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है यह है आपका चौथा क्षेत्र जिसे नवादा मुंगेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है इसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की पहाड़ियां देखने को मिलती है जिसमें सतगावा श्रृंखला गिधेश्वर की पहाड़ी खड़गपुर की पहाड़ी है ना बेतिया की पहाड़ी बोका की पहाड़ी ये सभी इस यहाँ के प्रमुख पहाड़ियां हैं खड़गपुर पहाड़ी का विस्तार जो है ये मुंगेर से जमुई तक देखने को मिल जाता है ठीक है ना ये खड़गपुर पहाड़ी है ये बातें ध्यान में रखिएगा और यहाँ की चट्टानों की बात करें तो क्वारजाइट प्रकार की चट्टाने यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है तो आशा करता हूं जो मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे पूरा यहाँ पर हमने विशेषताएं देख लिया भौगोलिक प्रदेश देख लिए कैसी कैसी चट्टाने हैं और किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से मैंने यहाँ पर मैप का प्रयोग किया है जो आपको समझने में आपके मन मस्तिष्क में इसको स्थापित करने में विशेष योगदान रखेगा तो अभी तक सारी चीजें सबको अच्छे समझ में आई है एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं क्योंकि अभी ध्यान मेरा कमेंट पर है दोस्तों ये कहना है कि पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा नहीं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं मिलेगा क्योंकि ये पेड बैस में मैं करवाता हूं और पब्लिकली इसको शेयर मैं नहीं कर सकता अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में तो कुमार क्लासेस एप्लीकेशन जो है इसका लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा वहां पर फ्री मटेरियल सेक्शन है अभी अपलोड नहीं किया है क्लास के तुरंत बाद में वहां पर अपलोड कर दूंगा वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके अपना रिविजन कर सकते हैं इसको पढ़ने के पश्चात किसी अन्य पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है ये बातें ध्यान में रखिएगा ठीक है मजा आ रहा है ना एक कल की कक्षा में थोड़ा सा बफरिंग हो रहा था और इस बफरिंग के कारण थोड़ा सा मैं अपने और आप लोगों के बीच में 30 सेकंड का गैप रखा हूं जो भी मैं बोलूंगा 30 सेकंड के पश्चात आप लोगों के पास पहुंचेगी और इससे मान लीजिए कहीं 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 बफरिंग की समस्या आती है तो उसको मेंटेन कर लेता है यही पहले जीरो था और जीरो के कारण यानी कि तुरंत लाइफ है ना तो इसमें क्या हो रहा था डेटा यहां से पहुंच नहीं पा रही थी तो वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था और वो होने लगा था तो थोड़ा सा मैंने गैप डाल दिया तीस सेकंड का तीस सेकंड आप लोग मुझे पीछे देख रहे हैं ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल सबको मजा आ रहा है ठीक है ना सबको अच्छे से क्लियर चलिए आज लगातार सात घंटे गले का क्या होगा देखते हैं ठीक है ना आइए अगले टॉपिक पर चले अब इसके भौगोलिक प्रदेशों की हम यहां पर चर्चा करते हैं है ना भौगोलिक प्रदेशों की चर्चा करते हैं आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं ठीक है भौगोलिक प्रदेश वैसे मुख्य रूप से मुख्य परीक्षा के लिए है है ना तो इसमें कई सारे भौगोलिक प्रदेश है इसको अगर हम यहां पर ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा इसीलिए मैंने यहां पर सम्मिलित भी नहीं किया है ये मुख्य रूप से जब फसलों की चर्चा करेंगे तो वहां पर मैं इसको समझा दूंगा वहाँ पर हम रिलेट भी कर पाएंगे उतना बेहतर हो जाएगा आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ये है अपवाह प्रणाली है ना अपवाह प्रणाली से बार बार आपके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इसमें देखिएगा इसमें मैंने अपडेट भी किया हुआ है है ना अपडेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी चूंकि अभी ग्यारह बारह मिनट समय है आधे घंटे और ज्यादा हम कर लेते हैं साढ़े ग्यारह तक कक्षा कर लेते किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना उसके बाद से खा के फिर बारह बजे से हम लग जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लेकर तो अपवाह प्रणाली को कंप्लीट यहां पर करते हैं ठीक है क्लियर ठीक है वर्षा जी कहना है कि सर कितने बजे तक क्लास चलेगी है ना क्लास जब तक हमारा टॉपिक समाप्त ना हो जाए ठीक है तो साढ़े ग्यारह तक करते हैं और इसमें कंप्लीट कर लेते हैं अपवाह प्रणाली इसके बाद जो बचेगा वहां से हम कल स्टार्ट करेंगे चलिए रेशांक जी ने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इन्होंने लिखा है परहेप्स बोटल इज ऑल्सो इन फिजिकल मोड जी मैं समझ नहीं पाया आप क्या यहाँ पर कहना चाहते हैं आइए आप प्रणाली को समझते हैं ठीक है ना बीस बीस में मैं थोड़ा सा यहाँ पर आ, आप लोग गैप भी दे रहा हूँ एक टॉपिक करने के पश्चात दो चार मिनट बात ही कि बस क्लास क्लास ही ना हो और हम लोग बीच में थोड़ा सा गैप भी महसूस कर ले माइंड को रिलैक्स भी मिल जाए और फिर से स्टार्ट कर रहे है, ठीक है अच्छा प्रेस एक्ट वाला हाँ प्रेस एक्ट वाला मैंने अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया है प्राची जी इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि तो ये सारे नोट्स कहाँ कहाँ से मैंने ढूंढा पहले एकत्रित था नहीं एकत्रित करने में थोड़ा सा समय लगा है तो आज आपको वो नोट्स भी मिल जाएगा ठीक है आइए अपवाह प्रणाली की बात कर लें तो देखिएगा अपवाह प्रणाली का एक आधार होता है जैसे एक मुख्य नदी हो जाती है और बिहार का जो अपवाह प्रणाली है इस अपवाह प्रणाली की आधार कौन है गंगा है ठीक है आइए देखिएगा यहां पर समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो लाल रंग से मैंने यहाँ पर डिनोट किया है ये है अपनी गंगा नदी है ना ये है अपनी गंगा नदी और बिहार के अपवाह प्रणाली की बात कर लें तो इसका आधार कौन है यही गंगा नदी है ये गंगा नदी जो है ये बिहार को लगभग बीचों बीच से डिवाइड करते हुए नजर आ रही होगी अब देखिएगा इस गंगा नदी में इसकी जो सहायक नदियां है वो दो तरीके की है कौन कौन सी तो इधर आप सबको पता ही है इधर क्या है हिमालय ठीक है और इधर क्या है पठार है गंगा नदी बिहार की बात करें तो बिहार के दक्षिण में पठार है और बिहार के उत्तर में हिमालय है तो दोनों ही जगहों से नदियां आती है तो मुख्य आधार जो है बिहार के अपवाह प्रणाली का वो तो गंगा नदी हो गई लेकिन इसकी सहायक नदियां जो है इसको भी हम दो खंडों में विभाजित कर सकते हैं दो खंडों में कौन कौन सी एक वैसी नदियां जो हिमालय से आती है और दूसरी वैसी नदियां जो आपकी पठारी क्षेत्रों से आती है अब विशेषता क्या हुई हिमालय से आने वाली जो नदियां ये सदाबहार नदियां कहलाती है कारण क्या रहा कारण ये है क्योंकि यहां पर बारहों घंट, है ना बारहों महीने इन नदियों में जल रहता है ना यहां पर बारहों महीने इन नदियों में जल रहता है और जो पठारी क्षेत्रों की नदियां हैं ये मौसमी नदियां कहलाती है कारण ये है कि जब बरसात का मौसम आएगा उस वर्षा का पानी ही इन नदियों के माध्यम से गंगा में आकर मिलेगी तो पठारी क्षेत्रों से, से आने वाली नदियां मौसमी नदियां हो जाती है और हिमालय क्षेत्र से आने वाली नदियां ये सदाबहार नदियां कहलाती है हिमालय से आने वाली नदियों में देखें सबसे पहली नदी यहां पर कौन सी हो गई घाघरा फिर गंडक फिर यहां पर बूढ़ी गंडक फिर कोशी और फिर यहां पर कौन सी होगी महानंदा अब इसकी सहायक नदी भी यहाँ पर कमला और बागमती इसकी भी चर्चा करेंगे उसके बाद पठारी क्षेत्रों से आने वाली नदियों में सबसे पहले पश्चिम से चले तो कर्मनाशा नदी उसके बाद यहाँ पर कोशी नदी है ना उसके बाद यहाँ पर आपकी फल्गु नदी हो जाएगी अजय के ये सारी नदी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो अगर हम बिहार के अपवाह तंत्र की बात कर ले तो इसकी आधार कौन सी है गंगा नदी है है ना बिहार के धरातलीय स्वरूप के विकास में जो गंगा है और इसकी सहायक नदियां इनका विशेष योगदान है क्योंकि इन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए साधु से ही बिहार के मैदान का निर्माण हुआ है और बिहार का लगभग पंचानवे प्रतिशत क्षेत्र जो है ये मैदानी क्षेत्रों के रूप में दिखाई पड़ता है बिहार में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा जो है यह लगभग 109 सेंटीमीटर के आसपास है और इसके कारण क्या होता है जब भी यहां पर बारिश होगी चूंकि हिमालय नदियों की बात करें तो हिमालय से आने वाली नदियों में तो हमेशा ही जल रहता है लेकिन बरसात के मौसम में क्या हो गया वो जल तो है ही और भी ज्यादा जल यहां पर देखने को मिल जाता है और भी ज्यादा जल देखने को मिल जाता है तो पहले से ही भरी हुई नदी उसमें और नदी ज्यादा जल हो गया और जल ज्यादा जल हो गया

जो तबाही मचाती है उसको हम मेची नदी में भेज पाए तो इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे टेंशन आप सभी को नहीं लेना है वो आपदा एवं आपदा प्रबंधन का टॉपिक है लेकिन नदियों में भी थोड़ा सा इसका रिविजन में यहां पर करवा दूंगा ठीक है अब देखिएगा प्रवाह तंत्र और उद्गम के आधार पर देखें तो बिहार के नदियों का वर्गीकरण हम दो भागों में कर सकते हैं पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा प्रादीपीय या पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है ये उत्तर गंगा के मैदान में समानांतर एवं विसर्पकार प्रवाह प्रणाली का निर्माण करते हैं विसर्पकार क्योंकि वही मैदानी क्षेत्र जो अभी अभी गोखुर जिल समझाया था कि इनके पास उतनी ज्यादा शक्ति होती नहीं है इसलिए कटाव नहीं कर पाते जहां भी कमजोर चट्टाने मिलती वहां काट के विसर्पक आकार में यह बहती हुई चली जाती है है ना परिणाम क्या होता है ये मार्ग परिवर्तित करती है। तो हिमालय से आने वाली नदियां जो है यह मार्ग परिवर्तन के लिए मशहूर है कारण क्या है कि यहाँ की मिट्टिया बहुत ढीली होती है

कि जो सहायक नदियां है हिमालय वाली इन सब में मार्ग परिवर्तन की विशेषताएं देखने को मिलती है और मार्ग परिवर्तन देखिएगा मार्ग परिवर्तन कैसे हो रहा है तो पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रही क्यों क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है पृथ्वी के गति को ध्यान में रखिएगा और इस गति के कारण ही ये जो नदियां है अपना मार्ग पूर्व से पश्चिम की ओर परिवर्तित कर रही है और इसमें परिवर्तित करने में देख लें है ना जो पृथ्वी की घूर्णन गति है इस कारण से मार्ग परिवर्तन और मार्ग परिवर्तन के लिए कोशी नदी मशहूर है है ना 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो चुकी है तो यह बात रखिएगा पृथ्वी की घूर्णन गति क्यों अब घूर्णन ऐसे हो रही है ऐसे तो जो नदी है उस पर प्रेशर इधर की तरफ पड़ेगा और जिधर प्रेशर पड़ेगा उधर कटाव होते हुए चला जाएगा ठीक है ये बातें ध्यान रखिएगा वही पठारी और प्रादीपीय क्षेत्रों की नदियां हैं है ना ये नदियां जो है अपना मार्ग परिवर्तन नहीं करती कारण क्या है कि जिस क्षेत्रों से ये बहती है वो चट्टाने बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मजबूत दिखाई पड़ जाता है तो ये सारी नदियां हैं आशा करता हूं इसका लोकेशन आप सभी ने देख लिया प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं अच्छा नीतीश जी कहना है कर्मनाशा नदी कैसी नदी है देखिएगा कर्मनाशा नदी साधारणतः तो कहा यह जाता है कि उस नदी में नहाने वाले व्यक्ति के सभी कर्मों का नाश हो जाता है वो व्यक्ति ही बन जाता है जैसे सब गंगा नदी में नहाते हैं कि जो हमारे पाप है वो नाश हो जाए कर्मनाशा नदी में नहाने से कर्म का ही नाश हो जाता है इसलिए इसको कर्मनाशा नदी के नाम से जाना जाता है ये बातें ध्यान में रखिएगा प्रश्न यहां से आते हैं कि नदी और उसके उद्गम स्थल से कहा से उसका उद्गम होता है कहां पर उसका संगम होता है मुहाना होता है जो भी नदियों की विशेषताएं क्या होती है देखिएगा जो छोटी नदियां होती है वो अपने से बड़े नदियों में अपने जल को मिलाना चाहेगी है ना छोटी नदियां अपने से बड़ी नदियों में विलीन होने का प्रयास करेगी जो बड़ी नदियां है वो सागरों महासागरों में विलीन होने का प्रयास करेगी और इसी क्रम में ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो सबसे हमारा प्रमुख कौन है गंगा नदी देखिएगा है ना एक एक की विशेषताओं की चर्चा करते हुए यहां पर चलते हैं सबसे पहले है यहां पर गंगा नदी गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है और है ना 2525 किलोमीटर 25 की यात्रा करते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है जल गिराने से पहले वो क्या करती है डेल्टा का निर्माण करती है ये बातें ध्यान में रखिएगा इसकी टोटल लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर 25 जिसमें से 445 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है ये बातें ध्यान में रखिएगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे कैसे तो देखिएगा मैप ध्यान में रखिएगा दिमाग में ये गंगा नदी हो गई गंगा नदी से आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सी है घाघरा नदी और घाघरा नदी की बात कर लें तो घाघरा नदी तिब्बत के चुंगो हिमनद से निकलती है भैया चाइनीज नाम है तिब्बती नाम है है ना तो हमारे यहां जैसा नहीं मिलेगा है ना मानसरोवर ठीक है ऐसे नाम यहां पर नहीं मिलने मिलने वाला मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से निकलती है कौन घाघरा नदी और छपरा के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है बिहार में प्रवेश करने से पहले उत्तर प्रदेश में इसी को सरयू नदी के नाम से जानते हैं और सरयू नदी जो है ये अयोध्या के लिए फेमस है इसी सरयू नदी पर एक विशेष पवित्र स्थल जो है अयोध्या वो यहां पर बसा हुआ है ये बातें ध्यान में रखिएगा इसकी टोटल लंबाई की बात करें 1080 किलोमीटर की टोटल लंबाई है जिसमें से तिरासी किलोमीटर ये बिहार में बहते हुए छपरा के पास आकर गंगा गंगा नदी से मिल जाती है ठीक है उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो घाघरा के बाद आपको कौन सी नदी दिखाई देगी तो घाघरा के बाद ये आपकी गंडक नदी है ये क्या है आपकी गंडक नदी और इस गंडक नदी की हम अगर बात कर ले तो ध्यान रखिएगा ये गंडक नदी अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है और पटना के पास आकर ये भी गंगा नदी में मिल जाती है इसकी टोटल लंबाई कितनी है 630 किलोमीटर जिसमें से 260 किलोमीटर बिहार में इसका बहाव क्षेत्र है लंबाई है बहाव क्षेत्र अलग हो जाता है लंबाई 260 किलोमीटर बिहार में अगर इसकी बात कर ले गंडक नदी की तो पहले यह भी बिहार में बाढ़ के लिए फेमस थी जैसे कोसी अभी हाहाकार मचाए रहती है वैसे ही गंडक भी पहले हाहाकार मचाए रहती थी लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बांध का हमने निर्माण कर दिया वाल्मीकि नगर बांध है ना इस बांध के निर्माण से यहाँ की बाढ़ जो है यहाँ पर कंट्रोल हो चुकी है ठीक है उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगली नदी कौन सी है बूढ़ी गंडक बूढ़ी गंडक क्या है पहले गंडक ही थी धीरे धीरे ये भी अपना मार्ग परिवर्तित करके पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गई तो जो पहले वाला बच गया उसी को बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं और ये सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है और खगड़िया के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है, है ना ध्यान रखिएगा कई बार प्रश्न पूछा गया है बिहार की सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी जो है वो कौन सी है तो आपकी बूढ़ी गंडक है ये बातें ध्यान रखिएगा और बिहार में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर देखने को मिल जाती है आगे देखे बागमती नदी है ना सबका लोकेशन आप लोग देख पा रहे हैं ना मैं इसको इधर करके मैं दिखाते भी चल रहा हूं देखेगा। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या है बागमती नदी ये क्या हो गई गंडक हो गई ये हो गई आपकी बूढ़ी गंडक और बूढ़ी गंडक के पश्चात देखें तो अगली नदी आपकी यहां पर हो जाती है बागमती नदी और बागमती नदी की बात कर ले तो ये महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल में और बेगूसराय के पास ये बूढ़ी गंडक में आकर मिल जाती है तो यह बूढ़ी गंडक की क्या है सहायक नदी है आगे देखेंगे तो आगे क्या है आपकी कमला नदी है यह क्या है आपकी कमला नदी है और कमला नदी की बात कर ले तो ध्यान रखिएगा कमला नदी भी महाभारत श्रेणी से निकलती है, है ना और कमला नदी के बारे में विशेष बात ध्यान रखिएगा कि जैसे भारत में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है वैसे ही बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है इस मिथिला क्षेत्र में कमला नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है ये बातें ध्यान में रखिएगा और ये महाभारत श्रेणी से निकलकर खगड़िया है ना बदला घाट खगड़िया में कोसी नदी से मिल जाती है और इसकी टोटल लंबाई 328 किलोमीटर है जिसमें से 120 किलोमीटर ये इसका जो लंबाई है ये बिहार में देखने को मिल जाता है उसके पश्चात आगे बढ़े सबसे खतरनाक नदी भैया कोशी नदी है ना सबसे खतरनाक कोशी नदी और इस कोशी नदी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ये गोसाई स्थान सप्त कौशिकी सप्त कौशिकी कोशी, कोशी इसे कब कहते हैं ये सात धराए जब आपस में आकर मिलती है उसके बाद से इसे कोशी नदी कहते हैं ये सात धराएं कौन-कौन सी है अरुण तामूर सुनकोशी दूधकोशी तामकोशी इंद्रावती है ना लिखू खोला ये सात धाराएं हैं और इन सात धाराओं के मिलने के पश्चात ही इसको कोशी नदी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर जो लाल से मैंने लिखा हुआ है आप एडिट किया है मैंने है ना ये चीजें इसमें सम्मिलित नहीं थी तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ज्यादा बेहतर यहां पर हो जाएगा क्योंकि तो जो नोट्स देने वाला हूं पीडीएफ वहां पर ये चीजें सम्मिलित नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो आप लोग नोट्स अपना बनाइएगा वहां पर इसको सम्मिलित कर लीजिएगा जितना लाल से मैंने लिखा हुआ है या फिर इधर जो लिखा हुआ है जो डार्क ब्लू है तो वो सब के सब मैंने आज आज यहाँ पर अपडेट किया हुआ है क्योंकि ये जो नोट्स मैं यहाँ पर आप सभी को स्क्रीन पर लेकर पढ़ा रहा हूँ ये दो साल पहले का नोट्स है लेकिन जो भी पढ़ा रहा हूँ अपडेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ जितनी भी चीजें होगी वो करंट डेटा होगी जो हमारा लेटेस्ट करेंट है उन सबको जोड़ के सारी चीजें मैं यहां पर करवाऊंगा ताकि आपको करेंट अफेयर भी देखने की आवश्यकता ना पड़े तो कोशी गोसाई स्थान जिसे नेपाल में सब्त कोशी कहा जाता है वहां से निकलती है और कुरसेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है गंगा में मिलने से पहले ये डेल्टा का निर्माण करती है ये बातें ध्यान में रखिएगा साथ ही साथ ये मार्ग परिवर्तन हेतु तो मशहूर है और 200 वर्षों में 150 किलोमीटर है ना खिसक चुकी है पूरब से पश्चिम की ओर ये बातें ध्यान में रखिएगा। इसकी टोटल लंबाई 730 किलोमीटर है, जिसमें से 260 किलोमीटर आपको बिहार में इसकी लंबाई देखने को मिलती है और सबसे अंतिम में देखें, सबसे पूर्व में देखें तो यहां पर जो नदी आपको दिखाई दे रही है इसको हम महानंदी, महानंदा नदी के नाम से जानते हैं और ये जो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग जो क्षेत्र है यहां पर माल हल्दीराम पहाड़ी से ये निकलती है और मनिहारी कटिहार में जाकर यह गंगा नदी से मिल जाती है ये बातें ध्यान में रखिएगा इसी महानंदा की सहायक नदी है मेची जिसको कोसी के साथ जोड़ा गया है कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना के तहत ताकि कोसी की जो अत्यधिक जल है उस जल को हम मेची के माध्यम से थोड़ा सा नियंत्रित कर सके क्योंकि तो कोसी नदी जो है ये बाढ़ की विभिष्य हर वर्ष बिहार में लेकर आती है तो इसके माध्यम से हम थोड़ा सा बाढ़ को कम करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये बातें ध्यान में रखिएगा ये आपका करेंट अफेयर भी है जिसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है ठीक है अब आइए यहाँ पर बात करते हैं हम दक्षिण बिहार की नदियों की और दक्षिण बिहार की नदियों में से मुख्य नदी यहाँ पर कौन सी हो जाती है सोन नदी है ना सोन नदी पर भी हमने नदी सिंचाई परियोजना के तहत एक बांध का निर्माण किया है जिसे डेहरी बांध कहा जाता है और इसके माध्यम से ये सभी क्षेत्र जो है कौन सा तुरहतास, कैमूर वाला क्षेत्र है ना ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर उर्वरता बहुत ही कम होती है लेकिन हमने क्या कर दिया यहां पर एक बांध बना दिया और इस बांध के माध्यम से सिंचाई इतनी जबरदस्त तरीके से होती है कि इसको है ना यहाँ पर बड़े स्तर पर धान गेहूं सारी चीजें उत्पादन किया जाता है और जब भी जिलेवार हम फसलों की बात करेंगे कल की कक्षा में तो देखेंगे कि गेहूं का उत्पादन हो या धान का उत्पादन हो इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा यहां पर उत्पादन किया जाता है तो ध्यान रखिएगा सो नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में मैकाल श्रेणी से निकलती है और दानापुर और मनेर के मध्य में गंगा नदी से मिल जाती है इसकी टोटल लंबाई लगभग सात किलोमीटर है जिसमें से दो दो किलोमीटर इसकी लंबाई बिहार में देखने को मिल जाती है फिर आगे बढ़ेंगे है ना कहा तो देखते चलिएगा मैप पर ठीक है सबसे पहले ये कौन सी होगी सोन नदी उसके बाद यहाँ पर आपको फल्गु नदी दिखाई देगी है ना उसके बाद फलगु नदी दिखाई देगी माफ कीजिएगा पुनपुन और पुनपुन -पुन की बात करें तो ये छोटा नागपुर पठार का जो पलामू जिला है इस पलामू जिला से निकलती है और फतुहा के पास जाकर गंगा नदी से मिल जाती है ऐसे प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं आप उठा कर देख लीजिएगा नदियों से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कहां पर जाकर मिलती है तो सब रट जाने हैं बातें ध्यान में रखेगा। और इसकी लंबाई टोटल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाती है फिर एक अभी कर्मनाशा से जो एक कमेंट कि कर्मनाशा नदी कैसी नदी है तो वही कर्मनाशा जैसे कहा जाता है जो आपने ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें विस्तार दिया गया है कि इस नदी में नहाने के पश्चात तो लोगों के का नाश हो जाता है इसलिए इस नदी को कर्मनाशा नदी कहा गया और ये कैमूर का जो यहां पर, जो क्षेत्र है पर विंध्यन पहाड़ी है और चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है चौसा यही चौसा का युद्ध है ना चौसा का युद्ध जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था और पराजय किसकी हुई थी मुगलों की है ना तो इतिहास में पढ़ेंगे मजा आ जाएगा और इसकी लंबाई है ना टोटल लंबाई एक सौ बानवे किलोमीटर के आसपास है फिर फल्गु नदी की बात कर ले इसी फल्गु नदी की मुख्य धारा निरंजना नदी कहलाती है ये भी कई सारी धाराओं के मिलने के बाद से फलगु नदी कहलाती है फल्गु नदी कब तो जब बोध गया के पास ये सभी धाराएं मोहना नदी से मिल जाती है वहां से ये फल्गु नदी कहलाने लग जाती है और ये हमारे लिए इसलिए विशेष हो जाता है कि इसी फल्गु नदी की जो मुख्य धारा है उसको निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है और ये निरंजना नदी बौद्ध धर्म से संबंध है क्योंकि जो गौतम बुद्ध है इन गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो इसी नदी के तट पर हुई थी इसलिए हमारे लिए महत्व रखता है इसकी बात कर लें तो हजारी बाग में छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है और टाल क्षेत्रों में जाकर विलीन हो जाती है इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका जल में कमी आती है और टाल क्षेत्रों में जाकर विलीन हो जाती है ये गंगा नदी से नहीं मिलती है ये बातें ध्यान रखिएगा और इसकी टोटल लंबाई दो किलोमीटर है फिर अजय की बात कर लें ये जमुई के बटवार से से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा से मिल जाती है जिसकी टोटल लंबाई किलोमीटर है और फिर एक क्यूल नदी है जो गिरिडीह जिला झारखंड में टीसरी हिल से है ना वहां पर एक है पारसनाथ की पहाड़ी वहां से निकलती है और सूरज लखीसराय जिले में सूरजगढ़ा के पास गंगा नदी से मिल जाती है तो ये सभी की सभी प्रमुख नदियां थी जहां से आप सभी के बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं है ना तो आप सभी लोग इन सबको बेहतर तरीके से याद रखेगा ग्यारह बज चुके हैं तो आप लोग बताएं तो थोड़ा सा दो तीन टॉपिक और भी यहाँ पर कर लें अन्यथा की स्थिति में फिर इसी के आगे से कल हम लोग प्रारंभ करेंगे अभी तक जितना भी मैंने करवाया जितना भी टॉपिक क्या इतने टॉपिक में किसी को कोई डाउट डाउट है तो आप लोग डाउट यहाँ पर क्लियर करवा सकते हैं है ना मजा आया हो तो एक बार कमेंट के माध्यम से आप लोग अवश्य ही बताएं और साथ ही साथ वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करें क्योंकि ये आपका अपना परिवार है और इस परिवार का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब इस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक होगा ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन होगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट होगा तो आप लोगों का थोड़ा सा कर्तव्य बन जाता है 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 कि चैनल 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 को ग्रो ग्रो क्योंकि नया नया चैनल है और नया और तभी करता है जब आप लोगों का सपोर्ट यहां पर होगा तो बेहतर आप लोग सपोर्ट करें है ना सब लोग जाकर वहां पर लाइक बटन दबाएं है ना वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें क्योंकि YouTube भी है ना उसी चैनल को और पुषअप करता है जिस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का देखा जाए प्रतिक्रिया दिखाई देती है तो आप अपना प्रतिक्रिया अवश्य ही दे है? दो घंटे कंप्लीट हो गया चलिए सभी लोग बताएं एक बार सब लोग अपना फीडबैक यहां भी दें और जाकर कमेंट बॉक्स में भी फीडबैक देना है क्योंकि यह कक्षा जो है अब बंद तब तक नहीं होगी जब तक हमारी क्लासेस ना हो जाए लेकिन बंद ये नहीं होगी प्रीलिम्स खत्म होगा उसके अगले दिन से मेंस मेंस पर लग जाएंगे और आंसर राइटिंग इतना धमाकेदार तरीके से जो तीन महीने का समय होगा तीन महीने में कम से कम तीन सौ आपसे करवा दूंगा और उस तीन सौ में से ही तो प्रश्न आएंगे बीपीएससी में तो फिक्स है टॉपिक की यहां से क्वेश्चन आएंगे सबको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा लेकिन विशेष बात ये हो जाती है कि उस प्रश्न का उत्तर हम अपने लैंग्वेज में कैसे लिखें जो दस लाख कैंडिडेट है छह लाख कैंडिडेट है अब से में दस होते हैं, या तो हम कैसे अपने उत्तर को प्रस्तुत करें यही चीज तो सीखना है क्वेश्चन तो सबको पता है कि हाँ ये आनी है यहां से आनी है लेकिन कौन बेहतर आंसर लिखता है उन्हीं का तो सिलेक्शन होगा चलिए सभी लोग एकदम बेहतर फीडबैक दे रहे हैं कि बहुत मजा आया है ना नमन जी हैं वर्षा जी हैं मरसदा जी हैं शर्राफ मुन्ना कुमार जी हैं सबको मजा आया ज्यादा से ज्यादा सेशन हो अच्छा ये मैडम जी हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है सबको तो मेरी बात ना माने लेकिन मैडम जी का तो बात मानना है है ना मेरी बात ना माने लेकिन मैडम जी का तो बात मानना है उनकी बात मान के ज्यादा से ज्यादा आप सभी को शेयर करना है हाँ ये क्लास जो होगी ये रेगुलर नौ बजे से चलेगी मंडे टू फ्राइडे सैटरडे एक दिन छुट्टी रहेगी संडे को टेस्ट होगी जो अप्लीकेशन पर होगी अप्लीकेशन का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और जो पांच दिनों में हम कक्षा करेंगे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेगी और आप सभी लोग टेस्ट भी दे पाएंगे है ना देखिएगा ये क्रैश कोर्स के रूप में सब लोग करवाते क्या है क्वेश्चन उठाएंगे आंसर बताते हुए चले जाएंगे ऐसे कुछ नहीं होता जब सारी चीजें हम बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे तो वहीं से तो क्वेश्चन आने हैं तो मैं आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा रहा हूं और क्लासेस भी उपलब्ध करवा रहा हूं तो सब लोग दोनों से अवश्य ही जुड़े अप्लीकेशन को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज से अवश्य ही जुड़े टेस्ट सीरीज भी टोटली फ्री होगी और ये कक्षाएं भी टोटली आपकी यहाँ पर फ्री होगी ठीक है ले इतना सारा लोगों ने देखा और लाइक केवल बहत्तर अभी भी कोई है जो अपना लाइक छिपा कर रखा हुआ है हंड्रेड लाइक भी पार नहीं हो पाए तो फिर क्या मजा आएगा जी बिल्कुल मैंने देखा था लेकिन थोड़ा सा समय जब भी मिलेगा मैं निबंध आपका चेक कर दूंगा निबंध चेक करने में टाइम लगता है क्योंकि यूपीएससी के लिए जो निबंध होता है वो हजार से बारह सौ शब्दों में होता है आपने भी कुछ इसी तरीके से लिखा होगा तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा जब भी समय मिलेगा मैं अवश्य ही चेक कर दूंगा ठीक है ना हाँ फलगु नदी जो है देखिएगा जो टाल क्षेत्र है ताल क्षेत्र हमने देखा उन ताल क्षेत्रों में जाकर क्या हो जाती है विलीन हो जाती है ताल वही क्या है तो जल मग्न क्षेत्र हो जाता है जब जल में सारे जल जा नदी का जल ही जाकर मिल जाए तो क्या पता चलेगा किसकी जल कहां पर जा रही है ना तो उन ताल क्षेत्रों में जाकर वो विलीन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर भी होगा बीपीएससी से रिलेटेड वो सारे टॉपिक जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं वो सब के सब यहां पर होंगे बस आप लोगों क्या करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ना जादा जादा है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर लेकर आने हैं अपने परिवार में जोड़ने हैं तो थोड़ा सा है ना समय हो चुका है ग्यारह सात हो चुके हैं तो थोड़ा सा गले को मैं रेस्ट भी दे दूं अभी तक भोजन मैंने किया नहीं है तो भोजन भी कर लेते हैं और फिर बारह बजे क्लास शेड्यूल है सबको वहां पर भी उपस्थित होना है आधुनिक भारत का इतिहास भले ही आपने पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं है बहुत फास्ट रिविजन करवाने वाला हूँ है ना पांच से छह कक्षा में पूरा आधुनिक भारत का इतिहास पूर्ण रूप से रिविजन हो जाएगा लगभग अस्सी से पचासी परसेंट क्वेश्चन जो होंगे आपके यहाँ से आएंगे तो आप सबको क्या करना है उस क्लास में भी उपस्थित होना है अच्छा बाजीराव जी बोल रहे हैं हंड्रेड लाइक तक पढ़ाए है ना अगली कक्षा ना ले बारह से अगली शेड्यूल है ना तो उसको भी लेना है ठीक चलिए तो सेशन को ये पर समाप्त करते हैं आप सभी का बहुत प्यार मिला है ना और ये प्यार ऐसे ही बनाए रखें अभी पैंतीस छत्तीस है ना ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित थे अगली क्लास को थोड़ा सा और ज्यादा प्रारंभ किया था और अपवाह प्रणाली को हमने दो भागों में विभाजित किया था जैसे भारत की आ, भारत की अपवाह प्रणाली में बहुत सारी नदियां हैं लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार की अपवाह प्रणाली का अगर ऋण कहा जाए बेस कहा जाए तो वह है गंगा नदी जो बिहार को लगभग दो भागों में विभाजित करती है बीचों बीच से विभाजित करती है और यहाँ की नदियों को हमने दो भागों में विभाजित किया था एक वैसी नदियां जो हिमालय से चलती हैं और एक ऐसी नदियां जो पठारी क्षेत्रों से चलती है और इसको विभाजित करके हमने अच्छे से इसको पढ़ने समझने का प्रयास किया था साथ ही साथ सारी चीजें यहां पर मैंने लिस्टिंग भी करवाई थी ये बातें ध्यान में रखिएगा मैंने बोला था कि स्क्रीन भी ले लीजिए क्योंकि इसमें मैंने कुछ अपडेशन भी करवाया था अब देखिएगा नदियां तक तो हमने कर लिया था अब इसके आगे की कक्षा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ठीक है देखिएगा आज संख्या कल जितनी संख्या आज नहीं है तो आप सभी को शेयर करना है कल जितने दम लगाकर आप लोगों ने शेयर किया था जितने प्यार से शेयर किया था उतना प्यार आज मिल नहीं रहा तो फिर मजा नहीं आएगा है ना तो आप लोग क्या कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर लाइव क्लास में रहें अब देखिएगा अब यहाँ पर कुछ गर्म जल कुंड भी पाए जाते हैं जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं गर्म जल कुंड का मतलब क्या हुई? इसे गर्म जल के सोते भी कहा जाता है यानी कि ये ऐसा जगह है जहां पर स्वतः ही गर्म जल निकलते हैं गर्म क्यों क्योंकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कहीं ज्यादा होता है और इसकी बात कर ले तो तापमान जो होता है वो लगभग तीस से है ना औसतन बोल रहा हूं तीस से लेकर सत्तर डिग्री सेल्सियस तक इसकी तापमान रहती है और इसकी स्थिति की बात कर ले तो ये मुख्यतः आपको कहा तो नालंदा गया और मुंगेर जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं जिसे गर्म जल के सोते कहा जाता है और यहां से गर्म गर्म जल जल ही निक, निकलते हैं अब मन में एक प्रश्न आती है है कि आखिर क्यों निकलता है? हमारे जो चापाकल है नलके है इसमें से तो गर्म जल नहीं निकलता लेकिन यहां पर क्या विशेषता है कि यहां पर गर्म जल निकलती है तो इसके दो कारण है देखिएगा जहां से होकर ये जल आते हैं वहां पर मृत ज्वालामुखी का मुख और साथ साथ ही रेडियो एक्टिव खनिज की उपलब्धता के कारण यह जल जो है गर्म हो जाती है वहां से जब मान लीजिए आग कहीं पर जल रहा है वहां से हम पानी को पास करवाएंगे तो पानी वहां पर जाते ही गर्म हो जाएगा उसके संपर्क में आते हैं ऐसे ही सेम यहां पर भी सिचुएशन है जहां से होकर गुजरती है वहां पर मृत ज्वालामुखी का मुख पाया जाता है साथ ही साथ रेडियो एक्टिव खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और इन उपलब्धता के कारण ही ये जल जो होते हैं ये गर्म होते हैं ठीक है ठीके? तो ये बातें ध्यान रखिएगा अब देखिएगा कुछ यहां पर महत्वपूर्ण नाम है जहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे राजगीर की बात कर ले सबसे पहला ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछ दे बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है तो ध्यान रखिएगा वो है ब्रह्मकुंड यहां का औसतन तापमान जो होता है सतासी डिग्री सेल्सियस होता है सौ डिग्री पर तो भैया भाप ही बनने लग जाता है तो उससे तेरह डिग्री ही आपको कम दिखाई पड़ता है तो ध्यान रखिएगा राजगीर में देखें तो राजगीर में है आपका ब्रह्मकुंड जिस जो बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है और इसकी औसतन तापमान जो है सतासी डिग्री के आसपास दिखाई पड़ता है ये बातें ध्यान रखना है राजगीर में देखें तो और इसके अलावा और कौन कौन सी है तो सप्तधारा है सूर्य कुंड है मकदूम कुंड नानक कुंड गोमुह कुंड ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन ये प्रमुख हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा गर्म ब्रह्मकुंड है सतासी डिग्री सेल्सियस बाकी ये सारे हैं ये इसका औसतन सत्तर डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है उसके बाद मुंगेर में देखे तो मुंगेर का सबसे गर्म जलकुंड जो है उसको लक्ष्मण कुंड के नाम से जाना जाता है और लक्ष्मण कुंड का औसतन तापमान जो है बासठ डिग्री सेंटीग्रेड है तो यह बात रखिएगा बिहार का सबसे गर्म ब्रह्मकुंड मुंगेर का सबसे गर्म लक्ष्मण कुंड डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है इसके अलावा रामेश्वर कुंड सीता कुंड ऋषि कुंड जन्म कुंड पंचतर कुंड है ना श्रृंगार कुंड भरारी कुंड भीम बांध ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पर गर्म जल के सोते हैं और वही

सबसे पहली बात मैदानी क्षेत्र में तो होगा नहीं जल प्रपात के लिए स्थिति क्या होनी चाहिए कि किसी ऊंचाई से जल एकाएक नीचे गिरे उसी को जल प्रपात हम कह लेते हैं और मैदानी क्षेत्र में तो ऐसी सिचुएशन संभव ही नहीं है और पहाड़ी क्षेत्र तो हमारे पास है ही नहीं थोड़ी सी है तो इसका मुख्य क्षेत्र जो देखें वो दक्षिण में जो पठारी प्रदेश है वहां पर देखने को मिल जाता है जैसे कि रोहतास कैमूर गया नवादा ये सब जो जिले हैं यहां पर इसकी अवस्थिति देखने को मिल जाता है और सबसे प्रसिद्ध देखें तो यहाँ पर ककोलत जल प्रपात है जो बिहार का सबसे प्रसिद्ध जल प्रपातों में से एक है और ये कहाँ है नवादा जिले के अंतर्गत आ जाता है नवादा जिले में है ककोलत पहाड़ी वहीं पर इसकी अवस्थिति देखने को मिल जाता है ठीक है इसका निर्माण कैसे हुआ? तो कोडरमा की पठार से उतरने वाली सात धाराएं जो है जब वो आपस में मिलती है तो सातों धाराओं का जल यहां पर मिलकर एक ज्यादा जल का निर्माण करती है और उसी से ककोलत जल प्रपात का यहां पर निर्माण होता है इसके अलावा अन्य मुख्य जलप्रपातों में सुखलदरी जल प्रपात है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है और कनहर नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है तो जल प्रपात और साथ ही साथ है ना नदियों का नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा साथ ही साथ यहाँ पर दुर्गावती जल प्रपात है ये रोहतास जिला का जो छान पापर नामक स्थान है वहां पर देखने को मिल जाता है इसके अलावा धुआ कुदाह है ना राकिन कुंड सुवारा देवदारी ओखारिन कुंड तिलहर कुंड ये विभिन्न प्रकार के जल प्रपात है जिसकी स्थिति आपको बिहार में देखने को मिल जाती है इसके पश्चात देखेगा इस यहां पर मैंने पूरा कौन सा स्थान है कहाँ पर कौन सी जल प्रपात पाई जाती है और कौन सी नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है इन सब की लिस्टिंग मैंने कर दिया है आप सभी लोग पीडीएफ के माध्यम से इसको यहाँ पर देख लीजिएगा ठीक है अब आइए आगे बढ़े आगे अब देखिएगा झील भी आपके अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही इसको सम्मिलित कर लिया जाता है तो कौन कौन से झील है देखिएगा बिहार के मैदानी भागों में अनेक प्रकार के झील पाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से कौन तो गोखूर झील हो जाते हैं कल ही मैंने आप सभी को बताया था गोखूर झील भी समझाया था कि क्या है जब नदियां विसर्पित होकर चलती है मैदानी क्षेत्रों में तो धीरे धीरे कटाव के कारण वो एक नया मार्ग बना लेती है और विसर्पण वाली जो आकृति है जो एक गाय के खूर के जैसा दिखाई देती है वो एक झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं गोखूर झील बोलते हैं जो बिहार के मैदानी भागों में प्राकृतिक झील के रूप में अवस्थित है ठीक है अब देखिएगा ये जो झीलनुमा जलमग्न क्षेत्र है इसी को उत्तर बिहार में जो क्षेत्रीय भाषा होती है उस क्षेत्रीय भाषा में इसको ताल चौर मन कह लेते हैं है ना है ना तो ये बातें ध्यान रखिएगा ताल चौर मन अगर कोई भी शब्द आता है इसका मतलब क्या हुआ कि ये झील है कैसे गोखुर झील है अब देखिएगा यहां पर प्रमुख झिले जो हैं सबसे प्रमुख जो है वो है कावर झील या इसी को कावर ताल झील के नाम से जानते हैं और ध्यान रखिएगा जो उन्नीस में रामसर समझौता हुआ था इस रामसर समझौते के अंतर्गत बिहार का एकमात्र रामसर स्थल अगर कोई है तो वो है कांवर झील ये बातें ध्यान में रखिएगा ठीक है तो बिहार का एकमात्र अब आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं है ना करंट से भी तो आप लोग जुड़े हुए होंगे वर्तमान समय में बिहार में कितने रामसर साइट हो चुके हैं सभी लोग कमेंट करके बताइएगा वर्तमान समय में मैं कमेंट पर ध्यान दिया है मैंने है ना तो वर्तमान समय में भारत में कितने रामसर साइट हो चुके हैं फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएं सेशन को शेयर भी करना है कल जितने लोग उपस्थित नहीं है फिर मजा नहीं आएगा ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें है ना और कल वाले सारे लोग उपस्थित भी नहीं है अभी आदित्य जी हैं नीतू जी गुड्डू शर्मा जी हैं हरिशंकर जी निमी जी, जी है ना पंकज जी हैं जी हैं बाकी सभी लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे किसी का कमेंट नहीं आया वर्तमान में कितने रामसर साइट हो चुके हैं भारत में ये मैंने प्रश्न पूछा था किसी का उत्तर नहीं आया ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना ध्यान रखिएगा ये जो कांवरताल झील है इसको वर्ष 2020 में रामसर साइट के रूप में है ना रामसर साइट के रूप में इसको सम्मिलित किया गया था और वर्तमान में भारत में कितने हैं पचहत्तर हो चुके हैं है ना तो ये बातें ध्यान में रखिएगा वर्तमान में चालीस नहीं चालीस का समय काल बहुत पुराना हो चुका है वर्तमान में 2022 में लेटेस्ट अभी जो हुआ था जम्मू कश्मीर का हुआ था और वो पचहत्तरवा नंबर का था तो वर्तमान में हमारे पास पचहत्तर रामसर साइट है ये बातें ध्यान में रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़े देखिएगा ठीक तो झील जो है ये बिहार की प्रमुख झील है और बिहार का एकमात्र रामसर साइट है ये बातें ध्यान में रखिएगा ये है कहां पर तो बेगूसराय जिले के अंतर्गत एक गांव है मझौल गांव इस गांव के अंतर्गत आता है जिसका क्षेत्रफल लगभग साढ़े सड़सठ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है एक इससे एक और प्रश्न बनता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा गोखूर झील है गोखूर झील ऑक्सबॉल लेक जो है पूरे एशिया की बात कर ले तो एशिया की सबसे बड़ी गोखूर झील जो है वो बिहार में अवस्थित है और बिहार के बेगूसराय जिले में जिसे कांवरताल झील के नाम से जानते हैं तो ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है और इसका निर्माण कैसे हुआ है तो बूढ़ी गंडक देखिएगा यहां पर बूढ़ी छूट गया है बूढ़ी गंडक के विसर्पण से इसका निर्माण हुआ है इस झील में जाड़े के दिनों में जाड़ा कब से तो नवंबर से जनवरी के महीने में साइबेरिया क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं है ना विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पर जाड़े के मौसम में निवास करते हैं और जैसे ही जाड़े का मौसम समाप्त होता है पुनः ये अपने क्षेत्र में लौट जाया करते हैं यहाँ पर पक्षियों की इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं कि उन पर शोध करने हेतु उन पर रिसर्च करने हेतु हमने यहाँ पर एक बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना भी कर दी दि, कर दिया है ताकि उस पर शोध किया जा सके उनकी विशेषताओं को जाना जा सके तो ध्यान रखिएगा कावरताल झील में है ना बर्ड स्टेशन की स्थापना भी की गई है तो जाडे के दिनों में बात करें तो लगभग प्रकार के प्रवासी पक्षी और साथ ही साथ भारत के भी पक्षी यहां पर आएंगे तो ध्यान में रखिएगा भारत और बाहर वाले सबको जोड़ दे तो लगभग एक प्रकार की पक्षियों की प्रजाति यहां पर निवास करती है इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है देखिएगा अगर इस झील की बात कर ले तो इस झील में वर्तमान समय में इतना पोल्यूशन चल रहा है कि इस पोल्यूशन के कारण हर एक चीज पोल्यूटेड हो रहा है वैसे ही काबड़ताल झील की बात कर ले तो वर्तमान समय में जो स्थिति है इसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल में लगातार कमी आ रही है और लगातार कमी आने का कारण क्या हुआ सबसे तो पहले महान लोग हैं जो भी चीजें इस्तेमाल करते वहीं पर फेंक देंगे कूड़ेदान में सबसे पहले आदत बनाइए हर एक चीज को कूड़ेदान में डालने के लिए लेकिन हमारी आदतें क्या है हमने यहाँ पर कुरकुरे खाया उसकी झिल्ली जो है पन्नी जो है हमने निकाल के वहीं पर छोड़ दिया कि हमारा काम तो हो गया जिसका आवश्यकता थी उसको तो हमने कंप्लीट कर लिया खा लिया लेकिन बाकी चीज जो बचा उससे हमें क्या हमें क्या ये शब्द बहुत गलत है हमें ही तो ध्यान रखना है हम ही तो पर्यावरण को बचा सकते हैं हर कोई अपने स्तर पर अगर कार्य करना स्टार्ट कर दे तो फिर पर्यावरण कभी गंदी होगी ही नहीं तो सबसे पहले यहां पर क्या है भारी मात्रा में औसाधीकरण हो रहा है अवसाद जो है इन झीलों में गिराए जा रहे हैं और साथ ही साथ यूट्रिफिकेशन आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में यह क्या होता है तो जो अलगी का पौधे होते हैं इनके पौधे में वृद्धि होती है और वृद्धि होगी तो क्या होगा इनसे धीरे धीरे क्षेत्रफल में कमी आएगी जल स्तर में कमी आएगी और इस कारण से धीरे धीरे इसका क्षेत्रफल भी क्या हो रहा है घट रहा है जो एक समस्या का विषय बना हुआ है इस पर विशेष रूप से हमें ध्यान देना पड़ेगा ठीक है इसके साथ साथ देखिएगा दूसरा झील है यहां पर कुशेश्वर स्थान झील ये भी हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां पर भी साइबेरियन पक्षी और प्रवासी पक्षी यहां पर भी जाड़े में निवास करने के लिए आती है तो ये कहां है दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में स्थित है और इसका क्षेत्रफल बीस से सौ वर्ग किलोमीटर तक है अब ऐसे कैसे हो सकता है देखिएगा जब गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ की जल जो होती है सूख जाती है और सूख जाता है वहीं बरसात का मौसम आता है तो नदियों के द्वारा इसमें जल लाकर भर दिया जाता है जिस कारण से इसकी आकृति जो है क्षेत्रफल जो है बढ़ जाती है और बढ़कर लगभग सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के आसपास चला आता है यहां पर देखा जाए तो कमला और करेह नदियां जो है, इनके द्वारा जल भराव किया जाता है और इस कारण से इसका क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ जाता है साथ ही साथ बात करें कुशेश्वर स्थान झील जो है यह मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र रहा है और बड़े स्तर पर यहां पर मछली का उत्पादन भी किया जाता है साथ ही साथ जाड़े के मौसम में साइबेरियन और साथ ही साथ पेलिकन डालमटिया नामक पक्षियों का निवास भी यहां पर देखने को मिलता है परिणामतः तो यहां पर भी विभिन्न प्रकार की पक्षियों का प्रवास है इसलिए उन्नीस इस ईस्वी में हमने इसे एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर दिया तो कुशेश्वर स्थान झील जो है एक पक्षी अभ्यारण्य भी है अब देखिएगा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हैं जैसे कांवर झील हमने देख लिया कुशेश्वर स्थान घोगाचाप झील जो है ये कटिहार में है और सिमरी बख्तियारपुर झील जो है ये सहरसा में है ये भी सारी चीजें ध्यान रखिएगा साथ ही साथ कौन कौन से झील कहाँ पर स्थित है और कौन से जिले में है इसकी भी लिस्टिंग है पीडीएफ से एक बार आप सभी लोग इसको रिविजन कर लीजिएगा अब बात कर ले आद्र भूमि की तो ध्यान रखिएगा आद्र भूमि ये क्या है तो ऐसे समझ सकते हैं सामान्य भाषा में कि जो सूखे क्षेत्र है और जो जलीय क्षेत्र है इन दोनों के संक्रमण वाला जो क्षेत्र होता है उसको मुख्य रूप से हम आद्र भूमि कह लेते हैं है ना ये ना ये ही जल भरा होगा ना ही है ना सागर महासागर नहीं होगा पोखर है ना सागर महासागर नहीं होंगे और ना ही सूखे प्रदेश होंगे तो दोनों के संक्रमण वाला जो क्षेत्र हो जाता है उसको मुख्य रूप से हम आर्द्र भूमि कह लेते हैं और इनके संरक्षण हेतु तो, वर्ष उन्नीस में ईरान के रामसर में एक संधि की गई कि किस तरीके से हमें इसका संरक्षण करना है और उस संधि के आधार पर हमने विभिन्न क्षेत्रों को रामसर साइट के रूप में सूचित कर रखा है और उसको सुरक्षा प्रदान कर रखा है तो इसको ध्यान में रखते हुए बिहार का एकमात्र झील जो है वो कांवर झील या कावर ताल झील है जिसे वर्ष 2020 हजार ईस्वी में हमने क्या कर दिया इसको रामसर साइट में जोड़ दिया हम प्रयास में है कि कुशेश्वर स्थान और बाली बारिला झील जो है इनको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाए लेकिन अभी लिस्टिंग देखे वर्तमान में भारत में पचहत्तर रामसर साइट हो चुके हैं है ना पचहत्तरवा जो है ये जम्मू कश्मीर का है एक बार आप लोग लिस्टिंग देख लीजिएगा बाकी करेंट अफेयर में तो सारी चीजें मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा तो रामसर साइट में एकमात्र कौन सा साइट बिहार का तो कावरताल झील जो है इसको 2020 में रामसर साइट में हमने सम्मिलित किया है ये बातें ध्यान में रखिएगा ठीक है तो क्या यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहां तक क्लियर है जो भी चीजें दे रहा हूं लेटेस्ट डेटा के साथ दे रहा हूं अभी कृषि में देखेंगे है ना उत्पादन देखेंगे उत्पादकता देखेंगे और ये भी लेटेस्ट होगा जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पर दिया गया है उस आर्थिक सर्वेक्षण लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर आपकी डेटा वहां पर दी जाएगी इसलिए जो भी टॉपिक आप यहाँ पर कर रहे हैं उसके लिए अलग से करेंट अफेयर देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि आपसे पहले मैं खुद यहाँ पर मेहनत कर जाता हूं ताकि आप सभी को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो आप लोग चाहें तो यहाँ पर क्या करेंगे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैंने अपडेट किया है क्यों क्योंकि ये जो नोट्स में यहाँ पर करवा रहा हूँ ये वर्ष 2020 का है और अभी हम 22 में पढ़ रहे हैं तो नोट्स में अपडेटेशन होनी चाहिए जो आपको पीडीएफ जाएगी वो दो वाली जाएगी क्योंकि पीडीएफ है में, में मैं एडिटिंग नहीं कर सकता इसलिए आप लोग यहां पर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीडीएफ से जो आप लोग नोट्स बनाएंगे वहां पर ये सारी डेटा लिखते हुए चलिएगा ताकि आपका अपडेटेशन भी हो जाए ठीक है ना अच्छा मोहित जी कहना है आर्द्र भूमि क्या होता है देखिए सामान्य भाषा में तो मैंने समझा दिया बाकी पर्यावरण एवं परिस्थिति करेंगे वहां पर बेहतर डिटेल में उसको अच्छे से समझा दूंगा कि आद्र भूमि किसे कहेंगे उसके लिए क्या क्या अनिवार्यता हो जाती है कैसे क्षेत्र को हम आद्र भूमि क्षेत्र कहेंगे क्या किसी भी क्षेत्र को हम आर्द्र भूमि कह लेंगे नहीं बिल्कुल भी नहीं ठीक है संख्या आज कम है आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ना शेयर नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा अभी तक आप सबको पता ही कि नौ बजे वाली कक्षा जो होती है भूखे पेट लेता हूं है ना एक सेब कार्ड के भी मिला था कि कम से कम ये खा के क्लास कर लीजिएगा लेकिन खाने का समय नहीं मिला अभी तक रखा हुआ है तो भूखे पेट जब मैं कक्षा ले रहा हूँ ना? ना पिए तो आप लोग थोड़ा सा तो शेयर कर ही सकते हैं ना लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। कर जैसे, कल जैसी यहाँ पर संख्या ही नहीं है ये समझ में आ गया अब आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या था इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बिहार की जलवायु आइए बिहार की जलवायु को समझते हैं और आपके मन मस्तिष्क में बिहार की जलवायु छप जाएगी है ना कितना आसान है पढ़ना आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं ठीक है थीके? अब देखिएगा जलवायु को समझने से पहले एक बार पृथ्वी पर हम देख किस आधार पर बनाया जाएगा और आप सबको पता ही है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश रेखा जो है इसको हम क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं विश्वत रेखा बोलते हैं यहां से साढ़े तेईस डिग्री उत्तर है ना और साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण में दो रेखाएं हैं ये हमने क्यों बना दिया क्योंकि पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर साढ़े तेईस डिग्री झुकी हुई है इसलिए सूर्य की जो स्थिति होती है ये इसी साढ़े तेईस डिग्री उत्तर से लेकर साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण तक होती है यानी कि हमेशा ये लंबवत यहीं यही तक चमकेगा ऐसा नहीं है कि घूमते घूमते एक ही बार उत्तरी ध्रुव पर चला जाए और फिर दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा नहीं है क्यों ऐसा नहीं है क्योंकि साढ़े तेईस डिग्री अक्ष पर पृथ्वी अपने झुकी हुई है इस कारण से पृथ्वी कभी उत्तरायण होगी तो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा होगा कभी दक्षिणायन होगी तो मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा होगा और इसी के मध्य में हमेशा ये घूमते रहता है इसलिए ये जो क्षेत्र होता है ये सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है और गर्म को हम क्या बोलते उष्ण बोलते हैं तो ये ऐसे कटिबंध है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मी अब मान लीजिए यहां पर साढ़े तेईस पर होगा तो केवल यहीं तक गर्मी थोड़ा ना होगा आधा इधर भी जाएगा आधा इधर भी जाएगा इसलिए इसकी गर्माहट का प्रभाव कहां तक साढ़े तैतीस डिग्री उत्तरी अक्षांश और तैतीस डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जाता है ये सभी क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र है इसलिए ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं उष्ण कटिबंध बोलते हैं उष्ण कटिबंध समझ में आ गया अब देखिएगा आगे बढ़े तो इधर ध्रुवीय क्षेत्र है और ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य है ना साढ़े तेईस डिग्री घटा लीजिए तो बच क्या जाएगा साढ़े छियासठ डिग्री बचेगा ना हमारे पास और ये साढ़े छियासठ डिग्री वैसा क्षेत्र है जहां पर सूर्य की रोशनी छह महीने तक पहुंचती ही नहीं है जब सूर्य दक्षिणायन रहेगा तो यह साढ़े छियासठ डिग्री अक्षांश से लेकर पूरा आगे नब्बे डिग्री तक छह महीने तक रात्रि का समय रहता है और जहां पर सूर्य की रोशनी पहुंचेगी ही नहीं वहां पर सबसे ज्यादा ठंडक होगा और ठंडक होगा तो ये क्षेत्र कैसे हो जाएंगे बर्फीले हो जाएंगे और बर्फ वाले क्षेत्रों में बर्फ ठंडा होता है गर्म होता है बिल्कुल ठंडा होता है इसलिए ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं शीत कटिबंध बोलते हैं तो छह महीने यहां पर छह महीने यहां पर अंधेरा रहेगा इसलिए ये भी ये भी दो शीत कटिबंध हो गए तो जो उत्तरी ध्रुव के पास है, उसको उत्तरी कटिबंध और जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास है इसको दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं तो आपको उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध समझ में आ गया अब बीच वाले टेंशन में है भैया कि हम आखिर कौन से क्षेत्र कहे जाएंगे तो थोड़ा सा इधर का प्रभाव शीत का इस पर पड़ेगा शीत कटिबंध का थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा तो थोड़ा उष्ण कटिबंध का पड़ेगा यहां पर भी थोड़ा उष्ण कटिबंध का प्रभाव पड़ेगा तो थोड़ा शीत कटिबंध का प्रभाव पड़ेगा यानी कि दोनों का प्रभाव होगा अब शीत और उष्ण को जोड़ दे तो एक नया शब्द बन जाएगा शीतोष्ण कटिबंध तो ये जो साढ़े तैतीस से साढ़े छियासठ डिग्री के मध्य में जो कटिबंध पाया जाता है इसको हम क्या बोल लेते हैं शीतोष्ण कटिबंध बोल लेते हैं नजाद ज़्यादा ठंडा ना गर्मी। तो क्या ये कटिबंध सबको समझ में आ के क्योंकि अगर इसको ना और फिर के ऐसा संभव होता नहीं है ठीक है ना मैं चाहता हूं कि बेसिक से बताऊं जिनको पता है उनको भी समझ में आए और जिनको ना पता है उनको भी समझ में आ जाए नहीं बफरिंग नहीं हो रही है, है ना? साक्षी जी बफरिंग नहीं हो रही है आप एक बार अपना इंटरनेट चेक कर लीजिएगा क्लियर है तो ये समझ में आ गया सबसे पहले उष्ण कटिबंध कटिबंध और बीच में शीतोष्ण कटिबंध अब देखिएगा इस आधार पर पृथ्वी हम भारत की बात कर लें तो भारत हमारा अवस्थित कहां है आप सबको पता ही है कि भारत विश्वत रेखा के ऊपर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हम देखें तो साढ़े तेईस डिग्री यानी कि कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है है ना कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है भारत की अवस्थिति ये रही इसलिए आप देखेंगे कि भारत में आपको शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है अब यहां पर बात कर ले हम बिहार की तो यहां पर कर्क कर रेखा कहां से गुजरती है बिहार के बिल्कुल दक्षिण से कर्क कर रेखा गुजरती है है ना ये क्या हो गई कर्क रेखा हो गई झारखंड से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है थोड़ा सा ये नीचे हो गया क्योंकि है ना नीचे नहीं करना कर्क रेखा जो है ये यहां से होकर गुजरती है एकदम बिहार के दक्षिण से कर्क रेखा के बहुत ही करीब है अपना बिहार इसलिए सूर्य का जो तापमान है यहां पर भी बड़े स्तर पर पाया जाएगा ठीक है तो सबसे पहली बात ये कौन सा हो गया उष्ण कटिबंध बिहार की अवस्थिति कहाँ है तो उ, में है है ना अब को भी कई भागों में हमने विभाजित किया है 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 ना तो इसका आधा भाग जो है, जो पर सूर्य की रोशनी कम पड़ती है तो उसको हम उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं और बिहार की अवस्थिति देखें तो यह कहा मिलता है देखने को मिलता है, है, है? यानी कि यहां पर गर्मी होगी लेकिन थोड़ी सी कम होगी ये बातें समझ में आ गई अब देखिएगा अब चूंकि जलवायु की बात कर ले तो जलवायु पर बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है सबसे पहले तो अक्षांशीय स्थिति हमने अक्षांशीय स्थिति समझ ली कि अक्षांश में जैसे जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएंगे गर्मी कम होती चली जाएगी और जैसे जैसे हम यहां पर विश्वतीय क्षेत्र में आएंगे तो गर्मी ज्यादा हो जाएगी तो कहीं पर भी जलवायु की हम बात करें तो सबसे पहली बात अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव पड़ता है दूसरी प्रभाव यहां पर देखने को मिलती है समुद्र से दूरी और समुद्र से दूरी की बात कर ले तो आप सबको पता ही है यहां पर क्या है बंगाल की खाड़ी है ना बंगाल की खाड़ी और हमने कल देखा था कि जो अः समुद्री क्षेत्र है वहां से बिहार की दूरी कितनी है 200 किलोमीटर के आसपास यानी कि बंगाल की खाड़ी जो है इसका भी प्रभाव जो है बिहार की जलवायु पर पड़ेगा तो इसका जो आधा भाग है आधा भाग में समुद्रिक जलवायु की, की प्रभाव देखने को मिलती है और इधर देखें तो आधा भाग जो है आधा भाग में महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है है ना इसलिए हम बिहार की जलवायु को ना हम समुद्री जलवायु कहते हैं ना ही महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं दोनों को हम मिला देते हैं और मिलाने के बाद एक शब्द हमने निकाल दिया, इसको हमने क्या कहा? संसोधित कि महाद्वीप की जलवायु तो साथ का भी प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है इसलिए हमने बिहार की जलवायु को क्या कहा संशोधित महाद्वीपीय जलवायु बिहार में पाई जाती है यह बातें ध्यान में रखेगा तो यहां की जलवायु कैसे आद्र उपोष्ण उपोष्ण क्षेत्र हमने क्यों देखा क्योंकि पर समुद्र के पास से तो आर्द्रता भी पाई जाती है इसलिए बिहार की जलवायु कैसी है उपोष्ण जलवायु जलवायु है बिहार की और इसी को संशोधित महाद्वीपीय कहते हैं तो आशा करता हूं सबको अच्छे समझ में आ गया होगा कि बिहार की जलवायु कैसी है इसमें किसी को डाउट है तो एक बार बताइएगा बाकी ये अन्य कारण भी है देख लीजिएगा हिमालय की स्थिति मॉनसून है ना पूर्व का सामुद्रिक प्रभाव वाला आद्र क्षेत्र व पश्चिम के महाद्वीपीय प्रभाव वाले शुष्क क्षेत्र वर्षा की मात्रा इन सब के आधार पर कहीं की जलवायु निर्धारित की जाती है लेकिन चूंकि मेंस के लिए हम नहीं कर रहे हैं प्रिलिम्स के लिए कर रहे हैं तो प्रिलिम्स के लिए जितनी आवश्यक थी उतनी चीजें मैंने यहां पर बता दी क्या सबको अच्छे से समझ में आ गया ठीक है किसी को डाउट हो जब मैं पूछू कि हाँ डाउट है तो अब बता दीजिए कमेंट कर दीजिएगा तब मैं पढ़ लूंगा उस डाउट को क्लियर कर दूंगा अन्यथा किसी समय पढ़ाने के समय काल पर फिर अगर बात करें यहाँ पर तो फिर उस समय में ध्यान नहीं दे पाऊंगा कमेंट पर ठीक है ना समझ में आ गई चलिए अब शेयरिंग हो रहा है है ना कल वाली संख्या यहाँ पर आने लग गई है ना और संख्या इससे बढ़ाना है यहीं तक सीमित नहीं रखना है संख्या को बढ़ाना है तब तो जाके यहाँ पर मजा आएगा ठीक है चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है सबको अच्छे से समझ में आ गया अब आइए यहाँ पर आगे बात करते हैं जलवायु तो हमने समझ लिया कैसी जलवायु है तो आद्र उपोष्ण जलवायु है बिहार की जिसे संशोधित महाद्वीपीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है अब देखिएगा ये सारा प्रभाव किस पर रहता है ये सारे मेंस का जो भी यहाँ पर दे रहा हूं ना आपको नोट्स में ये सारे के सारे नोट्स जो है मेंस का है मेंस के बच्चों को पेड बैच में ये सारी चीजें देता हूं जो आप लोगों को फ्री में मैं उपलब्ध करवा रहा हूं तो आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं ये, ये सारी चीजें देखिएगा एक यहां पर लाइन बनती है आई टी सी जेड आई टी का मतलब क्या हुआ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये किसके ऊपर आधारित है ये है सूर्य तप के ऊपर सूर्य की कहां कहा चमक हो रहा है तो आप सबको पता ही है कि साढ़े तेईस डिग्री पृथ्वी का झुकाव है अक्ष पर और इस कारण से सूर्य कभी उत्तरायण होता है कभी दक्षिणायन होगा है ना तो देखिएगा यहां पर गर्मी के मौसम में जुलाई के महीने में क्या होगा देखिएगा गर्मी कहां होगी तो जहां पर सूर्य लंबोच चमक रहा होगा उसके आसपास के क्षेत्र में गर्मी होगी और उसके अपोजिट वाले गोलार्ध में क्या होगी ठंडी होगी ठीक है तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि ये आई जो है ना ये ऊपर बढ़ के देखेंगे कि भारत के बी, बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रहा है यानी कि सूर्य लंबोत कहां चमक रहा है कर्क रेखा पर चमक रहा है और जहां पर लंबौत चमकेगा वहां पर सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ेगी है ना वहां का तापमान ज्यादा होगा तापमान ज्यादा होगा तो वहां की हवाएं जो तो है वो गर्म होगी और गर्म हवाएं नीचे नहीं बैठती वो ऊपर चली जाती है है ना तभी तो आप लोग देखते हैं कई सारे गुब्बारे बेचने वाले आते हैं है ना उसमें एक हवा भरते हैं और हवा भरने से छोड़ते वो ऊपर चला जाता है क्यों क्योंकि जो नॉर्मल यहाँ पर हवा है उससे वो हल्की हवा होती है परिणाम तो चली जाती है सेम सिचुएशन यहां पर भी है कि जहां पर सूर्य की रोशनी ज्यादा प्राप्त होगी तापमान ज्यादा होगा तापमान ज्यादा होगा तो वहां की हवाएं जो है वो गर्म हो जाएगी गर्म हवाएं होकर ऊपर की तरफ उठेगी ऊपर उठेगी तो वहां पर एक गर्त बनेगा है ना वहां वायु कम होगी वहां पर एक गर्त बनेगा अर्थात निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा क्योंकि महासागरीय क्षेत्र है यह भी उसकी अपेक्षा क्या है ठंडी है और ठंडी है तो यहां पर क्या है उच्च वायु दाब होगा और प्रकृति हमेशा एक दूसरे को समान बनाकर रखने का प्रयास करती है तो यहां पर क्या हो गया लो प्रेशर यहां पर क्या हो गया हाई प्रेशर अब हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर को चलेगी भरने के लिए तो जब इधर से चलेगी चुकी है, क्या है महासागरीय वाला क्षेत्र है और महासागरीय वाला क्षेत्र जो है तो जब यहां से हवाएं चलेगी अपने साथ भर भर के जल ये लेकर जाती है और जल यही आगे चलकर झमाझम बारिश कर देती है तो ये आई सीजेड जो है इसी के ऊपर सारी चीजें यहां पर निर्भर होती है अभी ये मेन्स की कक्षा नहीं है इसलिए इसको डिटेल में मैं नहीं बता रहा जब मेंस की कक्षा करेंगे तो सारी चीजें बेहतर तरीके से समझा दूंगा ये देखेगा यह मॉनसून भी है यहाँ पर और इसी कारण से है ना मॉनसून जो है एक जून को भारत में प्रवेश कर जाता है केरल वाले क्षेत्र में और केरल के साथ साथ ये मेघालय है ना मेघालय मिजोरम इन सभी क्षेत्रों में मॉनसून की बात करिए धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे दस जून को यह बिहार में प्रवेश कर जाता है कहां पर प्रवेश करेगा तो जो हमारा पूर्वी जिले हैं पूर्वी जिलों में बिहार में दस तारीख को है ना दस जून को मानसून प्रवेश करता है और प्रवेश के साथ ही झमाझम बारिश हो जाती है लेकिन इस बार देखिएगा मानसून ने धोखा दे दिया है ना अभी तक जब तक मैं घर पर नहीं था दिल्ली में था तब तक तो जबरदस्त तरीके से बारिश यहां पर हो रही है इस साल घर पर आया सीधे सूखा हो गया आज तक बारिश ही देखने को नहीं मिली बादल आता है लेकिन हवा इसे उड़ाकर लेकर चली जाती है यहां पर बारिश होता नहीं है धान की खेत अब पानी मांग रही है जबकि पानी यहां पर हो नहीं रही है तो 10 जून को आता है और धीरे धीरे लगभग 15 जून तक ये पूरे बिहार वाले क्षेत्र में फैल जाता है और बड़े स्तर पर बारिश होती है लेकिन ये बारिश ना होने का कुछ कारण भी है जलवायु परिवर्तन तो उसको हम आपदा प्रबंधन में करने वाले हैं ठीक है थीके? इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई चलिए मोहित ये कहना है कि बिहार में मानसून का प्रभाव किस क्षेत्र के मानसून से पड़ता है देखिएगा यहां पर क्या है बे ऑफ बंगाल खुद से खुद से ये सारी चीजें समझना चाहिए यहां पर बंगाल की खाड़ी और बिहार पर जो प्रभाव पड़ता है बंगाल की खाड़ी वाले का पड़ता है जिधर से हवाएं चलती है उस हवाओं का नाम वही हो जाता है तो ये क्या हो गया ये दक्षिण वाला क्षेत्र हो गया है ना और ये क्या हो गया पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया तो दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रभाव बिहार पर पड़ता है ठीक है ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें हैं खुद से समझना भी चाहिए ठीक है क्लियर है मोहित जी हाँ माफ कीजिएगा हाँ ये पूरब है माफ कीजिएगा ये क्या है पूरब है है ना पूर्व से चल रहा है ये पश्चिम है दक्षिण है या पूर्व है तो दक्षिण पूर्व से चल रही है ना दक्षिण पूर्व तो दक्षिण पूर्व मानसून का प्रभाव पड़ता है ठीक है क्लियर चलिए अब आगे बढ़े अब देखिएगा जो ऋतु हो जाती हैं है ना एक चीज वो सारी चीजें जो मैंने बताया वही सारी चीजें यहां पर मैंने लिखा हुआ है आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा जैसे बिहार जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है इसलिए उपोष्ण कटिबंध में स्थित है यह मैंने समझाया था बिहार का पूर्वी भाग जो है यहाँ पर अधिक वर्षा होती है इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी हो जाती है आर्द्र जलवायु हो जाती है उत्तर पश्चिमी भाग जो है ये उत्तर पश्चिमी भाग ये अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु क्योंकि महाद्वीपीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है तो ऐसी विभिन्न प्रकार की है ना विभिन्नताएं हैं बिहार की जलवायु में भी बिहार के उत्तर में हिमालय अवस्थित है है ना इसलिए बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती हैं ये वाष्प युक्त ये वाष्प उठा कर लेकर आती है ये, ये, ये हिमालय से टकराकर और फिर झमाझम बिहार में बारिश कर देती है है ना तो ये बात रखिएगा वर्षा की मात्रा देखें चूंकि यहां से बंगाल की खाड़ी से जो भी हवाएं चलेगी वो पूरा भरपूर पानी वाली होगी तो ये वर्षा बड़े स्तर पर करेगी ये सबसे पहले जहां पर चलेगी जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिएगा एक बाल्टी आपने लिया हो और बाल्टी में छेद हो आपने बाल्टी को भरा और बाल्टी को भर के एक गंतव्य की ओर चलने का प्रयास कर दिए तो जहां तक बाल्टी में पानी रहेगा जहां ज्यादा पानी रहेगा वहां पर ज्यादा प्रेशर से पानी वहां पर गिरेगा फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पानी गिरते जाएगा वहां पर पानी की मात्रा कम होती जाएगी सेम यहां पर बरसात में भी जोड़ लीजिएगा पूर्व की ओर जब ये हवाएं चलेगी हिमालय से टकराकर कर झमाझम जम बारिश करेगी तो पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होगी लेकिन जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर बढ़ती जाएगी क्योंकि हवाएं तो वही है बाल्टी में एक बाल्टी हमने पानी लिया था दोबारा बाल्टी भरने के लिए यहां पर कहीं भी जल का स्रोत है नहीं तो जैसे जैसे ये पश्चिम की तरफ बढ़ती जाएगी वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी ये बातें भी ध्यान में रखिएगा तो वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर जाती है तो ये घटते चला जाता है अब सिवान छपरा वाला है ना जैसे कि मैं जोड़ लीजिएगा हमारे यहां इसीलिए नहीं आ रहा है पहले ही जो बारिश है ये पहले ही बरस जा रहा है हमारे यहां आ ही नहीं पा रहा है ये बातें ध्यान रखिएगा मई जून और अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात जो है इसका बिहार के जलवायु पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ आप देखते हैं कि बिहार में कुछ ठंडे महीनों में भी बरसात होती है तो ये क्यों होती है तो देखिएगा जाड़े के दिनों में जो पछुआ विक्षोभ है इस पछुआ विक्षोभ के कारण शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा का प्रभाव बिहार पर पड़ता है और देखते हैं ठंडी में भी कभी कभी बिहार में बरसात देखने को मिल जाती है तो

अभी हम कहां पर है अगस्त में है अर्थात अभी बरसात का मौसम हो रहा है लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई भी बरसात नहीं है बरसात का नामो निशान नहीं है गर्मी वैसे ही है धूप वैसे ही है ये सब प्रभाव किसका है जलवायु परिवर्तन का इसीलिए बिहार सरकार बोल रही है भैया ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए पेड़ जितना भी हमारा क्षेत्र है उसका कम से कम तैंतीस प्रतिशत क्षेत्रों पर पेड़ होने चाहिए लेकिन बिहार में आठ परसेंट भी नहीं है जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है इसके आठ परसेंट क्षेत्र पर भी पेड़ नहीं है क्यों नहीं है जब वन एवं वन जीव करेंगे तो वहां पर अच्छे से समझाऊंगा कितना परसेंट है वहां पर भी लेटेस्ट डेटा दूंगा अफेयर नहीं पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक से संबंधित क्योंकि सारे काम मैं खुद पहले ही कर चुका हूं आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर तीसरा ऋतु यहाँ पर शीत ऋतु है जो मध्य अक्टूबर नवंबर से प्रारंभ होकर मध्य मार्च तक चलता है तो यहाँ की जलवायु विशेषता के आधार पर बिहार की जो ऋतु है इसको हम तीन

देखेगा हम बात करें पृथ्वी की देखिए दो तीन दिन से पूछा नहीं इसको धूल आ गई है तो ये पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर साढ़े तेईस डिग्री झुकी हुई है कि आप ठीक चल रहा है एक बार सभी लोग बताएंगे अब ठीक है ये कुछ भी हो जाए है ना बिहार का इंटरनेट नहीं सुधर सकता है है ना बिहार का इंटरनेट नहीं सुधर सकता है अभी मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ है क्या सबको बेहतर तरीके से सुनाई दे रही है वाईफाई का जो वायर है वायर ही कट गया रेड सिग्नल यहाँ पर आने लग गया है तो फिर मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ है क्या सबको प्रॉपर दिखाई दे रही है कोई बफरिंग की समस्या तो नहीं है

और पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर साढ़े तेईस डिग्री झुकी हुई है है ना अपने अक्ष पर साढ़े तेईस डिग्री झुकी हुई है और यहां पर हम मान ले यहां पर ये सूर्य है ठीक है सूर्य के ये चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो आप देखेंगे जब सूर्य के इस साइड पृथ्वी है तो ऐसी स्थिति में इसका झुकाव साढ़े तेईस डिग्री है अर्थात सूर्य जो है लंबवत कहां चमक रहा है कर्क रेखा पर साढ़े तेईस डिग्री पर चमक रहा है और वही पृथ्वी की स्थिति जब यहां पर आएगी तब अब देखेंगे कि सूर्य लंबवत कहाँ चमक रहा है तो मकर रेखा पर चमक रहा है साढ़े डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश से यहां पर लंबवत चमक रहा है तो अभी गर्मी का मौसम अगर देखें तो यहां पर सूर्य है तो यहां पर पृथ्वी की अवस्थिति ये रही और सूर्य जो है ये लंबोत कहां से मक रहा है कर्क रेखा पर और कर्क रेखा की बात कर ले ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है अर्थात सबसे ज्यादा यानी कि ITCZ जो है ये कहां से गुजर रही है भारत के लगभग बीचों बीच से गुजर रही है और लगभग जब बीचों बीच से गुजरेगी तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिलेगा तो वही चीजें मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु का कारण क्या है कारण है सूर्य का उत्तरायण होना जब सूर्य यहां पर सूर्य का उत्तरायण होता है तब तापमान में वृद्धि होगी और तापमान में वृद्धि होगी तो यहां पर गर्मी ज्यादा होगा गर्मी का महीना आ चुका है और मई महीना जो है ये बिहार में सबसे गर्म हो जाता है लगभग 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर तापमान देखने को मिल जाता है ठीक है ये बातें समझ में आ गई अब देखिएगा यहां पर तापमान जब ज्यादा होगा तो फिर वही फॉर्मूला लागू कर लेना है जहां पर तापमान ज्यादा वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा क्यों निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा क्योंकि तो तापमान ज्यादा हो गया तो यहाँ की हवाएं गर्म होगी हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ चली जाएगी तो नीचे एक गर्त का निर्माण हो जाएगा निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहां पर बन जाएगा और जब यहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा बिहार वाले क्षेत्र में तो अब ये क्या करेगा जहां पर उच्च वायुदाब है यहां से ये हवाएं खींचेगा वहां की हवाएं यहां आकर भरने का प्रयास करेगी परिणामतः क्या होगा यहाँ पर धूल भरी आंधिया आएगी कारण क्या रहा धूल भरी क्यों क्योंकि गर्मी ज्यादा है और गर्मी ज्यादा है तो जो मिट्टी है उसमें पानी की मात्रा कम तो ये धूल के रूप में रहेगी और जब वहां से हवाएं आएगी तो उस धूल को उठाकर लेकर चली आएगी ये हवाएं आती कहां से है तो पश्चिम से पूर्व की ओर आएगी है ना पश्चिम से पूर्व की ओर आती है ये धूल भरी आंधिया इसका कारण क्या है ये हमने यहां पर समझ लिया तो तापमान में वृद्धि होगी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा और यहां को भरने के लिए पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं आएंगी जो धूल को उठाकर लेकर आएंगी परिणामतः गर्मी के मौसम में आपको धूल भरी आंधिया भी यहां पर देखने को मिलती है ऐसी स्थिति में चूंकि गर्माहट ज्यादा है तो आद्रता में कमी आएगी है ना आद्रता में कमी आएगी और हवाएं जो है ये शुष्क और गर्म हो जाएगी और यही शुष्क और गर्म हवाएं कहाँ से तो राजस्थान वाले क्षेत्र से पश्चिम से पूर्व की तरफ आती है तो ये जो लू जिसे हम लू कहते हैं गर्मी के मौसम में है ना ये क्या होती है गर्म हवाएं होती है और ये गर्म हवाएं आती कहां से है तो राजस्थान वाले क्षेत्र से और राजस्थान में क्या है भैया पूरा बालू ही बालू है इसलिए वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है क्योंकि बालू की स्थिति क्या है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंड है इसलिए जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र होते हैं वो बहुत दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंड हो जाते हैं क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ही वो ठंडा हो जाएगा और बालू की भी यही विशेषताएं होती है इसलिए राजस्थान से ये जो हवाएं आती है बिहार की ओर बहुत गर्म हवाएं होती है है ना लू के नाम से इसे जाना जाता है तो ये पंजाब और राजस्थान के मैदान से गर्म होकर बिहार में गर्म हवाएं आती है इसी को बिहार में लू के नाम से जाना जाता है इन दिनों पश्चिम से गंगा के मैदान की ओर जो हवाएं चलती है ये पछुआ कहलाती हैं। क्यों पश्चिम से पूर्व आ रही है और हवाओं का नाम कैसे रखा जाता है जिस दिशा से हवाएं चल रही है वही उसकी दिशा होती है और इस समय देखिए गर्मी के मौसम में तो 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 ये पछुआ पछुआ हवाएं चलती है। और इन हवाओं की बात करें तो फसलों को अगर रिलेट इससे कर तो गेहूं भी हमारा इसी टाइम पकने वाला होता है और ये जो पछुआ हवाएं होती है इस गेहूं पर विशेष असर डालती है उसको पकने में और भी तेजी जैसे उसकी दवरी करनी है और दवरी करने के लिए क्या होता है उसका जो पौधा है एकदम टाइट रहेगा तो आसानी से उसमें से गेहूं निकल जाएंगे तो इसमें पचुआ हवाएं जो हैं इसका विशेष रोल रहता है जैसे कभी-कभी आप सुनते होंगे कि आज देवरी नहीं होगी क्यों पूर्वा हवा चल रहा है और पूर्वा हवाएं चलती है तो उसकी जो फसल है फसल को एकदम ढीला है ना मुलायम कर देती है और जो ब्लेड से हम लोग काटते हैं देवरी में वो कट ही नहीं पाता क्यों पूर्वा कहां से आ रहा है तो पूर्व साइड से आ रहा है बंगाल की खाड़ी से वो करा रहा है तो वो कैसी हवा लेकर आएगा ठंडी हवा लेकर आएगा और पशुओं की बात कर ले तो ये कहां से राजस्थान वाले क्षेत्र से आएगी तो वो गर्म हवा लेकर आएगी तो जो हमारा गेहूं का फसल हो जाता है गेहूं के फसल पर इसका विशेष योगदान रहता है उसको पकाने में उसको हार्ड करने में ये बातें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा मई जून के महीने में बंगाल की खाड़ी में अब चक्रवाती तूफान उठने लग जाते हैं कारण क्या रहा क्योंकि आई टी सी जेड इसी के आसपास है गर्माहट यहाँ पर ज्यादा है है ना तो यहाँ पर क्या होगी चक्रवाती तूफान देखने को मिलेगी कारण क्या रहा क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब वायुदाब का का क्षेत्र क्षेत्र बनेगा बनेगा और निम्न का बनेगा। अगल बगल के जो उच्च वायुदाब के क्षेत्र है वो सारी हवाएं निम्न वायुदाब को भरने के लिए चलेगी और जब चारों साइड से हवाएं चलती है तो टकराकर एक चक्रवात के रूप में निर्मित हो जाती है और सेम सिचुएशन आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिल जाता है और ये जो चक्रवात उठेगी ऊपर की ओर अपने साथ वहां से बड़े असर पर भी उठाकर लेकर चलेगी और यह जब वर्षा होगी तो बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में झमाझम जम बारिश भी यहां पर कर दी जाएगी तो इससे क्या होता है बिहार के पूर्वी भागों में वर्षा गर्मी के महीने में देखने को मिल जाता है क्लियर है इतनी बातें अब देखिएगा ऐसी चक्रवाती तूफान जो होती है इसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है या बिहार में सामान्य भाषा पर क्षेत्रीय स्तर पर इसे काल बैशाखी कहा जाता है है ना वैशाख के महीने में होते है इसलिए इसको काल बैशाखी कहा जाता है ये बातें ध्यान में रखिएगा है ना तो काल बैशाखी ऐसी वर्षा को हम क्या बोलते हैं काल वैशाखी बोलते हैं और ग्रीष्म काल का सबसे गर्म जिला कौन है गया तो पूछ ले कि सबसे ठंडी जिला कौन है तो अभी मैंने बताया फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है कि जो सबसे ज्यादा गर्म वही सबसे ज्यादा ठंडा होगा तो गर्म भी हमारा गया जिला है और सबसे ठंडा जिला भी गया जिला है तो ये बातें ध्यान में रखिएगा तो ग्रीष्म काल का सबसे गर्म जिला गया हो जाता है जहां का औचतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिल जाता है इतनी बातें सबको क्लियर है अच्छा विवेक जी ऋतु चार प्रकार के होते हैं नहीं ऋतु जो है पांच प्रकार के होते हैं ना अब वसंत में भी दो प्रकार के हो जाते हैं लेकिन बिहार में जो ऋतु पाया जाएगा उसी की तो हम बात करेंगे तो बिहार में मुख्य रूप से तीन प्रकार की ऋतु देखने को मिलती है वसंत ऋतु जो होता है वो गर्म और जो आपका बरसात का मौसम है इसके बीच में संक्रमण का काल होता है बरसात ठंडी के संक्रमण है ना उसके बाद गर्मी ठंडी का संक्रमण का काल तो देखा जाए तो यहां पर कई प्रकार की रितुए देखने को मिलती है लेकिन बिहार के विशेष संदर्भ में हम तीन प्रकार की ऋतुओं की चर्चा करते हैं ठीक है ना क्लियर है चलिए आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं ना फिर मजा नहीं आएगा ठीक है अब लैपटॉप में कमेंट नहीं मैं नहीं देख पा रहा सामने जो स्क्रीन लगवा रहा हूँ सबका सब है ना लगवाया हुआ वो सब, सब वाईफाई से ही चलता है और वाईफाई का केबल ही कट गया है ना इस कारण से मैं कमेंट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है ठीक है आइए आगे, आगे बढ़े देखिये ग्रीष्म ऋतु हमने यहाँ पर देख लिया ग्रीष्म ऋतु अब वर्षा ऋतु का अब प्रारंभ होगा तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले मार्च से मई तक जो तड़ित झंझाएं होती है जिसे बिजली चमकना कहते हैं तो इस तड़ित झंझाओ के साथ कुछ बौछार होती है इसको हम आम और बौछार कहते हैं आम और बौछार इसलिए क्योंकि इसी समय काल देखा जाए तो आम में है ना फूल लगते हैं है ना आम का पौधा इसी समय विकसित होता है अब वो धीरे धीरे फल के रूप में तब्दील होने वाला है और ये जो वर्षा होती है ये इस पर विशेष प्रभाव देखती है है ना विशेष प्रभाव इसका पड़ता है उसको फायदा पहुंचाती है इसलिए इसको आम्र वर्षा कहते हैं इसकी बात कर ले इससे भी एक प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में कि बिहार में क्या किया जाता है तो बिहार में जूट का खेती किया जाता है सबसे ज्यादा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिल जाती है तो वहां पर जो जूट का फसल उप, उत्पादित किया जाता है इस जूट के फसल में ये जो आम्र वर्षा है ये बहुत ही लाभदायक है उसको भी जैसे हमको ये फायदा देती है वैसे ही बिहार में जो जूट का फसल है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो जाती है तो ये बातें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा इसके पश्चात गर्मी के बाद यहां पर वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु कैसे आती है आइए इसकी बात करते हैं सबसे पहले मध्य जून से ये प्रारंभ होता है और मध्य अक्टूबर तक रहता है और इस मौसम को हम वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं होता क्या है देखिएगा ग्रीष्म ऋतु कब हो रहा है जब सूर्य उत्तरायण है लेकिन उत्तरायण के साथ साथ हमेशा वहीं पर जाकर थोड़ा ना विराजमान रहेगा भैया हम आ गए हैं अपने स्थान पर आ चुके हैं अब यहां से तो हम कहीं हिलने वाले हैं नहीं क्या होगा अब उत्तरायण है तो धीरे धीरे दक्षिणायन होगा है ना और दक्षिणायन होगा तो मौसम में परिवर्तन होगा तो ग्रीष्म ऋतु के अंत तक होता क्या है कि यहाँ पर बिहार के मैदानी भाग में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है क्यों सूर्य का उत... है ना सूर्य उत्तरायण था तो यहाँ पर बड़े स्तर पर तापमान था परिणामतः निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा तो ये एक गर्त के रूप में कैसा गर्त मॉनसूनी गर्त क्योंकि इसी समय काल में आपका क्या होगा इसी समय काल में क्या होगा तो इसी समय काल में आपका मॉनसून आने वाला है। वर्षा ऋतु हम यहां पर कर रहे हैं तो जो ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है ये आकर्षित करता है किसको मॉनसून को क्योंकि मॉनसून भी कब आता है तो जून के प्रारंभ में ही वो दक्षिण भारत का जो दक्षिणी भाग है वहां पर प्रवेश कर जाता है और जब यहां पर बोलता है तो बोलता है बेटा हम भी हैं, है ना जैसे होता है ना अट्रैक्शन के लिए लोग विभिन्न प्रकार के सेंट वेंट सब लगा होगा के जाते हैं है ना लड़कियां जो होती है एकदम पेंटिंग वेंटिंग करके लिपस्टिक पाउडर लगाकर कहीं पर जाती है कि लोग हमसे क्या हो अट्रैक्ट हो वैसे ही ये भी अट्रैक्ट करती है भैया आ रहे हो ना वहीं पर मत रहो देखो हम भी तैयार बैठे हुए हैं हमारे पास भी आ जाओ और ये अट्रैक्ट हो जाता है मॉनसूनी गर्द का कार्य करता है जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है और ये इस गर्द का, का काम करेगा तो मॉनसूनी हवाएं जो हैं अब उसको भरने के लिए चलेगी और भरने के लिए चलेगी तो वर्षा वहां पर प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि कहाँ से जाएगी बंगाल की खाड़ी से होते हुए जाएगी और बंगाल की खाड़ी से जैसे होता है ना कि कोई लड़की बहुत अच्छी लग रही है आपको है ना अब आपको उससे मिलने जाना है वो आपको बुला रहे कि बेटा आ जा। तो खाली हाथ तो नहीं जाओगे ना मार्केट में दो चार चीजें जो आप आसपास में मिलेगी भले कुछ ना मिले तो बिस्कुट ही उठा कर लेकर जाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ लेकर तो जाएंगे ना तो वहां से कुछ उठा कर लेकर जाएंगे वैसे ये भी जाती है तो बंगाल की खाड़ी से बहुत सारी जलवास उठा कर लेकर जाती है और बड़े स्तर पर जाकर झमाझम जाम वर्षा करती है और यहीं से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है अब ध्यान में रखिएगा कि बिहार में अधिकांश वर्षा किससे होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है या दक्षिण पूर्वी मानसून से तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है लगभग 80 परसेंट वर्षा जो है इसके माध्यम से हो जाती है बिहार में मानसून का आगमन कब होता है तो एक जून तक हमने देखा एक दो तीन चार पांच छ है ना इस समय काल तक कहा तो केरल तक मॉनसून पहुंच जाता है 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 ना 10 जून तक ये बिहार में पहुंच जाता है, पूर्वी भागों में और 15 से 20 जून तक ये पूरे बिहार में फैल जाता है ये बातें भी यहां पर ध्यान में रखिएगा ठीक है अब इसमें बात कर ले सबसे पहले कौन सा जिला यहाँ पर प्रभावित होगा तो किशनगंज प्रभावित होगा क्यों पूर्वी क्षेत्र से जा रहा है ये है ना पूर्वी क्षेत्रों से जा रहा है तो 10 जून तक किशनगंज में यहां पर वर्षा हो जाती है और साथ ही साथ बिहार का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जिला अगर कोई है तो वो है किशनगंज यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा आपको देखने को मिल जाती है जैसे जैसे मानसूनी वायु जो है ये पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है जैसे जैसे मानसूनी वायु पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम होती जाती है अभी हमने इसकी भी चर्चा कर लिया था और उत्तरी बिहार के मैदानी भागों में अत्यधिक वर्षा यहां पर होती है उत्तरी बिहार के मैदानी भागों में क्यों क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हवाएं चली आगे बढ़ ही रही थी तब तक हिमालय बीच में अगर खड़ा होगे बेटा कहां जा रहे हो आगे हम हैं तो तुम आगे कैसे जा सकते हो और वो उसको वहां पर रोक देती है आगे बढ़ने से रोकती है इसलिए क्योंकि हमारा बिहार

अक्टूबर नवंबर का मौसम आ चुका है अक्टूबर नवंबर का महीना आ चुका है सूर्य धीरे धीरे अब दक्षिणायन होना प्रारंभ हो चुका है सूर्य दक्षिणायन इस समय हो चुका है और अब जो वायु दाब हमारे भारत के मध्य भाग में पड़ रहा था कर्क रेखा पर पड़ रहा था अब ये उत्तर पश्चिम में वायु दाब अधिक है ना अब क्या होगा उस उत्तर पश्चिम में वायु दाब अब अधिक हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में वायु दाब इस समय क्या हो जाएगा कम हो जाएगा है ना तो वायु दाब कम इसलिए हवाएं जो है अब विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट करेगी पहले हवाएं ऐसे चल रही थी अब हवाएं ऐसे चलेगी विपरीत दिशा में चलेगी इसी को लौटता हुआ मानसून के नाम से जानते हैं तो अब क्या हो गया लौटता हुआ मानसून अब बताइएगा लौटता हुआ मानसून से बारिश होगी या नहीं होगी बहुत कम बारिश होगी क्योंकि मानसून जब जा रहा था तो बंगाल की खाड़ी से होकर जा रहा था और इसके पास क्या था जल को ग्रहण करने की क्षमता थी लेकिन जब आ रहा है तो ये स्थलीय क्षेत्रों से आ रहा है और स्थलीय क्षेत्रों में ज्यादा आपको जल देखने को नहीं मिलेगा थोड़ा मोड़ा जहां से मिला वहां से जल उठाते हुए चलेगा इसलिए लौटते हुए मानसून से कम वर्षा होती है ये बातें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा ठीक है क्लियर अब इसके पश्चात अब क्या होगा शीत ऋतु आएगी नवंबर में ये प्रारंभ हो जाती है मध्य अक्टूबर से नवंबर में क्या होता है सूर्य दक्षिणायन हो चुका है और इस समय क्या होगा जेट स्ट्रीम आपने देखा होगा साइबेरियन प्रदेश से एकदम ठंडी हवाएं कुछ ऊंचाई पर जो चलती है उसको जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है और ये जेट स्ट्रीम जो है ये हिमालय के दक्षिण में ठंडी हवा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है और इसी के कारण शरद ऋतु की स्थिति आपको यहां पर देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा हिमालय जो है इस जेट स्ट्रीम की ठंडी हवाओं से सुरक्षा प्रदान करता है भारत को अन्यथा की स्थिति में अगर हिमालय नहीं होता और यह जेट स्ट्रीम इतनी ज्यादा ठंडी हवाएं देती है इतनी ज्यादा ठंडी हवाएं कि अगर हिमालय यहाँ पर नहीं होता तो फिर यहाँ पर ठंडी से उत्तर भारत के लोग भी जम जाते लेकिन यहां पर उतनी ठंडी नहीं पड़ती जितनी ये जेट स्ट्रीम ठंडी हवाएं है कारण क्या रहा हिमालय इसको मोड़ देता है। बोलता भैया भारत में मत जाओ है ना भारत में मत जाओ ठीक है लग रहा है इंटरनेट चल गया है ना? लग रहा है इंटरनेट चल गया एक मिनट में इसको लाइव कर लू ताकि आप सबका कमेंट भी यहां पर दिखाई दे ठीक है चलिए अभी ये फोन से ही चलाऊंगा अगर अच्छा चल रहा है तो है ना अच्छा राहुल जी का प्रश्न है अम्ल वर्षा कैसी होती है देखिए बिहार के संदर्भ में अम्ल वर्षा नहीं पढ़ना है है ना जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे देखिएगा अम्ल वर्षा क्या होती है एसिड रेन अंग्रे, अंग्रेजी में कहा जाता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के पोल्यूशन है ये बातें ध्यान रखिएगा है ना और पहली वर्षा जो होती है उस है ना तो उसमें विभिन्न प्रकार के आपको ऐसी चीजें पाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए फसलों के लिए क्या होता है नुकसानदेह होता है तो जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब बढ़िया से पढ़ेंगे अभी बिहार पर है तो बिहार पर ही फोकस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा ठीक है अब देखिएगा शरद ऋतु की विशेषताएं क्या होती है अब देखते होंगे ठंडी के मौसम में आसमान साफ रहता है है ना ठंडी वायु यहां पर चलती है ठंडी क्यों चलती है क्योंकि इस समय देखा जाए तो ये हवाएं जो है स्थल से समुद्र की ओर चलती है इसको प्रति चक्रवातीय अवस्था कहा जाता है ना प्रति चक्रवातीय अवस्था कहा जाता है और इस समय औचतन तापमान जो होता है सोलह डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है लेकिन सबसे ठंडी बिहार में कब पड़ती है जनवरी के महीने में चार से दस डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में बिहार का तापमान आप सभी को देखने को देखने मिल जाता है पर पर इसी समय काल पर जो पछुआ पछुआ चलता है इस पछुआ के कारण बिहार के क्षेत्र में हल्की सी वर्षा होती है जो रबी फसल के लिए लाभदायक हो जाता है वही रबी फसल जो आगे चलकर है ना रबी फसल में गेहूं भी आता है तो इस समय देखा जाए तो गेहूं लगाए हुए हमें हमारा बीस से दिन हुआ रहता है और यहाँ पर जब ये हल्की वर्षा होती है तो ये गेहूं के फसल को बड़े असर पर लाभ पहुंचाती है ठीक है अब जनवरी की बात कर ले तो यह अत्यधिक ठंड का महीना होता है और इस समय शीत लहर चलने लग जाती है। कप कपा देने वाली ठंडी यहां पर देखने को मिल जाती है जनवरी के महीने में और ये इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि कई साली कई सारी फसलें जो हैं इन फसलों को हानि भी पहुंचाती है जैसे इस समय काल में देखें तो मुख्य रूप से आलू लगाया जाता है और आपने देखा होगा कि आप लोग भी अगर आलू लगाए होंगे मैं तो कृषि कार्य से जुड़ा हुआ हूं और कल भी आपने देखा यहां से पढ़ा के सीधे में खेतों में गया खेतों में काम करके कृषि छुट्टी नहीं है ना इतना मजा आता है सारी चीजें करने में तो आलू वालू भी लगाते हैं सारे सब्जी भी उगाया जाता है मेरे यहाँ पर तो मैं खेतों में भी काम करता हूं आप सबको पढ़ाता भी हूँ अपना पढ़ता भी हूँ है ना तो आलू की जो फसलें यहाँ पर लगाते हैं तो लगाने के साथ ही कई बार आपने देखा होगा कि आलू ठीक से यहाँ पर फसल उत्पादित नहीं होता है सूख जाता है क्यों कहते हैं कि पाला मार दिया है जब बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है तो ऐसे फसलों पर भी इसका प्रभाव रहता है उसको हम कहते हैं पाला मार देना तो कई सारी फसलों को यह नुकसान भी पहुंचाता है ये जनवरी के महीने में जो शीतलहर यहाँ पर चलने लग जाती है ठीक है तो ये बातें ध्यान रखिएगा और ये बिहार के संदर्भ में तीन ऋतु प्रमुख हो जाती है ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु फिर शीत ऋतु और फिर से ग्रीष्म वर्षा वर्षा शीत वर्षा शीत ग्रीष्म ऐसे ही वर्ष भर ऋतुओं में परिवर्तन होते रहता है ठीक है अब अगर वर्षा के वितरण की हम बात कर लें तो बिहार में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो लगभग 112 से 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है और औसत वर्षा का दिन यानी कि तीन दिन में देखे कितने दिन तक वर्षा होती है तो तीन दिन में से लगभग बावन दिन बिहार में वर्षा होते हुए आपको दिखाई पड़ती है अगर में हम डिवाइड कर ना उत्तर और दक्षिण में तो उत्तर बिहार का मैदान जो है यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर तक यहां पर वर्षा होती है और इनमें भी सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो जिला है वो आपका किशनगंज हो जाता है साथ ही साथ देखिएगा उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है कल ही मैंने बताया था जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है तराई प्रदेश वाला सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर होती है कारण क्या रहा तो इन मानसूनी हवाओं को हिमालय जो होती है क्या करती है वहीं पर बोलते भैया आगे मत जाओ बरसा दो तो तराई प्रदेशों में सबसे ज्यादा वर्षा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है लगभग 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक भी वर्षा यहाँ पर देखने को मिल जाता है जबकि दक्षिण बिहार के मैदान की बात कर ले तो यहाँ पर वर्षा वर्षा कम कम होती होती है है और सबसे कम वर्षा जो होती है, वो नवादा गया औरंगाबाद रोहतास कैमूर इन सब जिलों में सबसे कम वर्षा होती है तो आशा करता हूं आप सभी लोग बिहार की जलवायु और बिहार की ऋतुओं के बारे में बेहतर तरीके से जान चुके होंगे है ना एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ठीक है उसके बाद से फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं आज देखिए फिर संख्या यहाँ पर कम हो गई तो फिर मजा नहीं आएगा ना अच्छा जेट स्ट्रीम हवाएं कहाँ से आती साइबेरियन क्षेत्र से आती है ना जब फिजिकल जोग्राफी करवाऊंगा तो वहां पर पूरा मैप भी दिखाऊंगा किस तरीके से हवाएं आती है कहां से ये ठंडा प्राप्त करती है इसकी स्पीड कितनी होती है ढाई सौ से भी ज्यादा स्पीड इसका प्रति घंटे का होता है है ना इसलिए इसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है ठीक है क्लियर मजा आ रहा है ना एक बार सभी लोग बताएं सब लोग बताएं मजा आ रहा है ना इतने में किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए है ना कमेंट करके पूछ लीजिए और फिर इसके आगे यहां पर बढ़ते हैं एक मिनट आ, स्क्रीन में आप लोग कमेंट नहीं दिख पा रहा है ना तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूं मजा आ रहा है सेशन का को कोई शेयर नहीं कर रहा है है ना सेशन का कोई शेयर नहीं कर रहा है तो फिर कहां से मजा आएगा ठीक अब आइए इसके बाद और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां से बार बार आपके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं तो आइए चर्चा हम करते हैं बिहार की मिट्टियों की है ना बिहार की मिट्टियों से देख लीजिए कितना सारा प्रश्न पूछा जाता है हर वर्ष एक प्रश्न तो यहां से बनता ही बनता है बिहार की मिट्टियों से तो आइए बिहार के मिट्टियों को समझने का प्रयास करते हैं ठीक है ना देखिए सबसे पहले हम बात कर ले मिट्टी मिट्टी है क्या तो आप सबको पता ही है कि पौधों की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक महीन युक्त और ह्यूमस वाले मेंटल के ऊपरी परत के अपछीवित पदार्थ को हम मिट्टी कहते हैं अगर पृथ्वी की एक काट की बात करें तो ये पृथ्वी काट है ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं मेंटल बोलते हैं ठीक है थेके? उसके बाद यहां पर क्या हो जाता है क्रोड हो जाता है, है ना और फिर यहां पर क्या हो जाता है क्रस्ट हो जाता है तो वही ध्यान रखिएगा कि मिट्टी है क्या तो पौधों की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक महीन कर्णयुक्त और हिमस वाले मेंटल के ऊपरी प्रत के अपित पदार्थ को मिट्टी कहते हैं मिट्टी बनता कैसे है तो खनिज या चट्टानों के कण इसमें हो साथ ही साथ उसमें ह्यूमस हो है ना उसमें जल हो वायु हो और सूक्ष्म जीव हो इन सबको जब एक साथ मिला दिया जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं मिट्टी बोलते हैं यानी कि सामान्यतः मिट्टी चार तत्वों से बनी रहती है सबसे पहला जैविक या अजैविक खनिज पदार्थ ठीक है अजैविक खनिज पदार्थ इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी विभिन्न प्रकार की चट्टाने होती है इन चट्टानों का अपर्दन किया जाता है अपर्दन के कई सारे कारक हैं है ना जैसे कि हवाएं चलती है तो अपने साथ है ना हवाएं भी क्या करती है चट्टानों को तोड़ती है बारिश होगा वो भी चट्टानों को तोड़ेगी है ना भूकंप आया तो उससे भी चट्टाने टूटेगी तो विभिन्न कारणों से चट्टाने टूटती है इसको हम क्या बोलते हैं अजैविक या खनिज पदार्थ बोलते हैं ये हो गया दूसरी चीज यहाँ पर क्या होनी चाहिए जैविक पदार्थ होनी चाहिए जैसे कि पौधे हो गए है ना पौधे टूट गए उसकी पत्तियां टहनिया है ना कोई जीव जंतु मर गया तो सबके सब इसमें क्या होंगे मिक्सअप होंगे इसको क्या कहा जाएगा जैविक पदार्थ कहा जाएगा पौधे जीवों का जो अपघटन होता है ये इसमें मिक्सअप हो जाए फिर उसमें हवा भी हो और जल भी हो ये चार तत्व तो जब आपस में मिलते हैं तब जो संरचना बनती है इसी को हम मिट्टी कहते हैं और आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर बिहार की मिट्टियों की कि बिहार के मिट्टियों की विशेषता यहाँ पर क्या है देखिएगा दो स्लाइड यहाँ पर एड हो चुका था देखिएगा बिहार के मिट्टियों का वर्गीकरण करें तो हम अपने मर्जी से नहीं कर रहे हैं। जो भी चीजें मैं करवाता हूं एक बेहतर डेटा के साथ करवाता हूं है ना जिस पर हम प्रश्न भी उठा सकते हैं तो मिट्टियों के वर्गीकरण की बात कर लें तो बिहार सरकार की एक विभाग है कृषि अनुसंधान विभाग इसके द्वारा बिहार की मिट्टिया जो है इसको मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है तीन भाग कौन कौन सी तो सबसे पहली जो भाग है इसको उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी कहा जाता है दूसरी भाग जो है दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी और तीसरी भाग जो है दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी तो बिहार सरकार की जो कृषि विभाग है ना कृषि अनुसंधान विभाग है इसके द्वारा बिहार की मिट्टियों को तीन भागों में बांटा गया है आइए मिट्टियों को समझते आपके मन मस्तिष्क में मैं यहीं पर बैठा दूंगा फिर मिट्टियों से आने वाले प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे बस क्या करना है ध्यान लगाकर मुझे यहां पर सुनना है यह वर्गीकरण जो किया गया है कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा ये किस आधार पर किया गया है तो उसमें पाए जाने वाले मूल चट्टान है ना वहां की वहां की भू आकृति के भौतिक और रासायनिक संरचना इन सब के आधार पर बिहार की मिट्टियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है अब तीन ही मत सोचिएगा इसका भी उप किया गया है है ना तो आइए इन सबको हम देखते हैं देखिएगा कितना ये मेरा हैंड रिटर्न बनाया हुआ मैप है ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा ये मेरी अपनी मेहनत है ठीक है मेरी अपनी मेहनत है दिमाग में बैठ जाएगा ठीक है तो आइए सबसे पहले यहां पर समझते हैं उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी की बात करें तो इसको भी क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर हमने चार भागों में विभाजित कर रखा है कौन कौन सा तो सबसे पहला भाग जो है इसको उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी बोलते हैं उप हिमालय क्यों क्योंकि तो हिमालय का थोड़ा सा विस्तार आपको बिहार में भी पाया जाता है और हिमालय के पादिया क्षेत्र जो है वो बिहार में पाए जाते हैं, इसलिए हमने पर्वत पादिया मिट्टी कहा ठीक है दूसरा कौन सा तो पर्वत पादिया यानी कि हिमालय के पश्चात जो अगला हमने क्षेत्र देखा था उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है तो तराई मिट्टी पाया जाएगा उसके बाद अब यहां से जलोढ़ मिट्टी प्रारंभ हो जाता है तो जलोढ़ में भी दो प्रकार के सबसे पहला पुरानी जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी 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 जिसे जिसे बांगर मिट्टी कहा कहा जाएगा जाएगा और नवीन मिट्टी जिसे खादर मिट्टी कहा जाएगा। तो उत्तर बिहार के मैदान की जो मिट्टी है इसको हमने चार उपभागों में विभाजित कर रखा है अब आइए इसकी स्थिति को समझते हैं सबसे पहले उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी की बात कर ले तो हमने देखा था हिमालय की संरचना कहां पर है ये है ना जो कलर है वही कलर ले लू तो ज्यादा मिक्सअप नहीं होगा हिमालय की स्थिति हमने यहाँ पर देखी थी ये क्या है हमारा हिमालय का विस्तार पश्चिम चंपारण में ठीक है ना ये वाला जो है हिमालय का विस्तार है पश्चिम चंपारण में ये हमने देखा था और यहां पर जो मिट्टी पाई जाएगी इसको क्या कहा जाएगा उप हिमालय पर्वत पादिया मिट्टी इसके विशेषताओं की बात कर ले तो यहां पर मिट्टी की परत कैसी होगी पतली होगी पतली होने का कारण क्या है मैदानी बागों में जो नदियों के द्वारा तो 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 लेकिन हिमालयी क्षेत्रों में क्या है ढलान है और ढलान पर मिट्टिया अगर जमना चाहे भी तो नहीं जम पाएगी है ना इसलिए यहां पर जो मिट्टी की परत पाई जाती है वो बहुत ही पतली परत पाई जाती है यह मिट्टी मुख्य रूप से चिकनी मिट्टी होती है जिसका रंग हल्का भूरा और पीला पीला रंग का होता है साथ ही साथ हमने देखा कि यहां पर है ना वर्षा सबसे ज्यादा होती है कारण क्या आ, बंगाल की हिमालय से अधिकता है बड़े स्तर पर पाया जाएगा साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं इसलिए यहाँ पर ह्यूमस की अधिकता भी पाई जाती है और ये सारी विशेषताएं जो होती है ये इस मिट्टी को काफी उपजाऊ बना देती है और इस मिट्टी में जो उपजाए जाने वाले फसलें हैं प्रमुख रूप से धान मक्का और जौ यहां पर उत्पादित कर लिया जाता है तो ये जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं उप हिमालय पादिया मिट्टी सबको क्लियर है उप हिमालय पादिया मिट्टी इसका क्षेत्र भी हमने देख लिया और इसकी विशेषताएं भी हमने यहां पर देख ली उसके बाद आगे बढ़े तो हिमालय के जस्ट दक्षिण में जो मिट्टी पाई जाएगी जो क्षेत्र पाई जाएगी उसको तराई क्षेत्र कहा जाएगा और यहां पर जो मिट्टी पाई जाएगी उसको तराई मिट्टी कहा जाएगा और तराई मिट्टी की बात कर ले हमने इसका विस्तार कहां देखा था तो हिमालय के दक्षिण में तो चूंकि नेपाल में ये पूरा का पूरा क्या है हिमालय है और हिमालय के दक्षिण में देखें तो इसका विस्तार पाया जाता है तो बिहार में भी आपका इसका विस्तार देखने को मिलेगा तो ये जो मैंने यहाँ पर लाल रंग से आप सभी को दर्शाया है इन सभी क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है उससे हम क्या बोलते हैं तराई मिट्टी बोलते हैं आप लोग चाहें तो मेरे साथ साथ मैप भी बना सकते हैं है ना इससे क्या होगा थोड़ा सा आप लोगों को हैबिट भी हो जाएगा मैप बनाने का ठीक है ना ठीक है तो आप लोग चाहें तो मेरे साथ इसको रंग भी सकते हैं क्योंकि रंगने में बहुत मजा आता है और जो हमने रंग लिया वो दिमाग में बैठ जाता है ठीक है ना तो ये जो क्षेत्र हो गया हमारा ये किस चीज का है तराई मिट्टी का क्षेत्र है ये बातें ध्यान में रखिएगा यह मैप मेरा बना हुआ है क्या? कहीं का मैंने उठाया नहीं है ये ध्यान में रखिएगा ठीक है ये क्या है क्या तराई तराई मिट्टी मिट्टी का क्षेत्र क्षेत्र अब आइए इस मिट्टी के की की विशेषताओं हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कहां पाया जाएगा तो जो पर्वत पादिया मिट्टी ये पर्वत पादिया मिट्टी यहां पर होगी है ना इसके दक्षिण में पाया जाएगा कहां से कहा तो इधर है पश्चिम चंपारण जिला पश्चिम चंपारण जिले से लेकर किशनगंज जिले तक एक पतली संकरी पांच से सात किलोमीटर है ना चौड़ी संकरी पट्टी के रूप में पाया जाएगा तो कहा तो पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक पर्वतपादिया मिट्टी के दक्षिणी क्षेत्रों में पांच से सात किलोमीटर की पतली है ना परत के रूप में ये आपको विस्तारित पाई जाएगी ये बातें ध्यान में रखिएगा अब यहां पर बात करें आर्द्रता होगी या नहीं होगी आर्द्रता बिल्कुल होगी क्यों क्योंकि हिमालय बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं हैं यही हिमालय से टकराकर इन सभी क्षेत्रों में बारिश करेगी तो वर्षा यहां पर ज्यादा होगी तो आर्द्रता यहां पर होगी होगी साथ ही साथ यहाँ से नदियां भी आती है तो नदियों से भी जल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है इसलिए इन सभी मिट्टियों में पर्याप्त आर्द्रता भी देखने को मिल जाता है अब इस मिट्टी में पाए क्या जाएंगे देखिएगा क्योंकि ढलान अभी अभी यहाँ पर क्या हो रहा है खत्म हो रहा है ढलान अब कम हो रही है ढलान कम हो रही है तो अब नदियों के पास पास अब इतनी ताकत नहीं है कि छोटे मोटे जो कंकड़ बचे हुए हैं उसको ये आगे लेकर बढ़ सके इसलिए छोटे मोटे कंकड़ को इन क्षेत्रों में निक्षेपित कर दी जाती है इसलिए अब देखेंगे कि इन सभी क्षेत्रों में इस मिट्टी में कंकड़ है ना कंकड़ पत्थर छोटे छोटे कण यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा चूंकि छोटे छोटे कंकड़ बालू ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी इसलिए पर कुछ दलदली क्षेत्रों का, तो का भी विकास हुआ पड़ा है अब बात कर होगी या नहीं होगी उर्वरता ना है ना कम होगी कारण क्या रहा कि बालू बजरी वाला क्षेत्र है छोटे छोटे कंकड़ मिलते हैं यहाँ के मिट्टियों में तो यहाँ पर उर्वरता बहुत कम होती है तो ध्यान रखिएगा उर्वरता यहाँ पर मध्यम प्रकार की होती है और साथ ही साथ यहां पर शून्य की पर्याप्त मात्रा भी पाई जाती है यहां पर जो प्रमुख रूप से फसलें उत्पादित की जाती है उसमें धान गन्ना है ना पटसन ये सारी फसलें जो हैं, ये मुख्य रूप से तराई मिट्टी में उत्पादित की जाने वाली आपकी फसलें पाई जाती है ठीक है तो आशा करता हूं ये तराई मिट्टी का क्षेत्र आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा ठीक है क्लियर बड़े आगे भूख लगने लग गई कोई दिक्कत नहीं इसको कंप्लीट करके फिर आगे हम बढ़ेंगे ठीक है आइए आगे, आगे बढ़े देखिएगा तराई मिट्टी के पश्चात अगला जो मिट्टी है वो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर मिट्टी भी कहा जाता है और बांगर मिट्टी की बात कर ले तो यहाँ पर ये है हमारी गंडक और ये है बूढ़ी गंडक है ना ये कौन सी नदी है बूढ़ी गंडक तो बूढ़ी गंडक और घाघरा के मध्य में इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है है ना मुख्य रूप से आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है ना लेकिन बूढ़ी है ना ये आपकी बूढ़ी गंडक है उसके इधर आपको इसका विस्तार देखने को मिल जाता है इसी बांगर मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है यह वैसे क्षेत्र है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचेगा वहां पर अवसादों का एक लेयर फिर से जमा दिया जाएगा तो वहां पर नवीन प्रकार की जलोड़ मिट्टी होगी ये पहले वैसे क्षेत्र है जहां पर बाढ़ आया करते थे लेकिन वर्तमान समय में अब यहां पर बाढ़ नहीं आते तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी

ये पिंक कर देता हूं और ये क्षेत्र जो है ये कौन सा ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र यहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी भी पाया जाता है कहां तो ये नदियों का जो क्षेत्र हो गया है ना ये जो क्षेत्र है यहां पर यानी कि जहां पर ये नदियां अपना पानी बढ़ा के विस्तारित कर देती है वहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है लेकिन मोटे मोटे देखे तो ये सारे क्षेत्र जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है ठीक है क्लियर समझ में आ गया सबको क्लियर है चलिए ये समझ में आ गया तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हो गया आगे देखिएगा इस मिट्टी की विशेषता देखें तो ये क्षारिया प्रकृति का होता है है ना क्षार छार तो समझते हैं सब बेस है ना तो क्षारिया प्रकृति का ये होता है और इसमें चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है और चूना पोटास की अधिकता जहां पर पाई जाएगी साथ साथ ही फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाएगी ये मिट्टी जो होती है गन्ने के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी कारण से आप लोग देखेंगे कि पहले जो गन्ने की फैक्ट्री लगाई गई है वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा बिहार का 80 परसेंट गन्ने की फैक्ट्री जो है वो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है क्यों क्योंकि यहाँ की मिट्टियों में विशेषताएं क्या है कि गन्ने का उत्पादन बेहतर तरीके से हो सकती है और जहां पर उत्पादन होगा उत्पादन केंद्रित है उद्योग की, की, की कमी देखने को मिलती है जिस कारण से ये गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त हो जाता है और इसी कारण से आप लोग देखेंगे चीनी मिल जो आपकी यहाँ पर बैठी हुई थी वो लगभग इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है यहां पर उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसलों की बात कर ले तो यहाँ पर धान गेहूं गन्ना मक्का तंबाकू ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर उत्पादित कर लेते हैं ठीक है इस मिट्टी की एक विशेषता और भी है कि ये मोटे कड़ वाली मिट्टी होती है आप लोग देखेंगे कि मिट्टियों को जब जो हम जोतते हैं है ना तो ये जब सूखेगा तो टाइट हो जाएगा और ये मिट्टी इतनी टाइट हो जाती है कि उठा के किसी के सर पे मार दीजिए है ना तो मिट्टी ऐसा नहीं कि मिट्टी नहीं फूटेगा फूटेगा मिट्टी भी फूटेगा लेकिन सर भी फोड़ के फूटेगा तो ये थोड़ी सी मोटे कण वाली मिट्टी होती है और मोटे कण वाली मिट्टी जो होती है उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती बहुत कम सिंचाई में जैसे आप गेहूं की फसल की ही बात कर ले तो कई सारे जहां पर बलवट वाले क्षेत्र है बालू मिट्टी ज्यादा पाई जाती है जैसे कि दक्षिणी बिहार के मैदान की बात कर लें तो वहां पर गेहूं की फसल को पांच से छह आठ आठ पानी तक देने पड़ जाते जबकि जिस क्षेत्र में मैं हूं मैं तो सिवान जिले से हूं तो यहां पर हम एक और अधिक से अधिक दो बार हम इसमें सिंचाई करते हैं और उतने में फसल हमारा बेहतर तरीके से हो जाता है कारण क्या है कि यहाँ की मिट्टियों में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा देखने को मिल जाती है इसके बाद जो हरा वाला आपका बच जाता है ये हरा वाला इसको हम क्या बोलते हैं खादर मिट्टी क्या बोलते हैं खादर मिट्टी और खादर मिट्टी ये क्या है नवीन जलोढ़ मिट्टी इसी को हम खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं और जो बाकी आपका यहां पर क्षेत्र बच जाता है यही आपका खादर मिट्टी हो जाता है तो ये जो क्षेत्र है है ना जो यहाँ पर बच गया ये क्या है खादर मिट्टी का क्षेत्र है ठीक है बफरिंग नहीं हो रही है ना क्योंकि अभी भी फोन से ही लाइव है इंटरनेट चल चुका है लेकिन अब कनेक्टिविटी इधर से उधर करूंगा तो थोड़ी देर के लिए बफरिंग हो जाएगा उससे बढ़िया है कि हम फोन से ही यहाँ पर लाइव चले जाए ठीक है तो क्षेत्र क्या हो गया ये क्षेत्र हो गया हमारा यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र तो आइए अब इसकी कुछ विशेषताओं की भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं ठीक है ना ठीक आइए इसकी विशेषता देखिए इसका विस्तार कहाँ तो एक तो गंगा घाटी में पाया जाएगा जहां पर गंगा घाटी इस गंगा घाटी में भी इसका विस्तार पाया जाएगा ठीक है साथ ही साथ ये जो गंडक नदी है इसके घाटी में भी विस्तार पाया जाएगा ये जो बूढ़ी गंडक है इसके घाटी में भी विस्तार पाया जाएगा कोशी घाटी में विस्तार पाया जाएगा और महानंदा घाटी में विस्तार पाया जाएगा तो यहां पर जहां पर भी नदियां हैं नदियों की घाटियों में भी नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है ये बातें ध्यान में रखिएगा तो विस्तार देखे तो गंगा है ना यहाँ पर गंडक बूढ़ी गंडक कोशी महानंदा इन सबकी घाटियों में इसका विस्तार देखने को मिलता है और इस मिट्टियों का रंग गहरा भूरा या काले प्रकार का देखने को मिल जाता है यहाँ पर अनेक महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं और उर्वरता की बात करें तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है है ना हर बार यहाँ पर नदियां एक नई परत यहां पर बना देती है इसलिए यहां पर उर्वरता भरपूर प्रकार का पाया जाता है ये बातें ध्यान में रखिएगा और इसलिए ये धान की खेती के लिए सबसे उत्तम माना जाता है उत्तर पूर्वी बिहार की बात कर ले यहां पर अधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी बिहार में इसलिए ये क्षेत्र जो है जूट की खेती के लिए मशहूर हो जाता है साथ ही साथ यहाँ पर आप देखते होंगे इस क्षेत्र में नाइट्रोजन की कमी है इसलिए जो भी फसल उत्पादित किया जाता है उसमें हमें क्या देना पड़ता है यूरिया देना पड़ता है यूरिया में लगभग चौवालिस आपका नाइट्रोजन होता है तो इन मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी होती है हमें अलग से उसमें नाइट्रोजन डालने की तो क्या सबको उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी अच्छे से समझ में आ गई क्या सबके मन मस्तिष्क में सबके सारे सारे सब मन मस्तिष्क में बेहतर तरीके से छप गया या नहीं छप गया एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ठीक है मजा आ गया अच्छा फिर दोस्ती जी आप भी अभी उपस्थित हो रही हैं आप सब कितने महान हैं अगर आपके महानता की बखान करूं तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे सबको पता है कि नौ बजे से कक्षा स्टार्ट हो रही है तो आप लोग 11 बजे आके गुड मॉर्निंग साढ़े दस बजे आके गुड मॉर्निंग कर रहे हैं डेढ़ घंटे की कक्षा हो चुकी है ठीक है मजा आ रहा है ना आज लाइक भी कम है आज लाइक भी कम है, तो फिर मजा कैसे आएगा कोई है बेमान जो अभी तक अपना लाइक मुझे दिया नहीं लाइक को बचाकर बैंक में आप लोग लगता है कि बैंक में लाइक को जमा करेंगे और वो लाइक धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो जाएगा जो आपको रिटर्न में मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है तो दिल खोल के आप लोग लाइक किया

उस पठारी क्षेत्र तक तो गंगा नदी के दक्षिण में और सीमांत पठारी क्षेत्र के उत्तर भाग में आपका जो विस्तार दिखाई पड़ता है उसी को दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी बोलते हैं और यहां पर भी क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं और मिट्टियों में पाई जाने वाली विशेषता के आधार पर इसको भी हम चार भागों में विभाजित करते हैं पहला प्रकार हो जाता है कगारे मिट्टी दूसरा टाल मिट्टी तीसरा पुरानी जलोढ़ मिट्टी या इसी को करेल कवाल मिट्टी कहते हैं और चौथा बल्थर मिट्टी तो ये चार प्रकार की मिट्टी यहां पर देखने को मिल जाती है अगर कल की कक्षा आपने रिवीजन किया होगा तो सारी चीजें आज यहां पर उसी से जुड़ जाएगी देखिएगा सबसे पहले यहां पर बात करें हमने देखा था कि गंगा नदी के द्वारा क्या किया जाता है यहां पर प्राकृतिक कगार का निर्माण किया जाता है है ना प्राकृतिक बांध का निर्माण किया जाता है जिसे कगार भी कहते हैं और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है इसको हमने नाम क्या दे दिया कगारी मिट्टी ये हमने देखा था कहाँ से कहां तक तो पटना से प्रारंभ होता है ना देखिएगा कगारी मिट्टी की बात करें तो ये नदियों के किनारे जो तटबंध है उसी के रूप में पाए जाते हैं और गंगा नदी के दक्षिणी तट है ना सोन कीवल पुनपुन फलगु आदि नदियों के किनारे पर इसका विकास हुआ है और इन मिट्टियों में चूना की प्रधानता देखने को मिलती है जिसका गठन बहुत ही हल्का और रंग भूरा देखने को मिलता है और यहाँ की प्रमुख फसलें जौ मकई सरसों मिर्च आदि देखने को मिल जाती है ना? दलहन भी यहाँ पर उत्पादित किया जाता है तो हमने देखा था ये क्या है कगारी मिट्टी है और कगारी

तटों पर भी दक्षिणी तटों पर भी आपको देखने को मिलता है ये कगारी मिट्टी का क्षेत्र इसके दक्षिण में जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हमने देखा था ये बांध है तो बांध जो है नदियों के जल को डायरेक्टली गंगा नदी में नहीं मिलने देती वो इसके जल को रोक लेती है और नदियां जो है पीनेट प्रवाह प्रणाली के रूप में कुछ समानांतर क्रम में गंगा नदी से समानांतर आगे चलती है और फिर जाकर गंगा नदी से मिलती है तो ये जो बांध है इस बांध के कारण यहाँ पर एक क्षेत्र जो है लगभग पच्चीस किलोमीटर की चौड़ाई वाला क्षेत्र जो है ये निम्न जलमग्न का क्षेत्र हो गया है, है ना यहाँ पर जल भराव रहता है और यहां पर चूंकि इसको हमने टाल क्षेत्र नाम दिया था तो टाल क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है इसको टाल मिट्टी के नाम से जाना जाएगा और ये टाल मिट्टी देखेगा है ना ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये टाल मिट्टी का क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है तो यहां पर लाल रंग से जो मैं रंग रहा हूं ये टाल मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिल जाता है इसे टाल मिट्टी हम कहते हैं और टाल मिट्टी की हम बात कर ले ध्यान रखिएगा ये निम्न भूमि का क्षेत्र है है ना जो वर्षा काल में जल भर जा जाता है जब बरसात का मौसम आता है तो ये जल से भर जाता है है ना जल से भर जाता है कहां पाया जाएगा तो जो कगारी मिट्टी इस कगारी मिट्टी के दक्षिण में आठ से दस किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी के रूप में आपको जो मिट्टी की संरचना दिखाई देती है इसी को ताल मिट्टी के नाम से जाना जाता है जो बक्सर से लेकर भागलपुर तक पांच से है ना आठ से दस किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तारित है इस क्षेत्र की बात कर लें तो ये दलहन की फसल के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन जो होता है वो इसी क्षेत्र में इसी मिट्टी में टाल मिट्टी में पाया जाता है और अभी हम कृषि देखेंगे इस कृषि में देखेंगे दलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा पटना जिले के द्वारा किया जाता है और पटना क्षेत्र में ये सारे क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है तो दलहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी हो जाती है हमारी टाल मिट्टी हो जाती है उसके बाद आगे बढ़े इसके दक्षिण में चलेंगे तो इसके दक्षिण में एक बड़ा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा है ना इसके दक्षिण में एक बड़ा सा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा और ये क्षेत्र जो है इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना ये क्या है आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है ये बातें ध्यान में रखिएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्यों क्योंकि यहाँ के नदियों के द्वारा अब यहाँ पर बाढ़ नहीं लाए जाते चूंकि पहले लाए जाते होंगे इसलिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र का निर्माण हो गया लेकिन वर्तमान समय में ऐसी कोई नदियां है नहीं जो इन सभी क्षेत्रों में जल लेकर आए बाढ़ लेकर आए इसलिए यहां पर नवीन मिट्टियों का निर्माण नहीं हो रहा जो भी है पुरानी मिट्टियां हैं इसलिए इसको हम पुरानी ज़रूर मिट्टी या इसी को करेल केवल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये बातें समझ में आ गई तो जो यहां पर मैंने ब्लू रंग से रंग डाला ये है करेल केवल मिट्टी, है ना? ये कहाँ पाया जाएगा? तो जो ताल क्षेत्र हमने देखा इस टाल मिट्टी के दक्षिण में ये पाया जाएगा और दक्षिण में इसका विस्तार देखने को मिलता है और इस मिट्टी की विशेषता ये है कि ये क्षारिय और अम्लीय दोनों गुण का संतुलन है इसमें ना ही ये ज्यादा क्षारिया है और ना ही ज्यादा ये अम्लीय है इसलिए उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है और जल ग्रहण की क्षमता भी इनके पास क्या है बहुत ज्यादा हो जाती है इसलिए यहाँ पर धान गेहूं बाजरा है ना दलहन में अरहर ये सारी चीजें हम यहाँ पर उत्पादित कर लेते हैं तो ये तीसरा क्षेत्र जो हो जाता है हमारा पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हो जाता है अब देखिएगा इसके बाद आपके पठारी क्षेत्र है।, है ना तो पठारी क्षेत्र का भी कुछ संक्रमण अच्छा बफरिंग होने लग गया मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी चेंज कर लेता हूं अब तो ठीक हो गया होगा है ना? मैंने कमेंट पर ध्यान दिया नहीं और अभी फोन से चल रहा भैया फोन की भी एक अपनी लिमिट होती है, कब तक वो कनेक्ट कर लिया फाइबर जो कटा हुआ था फिर है ना ये है कि अपना सिग्नल उनको दिखते रहता है ना इंटरनेट वालों को अपना सिग्नल हमारा एक स्पेशल लाइन उन्होंने दे रखा है बी वालों ने केवल क्लासेस के लिए चूकी होता है ना कि एक तार में बहुत सारे लोगों का कनेक्शन दे दिया जाता है लेकिन हमारे वाले में किसी का कनेक्शन नहीं है पूरा एक्सचेंज से एक ही तार हमारे लिए स्पेशल यहाँ पर लाया गया है केवल एजुकेशन के नाम पर तो हमारा सिग्नल भी वो लोग देखते रहते हैं कि सिग्नल फटाफट काम करते हैं है ना तो अब बेहतर चल रहा है तो अब देखिएगा यहां पर हमने यहां पर किया क्या हाँ अब क्लियर है तो देखिएगा यहां पर हमने क्या देखा पुरानी जलोढ़ मिट्टी टाल मिट्टी के दक्षिण भागों में इसका विस्तार देखने को मिलता है और अभी हमने देखा कि इसमें क्षारिय और अम्लीय गुण जो है एकदम संतुलित मात्रा में पाई जाती है इसलिए ये उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ की मिट्टियों में जल ग्रहण की क्षमता भी ज्यादा हो जाती है इसलिए यहाँ पर धान गेहूं बाजरा और हर ये सारी चीजें हम यहाँ पर उत्पादित कर लेते हैं उसके बाद चौथा कैटेगरी हमने देखा था वो है हमारी बल्थर मिट्टी और बल्थर मिट्टी की बात कर ले तो अभी हमने देखा ये कहाँ पाया जाएगा तो इधर हमने पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखा और इधर क्या है छोटा नागपुर का पठार तो इन दोनों के मध्य में जो इनका मिलन क्षेत्र है यानी कि मैदानी भाग और छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र हो गया इन दोनों के जो मिलन क्षेत्र है यहां पर दोनों की विशेषताएं पाई जाएगी है ना जो आपका जलोढ़ मिट्टी है उसका भी विशेषता और पठारी क्षेत्रों की भी विशेषता तो ये एक अलग प्रकार की मिट्टी हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं और इसी को बलथर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसका विस्तार आप देखेंगे कि यहाँ क्या है छोटा नागपुर का पठार है तो इसके उत्तरी भागों में और ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसके दक्षिणी भागों में इसका विस्तार देखने को मिलता है ठीक है ना तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम बलथर मिट्टी के क्षेत्र के नाम में जानते हैं है ना रंग रहे होंगे आप सभी लोग तो रंग डालिए है ना क्योंकि रंगने में मजा आता ही है है ना बचपन में भी आप लोगों में ये चीजें होगी मेरे में भी थी जब कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता था तो पेंटिंग कर लिया करता था है ना इसलिए मेरी पेंटिंग पहले बहुत अच्छी थी लेकिन अब बेकार हो चुकी है तो यह बलथर मिट्टी कहाँ पर पाया जाएगा ये तो हमने देख लिया अब देखिएगा चूंकि पठारी भाग का भी मिश्रण यहाँ पर होगा इसलिए यहाँ पर रेत कंकड़ है ना ऐसी मिट्टियों में है ना यहाँ की मिट्टियों में रेत कंकड़ ये सारी चीजों की प्रधानता दिखने को मिलती है और इस सभी कारणों के कारण यहाँ की उर्वरता बहुत ही कम हो जाती है और जहां पर उर्वरता कम होगी वहां पर बहुत ज्यादा उत्पादित होने वाले फसल नहीं लगाए जाएंगे मुख्य रूप से मोटे फसल उत्पादित किए जाएंगे जैसे कि यहाँ पर मक्का हो गया ज्वार बाजरा साथ ही साथ दलहन का भी उत्पादन यहाँ पर होता है ये बातें ध्यान रखिएगा इस मिट्टी की विशेषता ये होती है कि ये जल सूखने में बहुत तेज होता है जिससे होता है ना कि हमारी मिट्टी हो गई हमने सिंचाई कर दिया तो दो तीन दिन तक नमी यहां पर बनी रहती है लेकिन इसमें नहीं अभी पानी डालेंगे है ना और तुरंत सुबह डाले दोपहर तक यहां पर पानी सबके सब, सब ये यह मिट्टी यहां पर सूख जाती है ठीक है क्लियर चलिए तो ये चारी चीजें आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी इसको हमने चार उपभागों में विभाजित किया था कगारी मिट्टी ताल मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे करैल के वाल मिट्टी भी कहते हैं और चौथा बलथर मिट्टी ये क्या हो गया कगारी मिट्टी फिर ताल मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी फिर बलथर मिट्टी ठीक है अब आइए आगे बढ़ते हैं अब दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी हो गई और इसको भी हमने दो भागों में विभाजित कर रखा है एक को लाल बलुई मिट्टी और दूसरे को लाल पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं अब देखेंगे यहाँ पर रोहतास कैमूर वाला जो क्षेत्र है रोहतास कैमूर वाले क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं लाल बलुई पत्थर की मिट्टी है ना लाल बलुई मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं कहाँ पाया जाता है इसका विस्तार कहा तो रोहतास कैमूर का जो क्षेत्र है इस रोहतास कैमूर के क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिल जाता है ठीक है रोहतास कैमूर के पठारी भागों में इसका विस्तार है इसमें बालू की मात्रता, मात्रा अधिक होती है इसलिए ये कम उपजाऊ क्षेत्र है लेकिन ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पर एक सिंचाई परियोजना चलाई और इस सिंचाई परियोजना के तहत रोहतास में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है अभी हम कृषि वाले क्षेत्र में हम देखेंगे इसका उत्पादन एवं उत्पादकता तो चाहे गेहूं हो या धान हो है ना दोनों का उत्पादन बिहार में सबसे ज्यादा रोहतास जिले में होता है तो चूंकि कम उपजाऊ वाला क्षेत्र है लेकिन अगर यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो तो सबसे ज्यादा उत्पादन हो सकती है और उसी का रिजल्ट आप लोग देखेंगे कि रोहतास में सबसे ज्यादा धान या गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है यहाँ पर जीवाश्म भी पाया जाता है और यहाँ पर उत्पादित की जाने वाले प्रमुख फसलें जो है ये मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा मकई मड़ुआ ये सारी चीजें उत्पादित की जाती है और जहां पर हमने सिंचाई की व्यवस्था कर डाली है वहां पर गेहूं और धान भी

है ना और लौह पदार्थ की अधिकता के कारण है? इस मिट्टी का रंग लाल पीला दिखाई पड़ता है इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया लाल पीली मिट्टी ठीक है तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी औरंगाबाद गया नवादा जमुई मुंगेर मुंगेर में ये खड़गपुर पहाड़ी है यहाँ पर आगे बढ़ रही है वहां पर भी दिखाई देगा ये बांका जिला जो है इन सभी जिलों में जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और इसका निर्माण जो है ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विघटन से इसका निर्माण हुआ है क्योंकि यहाँ पर लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है इसलिए इस मिट्टी का रंग लाल आपको दिखाई देता है साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो पोषक तत्व और ह्यूमस की यहाँ पर कमी है क्यों क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है आग्नेय पदार्थ जो है ना अग्नेय हमारी चट्टाने उसके रूपांतरण से बना हुआ है तो अग्नि तो कोई भी होगी नहीं अनाज जैसे कि दलहन हो गया और साथ ही साथ चारागाह क्षेत्रों का निर्माण इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर हुआ पड़ा है तो ऐसी फसलों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता रहा है तो क्या सबको ये दसों की दसों मिट्टिया अच्छे से समझ में आ गई अब देखिएगा क्योंकि मुख्य रूप से हमने तीन भागों में विभाजित किया उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी जिसको हमने चार उपखंडों में विभाजित किया फिर दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी इसको भी हमने चार उपखंडों में विभाजित किया और फिर हमारा यहाँ पर क्या बच जाता है दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी इसको हमने दो खंडों में विभाजित किया अर्थात टोटल हमारे कितने हो गए दस खंड है ना पहला ये है ना पहला ये क्या नाम होगा इसका उप हिमालय पर्वत पादिया मिट्टी रिकॉल कर लीजिए दूसरा ये वाला क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे तो इसको तराई मिट्टी कहेंगे फिर ये तीसरा क्षेत्र है ना तीसरे क्षेत्र को क्या कहेंगे तो ये हमारा था पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र चौथा क्षेत्र ये नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र फिर उसके बाद अब दक्षिण बिहार में चले गए क्यों क्योंकि ये गंगा नदी है और गंगा नदी के दक्षिण में सबसे पहले यहां पर क्या हो गया कगारी मिट्टी ये पांचवा नंबर क्या हो गया कगारी मिट्टी याद रख कर लीजिए दिमाग में बैठ जाएगा मैं नाम भी लिखते हुए चलता हूं है ना ये क्या हो गया उप हिमालय हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी ठीक है ना सबसे पहला दूसरा क्या हो गया ये तराई मिट्टी हो गया है ना यहां से पूरा विस्तार है दो नंबर फिर तीसरा ये क्या हो गया तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गई ठीक है चौथा ये क्या हो गया नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हो गया ठीक है फिर उसके बाद यहां पर हमने देखा कौन सी पांचवा नंबर पांचवा नंबर कौन सा हो गया कगारी मिट्टी का क्षेत्र हो गया ये छठवा नंबर ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा हो गया तो टाल मिट्टी का क्षेत्र हो गया उसके बाद ये सातवां नंबर ये कौन सा तो ये फिर से कौन सी हो गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हो गई ठीक है उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ब्लू वाला आठवां नंबर ये कौन सा हो गया तो ये बलथर मिट्टी का क्षेत्र हो गया उसके बाद ये क्या हो गया तो ये लाल बलुई मिट्टी और ये लाल पीली मिट्टी तो ये दस प्रकार की मिट्टियां है जिसको हमने यहाँ पर देखा आशा करता हूं आप सभी के मन मस्तिष्क में बैठ गया होगा इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लियर करवा लीजिए अन्यथा की स्थिति में आगे बढ़ते हैं अभी हमारे पास समय है तो चूंकि हमने मिट्टियां देख लिया तो मिट्टियों के साथ साथ कृषि की भी चर्चा हम यहाँ पर कर ही लेते हैं ठीक है क्योंकि इससे संबंधित लेटेस्ट डेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और फिर ये गायब हो जाएगा तो इससे बेहतर क्या है कि कृषि को भी हम यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है मजा आ रहा है ना एक बार सभी लोग बताएं मजा आ रहा है ना और मजा आ रहा है तो आप लोग शेयर नहीं कर रहे लाइक नहीं कर रहे लाइक की संख्या देखिएगा कल से भी कम है लाइक की संख्या है ना तो फिर ऐसे मजा नहीं आएगा बढ़े आगे चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और हमने यहां पर मिट्टियों की बात कर ली तो इसी से संबंधित हमारा कृषि है तो कृषि की भी चर्चा हम यहां पर कर लेते हैं अब देखिएगा बिहार में जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि कहीं पर लोगों का सबसे बड़ा आय का साधन हो जाता है व्यवसाय वैसे ही बिहार की अगर हम बात कर ले तो बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय अगर कोई है तो वो है आपका कृषि क्षेत्र कृषि क्षेत्र क्यों बिहार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार में वो सारी चीजें उपलब्ध है जो कृषि के लिए सबसे बेहतर होता है जैसे हमारे पास समतल उपजाऊ मैदान है लगभग पंचानवे परसेंट मैदानी क्षेत्र है तो हमारे पास समतल उपजाऊ मैदान है मैदान होने के साथ साथ यहां पर कार्य करने वाले जो मानव संसाधन है ये मानव संसाधन की भी अधिकता हमारे पास है सबसे ज्यादा है ना एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर देखिए तो बिहार प्रथम स्थान पर रहता है इसलिए हमारे पास सबसे ज्यादा मानव संसाधन भी है और मानव संसाधन के साथ साथ सिंचाई हेतु जो जल की आवश्यकता होती है तो हमारे पास जल संसाधन भी है है ना हमारे पास विभिन्न प्रकार की नदियां है हमने नहरों का निर्माण कर रखा है नलकूप हमारे पास है और इन सबके माध्यम से हम सिंचाई भी कर पाते हैं तो वो सारी स्थिति है ना हमारे पास उपलब्ध है बिहार में उपलब्ध है जिसके लिए कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है जैसे कि कृषि कार्य की अगर हम बात कर लें तो राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका विशेष योगदान है है ना जीडीपी में इसका विशेष योगदान है और अभी जो लेटेस्ट आपका आर्थिक सर्वेक्षण है इस सर्वेक्षण के आधार पर देखें तो जो बिहार राज्य है इस राज्य की आधा से भी अधिक श्रम शक्ति है यानी कि कार्य करने वाले जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से कृषि से जुड़ाव रखते हैं है ना कृषि से जुड़े हुए हैं तो जितने भी काम करने वाले लोग हैं उसमें आधा से ज्यादा है ना आधा से ज्यादा लोग जो है वो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं और इसका अगर हम योगदान देखें इसमें जीएसए ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी कि राज्य में जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि में अगर हम योगदान देखें तो 19 प्रतिशत का योगदान है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की तो आप समझ सकते हैं कि 19 प्रतिशत का योगदान है लेकिन एक बात ध्यान रखेगा जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे कि धीरे धीरे उस राज्य को हम डेवलप उस राज्य को कहते हैं जहां पर कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान कम हो जीडीपी में है ना जो द्वितीय क्षेत्र है उसका योगदान इससे थोड़ा सा ज्यादा सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का हो तो जितना कम हमारा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान होगा जीडीपी में हम कहेंगे कि वो क्षेत्र जो है है उतना ही ज्यादा विकसित तो पहले हमारे पास ये जो डेवलपमेंट था इक्कीस का योगदान था लेकिन हमने यहाँ पर और डेवलपमेंट कर लिया और ये धीरे धीरे घटते घटते उन्नीस पर आ चुका है तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र जो है ये राज्य के विकास में उन्नीस की हिस्सेदारी रखता है अब देखिए कृषि से संबंधित क्या है सबसे पहले कृषि भूमि क्षेत्र में कमी देखने को मिल जाती है क्यों कमी क्योंकि हमारे पास क्षेत्र उतने ही है लेकिन जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है है ना जो सबसे कम यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी 20 के ऊपर है है ना तो इतनी तेजी से हम अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा भूमि का बंटवारा होगा जैसे एक पिताजी थे उनके पास 20 कठे भूमि थे बीस बीघे भूमि थे ये समझिएगा बीस एकड़ मान लीजिए उनके दो पुत्र हुए दो से तो संतोष हुआ नहीं बिहार है भैया चार पांच हो जाते हैं तो चार बच्चे हो गए तो अब अगले बच्चों के हिस्से में कितने तो पांच पांच एकड़ आ जाएगा फिर वो भी बच्चे है ना उनके भी बच्चे होंगे उसके बाद फिर डिवाइड होते चला जाएगा और ऐसे करते करते क्या हो गया तो भूमि में कमी आ गई साथ ही साथ जितनी भी जनसंख्या होगी उनके रहने के लिए स्थान बनाना पड़ेगा तो रहने के लिए स्थान भूमि पर ही तो बनाएंगे तो भूमि इससे भी क्या हो रही है सिकुड़ सिकुड़ रही है अब वो रह रहे तो उनको जीवन यापन करने के लिए काम भी चाहिए और काम के लिए क्या करना पड़ेगा कहीं कहीं फैक्ट्री की स्थापना करना पड़ेगा ये भी कहा होगा तो हमारे भूमि पर ही होगा अब घर से उस फैक्ट्री तक जाने के लिए उसको यातायात की सुविधा चाहिए चाहे वो रेलवे से जाए या सड़क मार्गों से जाए तो इसके लिए भी क्या होगा भूमि का ही उपयोग किया जाएगा यानी कि हम जो विकास कर रहे हैं इन विकास के कारण धीरे धीरे हमारी भूमि जो है भूमि यहां पर सिकुड़ती जा रही है और इसका दर बिहार में ज्यादा है क्यों क्योंकि बिहार की जनसंख्या ज्यादा है तो सबसे पहली समस्या क्या है कि कृषि भूमि के क्षेत्र में कमी आ रही है और साथ सात ही साथ जलवायु देख लीजिएगा आपकी बार ही मॉनसून आया भैया वर्षा नहीं हुई वर्षा का मौसम चल रहा है वर्षा नहीं हो रही है ये क्या है जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो प्रतिकूल जलवायु की स्थिति है इस कारण से कहीं पर बाढ़ की समस्या है कभी तो कभी सूखे की समस्या आ जाती है और इन सभी कारणों से बिहार में कृषि की उत्पादकता में कमी आ रही है जो सबसे बड़ी समस्या है उत्पादकता में कमी नहीं आनी चाहिए वृद्धि होनी चाहिए लेकिन बिहार में इन उत्पादकता में कमी देखने को मिल रही है इसका निवारण कैसे किया जा सकता है तो वैसे क्षेत्र जहां पर सूखे की समस्या है हम सिंचाई की व्यवस्था कर दें जहां पर बाढ़ आ रहा है वहां पर बाढ़ नियंत्रण हेतु तो कोई कार्य साथ ही साथ जल निकासी योजनाएं भी बना दें कि किसी नदी में अगर ज्यादा जल होता है जैसे कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना हमने यहां पर प्रारंभ किया है तो इसके माध्यम से कोसी में जो है ना नदी का जल अधिक हो जाता है इसको हम मेची में प्रवाहित करने का प्रयास कर रहे हैं तो इस आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं ऐसी समस्याओं से निदान कर सकते हैं बाढ़ नहीं आएगा तो उन सभी क्षेत्रों में भी हम कृषि कार्य कर पाएंगे जहां पर बाढ़ के प्रभाव से नहीं हो पाती है तो इससे क्या होगा हमारी उत्पादकता बढ़ जाएगी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में हम कृषि कार्य कर पाएंगे साथ ही साथ हम फसल पैटर्न में भी परिवर्तन कर सकते हैं यानी कि हम कृषि क्षेत्र में परंपरागत तरीके का ही सारी चीजें करते हैं है ना पहले से जिस चीज की खेती होती चली आ रही है है ना हम गेहूं उत्पादित कर रहे हैं चावल उत्पादित कर रहे हैं विविधता नहीं ला रहे हैं तो हम फसल फसल पैटर्न को भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं गेहूं चावल के मध्य में हम दलहन फसल भी उत्पादित कर सकते हैं इससे उत्पादकता हमारी बढ़ेगी उर्वरकता यहाँ पर बढ़ेगी साथ ही साथ फसलों में हम विविधीकरण ला सकते हैं हाई इल्ड प्रकार के जिसे हाईब्रिड प्रकार के बीज कहते हैं इसमें उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है तो ऐसे बीजों का हम लोग प्रयोग कर सकते ते हैं कृषि प्रथाओं में परिवर्तन कर सकते हैं और बेहतर पोस्ट फसल प्रौद्योगिकी यह क्या होती है देखिएगा भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पर फसल उत्पादित हो गया सरकार फसल खरीद भी लेती है उसको स्टोर रखने के लिए कि भविष्य में हम क्या करेंगे लोगों को इसको वितरित करेंगे जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत लेकिन सरकार खरीद तो लेती है लेकिन जहां पर रखा जाता है गोडाउन जो है गोडाउन की हमारे पास कमी है इस कारण से आप देखेंगे कहीं पर बस स्टैंड पर ऐसे ही बुरी के बुरी अनाज रखे गए हैं और उसको केवल एक पोलिथीन से हमने ढक रखा है बारिश आएगी वो सड़ जाती है है ना रेलवे ट्रैकों पर भी ऐसे ही रखा गया हमारे पास गोडाउन की कमी है तो पोस्ट है ना बेहतर पोस्ट फसल प्रौद्योगिकी का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं और इन सब के आधार पर हम इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं इसमें राज्य सरकार की भूमिका क्या सक, हो सकती है तो फसलीकरण का विविधीकरण की नीति और साथ ही साथ अन्य विभिन्न प्रकार के उपाय यहाँ पर लाए जा रहे हैं ये जो मैंने यहाँ पर बताया यह मु, मुख्य रूप से मुख्य परीक्षा हेतु तो बहुत ही महत्वपूर्ण था प्रारंभिक परीक्षा में इसकी कोई योगदान नहीं है लेकिन योगदान कहां है जो अब बताने जा रहा हूं यह प्रारंभिक परीक्षा की महत्व है ना दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है ठीक है ये देखिएगा भी मुख्य परीक्षा का ही है तो इसको मैं यहाँ पर स्कीप कर रहा हूं है ना जब मुख्य परीक्षा करेंगे तो वहां पर सारी चीजें बताऊंगा यह भी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है तो इसको मैं यहाँ पर स्कीप कर रहा हूं क्योंकि हमारा उद्देश्य है प्रारंभिक परीक्षा अब देखिएगा यह है जलवायु प्रदेश और जलवायु प्रदेश को देखकर है ना अच्छा जलवायु प्रदेश कृषि हो गया ना कृषि से और भी स्लाइड था शायद इधर उधर चला गया है हाँ ये रहा कृषि प्रदेश तो कृषि प्रदेश भी है ये भी हमारा मुख्य परीक्षा से संबंध रखता है तो इसको भी हम यहाँ पर छोड़ते हैं और आते हैं यहाँ पर है ना जलवायु क्षेत्र जोन ठीक है अच्छा ये जलवायु देखिए स्लाइड आगे पीछे हो गया है कोई दिक्कत नहीं है जो चीजें करनी है वहां पर हम आएंगे देखिएगा कृषि से संबंधित जो लेटेस्ट हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण है वह है 2020-21 वाला और 2020-21 के हम यहाँ पर बात कर ले उसके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी यहाँ पर दिखेगा जैसे पिछले पांच वर्षों की हम बात करें तो पिछले पांच वर्षों में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र जो है इसके वृद्धि दर कितनी रही है दो दशमलव एक प्रतिशत ये क्या है करेंट अफेयर है ध्यान में ये क्या है अफेयर है तो पिछले पांच वर्षों में कृषि एवं इसमें दस प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और मत्स्य पालन में सात प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है ये बातें भी यहां पर ध्यान में रखिएगा अब बात कर ले दो हजार बीस इक्कीस में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में कितना योगदान रहा कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का तो ये 19 प्रतिशत का योगदान रहा ये भी हमने अभी भी देखा अब देखिएगा 2020-21 में अनुमानित जो खाद्यान्न उत्पादन यहाँ पर अनुमान लगाया गया वो कितना तो लगभग 18 लाख टन यहाँ पर उत्पादन का अनुमान लगाया गया था साथ ही साथ 2019-20 में फसल सकल फसल क्षेत्र सकल फसल क्षेत्र का मतलब क्या हुआ वैसे क्षेत्र जहां पर फसल का उत्पादन किया गया इसको सकल फसल क्षेत्र कहा जाता है और ये लगभग तिहत्तर लाख हेक्टेयर क्षेत्र था जहां पर कृषि कार्य किए गए वर्ष दो हजार में ये डेटा होती है पिछले वर्षों की डेटा इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में दी जाती है तो ये 2019-20 के आधार पर है और 2019-20 में जो हमारे पास फसल सघनता थी वो एक प्रतिशत थी क्या फसल सघनता सबको समझ में आता है आइए एक बार समझने का प्रयास करते हैं मान लीजिए मेरे पास दस एकड़ भूमि है।, है ना मेरे पास क्या है दस एकड़ भूमि है वर्ष भर में मैंने इसमें एक फसल उत्पादित किया पूरे के पूरे दस एकड़ में तो हम कहेंगे कि यहाँ की फसल सघनता कितनी है हंड्रेड परसेंट है यानी कि वर्ष भर में हमने एक फसल उत्पादित किया लेकिन हमने वर्ष भर में इसमें दो फसल उत्पादित कर लिया पूरे के पूरे दस एकड़ में तो क्या हो गया हमने डबल फसल उत्पादित किया इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ की फसल सघनता कितनी है दो सौ प्रतिशत है तो एक सौ चौवालिस का मतलब समझ में आ गया कि ये लगभग तिहत्तर लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है इसमें एक बार पूरा और एक बार आधे से थोड़े कम क्षेत्र में हमने क्या किया फसल उत्पादित किया तो आशा करता हूं फसल सघनता भी आप सभी को समझ में आ गया होगा कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तीन तीन फसल उत्पादित कर लिए जाते हैं अगर पूरे क्षेत्रों में तीन फसल उत्पादित कर रहे हैं तो हम फसल सघनता क्या कहेंगे कि यहां पर 300 प्रतिशत इसकी फसल सघनता है तो 2019-20 में फसल सघनता हमारे पास कितनी एक थी ये बातें पर ध्यान में रखिएगा अब देखिएगा वर्ष 2019-20 में एक होता है सिंचित क्षेत्र हमारे पास कुल क्षेत्र कितने हैं लगभग तिहत्तर लाख हेक्टेयर क्षेत्र जिस पर हमने क्या किया फसल का उत्पादन किया लेकिन इसमें से वैसे क्षेत्र जहां पर सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था है कितने क्षेत्रों पर तो लगभग चौवन दशमलव तीन पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है ये पूर्ण रूप से सिंचित क्षेत्र है यहां पर पूर्ण रूप से व्यवस्था है चाहे यहां पर जो आपके नहर हो गए है ना नहर हो गए चाहे नलकूप हो गए चाहे तालाब हो गए इन सब के माध्यम से हमने सिंचाई की पूरी व्यवस्था कर रखी है बाकी जो बच गया ये मॉनसून के ऊपर निर्भर करने वाले क्षेत्र हो गए और भारत में जो कृषि होती है मुख्य रूप से मॉनसून आधारित ही किया जाता है कि अब रोप दे तो अब बरसात आएगी दस दिन बाद तो उसमें पानी मिल जाएगा तो हम इस तरीके से पहले से करते आ रहे लेकिन वर्तमान समय में हमने सिंचाई की व्यवस्थाएं भी बेहतर तरीके से कर ली है उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था बेहतर करने के लिए जो सात निश्चय बिहार में चलता है सबसे पहले सात निश्चय चला था ये सात निश्चय टू चल रहा है और सात निश्चय टू में हर खेत तक सिंचाई का पानी यानी कि इसके तहत क्या किया जा रहा है जितने भी खेत है उस खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई हुई है जैसे कि आपके पास खेत है तो आपके खेत तक बिजली उपलब्ध करवाएगी साथ साथ ही वहां पर एक एक पाइप लगवा देगी नलकूप वाली कि कि आपके खेत तक पानी पहुंच सके सस्ते दामों में में तो इस सात निश्चय निश्चय से एक ये रखा गया है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचना चाहिए और साथ ही साथ जल जीवन हरियाली मिशन जो चल रहा है इसके तहत भी विशेष यहाँ पर योगदान किया जा रहा है ताकि यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था बेहतर किया जा सके और जो हमारे पास हंड्रेड सिंचित भूमि क्षेत्र नहीं है उसको 100% परसेंट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है साथ ही साथ दो हजार में देखे तो मछली का उत्पादन में लगभग 6.83 लाख टन यहाँ पर उत्पादन हुआ और मछली के उत्पादन में हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं साथ ही साथ अगर हम दूध उत्पादन की बात कर ले वर्ष दो हजार में तो एक लाख टन हमने दूध का भी उत्पादन इस समय किया हुआ है ये सारी डेटा है अब और क्या प्रश्न पूछ ले जाएंगे तो उत्पादन एवं उत्पादकता से यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं तो ध्यान रखिएगा ये हाल ही का रिपोर्ट है जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण अच्छा इतने सारे कमेंट करके डिलीट कर दिए गए आप लोग कर क्या रहे जया जी विक्रम जी है ना आप लोग कर क्या रहे मैसेज और डिलीट ये सही बात नहीं है ना पढ़ाई के लिए आए तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए अब देखिएगा उत्पादन एवं उत्पादकता सबसे पहले मैं उत्पादन समझा देता हूं उत्पादकता समझा देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं तब आप लोगों को यहां पर अच्छे से समझ में आएगी नहीं तो दिमाग में टेंशन यहां पर भरा रहेगा सबसे पहला शब्द यहां पर क्या है उत्पादन ठीक है और दूसरा शब्द क्या है उत्पादकता ठीक है अब देखिएगा समझाने का प्रयास करो एक क्षेत्र हमने लिया ये यहां पर दो एकड़ क्षेत्र है ठीक है दो एकड़ क्षेत्र हमारे पास है और एक क्या है यहां पर हमारे पास पांच एकड़ क्षेत्र है ठीक है दोनों ही जगहों पर हमने क्या किया धान लगा दिया धान लगाने के पश्चात इस दो एकड़ क्षेत्र में मैं ऐसे ही अंदाजन लेकर चल रहा हूं कि दो एकड़ क्षेत्र में हमने दस क्विंटल धान उत्पादित कर लिया ठीक है दो एकड़ क्षेत्र में हमने दस क्विंटल एक व्यक्ति है व्यक्ति ए और यहां पर क्या है व्यक्ति बी तो व्यक्ति ए ने अपने दो एकड़ क्षेत्र में दस क्विंटल क्या कर लिया धान उत्पादित कर लिया व्यक्ति बी के पास पांच एकड़ भूमि है इसने भी धान की खेती की और इस पांच एकड़ में इसने बीस क्विंटल जो है ना बीस क्विंटल जो है बीस क्विंटल धान का उत्पादन कर लिया अब इसे समझिएगा उत्पादन किसे कहेंगे उत्पादकता किसे कहेंगे ठीक है समझने का प्रयास कीजिएगा अगर यहां पर मैं बोलूं कि उत्पादन किसका ज्यादा हुआ तो आपको दिख रहा होगा कि व्यक्ति ए ने 10 क्विंटल यहां पर धान उत्पादन किया जबकि व्यक्ति बी ने यहां पर 20 क्विंटल धान का उत्पादन किया तो अगर हम उत्पादन की बात कर ले है ना उत्पादन तो यहां पर उत्पादन कौन ज्यादा किया तो उत्पादन बी वाले ने ज्यादा किया उसने 20 क्विंटल यानी कि इससे 10 क्विंटल ज्यादा इसने उत्पादन किया तो बी का उत्पादन ज्यादा हो गया लेकिन यही उत्पादकता की बात तो उत्पादकता कैसे होगी तो प्रति एकड़ कितना उत्पादन हुआ तो यहां पर दो एकड़ है दस में दो से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्विंटल पर है ना पांच क्विंटल पर एकड़ जो है यहां पर उत्पादन हुआ इसने व्यक्ति ए ने एक एकर में उत्पादन किया। वही अगर बी की बात करें तो बी है पांच से, से डिवाइड करेंगे इसने चार है चार क्विंटल ठीक है इसने एक एकड़ में चार क्विंटल उत्पादन किया तो अब आप देखेंगे कि उत्पादकता यानी कि कम क्षेत्र में ज्यादा कौन उत्पादन किया व्यक्ति ए ने उत्पादन किया इसलिए हम कहेंगे कि उत्पादकता जो है ये ए की ज्यादा है इसने एक में क्विंटल धान उत्पादित किया जबकि व्यक्ति बी ने है इसने एक एकड़ क्षेत्र में चार क्विंटल का उत्पादन किया तो आशा करता हूं उत्पादन और उत्पादकता आप सभी को समझ में आ गई होगी अब आइए यहां पर देखते हैं उत्पादन एवं उत्पादकता सबसे पहले चावल की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन रोहतास जिले में किया गया पूरे बिहार में जितना भी उत्पादन हुआ इसका बारह दशमलव आठ प्रतिशत चावल जो है ये रोहतास जिले में उत्पादन की गई जबकि उत्पादकता की बात कर ले तो पश्चिम चंपारण की उत्पादकता ज्यादा रही एक हेक्टेयर क्षेत्र में चार हजार छह सौ बीस किलो चावल का उत्पादन किया गया ये बातें समझ में आ गई तो रोहत अगर उत्पादन पूछे कि चावल का उत्पादन निम्न में से किस जिले में सबसे ज्यादा हुआ तो ये रोहतास में हुआ लेकिन उत्पादकता की बात कर ले तो ये पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा रही अब बात कर ले गेहूं की गेहूं का भी उत्पादन की बात कर ले तो सबसे ज्यादा रोहतास जिले में उत्पादन हुआ कितना तो बिहार में जितने भी गेहूं का उत्पादन हुआ उसका दस दस चार प्रतिशत गेहूं अकेला यहां पर रोहतास जिले में उत्पादन किया गया तो उत्पादन तो रोहतास जिला लेकिन उत्पादकता की बात कर ले तो बेगूसराय में ज्यादा रहता है इसने एक हेक्टेयर क्षेत्र में तीन किलोग्राम गेहूं का उत्पादन किया माफ कीजिएगा ठीक है तो ध्यान रखिएगा गेहूं में उत्पादन पूछे तो रोहतास और उत्पादकता पूछे तो बेगूसराय नंबर वन पर है वही अगर मक्के की बात कर ले तो मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा कटिहार में किया गया कितना पूरे बिहार का साढ़े उन्नीस प्रतिशत मक्के का उत्पादन अकेले कटिहार जिला में किया गया लेकिन उत्पादकता की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादकता अररिया की रही इसने एक हेक्टेयर क्षेत्र में नौ किलोग्राम माफ कीजिएगा 9419 किलोग्राम मक्के का उत्पादन इसने किया इसके बाद दो चीजें और दलहन की बात कर ले तो उत्पादन की बात करें दलहन सबसे ज्यादा पटना में किया गया बिहार में जितना भी दाल का उत्पादन हुआ उसका पंद्रह दशमलव नौ प्रतिशत दाल केवल अकेले पटना ने उत्पादित किया लेकिन वही उत्पादकता की बात करें तो जहानाबाद की उत्पादकता सबसे ज्यादा रही इसने एक हेक्टेयर क्षेत्र में चौदह सौ बावन किलोग्राम दलहन का उत्पादन किया उसके बाद ईख की बात कर ले तो ईख के बारे में मैंने पहले ही पढ़ाया था उत्पादन की बात कर ले आधा से बिहार का आधा से अधिक ईख का उत्पादन पश्चिम चंपारण अकेले करता है है ठीक तो जितना भी बिहार में ईख का उत्पादन होता है इसका तिरपन दशमलव चार प्रतिशत अकेले पश्चिम चंपारण उत्पादन करता है जबकि उत्पादकता की बात कर ले तो यह किशनगंज की ज्यादा रही एक हेक्टेयर क्षेत्र में इक्यानवे दशमलव पांच एक 95, 5, किलोग्राम का उत्पादन हाँ पर किया गया तो ये सारी डेटा थी जिसके अंतर्गत आज लगभग हमने तीन से चार टॉपिक कंप्लीट किया और जो भी चीजें मैंने पर दी है विद अफेयर दिया है आप सबका स्क्रीन लेते हुए भी चले है ना और जो पीडीएफ आपको मिल रहा है उसको भी आप लोग डाउनलोड करें और उसके माध्यम से भी आप लोग अपना रिवीजन करते हुए चलें तो आज की कक्षा कैसी लगी आप सभी लोग फीडबैक अवश्य ही दें साथ ही साथ वीडियो समाप्त होने के पश्चात कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य ही दें क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है आपका अपना परिवार जो है कुमार क्लासेस की इसका डेवलपमेंट इसकी वृद्धि आप लोगों के हाथ में ही है तो इसका वृद्धि करवाना आपकी जिम्मेदारी है है ना इसको विकसित करवाना आपकी जिम्मेदारी है इसलिए आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य ही दें वीडियो अच्छी लगी हो क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग इसे लाइक भी करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी यहां पर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य ही दें ठीक है अच्छा हरिशंकर जी कहना है सहवर्ती क्षेत्र यानी कि जिसको कृषि के अंतर्गत ही रखा जाता है जैसे कृषि के साथ साथ पशुपालन हो गया मत्स्य पालन हो गया है ना जल कृषि हो गई ये सभी इसके सहवर्ती क्षेत्र में हो जाता है, है ना मुर्गी पालन हो गया उसमें अंडे का उत्पादन हो गया सब के सब कृषि के सहवर्ती क्षेत्रों में आ जाते हैं ठीक है क्लियर चलिए सब लोग यहां पर बोल रहे हैं नाइस सेशन मजा आया तो यहां तो बोलना ही बोलना है साथ ही साथ वीडियो समाप्त होने के पश्चात कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर कमेंट कीजिए वहां का कमेंट यूट्यूब देखता है और उसी के आधार पर चैनल का ग्रोथ निश्चित करता है ठीक है सबको मजा आ गया तो अभी तक हमने बिहार राज्य विशेष के अंतर्गत चार घंटे कर लिए कल की कक्षा में पूरा बिहार का भूगोल समाप्त हो जाएगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके यहां से आएंगे और यह भी दावा है कि YouTube पर कोई भी ऐसा क्रैश कोर्स नहीं दे सकता क्योंकि ऐसा क्रॉस क्रैश कोर्स देकर आप सभी से पांच से दस हजार रुपए लिए जाते हैं जो चीजें मैं यहां पर फ्री में दे रहा हूं

टेस्ट सीरीज को आप लोग इजिली दे सकते हैं वहां पर हर संडे को टेस्ट करवाऊंगा जो मंडे टू फ्राइडे हम लोग यहां पर कक्षाएं करेंगे मंडे टू फ्राइडे कितने घंटे हो जाएंगे एक दिन अगर चार घंटे हो रहे हैं तो पांच दिन बीस घंटे की कक्षा होगी और बीस घंटे में जितना हम लोग पढ़ लेंगे ना सौ घंटे प्रश्नोत्तरी फॉर्मेट में अगर पढ़ के भी उतना नॉलेज मिल जाए तो फिर आप लोग कहिएगा कि मैं भी शिक्षा क्षेत्र में ही हूं और सात साल से भी ज्यादा हो गए शिक्षा क्षेत्र में रहते हुए मुझे भी एक्सपीरियंस है मैंने भी बहुत प्रश्नोत्तरी सीरीज करवाया हुआ है लेकिन उससे उतना फास्ट हम रिविजन नहीं कर सकते जितना फास्ट मैं इस तरीके से करवा रहा हूं तो अगर इतना मैं मेहनत कर रहा हूं है ना जो चीज पेड बैक्स में मिलती है वो चीज मैं अगर फ्री दे रहा हूं तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुझे अवश्य ही पहुंचाएं और परिवार को बड़ा करने में आप लोग अपना सहयोग दें कल आप लोगों का सहयोग बेहतर था कल की कक्षा कक्षा में आज तक इतना ग्रोथ नहीं हुआ था कल कल की कक्षा में पचास लोग अपने परिवार में जुड़े हुए होंगे आप लोग भी काउंट करते होंगे क्योंकि सब्सक्राइबर्स की काउंटिंग आप लोग भी देख पा रहे होंगे मैं भी देख पा रहा हूँ तो कल कल में केवल पचास लोग जुड़े हुए हैं ऐसे ही अगर हर दिन रहे पचास सौ डेढ़ सौ दो सौ जुड़ते रहे तो बहुत लंबा समय नहीं मिलेगा लगेगा जिस मुकाम पर हम यहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है चलिए बिहार जनगणना एक... 2000 ग्यारह वाला ही है मैं करवा दूंगा टेंशन नहीं लेना है मैंने बोला है ना कि जितना मुझसे बने रहिए जितना मैं करवा रहा हूं उसको रट जाइए याद कर जाइए 120 प्लस अगर ना आए तो फिर बोलिएगा शशि सर ने कुछ कहा हुआ है ठीक है ना तो बस मेरे साथ आप सभी को जुड़ना हाँ ठीक है ठीक है अभिषेक जी साम वाली क्लास जो है वो मैं शेड्यूल करूंगा तो वेब पर भी उसको अनुमति दे दूंगा आप लैपटॉप पर भी उस क्लास को कर पाएंगे ठीक है बिल्कुल विवेक जी टेंशन नहीं लेना है सारी चीजें मैं उपलब्ध करवाऊंगा जहां से भी क्वेश्चन आते हैं जनगणना से आपके तीन से चार क्वेश्चन आते हैं तो जनगणना कैसे छोड़ सकते हैं है ना तो जनगणना तो करवाना ही करवाना है टेंशन नहीं लेना है सब कुछ होगी ठीक है तो अभी सेशन को समाप्त करते हैं क्योंकि मैंने भोजन किया भी नहीं है और सवा ग्यारह हो गए बारह बजे से फिर आपकी अगली क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की तो सब लोग उपस्थित होइएगा कल की कक्षा में भी आप लोगों ने बेहतर सहयोग दिया सबको अच्छा लगा मॉडर्न हिस्ट्री की कक्षा तो आज भी और भी मजा आएगा तो सब लोग वहाँ पर उपस्थित होइएगा और आज और कल में ना मेरी कोशिश रहेगी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप सभी का कंप्लीट करवा दूं ठीक है तो फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं बारह बजे आप लोग उसमें अवश्य ही भाग लीजिएगा है ना ताकि अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसके आधार पर आप लोग अपना जांच भी कर पाए ठीक है तो आइए सबसे पहले यहां पर स्क्रीन पर, पर दिखाई दे रहा है, ये 2019 के डेटा के पर है। लेकिन यहां पर लेते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो पीडीएफ सेंड करूंगा आप सभी को इसमें तो पुराना पीडीएफ में एडिट करने के लिए मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है इसलिए जो आपको पीडीएफ जाएगी वो 2019 वाली डेटा जाएगी लेकिन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहां पर दो 2021 वाली डेटा आपके समक्ष है तो स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलेगा और पीडीएफ से जो आप अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे उसमें ये लेटेस्ट डेटा अवश्य ही डालते हुए चलिएगा ठीक है तभी जाके क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं ना पुस्तकें हम बार बार क्यों खरीदते हैं अगर हमारे पास पुराना नोट्स है उसमें हम अपडेट करते हुए चले करेंट के आधार पर तो हमें नई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ठीक है तो वही सारी चीजें एक बार नोट्स बनता है लेकिन उसमें अपडेटेशन जरूरी है नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे ठीक तो आइए हम बात करते हैं वन की अगर हम बिहार की स्थिति की बात कर लें तो बिहार की स्थिति कहां पर है मैदानी क्षेत्रों में है जो मध्य गंगा का मैदान है यहां पर बिहार की स्थिति देखने को मिल जाती है साथ ही साथ चूंकि आप सबको पता ही है भूगोल में है ना जो मानव भूगोल हम पढ़ते हैं वहां पर आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या होती है वो मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है और मैदानी क्षेत्रों में भी मुख्य रूप से नदियों के किनारे यही कारण आप देखते हैं कि प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है वो सब के सब किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई है क्योंकि वहां पर कृषि योग्य भूमि भी हो जाती है और उसको सिंचित करने के लिए जल भी मिल जाता है जीवन जीने के लिए जल की भी आवश्यकता है इसलिए जितने भी आपको प्राचीन कालीन नगरीकरण देखने को मिलेगा वो नदियों के किनारे देखने को मिलेगा और बिहार की जो स्थिति है ये मैदानी क्षेत्र में है ग, गंगा के मध्य मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलता है इसलिए यहां पर अत्यधिक जनसंख्या है ना अत्यधिक जनसंख्या देखने को मिलती है और इस जनसंख्या के भार के कारण बिहार में धीरे धीरे वनों की संख्या कम होती चली गई है जैसे आप सबको पता ही है सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें जनघनत्व की बात कर ले जनघनत्व का मतलब क्या होता है अभी जनसंख्या और अधिवास वाले में देखेंगे एक व वर, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जितने लोग निवास करते हैं उसको जनघनत्व कहते हैं और भारत की अपेक्षा देखें तो तीन गुना से भी ज्यादा लोग जो है ये एक वर्ग किलोमीटर में है ना बिहार में निवास करते हैं ठीक है एक हजार से भी ज्यादा ग्यारह सौ से भी ज्यादा है है ना इसकी भी हम चर्चा करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बिहार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जनसंख्या पर अगर दबाव है तो ये दबाव कहाँ यहाँ की धरती पर पर पड़ेगी और जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी वनों की उतनी ही कटाई यहाँ पर बड़े स्तर पर की जाएगी बहुत सारे कारण यहां पर होता है इसलिए कृषि भूमि पर दबाव कैसे पड़ेगा देखिएगा अब जनसंख्या ज्यादा है तो इसको खाने के लिए भोजन चाहिए जनसंख्या को भोजन चाहिए खाने के लिए और भोजन के लिए क्या करना चाहिए कृषि क्षेत्र है यही से तो उत्पादन करेंगे तो कृषि क्षेत्र पर दबाव होगा और कृषि क्षेत्र पर दबाव होगा तो अन्य कृषि भूमि बनाने के लिए हम जंगलों की कटाई करेंगे तो इससे क्या हुआ वनों का क्षरण हुआ इसके बाद जनसंख्या ज्यादा हुई तो उसके रहने के लिए आवास चाहिए आवास बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे जंगलों की कटाई करेंगे फिर उसको काम के लिए क्या चाहिए तो फैक्ट्री चाहिए कंपनी चाहिए जहां पर वो कार्य कर सके तो वो बनाने के लिए फिर हम जंगलों की कटाई करेंगे फिर घर से वहां जाने के लिए उसको क्या चाहिए सड़क चाहिए परिवहन चाहिए और उसको बनाने के लिए फिर हम जंगलों की कटाई करेंगे तो इन सबसे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वनों का क्षरण होते चला जाएगा और बिहार में वनों की

पर जो भारत की 2.86% क्षेत्र इतने पर बिहार अवस्थित है लेकिन अगर जनसंख्या की बात कर ले तो आप सबको पता ही है कि यहां की जनसंख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है लगभग 11 करोड़ के आसपास है और जनसंख्या के आधार पर देखें तो लगभग 8.86% प्रतिशत के आसपास पूरे भारत की जनसंख्या बिहार में निवास करती है तो हमारे पास पूरा क्षेत्रफल कितना है चौरानवे वर्ग किलोमीटर और कहा जाता है कि कम से कम 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र होने चाहिए ताकि बेहतर तरीके से जीवन यापन किया जा सके लेकिन भारत में देखें तो इसकी अपेक्षा कितनी मात्र सात क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर आपको वनावरण देखने को मिलता है और यह कितना मात्र सात हजार तीन सौ इक्यासी वर्ग किलोमीटर तो आप समझ सकते हैं एक तरफ देखें तो हमारी आवश्यकता कितनी है कम से कम तैतीस प्रतिशत लेकिन हमारे पास आठ प्रतिशत भी नहीं है तो इतनी कम संख्या में वन होने का कारण क्या है वही जनसंख्या अधिक से अधिक होना ठीक है चलिए बहुत सारे लोग अभी यहां पर उपस्थित हो रहे अच्छा मोहित जी बोल रहे हैं कल जो हमने वीडियो करवाया था है ना तो इन्होंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है जैसे आस्था आई एस अकेडमी का टेस्ट सीरीज इन्होंने ज्वाइन कर रखा है और इनका कहना है कि केवल कल कल के वीडियो से चार से पांच क्वेश्चन जो है वो आस्था आई के टेस्ट सीरीज में थे बिल्कुल होंगे मैं कुछ छोड़ता ही नहीं तो कहां से क्वेश्चन आएंगे मैं तो यहां तक गारंटी देकर चलता हूं कि आप पढ़ लीजिए है ना जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ लीजिए 80 से पचासी परसेंट क्वेश्चन आपके अपने नोट्स से आएंगे है ना और जब एक वीडियो में चार से पांच क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारे पास तो अभी दिन है है तो वीडियो होनी है वीडियो होनी ना करंट अफेयर की बात कर ले तो सौ नहीं आएगा क्वेश्चन है ना तो जब गारंटी देकर चलता हूं तो पढ़िए ना मजेदार तरीके से रिविजन की ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन के लिए बस मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं और आए हुए प्रश्नों के आधार पर पढ़ा रहा हूं बस इतना सोच के चलिएगा कभी आपके साथ धोखा नहीं होगा ठीक है ना चलिए अर्जुन जी आ, आ, मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाया था आपकी क्लास का उसमें अपडेट कर देंगे हाँ बिल्कुल जो पहले से मुझसे पढ़ चुके हैं बिहार है स्पेशल तो वो बस अपडेट कर लेंगे डेटा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो ये समझ में आ गया कि हमारे पास कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आठ परसेंट से भी कम क्षेत्रफल पर हमारे पास वनावरण है ये बातें ध्यान में रखिएगा अब बिहार के पास क्या है वन कम है तो अब वन की प्रतिशत ज्यादा दिखाने के लिए इसमें वनावरण और वनाच्छादन दोनों को जोड़ देता है और दोनों को भी जोड़ेगा तब भी दस परसेंट के आसपास ही दिखेगा यह भी मैं आपको यहां पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं अब देखिएगा अगर हम वनों की बात कर ले कि बिहार में कितने प्रकार के वन पाए पाए जाते हैं तो जो वर्षा है इस वर्षा के मात्रा के आधार पर बिहार के प्राकृतिक वनस्पतियों को हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं आप सबको पता ही है कल हमने देखा था कि बिहार की जो जो उत्तरी प्रदेश है यहां पर ज्यादा वर्षा होती है और दक्षिणी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कम वर्षा होती है है ना तो इसलिए जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होगी जहां पर एक सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी वहां पर आर्द्र पर्णपाती वनों का विकास हुआ है जैसे कि मुख्य रूप से देखे तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण हो गया उसके साथ साथ जो हमने मिट्टियों में तराई प्रदेश वाला क्षेत्र देखा था वहां पर भी ऐसे वनों के क्षेत्रफल देखने को मिल जाते हैं और वैसे क्षेत्र जहां पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहां पर शुष्क पर्णपाती वन का विकास हो गया है है ना जहां पर ज्यादा वर्षा होगी वहां पर आर्द्र और जहां पर कम वर्षा होगी वहां पर शुष्क तो ये मुख्य रूप से जो दक्षिण बिहार के जिले हैं कौन कौन से तो रोहतास औरंगाबाद कैमूर नवादा जमुई बांका

एक तो यह ऊंचाई तो पर है तो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में सवाना प्रकार की वनस्पतियों का विकास हो गया है तो प्रश्न अगर पूछ ले कि बिहार के किस क्षेत्र में सवाना प्रकार की वनस्पतियों की उपलब्धता है है ना या स्थिति है तो वह हो जाएगा हमारा सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्र क्योंकि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सवाना प्रकार के जो वनस्पति है उसका विकास हो वहां पर होते चला जाएगा और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से साल सीसम, खैर शेमल, तून ऐसे जो वृक्ष इन वृक्षों का यहां पर विकास देखने को मिल जाता है वही तराई क्षेत्र के वनों की हम बात कर लें तो इसके अंतर्गत जो हमने देखा था कहां कहां तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है ना और उत्तर पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों में इसका विकास देखने को मिल जाता है जिसके अंतर्गत पूर्णिया सहरसा अररिया किशनगंज ये सब जिले हैं इन सभी जिलों में एक संकीर्ण पट्टी के रूप में इसका विकास हुआ पड़ा है यहाँ पर जो प्रमुख रूप से वनस्पति देखने को मिलता है इसमें बांस नरकट झाड़ सवई घास इन सब का मुख्य रूप से यहाँ पर विकास देखने को मिल जाता है साथ ही साथ हमने देखा था कि इन क्षेत्रों में वर्षा भी अधिक होती है वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर जगह जगह पर दलदली भूमि का भी निर्माण हुआ है यह बातें भी यहां पर ध्यान में रखेगा सहरसा और पूर्णिया के उत्तरी सीमा क्षेत्रों में साल वृक्ष की एक पट्टी पाई जाती है यह भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है इतनी बातें क्लियर है संख्या आज कम क्यों क्या आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं अगर सेशन को शेयर नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा ना तो जो जहां कहीं भी जुड़ा हो एक बार दम लगा के सेशन को शेयर कीजिए तभी तो मजा आएगा है ना पेड चीजें मैं फ्री में दे रहा हूँ और आप लोग यहाँ पर शेयर भी नहीं कर रहे हैं है ना चलिए उसके बाद हमने बात की थी दूसरा वर्गीकरण शुष्क पर्णपाती वन और इसकी बात करें ये ऐसे क्षेत्रों में विकास होता है जहां पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और ऐसे वनों में झाड़ी और झाड़ी के साथ साथ जो छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं घास हो जाते हैं इन सब का विकास यहां पर देखने को मिलता है और बिहार के जो पूर्वी भाग है मध्यवर्ती भाग है और साथ ही साथ दक्षिणी पठारी है ना दक्षिणी पठारी क्षेत्र है इसके पश्चिमी भागों में इसका विकास मुख्य रूप से देखने को मिलता है और इन शुष्क पर्णपाती वनों में जो मुख्य रूप से वृक्ष होते हैं इनमें सीसम महुआ खैर आंवला पलास आसन अमलतास ऐसे विभिन्न प्रकार के वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं अब आपके प्रश्न कहां से आएंगे देखिएगा है ना बिहार कितने बड़े स्तर पर बिहार सरकार कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर शलाखी करके अपने आप को ज्यादा वन जो है वो दिखाने का प्रयास करती है अब देखिएगा अगर बिहार में हम वनों के प्रकार की बात कर ले कि बिहार में कैसे कैसे वन हैं तो ध्यान रखिएगा बिहार में वनों की है ना एक क्या होती है सघनता सघनता का मतलब क्या होता है मान लीजिए एक हेक्टेयर क्षेत्र है उसका लगभग सत्तर प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्रों को वनों के द्वारा आच्छादित कर दिया जाता है तो इसको अति सघन वन बोलते हैं ठीक है थेके? एक हेक्टेयर क्षेत्र हमारे पास है उस हेक्टेयर क्षेत्र क्षेत्र में इतना वन है है कि उसका लगभग या उससे अधिक जो है वो आच्छादित है तो ऐसे वनों को हम क्या बोलते अति सघन वन उसके बाद कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां पर वनों की संख्या इससे कम है यानी कि एक हेक्टेयर वैसा क्षेत्र जहां पर चालीस से सत्तर प्रतिशत क्षेत्र जो है ये वनों से आच्छादित है इसको मध्यम सघन प्रकार का वन बोलते हैं और एक सबसे अंतिम क्या हो जाता है तो ऐसे क्षेत्र जहां पर 10 से लेकर 40 प्रतिशत क्षेत्र जो है वो वनों से आच्छादित है इसको खुले वन की संज्ञा दी जाती है और बिहार में ये तीन प्रकार के वन यहाँ पर विभाजित किया जाता है, है ना इंग्लिश में वेरी डेंस्ड फॉरेस्ट है ना मध्यम सघन वन को मीडियम डेंस्ड फॉरेस्ट और खुले वन को ओपन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है अब प्रश्न पूछ जाता है कि यहां में है ना ये जो प्रकार है इस प्रकारों में सबसे ज्यादा वन कौन से है तो ध्यान रखिएगा अति सघन का मतलब क्या हो गया जहां पर 70 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित है और इसकी संख्या सबसे कम है मात्र 333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 2019 की जो डेटा थी उसमें भी मात्र 333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही था और 2021 वाले वाला जो डेटा है उसमें भी मात्र 333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ही इतना वन साधन है तो ध्यान रखिएगा सबसे कम परसेंटेज जो है वो अति सघन वन वाला है और हंड्रेड परसेंट वन आच्छादन की बात कर ले तो इसमें मात्र साढ़े चार प्रतिशत क्षेत्र जो है वो तो अति सघन वन का क्षेत्र पाया जाता है उसके बाद मध्यम सघन वन ऐसा क्षेत्र जहां पर चालीस से सत्तर परसेंट सघनता पाई जाती है और इसकी बात कर ले तो चौवालीस दशमलव पांच प्रतिशत क्षेत्र जो है ये इसके अंतर्गत आता है और इसकी भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है मात्र तीन हजार दो सौ छियासी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पर आपका मध्यम सघन वन विस्तारित है और वहीं तीसरा हमारा क्या हो गया खुला वन और बिहार में सबसे ज्यादा खुले वन का परसेंटेज है इक्यावन प्रतिशत जो वन है बिहार में वो खुले वन है खुले वन का मतलब क्या जहां पर वनों की सघनता 10 से 40 परसेंट हो तो ये बातें ध्यान में रखिएगा और ये तीन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पर इसका विस्तार पाया जाता है और तीनों को अगर हम जोड़ दे तो सात हजार तीन सौ इक्यासी वर्ग किलोमीटर हमारा हो जाता है बिहार का वैसा क्षेत्र जो वन है और इसकी बात करिए पूरा क्या है हंड्रेड परसेंट है और पूरे बिहार के क्षेत्रफल की बात कर लें तो सात दशमलव आठ छह प्रतिशत क्षेत्र पर यह अभी विस्तारित है तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना यहाँ पर और योगदान करना है इसलिए मैं बोलता हूं जो भी हो है ना आप सबको कम से कम दस वृक्ष लगाने चाहिए है ना और लगाने के साथ साथ उसकी सेवा भी करनी चाहिए ताकि वो दसों के दसों यहाँ पर डेवलपमेंट करें और फिर आगे चलकर एक बड़े पेड़ के रूप में वो कार्य करें है ना तो सबको क्या करना है वृक्ष लगाना है और ये मौसम देख लीजिएगा हम क्या करते हैं देखिए यहां पर एक है ना वृक्ष लगाने का दिन आ जाता है और ये दिन कौन बनाया यूरोपीय लोग बनाए है ना तो वहां उनके अकॉर्डिंग हम क्यों लगाए अभी हमारे यहाँ मौसम चल रहा है वृक्ष लगाने वाला मौसम है बरसात का मौसम है यहाँ पर कम भी सेवा करे तब भी वृक्ष जो है बरसात के पानी से डेवलपमेंट कर जाता है तो ये समय काल है और आज आप सभी लोग प्रतिज्ञा करें कि कम से कम आज तो एक वृक्ष लगाएंगे ही लगाएंगे कम से कम और अपने जीवन में कम से कम पांच से दस वृक्ष अवश्य ही लगाए तब जाके बिहार में ये वृक्षों की संख्या है ये यहां पर कम होगा अच्छा सतीश ये कहना है डिटेल कहां पर पढ़ाइएगा सर डिटेल जो है पेड कोर्सेज है पेड कोर्सेज में आइए पूरा फुल डिटेल मिलेगा प्रीलिम्स मेंस सारी चीजें ठीक है क्लियर अच्छा मुझे कहना है मध्यम सगर्म दो हजार चार सौ इक्यावन नहीं नहीं ये लेटेस्ट डेटा है ध्यान रखिएगा जो 2021 की डेटा है वो डेटा मैं यहां पर दे रहा हूं अभी क्लास लेने से पहले चूंकि मैं जो भी पढ़ाता हूं बेहतरीन सोर्स से पढ़ाता हूं और आप सबको पता ही है कि छह पेज से भी ज्यादा है आर्थिक सर्वेक्षण है ना वो हो गया उसमें डेटा है और साथ ही साथ जो वन रिपोर्ट है 2021 का तो 2021 के वन रिपोर्ट से ही आर्थिक सर्वेक्षण में डाली जाती है तो वहां से सारी डेटा को मैंने सम्मिलित किया हुआ है तो ये डेटा गलत नहीं है ये ध्यान में रखिएगा क्लियर आगे बढ़े आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे फिर मजा नहीं आ रहा है अब देखिएगा हमारे पास वनों की संख्या इतनी कम है अब देखिए यहां से और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है 2021 में बिहार में देखिएगा अब हमारे पास क्या है आठ परसेंट भी वन साधन नहीं है इसलिए अपने आप को थोड़ा सा और ज्यादा दिखाने के लिए बिहार सरकार जो है वन और दोनों क्षेत्रों को जोड़ लेती है है ना वन साधन और वृक्षाधन अगर दोनों को जोड़ लें तब भी हमारे पास दस दशमलव तीन प्रतिशत क्षेत्र पर ही पेड़ पौधे आपको दिखाई पड़ेंगे और ये टोटल नौ हजार सात सौ बहत्तर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तारित है है ना आप भी अपने घर के आगे वन है ना वृक्ष लगा दिए तो वहां पर कुछ क्षेत्र जो है, तो है, है, है किस जिले में है तो ध्यान रखिएगा अगर हम वन साधन की बात कर ले कि कहां पर सबसे ज्यादा वन साधन का क्षेत्र पाया जाता है तो इसमें नंबर वन पर आ जाता है आपका कैमूर एक हजार इक्यावन दशमलव छ किलोमीटर क्षेत्र जो है कैमूर का वन साधन है और बिहार का ये सबसे ज्यादा है उसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम चंपारण है जिसका नौ तीन, तीन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन है और तीसरे नंबर पर आपका रोहतास आ जाता है जो है ना माफ कीजिएगा ये 9000 बोल दिया ना 903 है ना पश्चिम चंपारण जो है इस तीन जिलों की बात करें तो तीनों सम्मिलित रूप से बिहार के जितने भी वन आच्छादन है उसका लगभग छत्तीस क्षेत्र जो है इन तीन जिलों जिलों में पाया जाता है वही अगर बात कर ले अति सघन वनों की

532 वर्ग किलोमीटर के आसपास आपको कैमूर में खुले वन वन आच्छादित है वही मध्यम सघनता वाले जो वन है जिसे मध्यम सघन वन बोलते हैं इनकी अगर हम बात कर लें तो उत्तरी और दक्षिणी बिहार की बात कर लें तो दक्षिणी बिहार में इसकी संख्या ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है तो ये पूरी डेटा थी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चाहे जहां से भी प्रश्न पूछ दे अब सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाने के लिए आप लोग यहाँ पर सक्षम है।, अब हमारे पास इतनी कम संख्या में वन है और सरकार भी अपना लगाकर इस पर लगी हुई है कि हम ज्यादा से ज्यादा वन क्षेत्र बिहार में ला सके टारगेट क्या है कम से कम 33 परसेंट हमारे पास 10 परसेंट भी नहीं है और वन साधन की बात करें तो ये 8 परसेंट भी नहीं है इसलिए सरकार के विभिन्न कार्यक्रम हैं। जैसे एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है हरियाली मिशन और हरियाली मिशन के तहत विभिन्न पौधों के जो है ना जो छोटे पौधे होते हैं पेड़ों के जो छोटे पौधे होते हैं जिसको हम लगाते हैं ऐसे पौधों का वितरण किया जा रहा है है ना नर्सरी बनाकर लोगों को दी जा रही है कि आप वहां पर पौधे है ना पौधों का विकास करें लोगों को कम रेट पर पौधे उपलब्ध करवाएं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या कर सके है ना पेड़ों को लगा सके साथ ही साथ उसकी देखरेख करने के लिए सरकार पैसे भी देती है पर पौधे है ना पांच से पंद्रह रुपए तक आपको यहाँ पर मिलता है उसकी देखरेख करने के तो ये सारे काम हरियाली मिशन के तहत किए जा रहे हैं। उसके बाद पर देखेंगे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम चल रहा है और इसके तहत भी विभिन्न क्षेत्रों में हम वन को लगा रहे हैं साथ ही साथ नमामि गंगे हैं इस नमामि गंगे के तहत जो गंगा नदी है इसके किनारों पर भी हम पेड़ पौधों को लगा रहे हैं साथ ही साथ यहाँ पर बांस मिशन है और बांस मिशन के तहत चूंकि करंट में भी मैं आप सभी को न्यूज बताया था कि बांस जो है अन्य पौधों की अपेक्षा ज्यादा कार्बन स्टॉक हमें उपलब्ध करवाता है इसलिए हमने बांस मिशन भी प्रारंभ किया है विभिन्न क्षेत्रों पर ऐसे क्षेत्र जहां पर है ना जैसे कि कोई बंजर भूमि हो गई सरकारी भूमि हो गई तो इन सभी क्षेत्रों पर हम बांस लगा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बांस लगाने का प्रयास कर रहे हैं साथ ही साथ जल जीवन हरियाली मिशन है इसके तहत भी बड़े स्तर पर हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो ये वन और वन स्थिति रिपोर्ट की टॉपिक थी जहां से प्रारंभिक परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते रहें। आशा करता हूं सबको बेहतर तरीके से समझ में होगी एक आ गया अच्छा सतीश जी बोल रहे हैं प्राइज कोर्स का बीपीएससी के बैच का जो प्राइस है इक्यावन सौ रुपए है जिसमें मेंस दोनों आप लोग कंप्लीट करेंगे इंटरव्यू तक मैं आपके साथ रहूंगा और यूपीएससी का बैच जो है इसका प्राइस जो है ग्यारह हजार रुपए है इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी चीज तैयारी करवाए जाएंगे ठीक है बहुत जल्दी मैं दो तीन टीचर भी लेकर आ रहा हूं क्योंकि ऐसे कोई टीचर मैं उठाकर लेकर नहीं आ सकता जिन पर विश्वास है, है ना जिनके साथ मैंने काम किया हुआ उन टीचरों को भी मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ है ना और फिर एक टीम आपके साथ लग जाएगी अभी तो मैं अकेले ही हूँ और कई लोग ये भी प्रश्न पूछ देते हैं कि अकेले सब कुछ पढ़ा लेते हैं क्यों ना पढ़ा लेंगे भैया अकेला व्यक्ति ही सिलेक्ट होता है चाहे बीपीएससी की बात कर ले यूपीएससी की बात कर ले या किसी एग्जाम की अकेला व्यक्ति ही तो सिलेक्ट होता है ऐसा थोड़ा ना कि आपकी जियोग्राफी का पेपर कोई और लिख रहा है है ना पॉलिटी का पेपर कोई और लिख रहा है, है ना अर्थव्यवस्था की पेपर कोई और लिख रहा है नहीं सब कुछ आपको ही लिखना है तो आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए तभी तो सिलेक्शन होगा मेरे पास है तो मैं दे रहा हूं अगर मैं किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को समझा पाने में असमर्थ रहूं तो आप वहां पर आप कह सकते हैं कि हाँ आप नहीं समझा पाए लेकिन आज तक तो ऐसा नहीं हुआ ना कि कोई भी टॉपिक है जो मैं आपको नहीं समझा पाऊं बहुत ही आसान भाषा में सरल भाषा में हर एक टॉपिक को समझा पाता हूं और आप लोग एक बार में समझ भी जाते हैं तो कुछ आपकी भी यहाँ पर योगदान है कुछ हमारे भी यहाँ पर योगदान है तो चल रही एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छा जया जी ये कहना है बांस लगाने के क्या फायदे अब यहाँ पर बांस की अगर हम बात करने लग जाएंगे देखिएगा है ना जितना क्षेत्र एक तो क्षेत्रफल ये कम लेता है और सबसे ज्यादा यहाँ पर बात करें तो कार्बन स्टॉक ये ज्यादा यहाँ पर बना पाता है है ना एक बांस लगा दिए तो उसके जड़ से कई सारे बांस निकल जाते हैं तो बहुत सारे इसके फायदे हैं मैंने शायद करंट अफेयर में एक वीडियो आप सभी को उपलब्ध करवाई है अगर यहाँ पर बांस अगर हम बताने लग जाए तो फिर हमारा समय कहीं और चला जाएगा इसलिए अब अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं ठीक है चलिए विक्रम जी कहना है कि आपकी ऑफलाइन कोचिंग का इनोग्रेशन हो गया है बता रहे थे नहीं सब कुछ होके रुक गया क्यों थोड़ा सा अब धन तो उतने पास उतने हमारे पास है नहीं और इनकम का सोर्स जो है वो अभी फिलहाल के लिए बंद है कोई भी इनकम की सोर्स है नहीं इसलिए मैं दिलोजान लगाकर आपके साथ लगा हुआ हूं क्योंकि अब टाइम ही टाइम है ठीक है तो जब तक पैसे नहीं होते तब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्टाफ भी रखने पड़ते हैं और अभी है ना दिल्ली जाकर आने में भी लगभग है ना साठ सत्तर हजार से ज्यादा रुपए खर्च हो गए है ना और कुछ अन्य जगहों पर भी खर्चे हो जाते हैं ई भी लगभग मेरे पचास हजार से ऊपर के जाते हैं तो अब इन सब को देखते हुए थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कर दिया ऑफलाइन को आगे बढ़ा दिया है ना कुछ धन इकट्ठा हो जाता है फिर ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे ना फिलहाल तो ऑनलाइन में है अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन में आराम से पढ़िए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिएगा इसके पश्चात अब खनिजों की बात कर ले जहां से बार बार आपके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और खनिजों की बात कर ले, देखिएगा हाँ। लेन की बात कर ले मेरा सपना पता है ना आप सबको क्या है मेरा सपना है एक रेसिडेंशियल एकेडमी खोलने के लिए जहां पर हर वर्ष सौ बच्चों को मैं वहां पर लूंगा सौ बच्चे वहां पर रहेंगे खाएंगे पिएंगे एक्सरसाइज करेंगे पढ़ेंगे है ना मैंने बताया है कि जब तक किसी के साथ अत्याचार ना किया जाए तब तक वो सफल नहीं होता आप कहीं भी देखेंगे जिन्होंने अपने आप को घिसा है पीटा है वही सफल हुए हैं और वही टॉप पर रहे इन सौ बच्चों के साथ मैं पढ़ाई को लेकर अत्याचार करने वाला हूं यहां आने के पश्चात या तो वो अधिकारी बन के जाएगा नहीं तो पहले ही भाग जाएगा दो चीजें ही यहां पर होगी या तो वो अधिकारी बन के निकलेगा या भाग जाएगा और ये मेरा सपना है और ऐसे सपने को पूरे करने के लिए कम से कम पचास लाख रुपए होने चाहिए है ना तो जब है ना जोड़ने में लगे हुए हैं जिस दिन हो जाएगा मैं ऐसे रेसिडेंशियल एकेडमी अवश्य ही खोलूंगा और ऐसे क्षेत्र में खोलूंगा जहां पर थोड़ा सस्ते में हो जाए ग्रामीण इलाका हो लेकिन सुविधाएं सारी चीजें हो लाइट हो वाईफाई हो ना लाइट ना भी हो तो सोलर पैनल के माध्यम से लाइट वहां पर उपलब्ध करवाया जा सकता है तो ये मेरा सपना है और ये सपना बहुत जल्दी अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत जल्दी पूरा भी हो जाएगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब खनिजों की यहाँ पर बात करते हैं देखिएगा पहले बिहार में बात करें तो बिहार में बहुत सारे खनिज तत्व उपलब्ध थे लेकिन अब झारखंड वाले क्षेत्र में जो वर्तमान में झारखंड है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का है ना अब यहां पर विद्रोह ये करने लग गए अलग राज्य की मांग करने लग गए जिसका आधार इन्होंने बताया कि भैया खनिज संसाधन जो है आप हमारे क्षेत्र से निकालते हैं लेकिन डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र का ना करके आप पटना का डेवलपमेंट कर रहे हैं इसलिए हमें एक नए राज्य के रूप में अलग से एक राज्य का दर्जा दे दीजिए और अंततः देखे तो वर्ष दो में, है ना हमने क्या किया तो दक्षिण बिहार के जो कुछ जिले थे इन जिलों को मिलाकर हमने एक नए राज्य के रूप में स्थापित कर दिया और उसका नाम क्या है झारखंड है आप सबको पता ही है तो जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो जितने भी खनिज तत्व हैं वो दक्षिण बिहार में ही थे और लगभग पंचानवे प्रतिशत खनिज तत्व जो है वो झारखंड में चले गए मात्र पांच परसेंट के आसपास हमारे पास खनिज तत्व बचे हुए हैं और वो भी खनिज तत्व तो कहा तो जो झारखंड से लगे हुए हमारे दक्षिणी जिले हैं इन जिलों में कुछ खनिज तत्व पाए जाते हैं तो पहले जैसे अब हमारे पास खनिज तत्व नहीं है हमारे पास सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र है इसलिए कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि बिहार में निम्न में से किस प्रकार की खनिज है ना किस प्रकार के उद्योग जो है वो संभावित है तो हमारे पास क्या है मैदानी क्षेत्र है यहां पर हम खाद्यान्न उत्पादित करते हैं और इन खाद्यान से संबंधित जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है इसकी संभावना बिहार में सबसे ज्यादा है लेकिन ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ अब एक और चीज नई चीजें क्या चल रही इथेनॉल और यह भी कृषि कार्य से संबंधित तो तो है तो हमारे पास कृषि योग्य भूमि तो बहुत ज्यादा है तो खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ वर्तमान में इथेनॉल की भी संभावना हमारे पास है ये बातें ध्यान में रखिएगा तो अब प्रश्न पूछेगा तो इसमें अपडेट कर देना है खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ इथेनॉल की भी संभावनाएं बिहार में ज्यादा है और हमारी टारगेट क्या है कि धीरे धीरे करते करते हम पेट्रोल में अस्सी इथेनॉल और बीस पेट्रोल मिलाना स्टार्ट कर देंगे तब हमारा पेट्रोलियम को लेकर जो किसी अन्य देश पर निर्भरता है यह निर्भरता हमारी समाप्त तो हो जाएगी ठीक है ना तो यह भी बातें आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है अब देखिएगा हमने यहां पर यह देखा कि जब वर्ष 2000 में बिहार का विभाजन हुआ और जो झारखंड एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ अधिकतर खनिज के भाग जो थे वो झारखंड में चले गए वर्तमान में बिहार के जो दक्षिणी भाग है सीमांत पठारी क्षेत्र है यहीं पर कुछ खनिजों के नीचे पाए जाते हैं जैसे कि हमारा गया नवादा नालंदा मुंगेर जमुई बांका इन सभी जिलों में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन आपको देखने को मिल जाते हैं अब देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं कि बिहार के प्रमुख खनिज कौन-कौन से हैं जो बिहार में पाए जाते हैं ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा कुमार क्लासेस एप्लीकेशन पर तो वहां से डाउनलोड करके एक बार सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा सबसे पहले यहाँ पर बात करें मैग्नीज तो यहाँ पर देखिएगा मैंने जिला और जो खनिज है इसकी चर्चा यहां पर की है तो मैग्नीज की बात कर लिए गया मुंगेर और पटना जिले में पाया जाता है अभ्रक की बात करें तो अभ्रक बहुत सारे जिलों में जैसे मुंगेर गया भागलपुर नवादा जमुई इन सभी जिलों में पाए जाता है और अभरक की विशेषता क्या है कि कुचालक है कुचालक होने के साथ साथ ही अत्यधिक तापमान को सहन भी कर सकता है इसलिए जो बिजली के उपकरण होते हैं बिजली के उपकरण इससे बनाए जाते हैं वही बात करें पायराइड की तो देश का जो पायराइट उत्पादन है उसका पंचानवे प्रतिशत उत्पादन बिहार में होता है ध्यान तो जो ऊपरी विंध्य शैल समूह है वहां पर पाया जाता है रोहतास में एक क्षेत्र है आमजोर इस आमजोर में एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लौह पायराइट पाया जाता है साथ ही साथ मंदा कुरियारी कररिया इन सब क्षेत्रों में भी लगभग 40 करोड़ टन पायराइट का निक्षेप है ये बातें ध्यान रखिएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा आमझोर में पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना भी कर दी गई है तो ये बातेंगे और ये हमने यहां पर देख लिया अब आइए आगे आगे देखते हैं आगे। और कौन कौन से खनिज संसाधन आपको बिहार में देखने को मिल जाते हैं तो आगे देखिएगा आगे अगर यहाँ पर बात करें तो आगे है आपका चीनी मिट्टी और चीनी मिट्टी की बात करें तो ये ग्रेनाइट का जो फेर खनिज होता है उसके क्षय होने से इसका निर्माण होता है और इस मिट्टी में पोटास और सोडा का अभाव होता है इस कारण से ये अग्नि प्रतिरोधी होता है इसमें भी बहुत जल्दी आग नहीं लगती है ना तो इसलिए इसका भी हम प्रयोग कहां कर लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं उन उपकरणों को बनाने में हम इसका उपयोग कर लेते हैं और यह मुख्यतः बिहार के भागलपुर वैशाली मुंगेर और बांका जिलों में पाया जाता है उसके बाद चूना पत्थर की बात कर ले चूना पत्थर ये सीमेंट और लौह इस्पात का एक प्रमुख कच्चा माल हो जाता है जो रोहतास की पहाड़ी कैमूर के पठार और मुंगेर से इसकी प्राप्ति की जाती है इसका उपयोग कहा किया जाता है तो इस उद्योग में भवन निर्माण सामग्री में चीनी उद्योग आदि में चूना पत्थर का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता रहा है उसके बाद अगला खनिज जो है वो हो जाता है हमारा एवेस्टस एक मिनट वेट कीजिएगा इसके बाद है एबेस्टर्स। एबेस्टर्स की भी विशेषता क्या है यह भी विद्युत प्रतिरोधक है यानी कि करंट इससे भी पास नहीं होता और साथ ही साथ यह भी उच्च तापमान सहन करने की क्षमता रखता है इसलिए इसका प्रयोग जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल उपकरण है इसको बनाने में प्रयोग किया जाता है साथ ही साथ रेल के डिब्बे में इसका प्रयोग किया जाता है जहाज और बॉयलर इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है अब बात करें एबेस्टस की कि ये मिलता कहां पर है तो बिहार के मुंगेर जिले में इसकी उपलब्धता देखने को मिलती है साथ ही साथ अग्निशमन यानी कि जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने वाले जो फायर ब्रिगेड होता है ना फायर ब्रिगेड मंगवा दे रहे आपने गाना सुना ही होगा तो फायर ब्रिगेड के कार्यो में इसके बने कपड़े का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तो अगर इसका कपड़ा हम पहनेंगे तो इसमें आग नहीं लगेगी और इनका काम ही है आग से खेलना तो आग से तभी हम खेल पाएंगे जब आग को रोकने का साधन हमारे पास हो और यह साधन उपलब्ध करवाता है हमारा एबेस्टस है ना इसके बाद देखिएगा अगला कौन सा खनिज है इसके बाद देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो बिहार के इतिहास को बदल के रख दिया क्या है शोरा और शोरा क्या है तो ये एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है और इसी को प्राप्त करने के लिए अन्य यूरोपीय कंपनियां जो थी जैसे कि फ्रांसीसी कंपनी थी पुर्तगाली थे अंग्रेज थे डच थे ये सब के सब बिहार से सोरा प्राप्त करने का प्रयास करते थे क्योंकि शक्ति उनकी इसी से बढ़ेगी ये विस्फोटक पदार्थ है और जिसके पास विस्फोटक पदार्थ होगा उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी तो ये जो सोरा है ये विस्फोटक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और ये बिहार के मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर सारण दरभंगा गया और मुंगेर जिलों में पाया जाता है इतिहास में में आप पढ़ते होंगे सारण जिले सबसे ज्यादा यहां पर इसका क्या किया जाता है तो शुद्धिकरण किया जाता था ब्रिटिश काल के दौरान और यहीं पर विद्रोह भी आपको देखने को मिला था इसके बाद देखिए अगला यहां पर हमारा खनिज है मोनाजाइट और मोनाजाइट की बात कर ले तो देखिएगा जैसे थोरियम यूरेनियम सीरियम और टेटलम हो गया इन सबके मिश्रण से मोनाजाइट का निर्माण यहां पर हो जाता है यानी कि ये सारी चीजें यहां पर पाई जाती है इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसको हम भविष्य में ईंधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि थोरियम यूरेनियम जो है इससे हम क्या करते हैं बड़े स्तर पर बॉयलर चलाते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा विस्फोटक पदार्थ होता है ज्वलनशील पदार्थ होता है और इसके प्रयोग से हम ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं तो मोनाजाइट जो है इसको भी भविष्य का हम ईंधन देख सकते हैं और ये गया और मुंगेर जिले में इसकी प्राप्ति होती है इसके बाद लिथियम की बात कर लें लिथियम आयन बैटरी भैया भविष्य में जो आपकी परिवहन है जो कारें बन रही है आज वर्तमान में मोबाइल जो है जिसमें आप लोग बैटरी का प्रयोग करते हैं ये सब के सब लिथियम आयन बैटरी है इसमें खासियत क्या है कि बहुत फास्ट चार्ज हो जाता है और बहुत अच्छे से ये कार्य भी करता है जैसे एक बैटरी हो जाता है लिक्विड वाला उसको चार्ज होने में ज्यादा समय लगता है लेकिन लिथियम आयन है आज पहले के फोन की बात करें तो देखिएगा छोटे छोटे जो फोन आते थे वो भी चार्ज होने में एक से दो घंटे लेते थे आज के ही दो तीन साल पहले के फोन ले लीजिए वो भी दो ढाई घंटे में चार्ज होते हैं लेकिन वर्तमान में क्या है फास्ट चार्जिंग है ना ये एक एड बन गया है फोन का कि भैया ये क्या है फास्ट चार्जिंग है तीस मिनट में पूरा फुल चार्ज है ना पंद्रह मिनट में चार्ज कीजिए अस्सी चार्ज कर लीजिए क्यों लिथियम आयन बैटरी है और इसमें इतनी क्षमता है कि बहुत तेजी से चार्ज नहीं सकते। करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी कार में भी यही लिथियम आयन बैटरी लगी रहती है बड़े बड़े बैटरी नहीं जो पेंसिल बैटरी होता है ना जो आप लोग देखते हैं रिमोट में प्रयोग किया जाता है यही हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में कार का जो फर्श होता है वहां पर लगाया गया वो सबके सब लिथियम आयन but आयन बैटरी होते हैं और उसी का प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है तो लिथियम भी हमारे पास, पास पाया जाता है और बिहार के गया में स्लेट की बात कर ले ये मुंगेर, जमुई के जो खगुड़ी आ, खगड़ी खड़गपुर की पहाड़ है तो मुंगेर और जमुई जिले में ये सारी बातें आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा इसके बाद अब बात कर ले सोना की क्या सोना बिहार में पाया जाता है बिल्कुल पाया जाता है सोना की स्थिति जो है ये मुंगेर और जमुई जिले में हैं। है ना यहाँ पर कुछ विशेष स्थान है जैसे करमटिया हो गया करमटिया रानी पहाड़ी ना इन सभी क्षेत्रों में सोने के भंडार हैं तो बिहार में सोना भी पाया जाता है इसलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा राजगीर का है ना ये देखिएगा एक ये नया क्षेत्र है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये राजगीर का जो कबूतरा क्षेत्र है और साथ ही साथ नाकिया पहाड़ की क्षेत्र है इन सभी क्षेत्रों में भी ये पुष्टि की गई है कि यहाँ पर भी सोने के भंडार पाए जाते हैं तो मुंगेर जमुई का करमटिया रानी पहाड़ी बदमारिया क्षेत्र और साथ ही साथ राजगीर का जो कबूतरा और नाकिया पहाड़ का क्षेत्र है यहां पर भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सोने के भंडार होने की पुष्टि की गई है तो यहां पर भी कबूतरा और नाकिया पहाड़ में भी सोने के भंडार देखने को मिल जाता है उसके बाद यूरेनियम की बात करें ये गया और नवादा जिले में पाया जाता है कोयले की बात कर ले तो ये राजमहल क्षेत्र के जो निकटवर्ती आपका क्षेत्र है जैसे कि भागलपुर और मुंगेर जिला यहां पर आपको कोयला के भंडार देखने को मिलता है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार इन क्षेत्रों में भागलपुर और मुंगेर जिला में लगभग 160 सौ साठ मिलियन टन कोयला का भंडार है तो ये बातें ध्यान रखिएगा हमारे पास सोना भी है यूरेनियम भी है कोयला भी है ये बातें आप सभी को ध्यान में रखना है इसके बाद अगला खनिज है यहाँ पर बैरिलियम जिसका उपयोग स्प्रिंग उद्योग में किया जाता है जो स्प्रिंग गाड़ियों में सोकर आप देखते हैं ट्रेन में सोकर देखते हैं ये सब किसके बनते हैं बेरिलियम का भी इसमें प्रयोग किया जाता है तो स्प्रिंग उद्योग हो गया वाल्व हो गया जो गाड़ियों में कार्बोरेटर होता है कार्बोरेटर क्या होता है तो जो भी पेट्रोल इंजन होती है इसमें हवा और पेट्रोल को मिक्स करने के लिए कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं क्योंकि पेट्रोल इंजन जो होती है वो जैसे डीजल है वो हंड्रेड परसेंट डीजल का प्रयोग करके वो इंजन को चलाती है लेकिन पेट्रोल की बात करें तो बीस परसेंट पेट्रोल और अस्सी परसेंट एयर को मिक्स करके ये चलाया जाता है तो ये मिक्स करने के लिए जिस संयंत्र का हम प्रयोग करते उसको कार्बोरेटर कहते हैं और इन सब का निर्माण जो होता है ये बैरिलियम के माध्यम से किया जाता है और इसकी बात कर ले तो ये गया और नवादा ज़िले में इसकी उपस्थिति देखने को मिल जाती है गया और नवादा ज़िले में इसके साथ साथ देखिएगा क्वाटजाइट हो गया और क्वाटजाइट जो है ये लखीसराय मुंगेर नालंदा इन सभी जिलों में देखने को मिल जाता है बॉक्साइड की बात करें मुंगेर और रोहतास में इसकी अवस्थिति है सीसा और जस्ते की बात कर ले भागलपुर में छोटे स्तर पर पाई जाती है ग्रेनाइट की बात कर ले भागलपुर गया जहानाबाद और जमुई जिलों में पाया जाता है पेट्रोलियम की बात करें तो ये पूर्णिया कटिहार और उसके जो निकटवर्ती क्षेत्र है वहां पर संभावनाएं है कि यहाँ पर पेट्रोलियम भी पाया जाता है और साथ ही साथ लोह की बात

आ गई होगी देखिएगा शेयरिंग नहीं हो रही है शेयरिंग नहीं हो रही है तो फिर मजा नहीं आएगा चलिए सुबह भारती जी कहना है कि सर आ, आप बिहार के मुजफ्फरपुर में अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहेंगे तो मेरा घर है मुजफ्फरपुर शहर के नजदीक दो से तीन एकड़ में घर है गार्डन और पूरा कंपाउंड है देख खोलने की इच्छा तो है है ना लेकिन थोड़ा सा बजट के प्रॉब्लम के कारण ही मैं खोल नहीं पाया बहुत सारे लोग भी तैयार हो चुके थे आकर यहाँ पर पढ़ने के लिए सपोर्ट भी बड़े स्तर पर था जो सिवान के डीएम है उनसे भी मिला था उनका भी सपोर्ट था सिवान के एसपी से भी मिला हुआ था जहां भगवानपुर में खोलने की इच्छा थी वहां के वीडियो भी आए हुए थे वहां वहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय उसके डीन भी भी आए आए हुए हुए थे बहुत हुए थे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग के जो विधायक है, सांसद हैं यहाँ तक कि पास पास मीडिया वहां पर है सब लोग आए हुए थे जिस दिन में वहां पर गया हुआ था सब लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया है ना लेकिन पैसे को लेकर कोई सपोर्ट नहीं किया है ना तो इसलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पर थोड़े समय के लिए पीछे हटना पड़ा है लेकिन जो सपना है ना जो रेसिडेंशियल वाला ये रेसिडेंशियल वाला मैं खोलूंगा ही ठीक है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो लाइक नहीं कर रहे तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना सबको लाइक करना है।, है ना सब लोग क्या करें लाइक करें क्लियर अब आइए यहां पर उद्योगों की चर्चा करते हैं क्योंकि जो भी उद्योग हमारे स्थापित होते हैं पहले देखिएगा अभी वर्तमान में तो कच्चे माल कहीं और है और उद्योग कहीं और है क्यों क्योंकि अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का, का सिस्टम बेहतर नहीं था तो जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता थी उसी के आसपास में उससे रिलेटेड उद्योग भी खोल दिए जाते थे अब देखिएगा यहाँ पर उद्योगों की हम बात कर ले तो सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग हो जाता है और इसमें देखा जाए दे तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और साथ ही साथ इथेनॉल है ना दो चीज ध्यान में रखेगा एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ठीक ये ठीक है और साथ ही साथ इथेनॉल है इसकी भी संभावनाएं हैं क्योंकि जो कृषि उत्पाद है इसी चीज से हम इथेनॉल निकाल रहे हैं जैसे पहले क्या था अभी भी यही है कि जो हमने गेहूं निकाला तो गेहूं निकालने के पश्चात हम भूसे का प्रयोग करते हैं तो ये जो उस गेहूं निकालने के बाद जो फसल का बाकी हिस्सा बच गया इससे हम इथेनॉल निकाल निकाल लेंगे ऐसे ही धान धान के के साथ होगा से चावल निकाल के, हम बाकी चीज इथेनॉल निकाल लेंगे मक्के की बात करें मक्के को भी मक्का हमने निकाल लिया बाकी जो बच गया उससे इथेनॉल निकाल लेंगे तो इससे क्या होगा कि पोल्यूशन भी नहीं होगा जैसे आप देखते होंगे जो हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया पंजाब वाला क्षेत्र हो गया इन सभी में बड़े स्तर पर ये जो बचा हुआ भाग है जिससे पुआल या है ना और वहां के भाषा में क्या कहा जाता है इसको बड़े स्तर पर जलाया जाता है और दिल्ली सरकार जो है इसके लिए क्या कहती है कि भैया आप जलाते अपने यहाँ हो लेकिन वो धुआं हमारे यहाँ आता है और इस कारण से आप दिल्ली में देखते ठंडी के मौसम में कुछ दिखाई ही नहीं देता बहुत पॉल्यूटेड एरिया हो जाता है दिल्ली तो इन सब से क्या होगा कि हम उन सारी चीजों से इथेनॉल निकाल लेंगे और ऐसा पोल्यूशन भी हमारा नहीं होगा साथ ही साथ पेट्रोलियम पर जो हम आधारित है दूसरे देशों में ये आधार जो है हमारा यहाँ पर समाप्त तो हो जाएगा तो कृषि आधारित उद्योग की संभावनाएं बिहार में सबसे ज्यादा है क्योंकि लगभग पंचानवे प्रतिशत क्षेत्र जो है हमारे पास मैदानी क्षेत्र हो जाता है और इसमें देखें तो हमारे पास चीनी उद्योग है चावल मिल उद्योग है वस्त्र उद्योग है फूड प्रोसेसिंग कि कृषि आधारित, तो आधारित उद्योग ही है तो आइए एक एक चर्चा यहाँ पर थोड़ा सा तेजी में, में करते हुए चलूंगा ठीक है ना देखिएगा सबसे पहले पर बात करें चीनी उद्योग की तो हमने कल बात किया था कि चीनी उद्योग होगा कल कल लोकेशन लोकेशन दिखाया दिखाया था, है ना? कल जो लोकेशन दिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो जहां पर हमने देखा था कि उस मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है और वो बेहतर हो जाता है ईख के उत्पादन हेतु और इन्हीं क्षेत्रों में आपको चीनी मिल जो है पहले दिखाई पड़ेगी है ना तो वर्तमान समय में तो बहुत सारे चीनी मिल जो है वो बंद हो गई मेरे पास में भी पशुखी पड़ता है और पशुखी में भी चीनी मिल थी जहां पर बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता था लेकिन वर्तमान समय में वो बिहड़ हो चुकी है और लोग उसके जमीन खरीद खरीद के वहां पर सारा चीजें कर रहे हैं तो चीनी उद्योग की बात करें देखिएगा जैसे कि बिहार में अगर हम नगदी फसलों की बात करें तो नगदी फसलों में ईख का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है ईख क्या है नगदी फसल है नगदी फसल हम वैसे फसलों को बोलते हैं जो खेत से सीधे बेच दिए जाते हैं है ना तो ईख जो है क्या किया जाता है बेच दिया जाता है ये मुख्य रूप से क्या है नगदी फसल है और इसकी बात कर ले तो इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर पश्चिमी बिहार में है मैंने पूरा लोकेशन भी बताया था मिट्टी बताते हुए तो उत्तर पश्चिमी बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में ग्यारह चीनी मिले जो है वो अभी चालू है पहले देखें जब हमारा देश आजाद हुआ था तब उनतीस या चौतीस के आसपास चीनी मिले थी और बिहार का है ना पूरे भारत का लगभग अः परसेंटेज तो याद नहीं आ रहा क्योंकि दो साल पहले का मैंने देखा हुआ है तो लगभग मतलब सबसे ज्यादा जो है चीनी का उत्पादन यहाँ पर किया जाता था लेकिन वर्तमान समय में इसकी परसेंटेज बहुत ही कम हो गई है लेकिन वर्तमान में देखें तो 11 चीनी मिले यहाँ पर चालू है है ना और इसकी अवस्थिति कहां है तो वही उत्तर पश्चिमी बिहार में एक पाया जाएगा तो इसकी अवस्थिति भी आपको उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिमी बिहार में देखने को मिलेगा अब देखिएगा वर्तमान में ये जो उद्योग है पहले क्या होता था कि ये केवल चीनी ही उत्पादित करती थी लेकिन ये जो उद्योग है अब अन्य चीज भी उत्पादित कर रही है जैसे कि एक तो पहले चीनी हमने निकाल लिया और जो इसका हिस्सा बच गया उस हिस्से से हम इथेनॉल भी बना रहे हैं तो चीनी उद्योग जो है अब केवल चीनी का उत्पादन नहीं कर रहे हैं चीनी के साथ साथ इथेनॉल भी उत्पादित कर रहे हैं और साथ ही साथ जो उसमें भूसी बन जाती है इस भूसी का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है क्योंकि आप सबको पता ही है मैंने बताया भी था फिजिक्स वाले में कि बिजली उत्पादन कैसे होता है तो बिजली उत्पादन करने के लिए हमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है हमारा मुख्य योजना वहां पर क्या होती है कि जो हमारे यहाँ पर मोटर लगे रहते हैं बड़े-बड़े टरबाइन लगे होते हैं इसके पंखुड़ी को घुमाना और पंखुड़ी को घुमाने के लिए चाहे हम डीजल इंजन का प्रयोग करें पेट्रोल इंजन का प्रयोग करें भाप इंजन का प्रयोग करें तो भाप इंजन में होता क्या है हम कोयला जलाएं या पुआल जलाए या यहाँ पर जो भूसी निकल रही है इस भूसी को जलाएं इस भूसी को जलाकर हम जल को उबालते हैं और उबालने से क्या होगा वो भाप बनेगा और इस भाप के प्रेशर को हम टरबाइन की पंखुड़ी नचाने के लिए प्रयोग में लाते हैं और इससे बिजली का उत्पादन होता है तो ये जो ईख का जितने भी ईख से चीनी मिल जो बने हुए चीनी मिल ये केवल ईख से अब चीनी ही नहीं बना रहे चीनी के साथ साथ इथेनॉल बना रहे हैं और इथेनॉल के साथ साथ बिजली उत्पादन भी किया जा रहा है ना आप देखिएगा ये थोड़ा सा डेटा पुराना है इसको मैंने लेटेस्ट नहीं किया है ना क्योंकि आ, मैं सारी चीजें देख के लिख ही रहा था है ना तो लिखते लिखते यहाँ पर समय हो गया तो ये जो डेटा है आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका करवाऊंगा वहां पर आपका ये वहां पर अपडेट करवा दूंगा आप सभी लोग अपडेट कर लीजिएगा कि बिहार में कितने लाख क्विंटल जो इख हुई उसकी पेराई की गई है ना ये सारी चीजें तो ये प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया समय भी नहीं मिला तो ये सारी डेटा जो है ये 2019-20 की है बाकी जितनी भी चीजें हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है इसको मैंने अपडेट कर दिया है अब देखिएगा जब हम आजाद हुए थे आजादी के समय भारत बिहार जो है ये भारत का देखिएगा लगभग तेईस प्रतिशत चीनी का उत्पादन कर रहा था यही डेटा की मैं बात कर रहा था कि दो साल पहले का है जब हम आजाद हुए थे तब बिहार में इतने ज्यादा चीनी मिल थे इतने बड़े स्तर पर चीनी का उत्पादन किया जाता था कि बिहार में जितना चीनी उत्पादन होता था उसका लगभग तेईस चीनी का उत्पादन बिहार करता था लेकिन वर्तमान में देखिए तो ये लगभग दो के आसपास आ चुका है तो कहां तेईस और कहां दो तो इतना गिरावट आपको यहां पर देखने को मिल जाती है ठीक है उसके बाद देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण क्या है यहां पर जनसंख्या ज्यादा है और ज्यादा जनसंख्या में देखें तो हैंडलूम और पावरलूम जिसे हाथ करघा भी कहते हैं ऐसे उद्योगों का विकास भी आपको बिहार में देखने को मिल जाता है जो नवीनतम आंकड़े हैं इस आंकड़ों के अनुसार बिहार में लगभग 30 प्रतिशत अनिगमित प्रकार के उद्यम है ना वस्त्र और परिधानों के विनिर्माण में लगे हुए हैं जो राज्य के तेरे स्थानों पर इसका संकेंद्रण देखने को मिल जाता है ये जो उद्यम है ये दो तरीके से महत्वपूर्ण हो जाती है कैसे तो एक तो इसमें क्या है तो मशीनों का हम प्रयोग नहीं करते इसमें श्रम शक्ति का प्रयोग करता है है ना और हमारे पास श्रम शक्ति ज्यादा है बिहार में जनसंख्या ज्यादा है इसलिए हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है तो तो यही है हैंडलूम हमारे लिए हो जाता है है तो है ज्यादा पर पर श्रम शक्ति की आवश्यकता इसलिए बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध करवाता जहां मशीन का प्रयोग करते हैं तो मशीन में एक व्यक्ति सौ व्यक्ति के बराबर वहां पर उत्पादन कर पाता है लेकिन यहाँ पर हम मशीन का प्रयोग नहीं करते हाथों का प्रयोग करते हैं इसलिए बड़ी संख्या में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करवाता है और साथ ही साथ इस के माध्यम से जो प्राचीन काल से हमारी चीजें चलती आ रही हैं हम वैसे अपने विरासत को सुरक्षित रख पाते हैं इसके माध्यम से ठीक है तो सांस्कृतिक इतिहास के विरासत को भी हम इसके माध्यम से संरक्षित करते हैं उसके बाद यहाँ पर रेशम उद्योग की बात कर लें तो रेशम उद्योग का मुख्य रूप से जो विकास हुआ है वो भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास देखने को मिल जाती है और भागलपुर का रेशम जो है आप सबको पता ही है जीआई टैग इसको प्राप्त हो चुका है है ना यानी कि जियोलॉजिकल इंडिकेशन है ना तो भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रेशम उद्योग का विकास देखने को मिल जाता है और भागलपुर जो है ये सिल्क वस्त्र उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है अब इसमें भी देखिएगा तीन प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है ये अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो जाता के दृष्टिकोण से इसको पढ़ते हैं तो इसको मैं यहाँ पर स्केप करते हुए चलूंगा उसके बाद अगली बात करें सूती वस्त्र उत्पादन ये भी मुख्य रूप से भागलपुर और गया क्षेत्रों में इसका केंद्र देखने को मिल जाता है और ये मुख्य रूप से हथकरगा उद्योग में इसका उत्पादन किया जाता रहा है जैसे गया शहर का जो मानपुर सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे प्रमुख केंद्र है जहां पर 1000 से भी ज्यादा पावर लूम स्थापित है और उसमें है ना चालीस हजार के आसपास लोग वहां पर कार्यरत हैं ये बातें ध्यान में रखिएगा और यहाँ पर मुख्य रूप से चादर धोती गमछा साड़ी इन सभी का उत्पादन किया जाता है रहा है उसके बाद जूट उद्योग की हम यहां पर बात करें तो जूट उद्योग पटसन पर आधारित उद्योग है और बिहार के जो पूर्वोत्तर जिले हैं जैसे कि पूर्णिया कटिहार किशनगंज अररिया इन सभी क्षेत्रों में इसका उत्पादन बड़े स्तर पर देखने को मिल जाता है प्रारंभ में जूट उत्पाद जूट उत्पादन है तो बिहार के जो कटिहार समस्तीपुर पूर्णिया ये सभी क्षेत्र है इन सभी क्षेत्रों में फैक्ट्री स्थापित थी लेकिन जब हमारा विभाजन हो गया विभाजन के पश्चात अधिकांश क्षेत्र जो है ये बांग्लादेश में चले जाते हैं इसलिए बिहार में अब इसकी कमी देखने को मिल जाता है लेकिन फिर भी वर्तमान समय में कटिहार पूर्णिया दरभंगा है ना इन तीन क्षेत्रों में यह उद्योग कार्यरत आपको दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद देखिएगा सीमेंट सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग की बात कर ले तो तो ये किससे बनता है? तो जो हमारे पास पत्थर-वत्थर रहेंगे इससे बनेंगे और ये पत्थर पाए तो तो की की उद्योग के जो विकास है इसको क्या करता है स्थिरता प्रदान करता है कच्चा माल यहाँ से उपलब्ध करवा देता है साथ ही साथ रोहतास का जो बंजारी है यहाँ पर डालमटिया नगर में भी सीमेंट उद्योग था लेकिन वर्तमान समय में कुछ कारणों से ये बंद है है ना भभुआ के इको सीमेंट है ना भभुआ में भी इको सीमेंट की स्थापना की गई है तो सीमेंट उद्योग की बात कर ले तो ये बिहार का जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है यहां पर इसका विकास देखने को मिल जाता है उसके बाद क्रशर उद्योग क्रशर उद्योग क्या होता है तो यही जो ढलाई हम करते हैं ना छतवत या कोई भी चीज ढलाई करते हैं तो बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ के जो छोटा पत्थर बनाया जाता है ये क्रशर उद्योग हो जाते हैं और ये भी कहा मिलेंगे तो वही दक्षिणी क्षेत्रों में ही मिलेंगे तो क्रशर उद्योग जो है ये दक्षिण बिहार का जो सीमांत क्षेत्र है यहाँ पर इसका विकास देखने को मिलता है और इसमें ग्रेनाइट नीस शिष्ट आदि चट्टानों की उपलब्धता है इसलिए यहां पर क्रशर उद्योग का विकास देखने को मिलता है ये कहां, कहां तो कैमूर रोहतास औरंगाबाद गया नवादा जमुई मुंगेर इन सभी जिलों में इस क्रशर उद्योग का विकास देखने को मिल जाता है सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए कौन सा है बरौनी क्षेत्र और बरौनी की बात कर ले तो यहाँ पर रासायनिक उद्योग भी देखने को मिल जाता है जैसे बरौनी में सबसे पहला क्या है तेल शोधक कारखाना यानी कि रिफाइनरी है यहां पर तेल को संशोधित किया जाता है तेल बनाया जाता है तेल की रिफाइन की जाती है तो तेल शोधक कारखाना आपको बरौनी में देखने को मिलेगा उसके बाद ताप ऊर्जा संयंत्र यानी कि हम यहां पर क्या हमारा क्या है एनटीपीसी है, है ना यानी कि जो कोयला है कोयला आधारित बिजली का उत्पादन हम यहां पर करते हैं और साथ ही साथ जो उर्वरक है उर्वरक का कारखाना भी पर स्थापित किया गया है तो बरौनी जो है ये उद्योग के नजर से देखे तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बिहार का हो जाता है बरौनी तेल शोधक कारखाना देखिए थोड़ा सा डिटेल में इसलिए देखते हैं क्योंकि तो प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे अब देखिएगा बरौनी तेल कारखाना जो है ये किसके सहयोग से बना हुआ है तो ध्यान रखिएगा इसमें दो देश है ना उस समय अभी वर्तमान में रशिया है पहले क्या था यूएसएसआर सोवियत संघ था तो सोवियत संघ और रोमानिया जो है इन दोनों के सहयोग से 1964 में बोरोनी रिफाइनरी की स्थापना की गई थी तो दो नाम ध्यान रखिएगा सोवियत संघ और रोमानिया इन दोनों के सहयोग से 1964 में इसकी स्थापना की गई थी उसके बाद देखिएगा अब इसमें उत्पादन की बात कर लें तो प्रारंभिक उत्पादन जो है ये एक मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष का था और उन्नीस से तीन मिलियन मीट्रिक टन यहां पर हो चुका है है ना अब यहां पर कच्चे तेल कहां से आते हैं देख तो आसाम वाले क्षेत्र में हमारा पेट्रोलियम क्षेत्र यहां से आता है फिर नाइजीरिया हो गया इराक मलेशिया इन सभी क्षेत्रों से हम यहाँ पर कच्चा तेल लाते हैं और लाकर फिर इसको रिफाइंड करके विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर भेजते हैं साथ ही साथ इसको पाइपलाइन से भी जोड़ा गया है जैसे कि जहाज हो गई पानी वाली तो वहां से आएगा तो ये तो यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगी तो इसको हमने पाइप से जोड़ रखा है जैसे हल्दिया हो गया और पारादीप बंदरगाह हो गया इन दोनों से हमने क्या कर दिया है पाइपलाइन से जोड़ दिया है डायरेक्टली जहाज वहां पर आती है बंगाल की खाड़ी में और वहां से हम क्या करते हैं सीधे पाइपलाइन के माध्यम से बरौनी में उस कच्चे तेल को खींच लेते हैं और फिर रिफाइन करके उसके माध्यम से फिर से हम विभिन्न क्षेत्रों में भेज देते हैं तो ये बातें ध्यान में रखिएगा उसके बाद दूसरी यहां पर क्या है बरौनी ताप विद्युत केंद्र है ना इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी और उत्पादन क्षमता इसका था तीन मेगावाट उसके बाद यहाँ पर उर्वरक जो फैक्ट्री है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के नाम से है और यहाँ पर नाइट्रोजन उर्वरक आधारित है ना यहाँ पर क्या किया जाता है उत्पादन किया जाता है इसके अलावा देखें तो रोहतास का जो आमझोर है यहां पर पाइराइट आधारित पायराइट्स फॉस्फेट और केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई है यहां पर भी उर्वरक का निर्माण किया जाता है तो उर्वरक के लिए एक तो बरौनी का क्षेत्र हो गया और दूसरा रोहतास का क्षेत्र हो गया ये चीजें आप लोग यहां पर ध्यान में रखिएगा इसके बाद अब रेल कारखानों की बात कर ले यहां से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं तो रेल कारखाना आपको बिहार में कहां कहां पर देखने को मिलेगा सबसे पहला पटना के अंतर्गत मोकामा क्षेत्र है यहां पर बी यानी कि भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड यहां पर स्थापित है, जो भारत सरकार के उपक्रम है रेल मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है उसके बाद जमालपुर है मुंगेर जिले में यहां पर रेलवे वर्कशॉप है जिसकी स्थापना 8 फरवरी अठारह में अंग्रेजों के समयकाल में ही की गई थी बी की बात कर ले जो मोकामा में है भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी ये पहले यह नहीं थी क्या थी तो देखिएगा दो कंपनियां थी एक कंपनी थी ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा और दूसरी कंपनी थी आर्थर बटलर कंपनी लिमिटेड मुजफ्फरपुर दोनों के वित्तीय अवस्थाएं गड़बड़ाने लग गई इसलिए दोनों को आपस में मिलाकर दिसंबर उन्नीस में हमने बीडब्ल्यूल अर्थात भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना कर दी तो दो नाम याद रखिएगा इसका निर्माण ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और आर्थर बटर बटलर कंपनी लिमिटेड दोनों को मिलाकर यहां पर इसका निर्माण किया गया था उसके बाद हरनौत नालंदा में है ना यह नया कारखाना बना हुआ है बेलास है ना सारण में मढ़ौरा में ठीक है यहां साथ ही साथ मधेपुरा मधेपुरा में क्या है तो देखिएगा बेला में रेल का पहिया बनाया जाता है 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहा है नई दिल्ली में है तो देख लीजिएगा यहां से भी पूछ लेता है कि कहां पर क्या चीज बनाया जाता है तो यह भी ध्यान रखिएगा जो बेला है बेला में रेल पहिया बनाया जाता है मधेपुरा जो है यहां पर भारतीय रेलवे और फ्रांस की कंपनी है एक जिसका नाम है एल्स्टोम टोम एस ए इन दोनों का संयुक्त उपक्रम के रूप में मधेपुरा में एक हमने कारखाना स्थापित किया है रेलवे से संबंधित जहां पर रेल इंजन बनाया जाता है और कैसा रेल इंजन विद्युत रेल इंजन डीजल वाला नहीं विद्युत वाला रेल इंजन हम मधेपुरा में बनाते हैं साथ ही साथ हरनौत जो है ये कैरेज रिपेयरिंग वर्कशॉप है दो में इसकी स्थापना की गई यानी कि जो डब्बे वब्बे है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं और साथ ही साथ मढ़ौरा जो है यहाँ पर डीजल इंजन कारखाना है तो मढ़ौरा में डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है और मधेपुरा में विद्युत रेल का इंजन किया जाता है है ना और जो सारण है यहां पर पहिया बनाया जाता है तो यहां पर पहिया बना लिए यहां पर डिब्बे बना लिए और यहां पर इंजन बना लिए यानी कि बिहार में पूरी रेलवे जो है अच्छा बफरिंग करने लग गया इसको क्या हो गया बफरिंग करने लग गया था था इसको मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता देखिएगा हमने देखा हम हरनौत में डब्बे बनाने का वर्कशॉप है और मढ़ौरा में डीजल इंजन बनाने का वर्कशॉप है यानी कि बिहार में देखे तो बिहार में पूरे रेलवे का निर्माण किया जाता है है ना? एक जगह हमने डब्बा बना लिया एक जगह हमने पहिया बना लिया एक जगह हमने इंजन भी डाल दिया यानी कि बिहार पूरे रेल का यहाँ पर निर्माण कर देता है अब देखिएगा कैरेज ये मुख्य रूप से जो मालगाड़ी है ना मालगाड़ी के डब्बे यहाँ पर बनाए जाते रहे हैं ये सारी चीजें हो गई इसके बाद देखिएगा सबसे बढ़िया उद्योग जो बिहार में सबसे ज्यादा चलता है।, है ना सिगरेट और बीड़ी उद्योग है ना बड़े स्तर पर बिहार के मजदूर वर्गो को देख लीजिए जो थोड़े से यहाँ पर हाई लेवल के हैं जैसे कि दस लोगों को काम करवाते हैं ठेकेदार वर्ग हो गए है ना अधिकारी वर्ग हो गए ये लोग सिगरेट फूकते हैं क्यों इनके पास पैसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है वो भी फूकते हैं लेकिन ये बीड़ी फूकते हैं तो सिगरेट और बीड़ी उद्योग भी है आपको बिहार में यह देखने को मिल जाती है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे पदार्थ बिहार में उपलब्ध हो जाते हैं जैसे उत्तर बिहार का मैदान है यहाँ पर तंबाकू का उत्पादन किया जाता है ठीक है उत्पादित जो वस्तु है, कि यहां पर बीड़ी सिगरेट जो बनाया जाता है बिहार एक बड़ा उपभोक्ता है यानी कि बीड़ी यहाँ पर बनाया जाता है लेकिन पिया भी बड़े स्तर पर इसको जाता है ये बातें ध्यान रखेगा और बेगूसराय जमुई बिहार शरीफ आरा बक्सर दरभंगा इन सभी क्षेत्रों में इसका निर्माण किया जाता है यहाँ पर सिगरी सिगरेट और बीड़ी उद्योग है ठीक है अब देखिएगा साथ ही साथ मुंगेर में तंबाकू आधारित एक आई की स्थापना की गई है इंडियन टोबैको कंपनी की स्थापना की गई है जो मुख्य रूप से यहाँ पर सिगरेट का निर्माण करता है ठीक है भारत की सबसे पुरानी तंबाकू विनिर्माण इकाई की स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी किसके द्वारा राज इंटरप्राइजेस के द्वारा मुंगेर में जिससे बाद में आईटीसी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया यानी कि ये जो आईटीसी है राज इंटरप्राइजेज को यहां पर इसको अधिग्रहित कर ली थी ये बातें ध्यान में रखिएगा लेकिन विशेष बात क्या है कि आईटीसी जो है है ना आईटीसी ये तो सिगरेट का उत्पादन करती ही करती है लेकिन इसके साथ साथ मुंगेर में इसने एक डेयरी प्लांट की स्थापना भी किया हुआ है जहां पर दूध का प्रसंस्करण किया जाता है दूध से पनीर बनाया जाता है दही बनाया जाता है घी बनाया जाएगा लस्सी बनाया जाएगा तो आई इंडियन टोबैको कंपनी के द्वारा डेयरी प्लांट भी लगाया गया है ये बातें ध्यान में रखिएगा तो केवल सिगरेट ही नहीं बनाती डेयरी भी बनाती है और इसकी क्षमता कितनी है है ना प्रतिदिन यहाँ पर दो लाख लीटर दूध जो है इसको प्रसंस्कृत यहाँ पर कर दी जाती है तो ये हो गया अब यहाँ पर बात कर ले वन आधारित उद्योग वन आधारित उद्योग की हम बात कर ले ध्यान रखिएगा एक तो बिहार में ऐसे हमने देखा वनों की संख्या बहुत ही कम है लेकिन कम होने के साथ साथ वन आधारित उद्योग भी है जैसे कि जो लकड़ी का निर्माण है है ना लकड़ी के लिए जो चिराई घर होता है तो वनों की जब कटाई नहीं होगी तो लकड़ी की चिराई कैसे होगी और राज्य के जीडीपी में लगभग आठ परसेंट का इसका योगदान है तो आप समझ सकते एक तरफ से सरकार जो है वन लगाओ वन लगाओ किए जा रही है और दूसरी तरफ से वन आधारित उद्योग भी यहां पर लगाए हुए हैं और इसका भी जीडीपी में योगदान लगभग आठ परसेंट का है तो आठ परसेंट का मतलब आप समझ लीजिए कि कितने बड़े स्तर पर जंगलों की यहां पर कटाई भी होती रही तो एक तरफ से हम दिखा रहे हैं कि भैया वन लगाओ वन लगाओ और दूसरी तरफ से वन काटो वन काटो क्योंकि ये उद्योग है तो वन आधारित उद्योग भी यहां पर देखने को मिल जाता है जैसे कि आरा उद्योग यहां पर क्या होता है तो लकड़ी की चिराई की जाती है और वर्तमान में जो लग्जरियस जीवन है आप सबको पता ही होगा इसमें लकड़ी का कितना प्रयोग किया जा रहा है जैसे बेड हो गया है ना जो हमारा गेट हो गया दरवाजा हो गया खिड़की हो गई ये सारी चीजें हम लकड़ी के ही बना रहे हैं तो लकड़ी का फंक्शन अब और ज्यादा बढ़ते जा रहा है वुडन फिनिश अपने नाम सुना भी होगा गाड़ी भी पेंटिंग वेंटिंग हो रहा है तो उसमें भी वुडन फिनिश डाला जा रहा है क्योंकि वो अच्छा लगता है तो ये आरा उद्योग हो गया इससे कागज बनाया जाता है गत्ता बनाया जाता है है ना कथा निर्माण किया जाता है बांस और बेत आधारित विभिन्न प्रकार के निर्माण किया जाता है तो ये सारी चीजें हैं अगर हम आरा मिल की बात करें तो ये बिहार के उत्तरी भागों में विशेष रूप से जो तराई प्रदेश है इन तराई प्रदेशों में इसका विकास हुआ है जैसे कि पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण अररिया किशनगंज भागलपुर ना दक्षिण बिहार में देखें तो गया नवादा रोहतास इन सभी क्षेत्रों में आपको आरा मिल देखने को मिलेगा आरा मिल वैसे क्षेत्र जहां पर वनों की जो पेड़ पौधे इनकी चिराई की जाती है चिराई करके उसको अपने प्रयोग के लिए लकड़ी का निर्माण किया जाता है बांस आधारित उद्योग की बात कर ले तो तराई क्षेत्र और गया का जो उत्तरी भाग है वहां पर उपलब्धता है इसलिए वहां पर देखने को मिल जाता है कागज उद्योग जो है बांस और सवई घास से जाता है। इसका विकास जो है दरभंगा में है ना दरभंगा में भी आपको देखने को मिलेगा वर्तमान समय में कुछ कारखाने यहाँ पर बंद है कारण क्या रहा एक तो कच्चा माल नहीं मिल पा रहा साथ ही साथ यहाँ पर विकासात्मक कोई कार्य नहीं किया जाता जैसे पहले जिस तकनीकी से हम यहाँ पर कार्य करते थे वर्तमान में इसमें डेवलपमेंट हमने नहीं किया अब तकनीकी जो है जैसे मान लीजिए पहले व्हाइट बोर्ड पर लोग पढ़ाते थे व्हाइट बोर्ड से है ना प्रोजेक्टर आ गया तो जो प्रोजेक्टर नहीं लाए वो मार्केट में पीछे रह गया कंपटीशन में पीछे रह गया अब क्या है डिजिटल पैनल है तो डिजिटल पैनल अगर कोई लेकर नहीं आया तो वो कंपटीशन में पीछे रह जाएगा तो अगर टेक्नोलॉजी के हम साथ चलेंगे तो हम एकदम जो वर्तमान समय में जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ हम चलेंगे और वो सारी चीजें यहां पर देखने को नहीं मिलती है इस कारण से बहुत सारे उद्योग यहां पर बंद भी हो जाते हैं अब यहाँ पर बात करें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तो बिहार की अगर हम बात कर ले कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है सबसे ज्यादा क्षेत्र हमारे पास मैदानी क्षेत्र है जहां पर कृषि कार्य किए जाते हैं और राज्य के सबसे ज्यादा जो आबादी है काम करने वाली वो कृषि से ही जुड़ी हुई है ये बातें ध्यान में रखेगा इसलिए बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की असीम संभावनाएं देखने को मिलती है और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर दिसंबर 2020 तक देखें तो बिहार में छह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित हो चुके थे लेकिन यहां पर देखें तो भैया उद्योग स्थापित तो हो गया लेकिन चलता कितना है है ना सवा सौ के आसपास यहां पर चलते हैं ये बातें ध्यान रखिएगा तो इसके अंतर्गत चावल गेहूं मक्का दुग्ध उत्पाद ठीक है उसके बाद खाद्य तेल मखाना फल आधारित उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं जिसमें लगभग पचास हजार से अधिक लोग जो हैं इससे जुड़े हुए हैं मखाने की खेती कहां पर होती है तो वैसे क्षेत्र जो जलमग्न है भूमि है जैसे कि हमने देखा था कि नदियों के विसर्पण से जो आपके झील बन गए हैं है ना जिसे गोखुर झील बोलते तो यहाँ पर बड़े स्तर पर मखाने का उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता रहा है और जैसे कि यहाँ पर देखे हमारा कौन कौन सा तो उत्तरी बिहार के अंतर्गत दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी इन सभी जिलों में मखाने का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है साथ ही साथ मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है यहाँ पर लीची आधारित जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है इसकी संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ पर लीची का उत्पादन बड़े पर किया जाता है वैशाली की बात करें यहाँ पर केला बड़े स्तर पर उत्पादित किया जाता है इसलिए केला आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएं यहाँ पर है दरभंगा और भागलपुर की बात करें तो यहाँ पर आम बड़े स्तर पर उत्पादित किया जाता है इसलिए आम आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहाँ पर दे उसका विकास की संभावनाएं है रोहतास कैमोर की बात कर ले तो यहाँ पर अमरूद बड़े स्तर पर पाया जाता है और अमरूद आधारित यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की असीम संभावनाएं हैं साथ ही साथ बिहार की अगर बात कर लें, तो कृषि आधारित में हमारा इथेनॉल का उत्पादन भी बड़े स्तर पर मायने रखता है तो जब भी प्रश्न आए अब यहाँ पर आप लोग इथेनॉल भी यहाँ पर डालेंगे ठीक है ये सारी चीजें हैं इसकी आवश्यकता मुख्य परीक्षा में हो जाती है तो इसको हम यहाँ पर स्कीप करते हैं साथ ही साथ उद्योगों में हम बात करें तो यहां पर चाय उद्योग भी आपको देखने को मिलेगा और चाय उद्योग देखिएगा किस क्षेत्र में इसका विस्तार है तो चाय उद्योग की बात करें यह भी लगभग बिहार के 50 एकड़ भूमि पर चाय का उत्पादन किया जाता है और चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जो है वो किशनगंज है सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है और उसके अंतर्गत भी प्रमुख क्षेत्र जो है वो पोठिया ठाकुरगंज और किशनगंज इन सभी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर चाय का उत्पादन किया जाता रहा है बिहार में हर वर्ष चालीस हजार टन से भी अधिक चाय यहां पर उपजाई जाती है किशनगंज में देखे अकेले तो सात चाय प्रसो उद्योग किशनगंज में स्थापित है इसके साथ साथ हमारे पास चमड़ा उद्योग भी है और इसके लिए केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की अगर हम बात करें तो उसके डेटा के अनुसार बिहार में पशुओं से लगभग साढ़े छब्बीस लाख खाल और इक्यावन लाख चमड़ों का वार्षिक उत्पादन किया जाता है और इसका प्रमुख केंद्र जो है पटना आरा औरंगाबाद मुंगेर मुजफ्फरपुर कटिहार और पूर्णिया इन सभी क्षेत्रों में चमड़ा उद्योग भी आप सभी को देखने को मिल जाता है तो देखिएगा ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताया जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास बिहार में देखने को मिलता है तो अभी तक हमने यहाँ पर वन है ना वन संसाधन वन रिपोर्ट ये हमने देख लिया खनिज देख लिया है ना खनिज उद्योग हमने यहाँ पर देख लिए बिहार के जो उद्योग है अब देखिएगा औद्योगिक विकास करने के लिए यहाँ पर क्या है बियाडा बियाडा का फुल फॉर्म क्या हुआ बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और इसके द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं पहले देखिएगा बिहार में आपको फैक्ट्रीज बहुत कम दिखाई देगी कारण क्या रहा तो पहले ऐसी सिस्टम नहीं थी कि कोई फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास करे तो उसको आसानी से भूमि उपलब्ध करवा दिया जाए आसानी से वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर उपलब्ध करवा दिया जाए बिजली उपलब्ध करवा दिया जाए है ना आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध करवा दिया जाए यह पहले नहीं हुआ करता था लेकिन यह जो बियाडा है इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान किया विभिन्न क्षेत्रों में भूमियों का अधिग्रहण करके जो फैक्ट्री यहां पर लगाना चाहता है कारखाने खोलना चाहता है उसको आसानी से उपलब्ध करवाता है और इस हिसाब से देखें तो अब धीरे धीरे बिहार में भी आपको विभिन्न प्रकार के उद्योग जो है वो लगते हुए दिखाई देंगे तो ये मुख्य परीक्षा का विषय वस्तु है है ना मुख्य परीक्षा का विषय वस्तु है इसलिए इसको भी मैं पर क्या करूंगा करूंगा लेकिन ध्यान रखिएगा औद्योगिक विकास के लिए पूछ दे कि बिहार की कौन सी संस्थान है तो याद रखिएगा बियाडा इसका यहाँ पर विभिन्न रोल रहता है ठीक है ये बातें ध्यान रखिएगा उसके बाद यहां पर देखिए औद्योगिक प्रदेश भी है तो बिहार में छह प्रकार के औद्योगिक प्रदेश आपको देखने को मिलता है कौन कौन सा तो सबसे पहले उत्तर पश्चिमी गंगा के मैदान में चीनी औद्योगिक प्रदेश हो गया फिर तराई क्षेत्र में चावल मिल का विकास हुआ है बरौनी औद्योगिक प्रदेश ये तीसरा हो गया है ना दूसरा हो गया तीसरा यहां पर सोन घाटी औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा उसके बाद अगला देखिएगा गया गुरारू औद्योगिक प्रदेश हो गए उसके बाद दो और कौन कौन से दक्षिण पूर्वी बिहार मैदान का औद्योगिक प्रदेश और, और छठवा हो गया दक्षिण पश्चिम बिहार का मैदान का औद्योगिक प्रदेश तो ये सभी चीजें कहां पर क्या क्या बनाया जाता है ये सारी चीजें इसमें मैंने सम्मिलित किया है तो ये पी के माध्यम से आप लोग यहाँ पर डिटेल में देख लीजिएगा बाकी ये सारी डेटा है जिसको मैं जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण करवाऊंगा है ना वहां पर इन सबको अपडेट करवा दूंगा ये बातें ध्यान में रखिएगा ठीक है तो जो मेन्स में करवाता हूँ पेड बैस में ये सारे इतने डिटेल में करवाता हूँ ये बातें ध्यान में रखिएगा इतनी सारी चीजें सबको अच्छे से समझ में आ गई उद्योग सबको अच्छे से समझ में आ गया एक बार सभी लोग बताइएगा उसके बाद आगे बढ़ते सिंचाई परियोजनाओं की हम यहाँ पर चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं ठीक है क्लियर सभी लोग बताए अच्छे समझ में आ गया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा आ रहा है ना आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं फिर मजा नहीं आ रहा बढ़े आगे अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की हम चर्चा करेंगे और यहाँ से भी आपके कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं तो इसको भी हम समझते हुए चलते हैं देखिएगा सिंचाई परियोजनाओं में तीन परियोजनाएं हमारे लिए प्रमुख हो जाती है इसके अंतर्गत सबसे पहली जो है इसे कोसी परियोजना के नाम से जानते हैं कोसी परियोजना की बात कर ले चूंकि कोशी नदी जो है सबसे ज्यादा बाढ़ की विभिषिका लाती है बिहार में बिहार में इसको बिहार की शोक या शोक नदी के नाम से जाना जाता है तो ये चलती कहां से नेपाल से है और बिहार में बड़े स्तर पर विभिषिका लेकर आती है तो जो भी यहाँ परियोजनाएं हम बनाते हैं इसका बहुत सारे उद्देश्य होता है इसको बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इसके माध्यम से सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है हम बाढ़ का कंट्रोल करते हैं है ना जो नदियों में ज्यादा पानी हो जाता है इसको हम इकट्ठा करके रखते हैं तो सबसे पहला बाढ़ का कंट्रोल करना जो इकट्ठा हुए जल हो गए इसके माध्यम से हम टरबाइन चला लेते हैं यानी कि जल विद्युत का उत्पादन भी कर लेते हैं तो दूसरा हो गया तीसरा क्या हो गया जहां पर हमने बांध बनाया यहाँ से हम नहरें बना लेते हैं और उन नहरों के माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई भी कर लेते हैं जैसे कि हमारा होता क्या है जल भर जाता है इन जलों में बड़े स्तर पर मच्छरों का उत्पादन होता है परिणाम होता उन क्षेत्रों में मलेरिया फैल जाती है तो हम इससे क्या करते हैं बाढ़ आने से रोकते हैं और रोकने के साथ ही क्या होगा ना बाढ़ लगेगी ना मच्छरों का उत्पादन होगी हो तो विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हो जाते और इन उद्देश्यों से जो हम यहाँ पर परियोजनाएं लेकर आते बहु उद्देश्य परियोजना कहते तो सिंचाई हो 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 गया हो गया बाढ़ का नियंत्रण बिजली उत्पादन लेकर ले आई जाती है और इसमें एक हम बात हाँ पर तो सबसे पहली बात ये परियोजना किसकी है तो भारत और नेपाल की संयुक्त तो परियोजना है इसमें भारत और नेपाल दोनों सम्मिलित रूप से हैं। उन्नीस में हमने इसके लिए एक समझौता किया था फिर इस पर बात में कुछ गड़बड़ हुई तो फिर हमने इसमें 1961 में इसमें संशोधन भी किया 1955 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और उन्नीस हो जाता है इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो बाढ़ नियंत्रण सिंचाई जल विद्युत उत्पादन भूमि भूमि कैसे तो नदियां बड़े स्तर पर जल लेकर आएगी तो कटाव भी बड़े स्तर पर होगा तो इसको भी रोकना साथ ही साथ मलेरिया उन्मूलन तो ऐसे विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के साथ हमने इसको प्रारंभ किया था इसके बाद देखिएगा हमने इसके अंतर्गत किया क्या तो नेपाल वाले क्षेत्र में है ना हनुमान नगर जो क्षेत्र है यहाँ पर हमने एक कंक्रीट का बांध बना दिया जिसकी लंबाई लगभग 1140 मीटर है हमने यहाँ पर एक बांध बना दिया और इस बांध के माध्यम से है ना वहां पर हमने जल को एकत्रित किया और फिर हमने वहां से नहरें निकाल दी और उन नहरों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में हम सिंचाई कार्य कर लेते हैं तो यहाँ से दो प्रमुख नहर प्रणाली का विकास किया गया यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जा, जाता है तो ये तो आसान है जो पूर्वी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बनाई गई इसको पूर्वी कोशी नहर प्रणाली कहा जाएगा और जो पश्चिमी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बना दी गई इसको पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली कहा जाएगा तो यहां से प्रश्न नहीं पूछेगा है ना आप तो बता देंगे कोशी परियोजना से पूर्वी और पश्चिमी ये तो क्या है आसान है इसमें जो मुख्य नहर है इसकी लंबाई चौवालीस किलोमीटर है जिसकी चार शाखाएं हैं एक मुरलीगंज नहर मधेपुरा में जाता है चौसठ किलोमीटर लंबाई है दूसरा जानकी नगर नहर पूर्णिया में जाता है बिरासी किलोमीटर लंबाई है फिर पूर्णिया बनमंखी नहर जो है 64 किलोमीटर लंबाई है और फिर अररिया नहर बावन किलोमीटर लंबाई है पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली की बात करें तो ये 155 किलोमीटर है ये पचपन किलोमीटर रखिएगा और इससे मधुबनी दरभंगा मुजफ्फरपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है जबकि जो पूर्वी कोशी नहर प्रणाली है इससे मधेपुरा सहरसा पूर्णिया कटिहार इन सभी जिलों में सिंचाई की जाती है और साथ ही साथ पूर्वी कोशी नहर प्रणाली में हमने एक विद्युत उत्पादन केंद्र भी स्थापित कर दिया है क्योंकि कैसे तो जो हमने यहाँ पर बांध बनाया तो बांध में क्या हो गया स्थित स्थितिज ऊर्जा वहां पर काइनेटिक एनर्जी बनी हुई है उसमें बहुत ऊर्जा है अब वहां से हम पानी को धीरे धीरे गिराएंगे और उस पानी के प्रेशर से टरबाइन को घुमाएंगे इससे बिजली का उत्पादन होगा और हमने कटैया में 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का केंद्र भी स्थापित कर रखा है तो ये बातें ध्यान रखिएगा जो पूर्वी कोशी नहर प्रणाली है इससे हम सिंचाई के साथ साथ विद्युत का उत्पादन भी कर रहे हैं इसके पश्चात दूसरा है हमारा गंडक परियोजना और गंडक परियोजना की हम बात कर ले तो ध्यान रखिएगा ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जैसे कोसी जो है ये बिहार नेपाल की संयुक्त परियोजना है वैसे ही गंडक परियोजना जो है यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और ये परियोजना जो है भारत सरकार के सहयोग से इसको प्रारंभ किया गया है इसके लिए उन्नीस में समझौता हुआ और इस समझौते के आधार पर इसका लाभ जो है यह नेपाल को भी पहुंचाया जाता है यानी कि नहरें जो है नेपाल में भी इस सिंचाई के काम में आती है इसके अंतर्गत हमने क्या किया तो बिहार का जो वाल्मीकि नगर है इसमें त्रिवेणी घाट नामक जो स्थान है इस पर उन्नीस से 70 के दौरान हमने एक बांध का निर्माण कर दिया और यहां से जो हमने नहर प्रणाली निकाली इसी को त्रिवेणी नहर प्रणाली के नाम से जाना जाता है तो गंडक में त्रिवेणी नहर प्रणाली यहां से प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं इस परियोजना के अंतर्गत दो मुख्य नहर प्रणालियों का निर्माण किया गया सबसे पहला है पूर्वी त्रिवेणी नहर और दूसरा है पश्चिमी त्रिवेणी नहर पूर्व की तरफ जो चली गई उसको पूर्वी त्रिवेणी नहर पश्चिम की तरफ जो चली गई उसको पश्चिमी त्रिवेणी नहर लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम भी है जहां से आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं देखिएगा कौन कौन सी सबसे पहले यहां पर बात करें हम पूर्वी त्रिवेणी नहर की तो चूंकि इससे तिरहुत प्रमंडल जो है यहां पर सिंचाई की जाती है इसलिए इसको तिरहुत नहर के नाम से भी जानते हैं जिसकी लंबाई दो किलोमीटर है और इससे लगभग साढ़े छह लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचाई की जाती है इससे सिंचाई कहां कहां पर होती है पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण मुजफ्फरपुर वैशाली समस्तीपुर ये सब जिले जो हैं यहां पर तिरहुत नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है <laughs> माफ कीजिएगा क्लियर है उसके बाद दूसरा क्या है यहां पर पश्चिमी त्रिवेणी नहर चूंकि सारण प्रमंडल में इसके माध्यम से सिंचाई की जाती है इसकी लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है नेपाल में नेपाल से होते हुए आती है नेपाल में लगभग 19 किलोमीटर फिर बिहार में ये एंट्री कर जाती है यूपी में भी लगभग 112 किलोमीटर इसकी लंबाई है <coughs> ठीक है तो पहले ये नेपाल में उन्नीस किलोमीटर चलती है फिर यूपी में एक सौ बारह किलोमीटर है और फिर बिहार में उनसठ किलोमीटर लंबाई है तो ये ऐसे घूम के आती है यूपी से फिर सारण प्रमंडल की सिंचाई इसके माध्यम से की जाती है और सारण प्रमंडल में गोपालगंज सारण और सिवान ये तीन जिले आते हैं साथ ही साथ यहाँ पर विद्युत उत्पादन केंद्र भी स्थापित किया गया है जैसे कि पश्चिमी त्रिवेणी नहर है इसमें एक प्लांट बैठाया गया है जिससे गंडक हाइड्रो पावर प्लांट कहा जाता है और यहाँ पर पंद्रह मेगावाट की क्षमता है इतना बिजली यहाँ पर उत्पादन किया जाता है ठीक है उसके बाद यहाँ पर दिखेगा पूर्वी नेपाल नहर जो है है ना वाल्मीकि नगर में भी हमने पावर प्लांट बैठा रखा है और यहां पर भी पंद्रह मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट बैठाया गया है तो यहाँ पर सिंचाई के साथ साथ हम बिजली का उत्पादन भी कर रहे हैं उसके बाद एक प्रमुख है हमारी सोन परियोजना जो बिहार के लिए बहुत ही प्रमुख हो जाती है है ना अगर हम बिहार के परियोजनाओं की बात कर ले बहु उद्देश्यीय परियोजनाओं में तो बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है ये सोन परियोजना है और ये अंग्रेज काल में ब्रिटिश काल में इसका प्रारंभ किया गया कब अठारह ईस्वी में ये बातें ध्यान में रखिएगा हमने कल देखा था कि ये रोहतास कैमूर वाला जो क्षेत्र है यहां पर कौन सी है पुरानी जलोड़ मिट्टी है है ना तो यहाँ पर उतनी उर्वरता नहीं है लेकिन अगर हम यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था कर दे तो सबसे बेहतर उत्पादन यहाँ पर होता है और इसी उद्देश्य से इन सभी क्षेत्रों को सिंचित करने के लिए हमने सोन परियोजना यहाँ पर प्रारंभ कर दी और इसके लिए डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर हमने एक बांध का निर्माण कर दिया इस निर्माण का उद्देश्य क्या है कि बिहार का जो सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है कौन सी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र इसको सिंचित करना और इस परियोजना का हमें लाभ भी मिला हुआ है और इस लाभ के कारण ये क्षेत्र जो है बिहार का अन्न का भंडार बन चुका है हमने कल देखा था कि चाहे गेहूं का उत्पादन हो या चावल का उत्पादन हो बिहार के जितने भी जिले हैं इन जिलों में सबसे नंबर वन पर कौन है रोहतास है अगर यह परियोजनाएं नहीं होती तो फिर यहां पर उत्पादन इतना होता ही नहीं लेकिन इसी परियोजना के कारण रोहतास सबसे ज्यादा अन्न का भंडार करने वाला जिला है वहां पर गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है वर्ष उन्नीस में है ना यहाँ पर क्या किया तो एक बैराज का हमने निर्माण कर दिया स्वतंत्रता के पश्चात ठीक है ये अंग्रेजों के समय काल है स्वतंत्रता के पश्चात हमने एक बैराज का निर्माण किया और फिर हमने यहां से क्या कर दी तो नहरें निकाल डाली कौन कौन सी तो देखिएगा सबसे पहले डेहरी के पास से सोन नदी से दो नहरें निकाली गई है एक को बोलते पूर्वी सोन नहर और दूसरे को बोलते पश्चिमी सोन नहर तो यहाँ पर भी पूर्वी पश्चिमी याद रखिएगा इससे आपका काम यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी सोन नहर जो है, ये से पटना तक जाती है। और लगभग ढाई लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है इसको सिंचित करती है जिसके अंतर्गत औरंगाबाद गया जहानाबाद अरवल पटना इन सभी जिलों में सिंचाई का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है साथ ही साथ बारून में एक जल विद्युत केंद्र भी स्थापित किया गया है जहां पर तीन दशमलव तीन मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है साथ ही साथ पश्चिमी सोन नहर प्रणाली जो है ये डेहरी से लेकर डेहरी से निकलती है और लगभग तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करते हुए चलती है जिसके अंतर्गत रोहतास कैमूर बक्सर भोजपुर ये सभी जिले जो है इन सभी जिलों में सिंचाई की जाती है इसके माध्यम से और यहाँ पर भी डेहरी में हमने एक जल विद्युत केंद्र की स्थापना की है जिसकी क्षमता छह छह मेगावाट है तो यहां पर सिंचाई के साथ साथ हम विद्युत का उत्पादन भी कर रहे हैं और यह बिहार की प्रमुख बहु उद्देश्य परियोजनाएं थी आशा करता हूं सबको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी क्लियर है सबको नहीं बफरिंग नहीं हो रहा अब अभी तो बफरिंग नहीं हुई इतनी बातें क्लियर है सबको बढ़े आगे मजा आ रहा है ना बिहार का हर एक चीज में आपका करवाते हुए चल रहा हूं मजा आ रहा होगा और तीन क्लास में यानी कि मात्र घंटे में पूरा बिहार का भूगोल मैंने डिटेल में रिविजन करवाया है।, है ना पूरा डिटेल में आपका रिविजन हो गया विद करेंट अपडेट तो अब आप इसका रिविजन कर लीजिए बिहार के भूगोल से चार से पांच क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं तो यहां से पूछ लो भैया चार पांच क्वेश्चन तो हमारे पास आ ही गया जनसंख्या भी हमने कर लिया तो दो से तीन क्वेश्चन वहां से यानी कि आठ क्वेश्चन तो आपके तीन क्लास में निकल के चले आए बीपीएससी के एग्जाम के ठीक है क्लियर है बढ़े आगे बढ़े आगे संज्ञा भैया तीस से नहीं बढ़ेगा आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे कि तीस से ज्यादा संख्या बढ़े ठीक है ना ऐसे मजा नहीं आने वाला है क्लियर आइए अब मैं बता दूं कि अपने परिवार में अब 800 अभी 811 सदस्य हो चुके हैं 800 हमने सदस्यों की जो संख्या है इसको हमने पार कर ली है तो इसके लिए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जश्न मनाने का भी समय काल है जब एक हजार हो जाएगा एक हजार पर केक भी काटा जाएगा लाइव में आकर और आप सबसे बातचीत भी की जाएगी है ना कुछ हम अपने उद्देश्य को बताएंगे कुछ लोग आप अपने समस्याओं को बताएंगे और जमकर वहां पर बात भी होगी है ना वहां पर पार्टी भी की जाएगी मैं आराम से खाऊंगा आप लोग देखिएगा सबको व्हाट्सअप कर दूंगा ठीक है ना तो एक हजार बहुत जल्दी होने वाले हैं और फिर वहां पर एक हजार का केक भी काटा जाएगा मजा आ जाएगा क्योंकि अपना परिवार क्या हो रहा है वृद्धि कर रहा है है ना सदस्य इससे जुड़ रहे हैं सब लोग पसंद कर रहे हैं और इससे बढ़िया और क्या हो सकती है ठीक है चलिए कुमार विक्रम जी का एक कमेंट है कि सर जी डैम का निर्माण अंग्रेजों के टाइम पे भी हुआ होगा ना और अभी जो इतना नेचुरल डिजास्टर आता है जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तब तो नहीं आता था क्या उस समय भी आता था जितना परिवर्तन हमने कर दिया है परिवर्तन तो हो रहा था लेकिन भारत पर उतना प्रभाव नहीं था लेकिन वर्तमान समय में है ना क्योंकि अंग्रेजों ने औद्योगिक औद्योगिकरण किया ही नहीं औद्योगिकरण नहीं करेगा तो फिर यहाँ के कार्बन स्टॉक हमारा पॉजिटिव में होगा तो उस समय देखा जाए इतने बड़े स्तर पर विभिषिकाएं नहीं थी लेकिन विभिषिकाएं भी आती थी लेकिन अंग्रेजों को इससे क्या लेना उस समय अधिकतर सूखा आता था अब अधिकतर बाढ़ आता है लेकिन इस साल सूखा घोषित कर दिया गया है बिहार में ठीक है ना तो डैम अंग्रेजों ने बनाया फिर हमने भी स्वतंत्रता के पश्चात बनाया और अभी भी बहुत सारे डैम बनाने की योजनाएं भी हैं जो छोटे स्तर पर है उसको मैंने यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया है जब हम

और देख लीजिएगा मजेदार तरीके से सारी चीजें यहाँ पर चलती रहेगी अब आइए इसके पश्चात अंतिम हमारा बच जाता है जनसंख्या एवं अधिवास और यहां से दो से तीन क्वेश्चन आपके आते हैं है है ना आप कोई भी किसी साल का उठाकर देख लीजिए दो से तीन क्वेश्चन यहां से आते हुए नजर आएंगे तो आइए अब बात करते हैं जनसंख्या एवं अधिवास की क्योंकि तो बिहार की के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जनसंख्या का तीव्र वृद्धि और हमारा दशकीय वृद्धि दर भी देखिए तो पूरा देश में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो जनसंख्या ज्यादा है इसको निगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में लेकर चलना है कि हमारे पास मानव संसाधन ज्यादा है और मानव संसाधन जहां पर ज्यादा है वो सबसे बेहतर है ये कब तो मानव संसाधन का प्रयोग करना आना चाहिए जबकि हमारी सरकार जो इसमें विफल रही है बार बार कहती तो है कि हमारे पास मानव संसाधन है और इसका प्रयोग से हम राज्य का तेजी में डेवलपमेंट कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाती है और अभी हाल ही में जो सरकार बनी है क्या बताएं, है ना सब बोल रहे हैं कि लालू सरकार आ गया है और इसका प्रभाव भी देखने को मिला है मेरे बगल वाले गांव में डकैती हो गई है ना फिर एक और बगल वाले गांव है वहां पर भी घर में चोरी हो गई फिर एक और बगल वाला गांव है वहां से गाय भैंसे खुलनी स्टार्ट हो गई बाइक उठाकर लेकर चले जा रहे हैं तो अभी जब से सरकार बनी है कितने दिन हुए पंद्रह से बीस दिन भी नहीं हुए और इतने दिन में अभी तक सात घटनाएं मेरे क्षेत्र में हो चुकी है तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लग रहा है अभी मेरा घर जो है ना पूर्ण रूप से ओपन है नीचे से तो है ना तो ये भी डर लग रहा है अब उसको जल्दी से घेरवाना भी है कि ऐसी सब चीजें होगी गाड़ी लगी रहती है बाइक लगी रहती है है ना घर में सारे चीजें हैं तो संभावनाएं हैं आज तक तो रिकॉर्ड रहा है कि मेरे गांव में तो कभी चोरों ने कदम रखा नहीं एक बार रखा भी था तो फिर वो जीवन से हाथ धो चुका था इसलिए अब डर के मारे कभी कोई रखा नहीं है इतिहास है लेकिन अब चोरी चकारी यहां पर प्रारंभ हो चुकी है जिसको देखते हुए थोड़ा सा डर भय भी बन रहा है ठीक है आइए देखते हैं आप जनसंख्या एवं अधिवास की बात करते हैं देखिएगा इसको थोड़ा सा मैं जुम्म कर देता हूं ताकि आप लोगों को यहाँ पर दिखे भी है ना प्रारंभ कहां से करेंगे मैं सारी चीजें बेसिक से लेकर चलता हूं जैसे भारत में पहले अंग्रेज आए अंग्रेजों से पहले तो यहाँ पर जनगणना की जाती थी है ना चाहे मुगल काल हो या मौर्य काल हो गुप्त काल हो हर समय में जन्म और मृत्यु का विवरण यहाँ पर रखा जाता था लेकिन जैसे ही अंग्रेजी शासन काल यहाँ पर आया ये सारी चीजों से उनको मतलब ही नहीं रह जाता है क्योंकि अंग्रेजी कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी और इसको ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जन करने से ही मतलब हुआ करता था इसलिए इन्होंने जनसंख्या पर कभी ध्यान दिया नहीं लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और अंग्रेज अपने आप को बेहतर प्रस्तुत करने के लिए है ना ये दिखाते थे कि हम भारतीयों की चिंता करते हैं इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं इनके विकास की बात करते हैं और ऐसे करते करते धीरे धीरे लेकिन साथ ही साथ कई सारे ऐसे अंग्रेज अधिकारी भी रहे जो मानववाद के सपोर्ट में थे ना कि ब्रिटिशवाद के इसलिए इनके द्वारा विभिन्न कार्य भी यहाँ पर किया गया अभी तक किसी ने भी यहाँ पर जनगणना का जनगणना की ओर ध्यान नहीं दिया लेकिन सबसे पहले देखे भारत में जो जनगणना कराई गई वो लॉर्ड मेयो के द्वारा किया

इसको क्या कहा जाता है व्यवस्थित करवाया जाता है कि लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं घर में कितने सदस्य ये सारी चीजें और ऐसे व्यवस्थित जनगणना का प्रारंभ देखें तो अठारह में सबसे पहले लॉर्ड रिपन के द्वारा यहां पर करवाई गई थी और तब से हर 10 वर्ष पर लगातार हमारी जनगणनाएं होती रही है अंतिम जनगणना की जो जनकारी हमारे पास दो वाली है दो की भी जनगणना आती लेकिन कोविड महामारी के कारण उन्नीस दो हजार उन्नीस ये सब के सब बाधित रहा और इस कारण से हमारी अगली जनगणना अभी तक हो पाई नहीं है तो अभी भी हमारे पास जनगणना का रिपोर्ट है ये 2011 वाला है और इसी के आधार पर हम यहां पर कर रहे हैं ये बातें ध्यान में रखिएगा अब बिहार की हम बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल हमने देखा चौरानवे वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है है ना अगर हम बात कर ले भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र तो मात्र दो दशमलव आठ प्रतिशत क्षेत्र पर बिहार अवस्थित है लेकिन जनसंख्या की बात कर ले तो बिहार की जनसंख्या दस करोड़ चालीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ बावन है दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार अब इक्कीस वाला आएगा तो भैया खतरनाक आएगा है ना तो 10 करोड़ 40 लाख निन्यानवे हजार चार सौ बावन लोग बिहार में निवास करते हैं जो भारत के कुल जनसंख्या का आठ दशमलव पांच आठ प्रतिशत है तो एक तरफ देखिएगा अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो कितने जमीन मात्र तीन परसेंट से कम जमीन पर बिहार अवस्थित है लेकिन जनसंख्या की बात कर ले तो भारत की जितनी जनसंख्या उसका लगभग साढ़े आठ परसेंट से भी ज्यादा जनसंख्या बिहार में निवास करती है इसलिए यहाँ का जनघन तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार का तीसरा स्थान है है ना जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार का तीसरा स्थान है सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है फिर महाराष्ट्र की है दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर बिहार हो जाता है चौथे पर वेस्ट बंगाल और पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश है तो ये भारत के पांच सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य है एक नंबर उत्तर प्रदेश फिर महाराष्ट्र फिर बिहार फिर वेस्ट बंगाल फिर आंध्र प्रदेश तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान बिहार का है जबकि यहां पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो स्थान बिहार का देखने को मिल जाता है ठीक है ये चीजें ध्यान में रखिएगा अब इसमें भी देखें तो हमारे पास अड़तीस जिले जो है अड़तीस जिलों में जो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो पटना जिले के अंतर्गत अट्ठावन लाख अड़तीस हजार चार सौ पैंसठ लोग पटना में निवास करते यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना जिले की है और सबसे कम जनसंख्या जो है शेखपुरा में है यहाँ पर छह लाख छत्तीस हजार तीन सौ बयालीस लोग निवास करते हैं अब जन घनत्व की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर बिहार की बात कर ले तो हमने देखा जो डेटा थी इसके आधार पर कि जनसंख्या का बहुत ही ज्यादा दबाव है एक वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा निवास करने वाले अगर व्यक्ति कहीं पर है तो वो बिहार में है ना इसलिए जनसंख्या घनत्व तो बिहार में ज्यादा है और हर एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं तो एक तरफ हम भारत की बात कर ले तो भारत में एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तीन लोग निवास करते हैं उससे अगर तुलना करें बिहार की तो तीन तिमा नौ यानी कि तीन गुना से भी ज्यादा लोग जो हैं ये बिहार में निवास करते हैं तो भारत की जनसंख्या घनत्व जो है ये तीन सौ बेरासी है इससे तुलना करें तो बिहार में ग्यारह सौ छह व्यक्ति करते हैं ये बातें ध्यान में रखिएगा इसलिए अगर जनघनत्व की बात कर ले तो जनघनत्व के आधार पर भारत का बिहार में प्रथम स्थान है ये चीजें ध्यान में रखिएगा अब जनघनत्व की बात कर ले तो सबसे ज्यादा जनघनत्व हमारा शिवहर जिले में है और यहाँ प्रति 4 किलोमीटर क्षेत्र में 1880 लोग यहां पर निवास करते हैं जबकि सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है यह है कैमूर और सबसे कम है ना यह भी भारत के लेवल से ज्यादा है भारत का 382 व्यक्ति पर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है जबकि कैमूर जो सबसे कम है इसका 488 है तो कैमूर का जनघनत्व 488 और जो सबसे कम वाला जिला है वो भी भारत से कहीं ज्यादा है लिंगानुपात की बात कर लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ कि प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या तो लिंगानुपात की बात कर ले तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है गोपालगंज जिले की है एक हजार इक्कीस और सबसे निम्न लिंगानुपात जो है ये मुंगेर की है आठ सौ छिहत्तर सर्वाधिक साक्षरता की बात कर लें तो सबसे साक्षर जिला बिहार का रोहतास है जहां पर तिहत्तर दशमलव तीन सात परसेंट लोग जो है साक्षर है और निम्न साक्षरता वाला जिला जो है पूर्णिया है जहां के मात्र इक्यावन प्रतिशत लोग जो है शिक्षित आपको दिखाई देते हैं ठीक है इतने क्लियर है? आगे देखिएगा अब बात कर ले जनसंख्या वृद्धि की तो जनसंख्या वृद्धि को भी ध्यान रखिएगा कि हम कितनी तेजी से अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं यह हमारे लिए सबसे बड़ा क्या हो जाता है चुनौती हो जाता है भारत की जनगणना का प्रारंभ हमने अभी देखा कि अठारह में हुआ था और उसके बाद से अठारह में हमारा सबसे व्यवस्थित हुआ और इसके बाद दस वर्षीय व्यवस्थित जनगणना का प्रारंभ वो जो हुआ वो लॉर्ड रिपन के द्वारा अठारह में हुआ स्वतंत्रता के बाद भी जनगणना का कार्य यहाँ पर संपन्न कराया जाता रहे इसके लिए 1948 में जनगणना अधिनियम सेंसस एक्ट 1948 लागू किया गया और इसके अनुसार भारत में जनगणना संबंधी अधिकार जो है रजिस्ट्रार जनरल के अधीन होता है उसके द्वारा ये सारे जनगणना यहाँ पर करवाया जाता है अब आइए यहाँ पर दो की जो जनगणना का रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के आधार पर देखते हैं कि, कि किस तरीके से बिहार में जनगणना में वृद्धि हो रही है ये पूरा उन्नीस से लेकर 2011 तक मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है ये बातें ध्यान रखिएगा ये मैंने इसलिए सम्मिलित किया है क्योंकि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि निम्न जनसंख्या यानी कि जन जनसंख्या वृद्धि दर जो है कभी कभी माइनस में ही रही है कब तो 1911 से 1921 के दौरान यहां पर भारत में देखें तो वृद्धि दर माइनस में रही है माइनस प्रतिशत और बिहार की भी यहाँ पर माइनस में रही है लेकिन उसके बाद से देखिएगा रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुई है भारत में जनसंख्या वृद्धि बढ़ते हुए लेकिन फिर आगे देखे तो उन्नीस से यहाँ पर घटते हुए दिखाई देगी चौबीस से, से यहाँ पर तेईस इक्कीस सत्रह प्रतिशत की वृद्धि दर यहाँ पर की गई दर्ज 2001 से 11 में वहीं बिहार की बात कर ले तो लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि दर देखने दे को मिल जाती है तो बिहार भारत से कहीं आगे है जनसंख्या बढ़ाने में अब जिलेवार यहां पर देखे जहां से बार बार आपके प्रश्न पूछे जाते रहे दो से ग्यारह का यानी कि 2001 में जो जनगणना थी फिर 2011 में हुई तो 10 वर्ष का गैप हुआ इस 10 वर्ष में कितने परसेंटेज से हमने अपनी जनसंख्या को बढ़ाया है इसी को दशकीय वृद्धि कहा जाता है अब देखिएगा सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले पांच जिले कौन कौन से हैं सबसे नंबर वन पर है मधेपुरा मधेपुरा में तीस दशमलव प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई यानी कि 2001 में अगर कहीं पर 100 लोग होंगे जिस परिवार में वहां पर एक सौ तीस दशमलव लगभग एक सौ इकतीस लोग वहां पर हो गए दस वर्ष में इकतीस लोग की वृद्धि हो गई तो यहां पर दशक वृद्धि में सबसे नंबर वन पर मधेपुरा है दशमलव छह पांच प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई दो नंबर पर किशनगंज जहां पर लगभग साढ़े तीस प्रतिशत है तीन नंबर पर तीस प्रतिशत की वृद्धि दर है ना फिर चार नंबर पर खगड़िया है लगभग और फिर पांच नंबर पर पूर्वी चंपारण है जहां पर लगभग उनतीस प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई वही सबसे कम वृद्धि दर वाला देखे तो नंबर वन पर कौन है गोपालगंज जहां पर अठारह की वृद्धि दर्ज की की गई अब देखिएगा सबसे कम वृद्धि हुई गोपालगंज में लेकिन यह भी भारत के वृद्धि दर से ज्यादा है भारत का दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 में क्या रहा तो 17.7% वही बिहार का सबसे कम दशकीय वृद्धि करने वाला गोपालगंज जो है इसकी दशकीय वृद्धि दर लगभग 19% के आसपास रही तो सबसे कम जो है वो भी भारत से ज्यादा है अगर एक एक नंबर पर न्यूनतम में देखें तो एक नंबर पर गोपालगंज है दो नंबर पर दरभंगा तीन पर अरवल चार पर मुंगेर और पांच पर रोहतास है ये पांच सबसे कम दशकीय वृद्धि करने वाले जिले हैं और ये मधेपुरा किशनगंज अररिया खगड़िया पूर्वी चंपारण ये पांच सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले जिले हैं ठीक है जनसंख्या घनत्व देखिएगा ये मैप के माध्यम से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया हुआ है ये सब जितना भी नोट्स है ना ये सारे मैंने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको मैंने बनवाया था है बनवाया क्या था ये मेरा अपना हैंड रेटिंग नोट्स ही है और इसी के माध्यम से मैं क्लासेस करवाया करता था देखेगा जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो इसका मुख्य कारण क्या है जनसंख्या वितरण में असमानता कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है इसका कारण क्या है तो असलाकृतिक विविधताएं जो है जलवायु है मिट्टी के प्रकार जल की उपलब्धता आर्थिक क्रियाएं आधारभूत समस्याएं ये सारे ऐसे कारक हो जाते हैं जिस कारण से जनसंख्या में अंतर देखने को मिलता है जैसे पटना की बात कर ले सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है इसका कारण क्या है कि ये क्या है सबसे पहले तो असलाकृतिक विशेषता राजधानी है यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है है ना वहां पर फैक्ट्री है हर एक चीज है बिहार के जितने भी जो सरकारी जो केंद्र होते हैं वो सब के सब के पटना में है, और ये मुख्य कारण हो जाता है जिस कारण से सबसे ज्यादा जनसंख्या पर देखने को मिल जाती है अब मान लीजिए कोई बंजर क्षेत्र हो गया या पहाड़ी क्षेत्र हो गया तो वहां पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है तो विभिन्न कारण हो जाता है इस कारण से हम देखें तो जनसंख्या के वितरण में असमानता देखने को मिलता है अगर सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों की बात कर लें तो बिहार में है ना कितना सर्वाधिक कितना है 1106 मध्यम जनघनत्व वाले जिले जो हैं उसमें 800 से लेकर 1100 वाली जनसंख्या और तीसरा निम्न जनघनत्व वाले जिले जो हैं जहां पर 800 से कम है सबसे कम तो हमने कैमूर की बात कर ली चार सौ अट्ठासी यहाँ पर थी तो यहाँ पर मैंने इसकी लिस्टिंग कर दी है आप लोग इसको देखकर यहां पर कर सकते हैं है ना सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले तो ऐसे शॉर्ट में एक बार देख लीजिएगा सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला अगर कोई जिला है तो वह है शिवहर यहाँ पर अठारह लोग एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं दो नंबर पर पटना है तीन नंबर पर दरभंगा चार पर वैशाली और पांच पर बेगूसराय यहाँ पर क्या है सर्वाधिक जनघनत्व है सबसे कम जनघनत्व वाले जिलों की बात कर ले तो एक नंबर पर कैमूर है जहां पर सबसे कम लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में और वह चार सौ फिर दो नंबर पर जमुई तीन नंबर पर बांका चार नंबर पर पश्चिम चंपारण पांच नंबर पर औरंगाबाद हो जाता है तो ये बिहार के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं और ये बिहार के अधिकतम जनघनत्व वाले जिले हैं ये कम से कम टॉप फाइव जो है ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा उसके बाद लिंगानुपात की बात कर ले लिंगानुपात क्या होता है इसमें कोई और डेटा तो नहीं था ना ये सबसे नीचे था हाँ बिल्कुल अब देखिएगा लिंगानुपात की बात लिंगानुपात अभी मैंने बताया कि पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होती है इसी को लिंगानुपात कहा जाता है और इसमें अगर हम देखें तो देखिएगा हम इसमें क्या क्या देख सकते हैं सबसे पहले 1901 में बिहार में जो लिंगानुपात था ये एक था यानी कि पॉजिटिव में थे ब्रिटिश काल के दौरान देखें तो पुरुषों से ज्यादा यहाँ पर महिलाओं की संख्या बिहार में हुआ करती थी फिर 1911 में उन्नीस हुआ, 1921 में एक हजार देखने को मिला, है ना? अभी तक क्या है ये पॉजिटिव में है लेकिन घटते हुए दिखाई दे रहा होगा 1931 से महिलाओं की संख्या में गिरावट स्टार्ट हो गई और 1931 में 1000 से भी कम हो गया 935 सौ यहां पर हो गई ठीक okay? है 1971 से लगातार गिरावट यहां पर दर्ज की जाने लगी और वर्तमान समय 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो बिहार में अब लिंगानुपात 916 है वहीं अगर भारत के स्तर पर देखें तो ये 940 है तो लिंगानुपात में अगर देखें कि भारत के अपेक्षा बिहार में कमी देखने को मिलती है एक तरफ भारत का जो लिंगानुपात है 940 यानी कि एक हजार पुरुषों पर 940 महिलाओं की संख्या है वही बिहार में देखें तो ये 916 है ये बातें भी ध्यान में kia okay, ये पॉजिटिव वाला भी ध्यान रखिएगा 1921 तक लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई 1931 से, और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है अगर किया जा रहा था लोगों में अशिक्षा है ना सामाजिक धार्मिक अंधविश्वास और मुख्य रूप से यहाँ पर दहेज है लोग सोचते थे कि भैया बच्ची जन्म लेगी तो एक तो पालो पोषो इसमें खर्चे और फिर ब्याहने के लिए दहेज भी देना पड़ेगा तो दहेज भी एक बड़ी समस्या यहां पर देखने को मिली और यह भी एक कारण रहता है जिस कारण से लगातार बिहार में लिंगानुपात में अंतर देखने को मिला अब लिंगानुपात में देखिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है यह गोपालगंज एक हजार पंद्रह है और लिंगानुपात आपका मुंगेर है जहाँ पर आठ है नौ से भी कम है यहाँ पर लिंगानुपात तो सबसे ज्यादा वाला गोपालगंज और न्यूनतम वाला यहाँ पर मुंगेर हो जाता है अब ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात की बात कर ले तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखिएगा नौ है जबकि शहरी क्षेत्रों में मात्र आठ है किन किन दृष्टिकोण से देखना चाहिए सारी चीजें मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया हुआ है अच्छा बिहार का गेड़ा घर देखिए पॉलिटिक्स की बात जहां पर आएगी ना यही होगी ठीक है ना पॉलिटिक्स पर बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं जो डिप्टी सीएम है उसके बारे में यहाँ पर कमेंट आ रहा है ये देखिएगा आगे देखिएगा ठीक है तो अगर प्रश्न पूछ दे कि लिंगानुपात जो है बिहार में ये शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है या ग्रामीण क्षेत्रों में तो ध्यान रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात ज्यादा है 927 है जबकि शहरी क्षेत्रों में ये आठ है यानी कि शहर के लोग पढ़े लिखे होकर भी वहां पर लड़कियों का लिंग अनुपात है कम है ये बातें आप समझ सकते हैं वहीं भारत के स्तर पर देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में 946 और शहरी क्षेत्रों में 900 है तो आप चाहे भारत या बिहार किसी की भी बात कर लीजिए शहरी क्षेत्रों में अनुपात कम है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात ज्यादा है ये बातें ध्यान में रखिएगा अब लिंगानुपात के आधार पर है ना सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले नंबर वन पर गोपालगंज एक हजार पंद्रह दो नंबर पर सिवान नौ सौ चौरासी तीन नंबर पर सारण नौ सौ उनचास और चार नंबर पर किशनगंज नौ सौ छियालीस यानी कि सारण जिला यहाँ पर टॉप में है लिंगानुपात को लेकर न्यूनतम जो लिंगानुपात वाले जिले हैं, नंबर वन पर है मुंगेर आठ सौ छिहत्तर दो नंबर पर भागलपुर आठ सौ उनासी तीन नंबर पर खगड़िया आठ सौ तिरासी और चार नंबर पर शिवहर आठ सौ नब्बे अच्छा नब्बे ये तिरानबे अच्छा कम से ज्यादा ना तो तो हो गया पढ़नेतम तो लिंगानुपात वाले चार जिले और ये सर्वाधिक यानी कि अधिकतम वाले जिले गोपालगंज सिवान सारण और फिर किशनगंज ये बातें ध्यान में रखिएगा अब यहाँ पर बात कर ले हम साक्षरता की कि साक्षरता क्या है देखिएगा साक्षर हम किसे कहेंगे तो सात वर्ष से अधिक आयु वर्ग का व्यक्ति जो किसी एक भाषा को पढ़ना लिखना और समझना जानता हो उसे साक्षर कहा जाता है ये बातें ध्यान रखिएगा उन्नीस की जनगणना तक सात वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष निर्धारित था लेकिन उन्नीस से हमने सात वर्ष इसको स्थापित कर दिया कि सात वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में लिखना पढ़ना समझना जानता उसे साक्षर कहा जाएगा और 2011 की जनगणना की अगर हम बात कर ले तो बिहार में साक्षरता दर अगर बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर देखे तो यह तिहत्तर दशमलव तीन नौ प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर देखे तो तिरपन दशमलव तीन तीन प्रतिशत हो जाता है अब सर्वाधिक साक्षरता की हम बात कर ले तो सर्वाधिक साक्षरता अभी हमने बात की शॉर्ट में तो पहले ही हमने बात कर लिया ये थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं तो सर्वाधिक साक्षरता जो है ये रोहतास में देखने को मिलेगा 75.59% और निम्न साक्षरता दर पूर्णिया में 52.49% अब ये सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हो गए और ये निम्न साक्षरता वाले जिले हो गए तो सबसे नंबर वन पर है रोहतास फिर दो नंबर पर मुंगेर तीन नंबर पर भोजपुर चार नंबर पर औरंगाबाद और पांच नंबर पर पटना यानी कि पटना राजधानी होकर भी साक्षरता में पांचवें नंबर पर है यहाँ के लगभग साढ़े बहत्तर प्रतिशत लोग जो है साक्षर हैं और इससे जो बच जाते हैं वो यहाँ पर निरक्षर है वही निम्न साक्षरता वाले जिलों की बात कर ले तो एक नंबर पर पूर्णिया है लगभग साढ़े दो नंबर पर सीतामढ़ी तीन नंबर पर कटिहार चार नंबर पर मधेपुरा और पांच नंबर पर सहरसा आपका हो जाता है है। ये निम्न साक्षरता वाले जिले आपके पर देखने को मिल जाते हैं इसके बाद और क्या क्या है कहां तो पर, तो पर, पर, पर दिखाई देता है तो देखिएगा नंबर वन पर आपका समस्तीपुर हो जाता है यहाँ के लगभग साढ़े छानवे परसेंट जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है फिर दो नंबर पर बांका हो गया तीन नंबर पर कैमूर

साढ़े तैतालीस परसेंट जनसंख्या जो है और पांच नंबर पर शेखपुरा तो ये चीजें हो गई एक चीजें यहाँ पर भी ध्यान में दे लीजिएगा कि बिहार की टोटल कितनी जनसंख्या जो है ये गाँव में निवास करती है, है ये निवास तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो मात्र ग्यारह दशमलव तीन 10 जनसंख्या जो है ये शहरों में निवास करती है। तो बिहार की 11.3 परसेंट जो है ये शहरों में, जबकि 88 परसेंट, 88.7 यानी कि 98 परसेंट जनसंख्या जो है बिहार में ये ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये भी बातें ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? इसके बाद भी और कुछ है। अब देखिएगा अब बच्चों की संख्या की भी हम यहाँ पर बात कर लें बच्चों से भी आपके प्रश्न पूछे जाते रहे तो बिहार में देखिएगा जीरो से चौदह वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चों की संख्या है ये लगभग तेरह दशमलव दो चार परसेंट हो जाता है और 2011 के जनगणना के अनुसार छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या जो है ये सत्रह दशमलव नौ प्रतिशत और वही राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो तेरह दशमलव एक दो प्रतिशत यहाँ पर देखने को मिल जाता है ठीक है अब जीरो से छह परसेंट में देखिएगा लड़कों की संख्या कितनी है तो सत्रह दशमलव सात सात प्रतिशत और लड़कियों की संख्या अठारह दशमलव सात प्रतिशत जीरो से छ वर्ष की बात कर ले लिंगानुपात में में तो 2001 में ये 942 था जो 2011 में घटकर 935 हो गया तो बच्चों में जीरो से छ वर्ष की बच्चों में अगर लिंगानुपात की बात कर ले तो नौ है वर्तमान में ये बातें ध्यान 2001 में रखिएगा दो में यह ज्यादा थी नौ थी ठीक है इसके बाद और भी कुछ डेटा है ये भी देख लीजिएगा बच्चों को लेकर ही यहाँ पर देखिएगा जीरो से छह वर्ष में देखें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है हमारा किशनगंज और बच्चों में लिंगानुपात की बात कर ले है ना सभी की बात की तो यहां पर है ना सभी को सम्मिलित रूप से तो एक हजार के ऊपर था लेकिन बच्चों में बात करें तो बच्चों में भी ये लिंगानुपात अनुपात एक हजार के नीचे है नौ सौ इकहत्तर है लेकिन फिर भी सर्वाधिक बच्चों के लिंगानुपात में किशनगंज जिला आगे है और निम्न लिंगानुपात वाला वैशाली है नौ सौ चार हो जाता है जीरो से छ वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात कर ले सबसे ज्यादा लड़के कहां पर है खगड़िया में है सबसे ज्यादा लड़की कहां है सुपौल में है ये बात ध्यान रखिएगा निम्न जनसंख्या में देखें तो सबसे कम लड़के पटना में और सबसे कम लड़की जो है ये भी पटना में देखने को मिल जाती है ठीक है अब जीरो से छ वर्ष में ग्रामीण और शहरी में बात कर ले तो ग्रामीण क्षेत्रों में अठारह दशमलव पाँच पाँच परसेंट और शहरी क्षेत्रों में चौदह दशमलव तीन पाँच परसेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ठीक है जीरो से छ वर्षों में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है खगड़िया में देखने को मिलेगी और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है ये आपको शिवहर में देखने को मिल जाता है ती बच्चों से संबंधित जनसंख्या थी अब आइए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को भी देख ले इसको भी नहीं छोड़ेंगे तो बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या जो है चौदह दशमलव पांच छह प्रतिशत है और इसमें से भी सर्वाधिक जो है ये गया में है और निम्न जो है ये किशनगंज में है तो गया में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं और सबसे कम जो है ये किशनगंज में निवास करते हैं है ना ये बातें ध्यान रखिएगा अगर अनुसूचित जाति की बात कर ले तो इसमें लिंगानुपात जो है ये नौ है और इसमें भी देखे तो सर्वाधिक जो है सिवान में और निम्न जो है ये भागलपुर में देखने को मिल जाता है वही इनमें अनुसूचित जाति में साक्षरता दर की बात कर ले तो साक्षरता दर मात्र यहाँ पर साढ़े अट्ठाईस प्रतिशत है और इसमें भी सर्वाधिक जो है ये मुंगेर में है मुंगेर में जो अनुसूचित जाति है उसमें लगभग लोग साक्षर हैं और सबसे कम साक्षरता शिवहर परसेंट लोग यहाँ के शिक्षित हैं अनुसूचित जातियों में अब बात कर ले अनुसूचित जनजाति की शेड्यूल ट्राइब की तो इसकी संख्या बहुत ही कम है एक परसेंट से भी कम है बिहार की जितनी भी जनसंख्या उसका जीरो दशमलव नौ प्रतिशत यहाँ पर एस हो जाते हैं शिड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति हो जाते हैं और इसमें भी सबसे ज्यादा कटिहार में निवास करते हैं और सबसे कम शिवहर दरभंगा खगड़िया शेखपुरा यहाँ पर एक भी यानी कि जीरो परसेंट इनकी जनसंख्या देखने को मिल जाती है जमुई में देखें तो चार दशमलव आठ परसेंट बांका फिर पूर्णिया इन सभी क्षेत्रों में इनकी आबादी देखने को मिल जाती है अब इनकी संरचना की हम बात कर लें कि इनमें अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात कितना है तो नौ है और अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये गोपालगंज में एक और सबसे कम जो है पटना में है सात इनमें साक्षरता दर की बात कर ले तो अनुसूचित जाति जो बिहार में पाई जाती है इसमें से लगभग 28% जो लोग हैं वो साक्षर हैं और इसमें भी सबसे ज्यादा जो साक्षर हैं वो बेगूसराय में हैं 78.6% और सबसे कम साक्षर जो हैं लखीसराय में हैं 12.9% अब जो जनसंख्या इसमें धार्मिक संरचना देखें कि बिहार में कौन-कौन से धर्म से संबंधित लोग रहते हैं तो सबसे ज्यादा हिंदू हैं कितना तो 83.2% उसके बाद दो नंबर पर मुस्लिम है सोलह दशमलव पांच परसेंट फिर सिख है फिर ईसाई फिर बौद्ध और फिर जैन तो सबसे ज्यादा हिंदू लोग हैं फिर मुस्लिम लोग हैं फिर सिख है, फिर ईसाई फिर बौद्ध और फिर जैन तो ये थी आपकी पूरी यहाँ पर कहानी है ना हमने यहाँ पर चार टॉपिक कंप्लीट किया और इसी के साथ ही हमारा बिहार का भूगोल कंप्लीट हो जाता है ये छः घंटे के क्लासेस अगर आप लोग देख लेते हैं तो इससे संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और जितना हमने पूरा भूगोल का क्लास किया है बिहार का इसमें से सात से आठ क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाते हैं ठीक है तो आप सभी लोग एक बार बताइएगा ठीक है ठीक है क्लियर है सबको अब आप लोग एक बार फीडबैक यहां भी दीजिए और वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे हैं ना आप सबको पता ही है कि यूट्यूब उस चैनल को पुश करता है जिस पर सबसे ज्यादा उसके सदस्यों के द्वारा प्रतिक्रियाएं दिखाई जाती है और आप लोग प्रतिक्रिया दिखाते नहीं है बस लाइव में आते हैं देख के चले जाते हैं कई लोग तो ऐसे हैं जो लाइक भी नहीं करते है ना कई लोग यहाँ पर लाइक भी नहीं करते तो फिर वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कैसे कर सकते हैं है ना जब इतनी सारी चीजें बेहतर तरीके से दे रहा हूं निःशुल्क तो आप शुल्क के बदले में ही कमेंट मान लीजिए जाकर वहां पर अपना प्रतिक्रिया अवश्य ही दीजिए अगर आपको बुरा लगा हो तो आप बुरा कमेंट भी कर सकते हैं बुरी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं अच्छा लगा हो तो अच्छी प्रतिक्रिया भी आप लोग दे सकते हैं आप स्वतंत्र हैं क्योंकि ये क्या है एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सभी इसके सदस्य हैं ठीक है ना तो अब सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि अभी तक भोजन हुआ नहीं है जब से बजे तो इतिहास को करवाने वाला हूं जहां पर विभिन्न युद्धों की चर्चा आज हम करने वाले हैं तो आप सभी लोग अवश्य वहां पर उपस्थित होइएगा एकदम मजेदार तरीके से सारी चीजें देखते हुए चलेंगे चलिए मोहित ये कहना है कि साइंस भी स्टार्ट कीजिए घटना चक्र के सीरीज देखिएगा घटना चक्र कराने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा साइंस में करवाऊंगा लेकिन ऐसे ही रिवीजन क्लास के अंतर्गत ही करवाऊंगा उसमें आधे घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है यानी कि एक दिन में चार टॉपिक कंप्लीट होगा बायोलॉजी में देखें तो हमारा पंद्रह या सोलह के आसपास टॉपिक है तो चार दिन में पूरी बायोलॉजी हो जाएगी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स भी लगभग पाँच के पाँच दिन के आसपास में पूरी फिजिक्स कवर करवा दूंगा फिजिक्स चार पाँच दिन नहीं लगेगा तीन दिन में पूरा फिजिक्स और दो दिन में पूरा आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो दस दिन के अंतर्गत आपके पूरे बायोलॉजी भी यहाँ पर पूरा बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री सारे कंप्लीट करवा दूंगा तो कम समय में रिविजन करवाने की गारंटी जो मैंने ली है ये अवश्य ही पूरा होगा जब लगेगा कि हाँ समय कम पड़ने लगा है कुछ हमारी चीजें यहाँ पर रह रही है तो तीसरी कक्षा भी मैं स्टार्ट कर दूंगा आप सभी को टेंशन यहाँ पर नहीं लेनी है ठीक है ना अच्छा कर्ण जी बोल रहे पी नहीं मिल रहा है पर पी है है ना अभी एक ही पी मैंने अपलोड किया है आज इतिहास की कक्षा समाप्त हो जाएगी तो वहाँ पर अभी तक जितनी भी क्लासेज हुई है छः क्लासेज इन छो क्लास की पी आपको वहाँ पर मिल जाएगी ये मैंने अभी तक इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि मैडम जी का कहना है कि आप फ्री में दे रहे हैं तो उस पर वाटर मार्क लगा दीजिए और वाटर मार्क अभी तक लग नहीं पाया है तो अब क्लास समाप्त होने के बाद वाटर मार्क लग जाएगा क्योंकि एक प्रूव होना चाहिए ना कि हाँ आपने ये जो डाउनलोड किया है ये कहाँ से किया है नहीं तो इसका कोई भी गलत फ़ायदा उठा सकता है है ना इसी का प्रयोग करके वो लोग भी अपना बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग दिल्ली में भी टेस्ट सीरीज जो देते हैं ना तो कई सारी एकेडमीज़ हैं जहाँ पर मेरे बनाए हुए क्वेश्चन वो लोग प्रयोग करते हैं ये चीजें मुझे नहीं पता था लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था दिल्ली में ही तो एक बार गया वही मुखर्जी नगर सबसे बड़ा मार्केट है आप सभी को पता ही होगा है ना एजुकेशन हब हाँ तो नहीं बोलेंगे मार्केट बोलेंगे उसको क्योंकि वहां पर मार्केटिंग ही की जा रही है तो वहां पर टेस्ट सीरीज उठाकर मैं देखने लग गया है ना तो एक टेस्ट सीरीज में लगभग 12 के आसपास क्वेश्चन वैसे थे जो मेरे बनाए हुए क्वेश्चन थे तो मेरे भी कॉपी केज जाते ये मुझे उस दिन पता चला था इसलिए अब जो भी चीजें आपको मिलेगी थोड़ा सा वाटर मार्क के साथ मिलेगी कि हाँ ये चीजें हमारे द्वारा आपको दी गई है ठीक है ना बिहार करंट अफेयर अफेयर अब सोच रहा हूं डेली में करवाऊ तो इसके लिए जो टाइम जो है मैं सोच रहा हूं रात में करवाऊ है ना तो एक बार मैं डिसाइड कर लेता हूं कि बाकी और कौन कौन सी क्लासेज है और उसके अनुसार है ना दूसरी कक्षा में मैं टाइम बता दूंगा करंट अफेयर भी अब डेली करवाऊंगा तभी जाके हमारा करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो पाएगा इसलिए करंट अफेयर की तीसरी कक्षा आपकी प्रतिदिन अब यहाँ पर चलने वाली है ठीक है ना तो सारी चीजें होगी आपकी बेसिक भी होगी है ना करंट अफेयर भी होगी कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैंने बोला है कि 120 प्लस मैं दिलवाऊंगा अगर मेरे साथ साथ जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रह गए सारी चीजें मस्तिष्क में बैठा लिए तो 120 प्लस आपका अवश्य ही आएगा ठीक है ना तो चलिए अब सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर तुरंत मिलते हैं बारह बजे बारह बजे वाली क्लास शेड्यूल